हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम पूरा सी एन यानी कंप्यूटर नेटवर्क्स कंप्लीट करेंगे वो भी स्पेशली फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वहां से सेक्टली exactly क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस वीडियो में मैंने पूरा कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्टिंग से लेके एकदम एंड तक पढ़ाया है तो अगर आपने पहले कंप्यूटर नेटवर्क कभी नहीं पढ़ा या आप उसे जल्दी से रिवाइज करना चाहते हैं दोनों ही केस में वीडियो आपके लिए बड़ा कमाल का होने वाला है इस वीडियो के लिए मैंने बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी का सिलेबस स्टडी किया और बाद में कंटेंट फाइनल किया है तो मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं कि 95% से ज्यादा कंटेंट आपके सिलेबस से मैच करेगा ही करेगा तो अगर आप ये वीडियो कंप्लीट करते हैं तो आपको कंप्यूटर नेटवर्क सिखाने की जिम्मेदारी मेरी और इस वीडियो में हम जो भी कंटेंट कंप्लीट करेंगे उसके एकदम प्रो लेवल के नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा यहाँ पर वीडियो में आपको नीचे टाइम पे चैप्टर्स मिलेंगे जिस पे क्लिक करके आप किसी भी चैप्टर पे डायरेक्टली भी जा सकते हैं आप दुनिया में किसी भी जगह से वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट करके लोकेशन जरूर बताइएगा ताकि कमेंट सेक्शन में पूरे भारत का नक्शा बनता हुआ नजर आए तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस के बारे में ना दैट इज अ स्टैंडर्ड सिलेबस जो मेरे ख्याल से ज्यादातर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में मैंने देखा है मैं साइड हट जाता हूं एक बार आप भी देख सकते हैं अमूमन इसी से रिलेटेड सिलेबस आपको मिलेगा कंप्यूटर नेटवर्क की अगर बात करेंगे तो अब इसमें यू you नो know, बहुत सारे टर्म्स एक्सप्लेन अच्छे से नहीं लिखे होते कैसे किया होता क्या नहीं किया होता बच्चों को नहीं समझ आ रहा होता तो यहाँ पर

हमेशा तो क्या होगा वीडियो में आप यहां ऊपर देखेंगे टॉप लेफ्ट में तो आपको हमेशा नजर आएगा वीडियो चैप्टर कौन सा चल रहा है और यहां पे उस चैप्टर के अंदर टॉपिक और इसी सीक्वेंस में व्हाट यू कैन डू यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इसी सीक्वेंस में प्ले होने वाला है अगर आप प्ले करते हैं कहीं पर आता है फ्लडिंग लिखा हुआ है इसका मतलब इंट्राडोम राउटिंग उसके आगे है और राउटिंग उसके पहले है क्लास एड्रेसिंग उसके पहले है सो दिस इज इट सिलेबस uh, आपको दिखा दिया वीडियो के चैप्टर्स आपको बता दिया अब सीधे पढ़ना स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क सो लुक एट दिस कंप्यूटर नेटवर्क इज अ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क विच अलाउ ऑटोनोमस डिजिटल डिवाइसेस तो यहां पर पहली बात मैं सिर्फ कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा आजकल जितनी भी डिवाइसेस आप यूज करते हैं दे आर पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क देन ऑटोनोमस मतलब सब अलग अलग है एक का दूसरे पर कोई डायरेक्ट डिपेंडेंसी नहीं है टू एक्सचेंज डेटा बिटवीन ईच अदर आईदर यूजिंग वायर्ड और वायरलेस तो ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है uh, एक नेटवर्क के अंदर वायर्ड कनेक्शन भी हो सकता है वायरलेस भी हो सकता है आगे जाके सारी टेक्नोलॉजी हम स्टडी करेंगे क्यों कर रहे हैं सो दैट टू शेयर रिसोर्सेज नॉर दे बी हार्डवेयर रिसोर्सेज फॉर एग्जाम्पल मैं प्रिंटर शेयर कर रहा हूं इट कुड बी अ सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज फॉर एग्जाम्पल मैं ड्राइव शेयर कर रहा हूं ये yes? इंटरकनेक्टेड बाय सिंगल टेक्नोलॉजी अब ये जितने भी डिवाइसेज है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिफरेंट हो सकता है बट कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स होंगे जो एवरीबडी विल शेयर कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे है ना तो डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन नोट इट डाउन डायग्राम और बना सकते हैं थोड़ा सा इसमें कॉन्टेक्ट में एड कर सकता हूं देखिये इंटरनेट की बात करें नेटवर्क की भी बात करें ना तो ऐसा नहीं है कि विथ टाइम चेंज नहीं हुआ है बहुत सारे इम्प्रूवमेंट है और लुक एट दिस लास्ट डायग्राम इसमें आप एक चीज नोटिस करना जितनी भी डिवाइसेज आप देख रहे हो ना वो प्रिंटर है लैपटॉप है मॉडर्म है राउटर है वट एवर इट दिस ये सारे डिवाइस 10 15 20 साल से थे हमारे पास बट इंटरनेट का ये नेटवर्क्स का उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं था हुआ क्या जब ये सारे के सारे डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट हो गए ना तो इम्पैक्ट आने लगा इंटरनेट भी बहुत नई बात नहीं अभी काफी पुराना भी है तो आप मान सकते हैं इंटरनेट भी लाइक ट्वेंटी थर्टी ईयर से है बट एक समय बोलता इंटरनेट कुछ इस तरह से यूज हो रहा होता था यू गो टू अ साइबर कैफे तब आप जाते थे मेल अकाउंट एक्सेस करना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी इंटरनेट अवेलेबल था बट एकदम लास्ट यूजर तक बहुत कम कॉस्ट में अवेलेबल नहीं था अब पिछले दस साल से पिछले पांच साल से क्या चेंज आया है टेक्नोलॉजी वाइड स्प्रेड हो गई है इंटरनेट के कॉस्टिंग बहुत कम हो गए नाउ इज यूजिंग इट इससे हमारी लाइफ में इतने चेंजेस आए नाउ जिससे हम बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स कि नॉट ओनली कंप्यूटर घर में लगभग लगभग जितने अपलायसेज हैं ऑलरेडी काफी इंटरनेट से कनेक्ट हो गए और जो नई है वो भी आने वाले टाइम में धीरे धीरे इंटरनेट से कनेक्ट होंगे है ना सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एक ये सिंपल से ग्राफ में आपको दिखाऊं विकीपीडिया से लिया है ऑल द वन ऑटो करेक्शन हमारा मैप सही से नहीं बनाया गया तो मैं उसे करेक्ट कर देता हूं नाउ लुक एट दिस आप मुझे बताओगे ये किसके बारे में है ये लिटरेसी के बारे में है ये जीडीपी के बारे में है ये लाइफ एक्सपेंडे एक्सपेंडेंसी के बारे में है या फिर ये इंटरनेट के बारे में सो so ये ग्राफ है, इंटरनेट के बारे में बता रहा है कि लगभग कितने परसेंटेज ऑफ द पीपल आर कनेक्टेड टू इंटरनेट एंड यू कैन सी ये ग्राफ सेम ही है लिटरेसी का देख लो जी का देख लो तो जिनको हम आज डेवलप्ड नेशन बोल रहे होते यू एस है यूरोप है यू नो ऑस्ट्रेलिया है जापान है साउथ कोरिया है यू कैन सी एवरीबडी इज हैविंग अ गुड इंटरनेट कनेक्शन तो जिसे बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान हा वो जरूरी है बट अब एक साथ चौथी चीज एड होनी चाहिए इंटरनेट तो जितना सॉलिड इंटरनेट होगा हमें भी चाहिए कि इंडिया जल्दी से डार्क ब्लू कलर में पहुंच जाए उतना ही कंट्री तेजी से डेवलप हो रहा होगा

तो कम्युनिकेशन तो इंटरनेट अगर अच्छा होगा नेटवर्क अगर अच्छा होगा तो क्या होगा कम्युनिकेशन होगा आप मेल कर सकते हैं मैसेजेस कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं ऑल दीज थिंग्स Point number two, resource sharing. तो जितनी डेटा है वो आप शेयर कर पा रहे हो तो जैसे गूगल ड्राइव है, है बड़े -बड़े था सारे डॉक्यूमेंट्स हाथ में लेके घूमते थे सब अपलोड करके रखते हैं जहां जरूरत तो होते फोन में एक्सेस करके दिखा देते हैं तो वो सारी चीजें बैकअप रिकवरी करना आसान है कॉस्ट एफिशियंट होगा बिल्कुल होगा अगर एक ही चीज की हर कोई मल्टीपल कॉपी रखेगा तो उसकी कॉफ्टी ंग क्या होगी लेकिन अगर सर्वर पे तो एवरीबडी कैन एक्सेस इट इज इंटेड एंड देन फाइनली रिलायबिलिटी जब आपके पास एक अच्छा नेटवर्क होगा तो एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी सब कुछ ऑटोमेटिकली अच्छे होंगे तो गोल्स आपको ध्यान रखना है कि ये सारे गोल्स फुलफिल होने चाहिए तब हम मानेंगे कि एक अच्छा कंप्यूटर नेटवर्क हमने बनाया है गोइंग फर्दर एक बार बात कर लेते हैं एप्लीकेशन की इसमें मैंने देखा है पांच नंबर में छह नंबर में शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है कि बताओ कौन कौन से फील्ड में एप्लीकेशन है ने, नेटवर्क की क्या एप्लीकेशन है अब ये क्वेश्चन उल्टा है, इसलिए है देखो अगर मैं आपसे उल्टा पूछ लू ना कहा एप्लीकेशन नहीं है तो भी शायद आंसर करना उससे ज्यादा मुश्किल हो कि यार सब जगह एप्लीकेशन है बट अगेन हेडिंग्स याद करना इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा बिजनेस एंड कॉमर्स तो चाहे वो amazon है फ्लिपकार्ट आजकल आप यूज करो तो चाहे आप एज अ कंज्यूमर हो या बिजनेसमैन हो हर किसी के लिए इंटरनेट प्रोवाइड्स अ वास्ट अपॉर्चुनिटी बिल्कुल सही बात है एजुकेशन ऑलरेडी मैं अभी आप ये वीडियो पर देख रहे हैं तो यहाँ देखिए कॉलेज की मुझे पता नहीं कितनी जरूरत रह जाती है चीजें शेयर हो पा रही है बहुत सारे एजुटेक प्लेटफॉर्म है कॉलेज के अंदर भी बहुत सारी मीटिंग्स एंड सेमिनार एंड क्लासेज ऑनलाइन हो रही होती है तो अगेन अ बिग बिग एडवांटेज हेल्थ केयर डॉक्टर्स के साथ आजकल आप यू नो यू कैन हैव वीडियो कंसल्टेशन वो सब हो रहा है आजकल तो रोबोट्स के थ्रू डॉक्टर कहीं और बैठे

अच्छा अच्छा एंटरटेनमेंट ऑलरेडी तो आपको दे रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च है Research, ना आई ट्रिपल स्प्रिंग जितने बड़े बड़े हैं और एसोसिएशन है सारा डेटा नेट पे अवेलेबल है आपको कहीं पे जाके प्रिंटेड कॉपी लाने की जरूरत तो नहीं यू कैन लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्रेवल तो जितनी भी ट्रैवलिंग है आपको कोई टिकट बुक करना हो कहीं होटल में जाना हो आई कुड रिमेंबर दैट टाइम कि पहले किसी शहर में जाते थे हम लोग गाड़ी में बैठते थे पापा लोग जाते थे फिर कहीं होटल तय करके आते थे तब तो वहां जाया करते थे आज हम सब कुछ पहले से बुक करके जा रहे होते हैं सो ऑल दीज आर एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क ओके गोइंग फर्दर अब जैसे हमने सबसे पहले बात की वट इज कंप्यूटर नेटवर्क जहां पे डेटा कम्युनिकेशन होता है सो वट इज डेटा कम्युनिकेशन तो देखिए क्या लिखता है डेटा कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइस वाय ट्रांसमिशन मीडियम दो डिवाइसेस के बीच में जब डेटा एक्सचेंज होता है किसी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू तो उसको हम डेटा कम्युनिकेशन बोलते हैं हालांकि यहां मुझे लग रहा है भाई ने थोड़ी जल्दी कर दी डेटा कम्युनिकेट करने में बात अभी स्टार्ट हुई थी बोल रहा है सेंड मी पिक ऑफ योर्स और यहाँ रिजल्ट आ गया ब्लॉक खैर अगर इसके थोड़े से डिटेल में जाए जब कॉलेज एग्जाम में आपको लिख के आना है सेमेस्टर में पांच पॉइंट लिख के आना है जब भी डेटा कम्युनिकेशन होगा Five components will be there. क्या क्या होना चाहिए सर सबसे पहले तो डेटा मैसेज होना चाहिए जब तक मैसेज ही नहीं होगा यू नो कम्युनिकेट क्या करेंगे तो मैसेज मस्ट बी देर सेंडर कौन होता है जो डेटा ट्रांसमिट करता है करता, उसको सेंडर बोलते हैं दूसरी पार्टी कौन होती है रिसीवर होती है तो एक सेंडर होना चाहिए एक रिसीवर होना चाहिए वेरी गुड देन वी मस्ट है ट्रांसमिशन मीडियम अब मैसेज जाएगा कैसे है ना तो वो अलग बात है मैं नहीं बोल रहा वायर ही होना

जब दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है ना हार्डवेयर कॉमन है ना सॉफ्टवेयर कॉमन है ना स्पीड कॉमन है फिर भी अगर ये दो लोग आपस में बात कर पा रहे हैं तो दोनों को कुछ रूल्स कुछ रेगुलेशंस मानने पड़ेंगे है ना कोई एक प्रोटोकॉल नहीं हजारों प्रोटोकॉल जब एक दूसरे के साथ सिस्टमेटिक तरीके से काम करते है बात करते तब कहीं जाके कम्युनिकेशन हो पाता है तो फिफ्थ एंड द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस डेटा कम्युनिकेशन इज द प्रोटोकॉल यस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन मोड्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से मिलता है तो वट इज ट्रांसमिशन मोड तीन आइडियाज हमारे पास होते हैं ट्रांसमिशन मोड्स में आपने हाँ हो सकता है सुना भी हो मैं जल्दी से याद दिला देता हूं सिंप्लेक्स हाफ ड्यूप्लेक्स एंड फुल ड्यूप्लेक्स डू वी मीन बाईट सिंप्लेक्स जैसे यहां पर आप देख रहे हैं इफ वन पार्टी इज अ परमानेंट सेंडर एंड अनदर पार्टी इज अ परमानेंट रिसीवर तो एक आदमी परमानेंट ट्रांसमिट करेगा दूसरा आदमी परमानेंट रिसीव करेगा और डेटा हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा इस तरह के कम्युनिकेशन को हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलते हैं सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन वट डू वी कॉल इट सिंप्लेक्स अब जैसे आप देख रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है तो रेडियो पे हमेशा एक ही डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होगा जो लिसनर है क्या वो इसी रेडियो के थ्रू रिवर्ट कर सकता है नहीं कर सकता सिंप्लेक्स एक ही डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होगा और हमेशा ऐसे ही होता रहेगा यस yes, अब इसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं देन वी कॉल्ड इट हाफ डुप्लेक्स ये डुप्लेक्स तो है बट हाफ मतलब डेटा दोनों डायरेक्शन में कम्युनिकेशन हो सकता है बट एक टाइम पे एक एक टाइम पे एक टू कोट सम प्रैक्टिकल एग्जांपल इमेजिन अ नैरो रोड इन अ माउंटेन बहुत सकरी गली होती है है पहाड़ के अंदर छोटी रोड है। तो क्या इसमें कार दोनों तरफ चल सकती है चल तो सकती है सर बट एक बार में एक ही चल सकती है अगर उधर से ट्रैफिक आ रहा है तो आपने देखा कहीं लोग लाइन लगा के वेट करते हैं कि मे बी दस मिनट पहले उधर से ट्रैफिक चल रहा है जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब इधर से चलेगा और यू कैन टेक एन एक्साम्पल ऑफ वॉकी टॉकी आर्मी वालों के पास आप देखते डिफेंस वालों के पास मूवीज वगैरह में दिखाते हो सकता है आपने कहीं रियल भी देखा दे हैव वॉकी टॉकी सो एक बार में एक ही तरफ से वो बोलेगा ए बीसीडीबीटा गामा कुछ डेटा बोला ओवर फिर दूसरा अपना डेटा बोलेगा ओवर एंड नाउ लाइक द इट सो क्या सीखे आप डुप्लेक्स में एक बार में एक तरफ वैसे दोनों तरफ कर सकते हैं बट एक बार में एक साइड में कर सकते हैं इस तरह के कम्युनिकेशन क्या बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स एंड देन फाइनली वी अ फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन पर इमेजिन कर सकते हैं इट लाइक अ टू वे रोड जहां पर ही मैं ऐसा बोल देता हूं इट इज लाइक

कमेंट्स है ना आपके और बहुत इंपॉर्टेंट है वी टेक ईच एंड एवरी कमेंट सीरियसली है ना वी टेक योर सब्सक्रिप्शन सीरियसली सो दिस इज काइंड ऑफ अ फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन फेयर एनफ तो मेरे ख्याल से

उसी तरह जब हम एक अच्छा नेटवर्क बनाएंगे एक अच्छा कंप्यूटर नेटवर्क डिजाइन करेंगे क्राइटेरिया क्या होगा कौन डिसाइड करेगा कि अच्छा है खराब है कुछ क्राइटेरिया हो सकते हैं जैसे ध्यान दीजिए सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया डिलीवरी एंड एक्यूरेसी मतलब भाई सही डेस्टिनेशन पे डिलीवर करना और डेटा को करप्ट करना ये तो नंबर वन है अगर आप यही ना कर पाए तो हम नहीं मानेंगे आपने अच्छा नेटवर्क बनाया तो डेस्टिनेशन करेक्ट होना चाहिए डेटा में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए है ना तो एरर हैंडलिंग मस्ट बी इज परफॉर्मेंस जब स्टेज आप पार कर लेंगे तब मैं आपसे बात करूंगा कितनी स्पीड से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है टोटल यू नो कितनी स्पीड आ रही है वो सारी चीजें क्या कैपेसिटी है बैंडविड्थ क्या है नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी ट्रांसमिशन में कितने दिन आपका इंटरनेट डाउन रहता है कितनी बार फेलियर होता है और अगर फेलियर होता भी है तो फेलियर को करेक्ट करने का उसको रिजोल्व करने का स्ट्रेटेजी क्या है तो वो सारी चीज आपके पास होनी चाहिए इंपॉर्टेंट तो, you know, तो डिटेल you know, ऐसा कहीं शेयर हो ये चार क्राइटेरिया याद रखिएगा क्वेश्चन आएगा फोड़ दीजिएगा चारों के चारों पॉइंट लिख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट इट डाउन पढ़ते रहो लिखते रहो थोड़ा थोड़ा ताकि बात दिमाग में छप जाए क्राइटेरिया ओवर तो नेक्स्ट टाइप ऑफ कनेक्शंस ये बहुत छोटी-छोटी टर्मिनोलॉजी है बट इंपॉर्टेंट है तो दो तरह के हम कम्युनिकेशन मानते हैं कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क्स के अंदर पहला इस काइंड ऑफ अ पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन ऐसा गेम बचपन में आपने खेला है है ना हालांकि मुझे रहीस बच्चे दिख रहा है बिकॉज़ स्टील के गिलास में छेद कर दिया उन्होंने हमारी मम्मी में उल्टा लटका देती थी तुमने तो माचिस के डब्बे या नारियल के यू नो जो उसका शेल होता है उससे किया है बट ये ऐसा पॉइंट टू पॉइंट बना रहे जब दो डिवाइस एक दूसरे डायरेक्टली कनेक्टेड है कोई बीच में थर्ड पार्टी नहीं। कोई ने कोई शेयरिंग नहीं डायरेक्ट कनेक्शन हमने बना दिया इसको हम क्या बोलते हैं सब पॉइंट तो पॉइंट टू कनेक्शन इसमें जाहिर सी बात है चीजों को मैनेज करना करना हैंडल एज एन कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर हमारे लिए आसान होगा दूसरा क्या हो सकता है इट्स लाइक अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन अब यहां पर क्या है दे एक मीडियम शेयर्ड मीडियम बोलूंगा हमारे पास है एंड मल्टीपल नोड्स और कंप्यूटर और डिवाइसेस आर कनेक्टेड तो ये याद रखिएगा दो तरह के कनेक्शन होंगे कौन कौन से Point to point and multi -point. और जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं क्लैरिटी के साथ दो नंबर चार नंबर या दस नंबर ना पूछा सो लुक एट दिस जैसे आप देख पा रहे वट इज टॉपोलॉजी लुक एट द डेफिनेशन जैसे हम फिजिकली डिवाइस को एसोसिएट कर रहे हैं रेफर्स टू दिन विच नेटवर्क इज लेडउट फिजिकली तो

है ना एक एक करके बात करते हैं तो जो पहली इंपॉर्टेंट टॉपोलॉजी है दैट इज कॉल्ड मेस्ट टॉपोलॉजी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बना के आना है बहुत सारे कंप्यूटर हैं एंड एवरीबॉडी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू एवरीबॉडी जैसे बोलते हैं कंप्लीट ग्राफ ना ग्राफ थ्योरी में तो अगर एन नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है एंड एवरी कंप्यूटर इज रिमेनिंगली कनेक्टेड टू एन माइनस कंप्यूटर तो टोटल नंबर ऑफ कनेक्शन कितने होंगे एन इन टू और क्योंकि एक को मैं दो बार काउंट कर रहा हूँ सॉल डिवाइडेड बाई टू है ना तो सबसे कॉम्प्लेक्स सबसे सिंपल भी बोल सकता हूं ये हो सकता है इसका एडवांटेज क्या होगा ट्रैफिक प्रॉब्लम सर होगी नहीं एवरीबडी इज डायरेक्टली कनेक्टेड सबकी सेपरेट रोड है कोई ट्रैफिक नहीं है रोबस्ट होगा सिक्योरिटी होगी बिकॉज कोई शेयरिंग नहीं है बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है फॉल्ट अगर होगा मान लीजिए ये दोनों आपस में बात नहीं कर पा रहे तो पक्का है कि इसी लाइन में कोई इशू है तो फॉल्ट आइडेंटिफाई करना उसको रिजोल्व करना आसान होगा इंस्टॉलेशन ओ माई गॉड छोटे मोटे दस पांच कंप्यूटर कनेक्ट करना ठीक है इस पर अगर हंड्रेड भी किया यूनिट अप्रोक्सीमेटली फाइव थाउजेंड कनेक्शन तो इसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होगी सर वायरिंग बहुत ज्यादा होगी एक्सपेंसिव होगा कॉन्फ्यूगर रिकॉन्फ्यूगर करना बहुत मुश्किल होगा है ना तो बहुत छोटे मोटे लैंड पे सिस्टम पे आप इसे लगा सकते हो बड़े सिस्टम्स में बड़े नेटवर्क में तो नहीं लगा सकते थोड़ा मैनेजेबल आ जाता स्टार वट इज द बेसिक आइडिया तो इट लुक लाइक्स अ स्टार

मैश के साथ बिकॉज वो तो बहुत ज्यादा कर रहा था यहां सेंट्रल से कनेक्टेड है रिलेटिवली इसको इंस्टॉल करना रिकॉन्फि करना आसान होगा एक सिस्टम और लगाना यू कैन डायरेक्टली कनेक्टेड एक हटाना यू कैन रिमूव बाकी खास फर्क इसमें नहीं पड़ रहा है रोबस्ट 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 है हालांकि और नहीं भी इसलिए इंडिविजुअल सिस्टम अगर खराब होता है तो बाकी टोपोलॉजी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा बट भगवान ना करे अगर आपका सेंट्रल हब डाउन हो गया ये इसका प्रॉब्लम है कि पूरा का पूरा जो डिपेंडेंसी है वो सेंट्रल हब पे है है ना बाकी फाइल फॉल्ट आइडेंटिफाई करना भी आसान होगा अगर कोई भी बात नहीं कर पा रहा तो समझ जाना कि सेंट्रल हब के अंदर प्रॉब्लम है सो दिस इज अ बेसिक आइडिया नाउ नेक्स्ट इज अ बस स्टॉपोलॉजी तो एक सेंट्रल लाइन हमारे पास है जैसे बोलते हैं बैकबोन नेटवर्क बड़ी कॉमन सेंस आइडिया मैं बोलता हूँ हमारे घर में पानी की सप्लाई कैसे होती है हमारे घर में और क्या गैस की सप्लाई कैसे होती है मे बी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कैसे होती है सब ऐसा ही तो करते हैं एक सेंट्रल लाइन आती है हर किसी को उसी से कनेक्शन देते जाते हैं सो दिस इज अ बेसिक आइडिया जहाँ पर इसको बोलते हैं ड्रॉप लाइन ड्रॉप लाइन लगाते जाते हैं और अलग अलग सिस्टम कनेक्ट करते जाते हैं ज्यादातर केस में बस इज वेरी पॉपुलर आइडिया इसकी कॉस्टिंग कम है हालांकि इसके अपने प्रॉब्लम्स भी हैं तो अगर एक एक करके बात करें एडवांटेज पे कॉन्फिगर करना आसान है केबलिंग कम होगी खर्चा कम होगा बिल्कुल सही बात है अगर कहीं गड़बड़ होगी तो फॉल्ट आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होगा ट्रैफिक प्रॉब्लम भी इधर होने वाली है बिकॉज दिस मीडियम मस्ट बी बिजी और नए डिवाइस को लगाना है हटाना है कभी कभी मे बी अगर ऑप्टिकल फाइबर वगैरह यूज कर रहे हैं तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है और अगेन अगर एक भी गड़बड़ हुआ ना पूरे बस के अंदर तो पूरा का पूरा ये जो आपका नेटवर्क है रुक जाने वाला है तो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट यहां पर हो जाता है कमिंग टू नेक्स्ट आइडिया रिंग टॉपोलॉजी वाई यू कॉल्ड इट रिंग बिकॉज इट लुक लाइक अ रिंग सर्किल में अगर हम बहुत सारी डिवाइस अटैच कर दें और काम करने का तरीका क्या है देखो जैसा भी यहाँ चल रहा है ना इस एनिमेशन में डिवाइस नंबर वन अगर डिवाइस नंबर फोर से कम्युनिकेट कर रहा है तो वो डेटा पहले टू के पास गया फिर थ्री के पास गया फिर फोर के पास आया अभी फोर अगर रिप्लाई करेगा तो वाया या फाइव एंड सिक्स होते हुए फिर रिजल्ट आएगा वन के पास तो ऐसे सर्कुलर फैशन में डेटा घूमता है सिक्योरिटी की बात ही यहाँ करना मत, बिकॉज हर कोई बीच में इन्वॉल्व होता है तब तो आपकी चिट्ठी पहुंच रही होती है लेकिन हाँ आजकल वैसे भी रिंग वाला इतना टोकन रिंग एक टाइम पे इंपॉर्टेंट होता था बट भी काइंड kind ऑफ of इतना पॉपुलर अप्रोच रहा भी नहीं है तो आइडिया आपको क्लियर है इंस्टॉल करना रिकनफिगर करना आसान है फॉल्ट आइसोलेशन फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन भी सिंपल होगा अगर कहीं पर भी ब्रेक हुआ कुछ गड़बड़ हुआ तो पूरा का पूरा रिंग आपका कोलेप्स हो जाएगा कमिंग टू द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपोलॉजी वाला पार्ट कौन सा अच्छा है सर सारे बढ़िया है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट यू हैव हम अलग अलग चूज कर सकते हैं प्रैक्टिकली बात करें तो ज्यादातर केस में इंटायर इंटरनेट इज लाइक हाइब्रिड है ना तो लोग मिक्स कर रहे होते हैं हो सकता है दो डिवाइस दो रिंग आपस में हम ऐसा बस कनेक्ट कर ले या उनका मैश बना ले ब्ला 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 तो कंक्लूजन अगर कोई पूछे आपसे हालांकि इतना पूछेगा नहीं तो आपको लेके आना है कि एवरीबडी हैज इट्स ऑन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ये हम पे डिपेंड करता है कि हमारे लिए मोस्ट सुटेबल कौन है और प्रैक्टिकली तो ज्यादातर लोग हाइब्रिड अप्रोच करते है। Fair enough. तो ये बात हमारी complete हो जाती है। Coming to next idea, is this land, man, बहुत है, बट यार अभी भी नेटवर्क फ्यू किलोमीटर ऑफिस बिल्डिंग के जो अंदर हम नैन बनाते हैं कॉलेज की लैब के अंदर नेटवर्क बनाते हैं दिस इज कॉल्ड लेन वेन वाइड एरिया नेटवर्क आमतौर पे कोई सोसाइटी है कोई शहर है छोटा सा कोई स्टेट है उसको कवर करना वी कॉल्ड इट वाइड एरिया नेटवर्क एंड मैन इज लाइक मेट्रोपॉलिटन और इट्स लाइक यू नो इंटरनेट ऑफ इंटरनेट जहां बड़े आइडियाज को हम कवर कर रहे होते हैं तो यह, यहां लगी यहां मेरे ख्याल से उल्टा हो गया पहले लैन नंबर वन इज लैन एंड देन वी हैव मेट्रोपॉलिटन एंड देन वी हैव दिस वाइड एरिया नेटवर्क तो किसी स्टेट को जैसे यूपी जैसे बड़े स्टेट को कवर करना है जिस इज कॉल्ड वाइड एंड किसी शहर तक हम कन्फाइन कर रहे हैं कोई दो चार सेक्टर हमने पकड़ लिए दिस इज कॉल्ड मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क जैसे एग्जाम्पल लिखा है कि मुंबई का एक नेटवर्क बना है बट हम इंटरेस्टेड है द नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क द बिगर नेटवर्क विच इज़ द इंटरनेट जिसमें काइंड kind ऑफ of सब कोई हम कनेक्ट कर रहे होते हैं तो चलिए अभी बात करते हैं नेटवर्क मॉडल की सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं क्या है जो हमारा प्रॉमिस है दो कंप्यूटर हैं दोनों इंडिपेंडेंट कंप्यूटर हैं दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है उनका सॉफ्टवेयर उनका हार्डवेयर उनकी बाकी जितनी भी टेक्निक्स है स्पीड सब कुछ डिफरेंट हो सकता है फिर भी सवाल ये है क्या इन दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है क्या क्या ये डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं क्या हाँ कर सकते हैं कैसे करेंगे तो ये बात तो आपको माननी पड़ेगी जब सारी चीज डिफरेंट है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है बहुत सारे प्रोटोकॉल चाहिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए सो so दैट ये दोनों लोग आपस में कम्युनिकेट कर सके बिना किसी गड़बड़ किए कम्युनिकेट कर सके मान सकते हैं ये बात नाउ, अब ये होगा कैसे तो एक ऑर्गेनाइजेशन है आई जिसका नाम आपने सुना भी होगा जैसे इंडिया में होता है ना आई एस आई होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड समथिंग लाइक दिस ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आई जो अलग अलग सब्जेक्ट में बहुत सारे टॉपिक आप पढ़ते हो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के लिए गाइडलाइंस देते हैं इन्होंने एक मॉडल बनाया मॉडल का नाम था ओ तो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड आई लेकिन जो मॉडल उन्होंने दिया दैट इज कॉल्ड ओ एस आई मॉडल कॉल्ड ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन दो सिस्टम जो आपस में ओपन है इंडिपेंडेंट है ऑटोनोमस है उनको इंटर कनेक्ट करने के लिए अब इन्होंने किया कि अप्रोच समझाता हूं ये मॉडल इस दो कंप्यूटर को कनेक्ट करने की प्रॉब्लम को सेवन लेयर्स में डिवाइड करता है कहता था बहुत सारी प्रॉब्लम है आर्किटेक्चर है एक साथ सब कुछ करेंगे तो प्रॉब्लम होगा हमें काम करते हैं हम इसको सेवन 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 लेयर लेयर्स में में डिवाइड कर देते हैं और इन्होंने हर लेयर की ना ड्यूटी स्टेब्लिश कर दी कि कौन कौन सा लेयर कौन कौन सी ड्यूटी परफॉर्म करेगा तो अगर नाम में एक बार पढ़ लू जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर एग्जाम में आधे बच्चों को यार ऑर्डर ही याद नहीं रहता ये जरूर याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट है फिजिकल लेयर डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर सेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर एप्लीकेशन लेयर तो ये सारी लेयर्स हमारे पास होती हैं और हर लेयर की हमको ड्यूटी फिक्स कर देते कि ये लेयर ये काम करेगा ये लेयर ये काम करेगा तो ये जो आइडिया था इस आइडिया को उस मॉडल को बोलते हैं ओएसआई मॉडल मैं एक चीज यहाँ पे करेक्ट कर दू क्या ये प्रोटोकॉल है ये प्रोटोकॉल नहीं है ये अप्रोच है ये बताता है किस तरह से काम करना है जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमने डिसाइड किया कि यार जो आर्मी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगी और जो पुलिस है वो स्टेट गवर्नमेंट की होगी हर स्टेट गवर्नमेंट की अपनी अलग पुलिस पुलिस होगी ये एक है लेकिन क्या हर स्टेट की के अपने रूल्स अलग अलग हो सकते हैं प्रोटोकॉल अलग अलग हो सकते हैं जैसे मैं आप बोलता हूँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारी अप्रोच क्या होगी हमारी थॉट प्रोसेस क्या होगी एग्जैक्ट रूल एंड एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्ट प्रोटोकॉल है ना तो नेटवर्क लेयर की क्या क्या ड्यूटीज होंगी ये एक अप्रोच है नेटवर्क लेयर में जो प्रोटोकॉल है इंटरनेट प्रोटोकॉल वो एक रूल है है ना ट्रांसपोर्ट लेयर एक आइडिया है ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर दो पॉपुलर प्रोटोकॉल है टीसीपी एंड यूडीपी आपके पास एक चॉइस है है ना तो कर, इसको आमतौर पे क्या बोलते हैं टीसीपी आई प्रोटोकॉल सूट है ना तो दीज आर रूल्स एंड रेगुलेशन और ये रूल्स एंड रेगुलेशन इस मॉडल पे बेस्ड है तो इस मॉडल हमें एडवांटेज क्या दिया हमें बताया कि कैसे सोचना है कैसे काम करना है और विथ टाइम

सिस्टम जब वापस में कनेक्ट करते हैं ना तो कनेक्शन होता कैसे देखिए ऐसे समझिए एक है डिवाइस ए एक है डिवाइस बी जब डिवाइस ए डिवाइस बी से कम्युनिकेट करता है ना इन डिवाइस ए डेटा ऐसे ऊपर की से नीचे की तरफ जाएगा देन वायर मीडियम ये होते हुए एट द रिसीवर एंड ये नीचे से ऊपर की तरफ आता है तो ऐसा समझिए यहां जब की बात करते हैं मान लीजिए व्हाट्सएप पे किसी से बात कर रहे हैं एप्लीकेशन लेयर पे व्हाट्सएप चल रहा है तो उसका एक डेटा है और वहां पर हर लेयर हर लेयर की कुछ ड्यूटी है वो जो भी ड्यूटी करती है वो जो भी काम करती है उसके जो भी इंफॉर्मेशन है मेटा डेटा है एक हेडर बना के अटैच कर लेती है तो ये एप्लीकेशन का लेयर का हेडर चला गया उसके पास और एप्लीकेशन लेयर जब डेटा भेजेगा प्रेजेंटेशन लेयर पे तो प्रेजेंटेशन लेयर इसको डेटा ट्रीट करेगा उसको नहीं पता इसमें क्या एप्लीकेशन लेयर का डेटा क्या रियल डेटा है

And finally, जैसे हम कहते हैं ना देखिए है, जो communication होगा है प्रेजेंटेशन से बात कर रहा है presentation, presentation से बात कर रहा है लाइक दिस हैपन जैसे मैं बोलता हूं, मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है ना अगर लटनी से यूएस में प्रेसिडेंट होता है यूएस प्रेसिडेंट से बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं बात तो डायरेक्ट होती है डायरेक्ट के कॉल लगाते हैं क्या नहीं मे भी हो सकता है प्राइम मिनिस्टर पहले अपने सेक्रेटरी से बात करें फिर उनके सेक्रेटरी फाइनेंस मिनिस्टर से बात करें फिर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अपने सेक्रेटरी से बात करें फिर हमारे सेक्रेटरी हमारा जो एम्बेसडर है टू यूएस जो हमारे राजदूत होंगे उनसे बात करें फिर उनका राजदूत यूएस के राजदूत से देन देयर देयर सेक्रेटरी देन देन फाइनेंस मिनिस्टर देयर सेक्रेटरी और तब कहीं जाके बात क्लियर हो कि ये दोनों आपस में बात करना चाहते हैं बात तो डायरेक्ट ही होगी बाद में बट देर आर नंबर ऑफ लेयर्स नंबर ऑफ यू नो हेरिकीज विच आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन तो कुछ इस तरह से डेटा ट्रांसमिट होता है सेवन लेयर है अच्छा नेटवर्क लेयर तक की जो लेयर्स है ना ये रास्ते में राउटर्स में एड्रेसिंग में काम करती है उसके ऊपर का डेटा तभी ओपन होता है जब हम डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं है ना तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आई थिंक ये डायग्राम आप बना के आएंगे हैंड कैप्सुलेशन के साइड पे packet पे packet, packet पे पैकेट 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 करते जाना रिसीवर साइड पे खोलते जाना दिस इज द अप्रोच दिस इज द प्रिंसिपल दिस इज द एग्जैक्ट रूल एंड रेगुलेशन तो क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में आई थिंक बेसिक बात मैंने सब आपको बता दी ना वट एम गोइंग टू डू इस वेरी इंपॉर्टेंट हर लेयर के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है क्या क्या ड्यूटीज इस पर बात करते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट बिकॉज आने वाली जितनी वीडियो पांच छह घंटे की बची है ना उस वीडियो में दरअसल ये सारे टॉपिक्स हम दोबारा डिटेल में ही पढ़ रहे होंगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाले ध्यान से देखिएगा पहला लेयर विल गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप जिसको हम बोलते हैं फिजिकल, लेयर, तो फिजिकल लेयर की क्या ट्रांसमिशन मीडियम we'll तो तो ही है, है ना यहां पर आप देखेंगे जब फिजिकल डेटा आगे जा रहा है तो फिजिकल कम्युनिकेशन के थ्रू आगे बढ़ता है तो हर मीडियम अब वो पेयर केबल हो सकता है ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है वायर्ड हो सकता है वायरलेस हो सकता है किस मीडियम पे हमारा जो जीरो वन डेटा है उस मीडियम पे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगा कि लाइट बनेगा कि साउंड बनेगा क्या बनेगा उसको कम्युनिकेट कराना उस कन्वर्जन को ध्यान रखना है ना एनालॉग टू डिजिटल डिजिटल टू एनालॉग दैट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द फिजिकल लेयर तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स एट द फिजिकल मीडियम विल बी टेकन केयर बाय दिस फिजिकल लेयर पॉइंट नंबर 2 डेटा ट्रांसमिशन रेट हर मीडियम के अपने रेट्स होंगे अल्टीमेट ट्रांसमिशन मीडियम से तो फिजिकल लेयर ही बात कर रहा है ना तो अगर ट्विस्टेड पेयर केबल है कोएक्सियल केबल है ऑप्टिकल फाइबर है वायरलेस है उस कम्युनिकेशन के क्या बैंडविड्थ्स हैं क्या डेटा रेट है कितनी स्पीड से डेटा भेजा जा सकता है दिस विल ऑल्सो बी हैंडल्ड बाय फिजिकल लेयर तो डेटा रेट का भी यही ध्यान रखिएगा ये पॉइंट ऑलरेडी हम कम्युनिकेट कर चुके हैं नेटवर्क में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है या मल्टी पॉइंट कनेक्शन है और दोनों में से जो भी है उस पे कैसे काम करते हैं उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग उसके क्या प्रोटोकॉल है तो लाइन कॉन्फ्रेशन दिस विल आल्सो बी हैंडल्ड बाय फिजिकल लेयर एक एक करके आगे बढ़ रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है टोपोलॉजी की हमने बात की रिंग हो सकता है स्टार हो सकता है मैश हो सकता है हाइब्रिड हो सकता है बस हो सकता है कौन सी टोपोलॉजी टॉपोलॉजी उसको एक्जैक्टली exactly कैसे हैंडल करना है सर दिस विल आल्सो बी टेकन केयर बाय यू नो फिजिकल टोपोलॉजी ओनली देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमने बात किया हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स है ना सिम्प्लेक्स uh, कोई भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन है उसको भी हैंडल करना किसकी रिस्पांसिबिलिटी होगी सर उसको भी हैंडल करना इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द फिजिकल लेयर तो दोबारा याद कर लीजिए फिजिकल लेयर जो सबसे नंबर 1 पे लेयर 1 नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए पांच रिस्पॉन्सिबिलिटी फिंगर टिप्स पैद होनी चाहिए डेटा को रिप्रेजेंट represent करना रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेट ऑन द फिजिकल मीडियम डेटा का रेट तय करना लाइन कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करना टॉपोलॉजी पे काम करना और ट्रांसमिशन मोड पे काम करना दिस ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फिजिकल लेयर टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारे सिलेबस में इसका बहुत डिटेलिंग नहीं है सो दैट विल बी ऑल है ना ये क्योंकि इट्स मोर टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉनिक साइड तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे इन सब को डिटेल में पढ़ते हैं वो हमारा काम नहीं है फिजिकल मीडियम पे डेटा कैसे जाता है हमें जो जहां से हम पढ़ना शुरू करते हैं वो है हमारा डेटा लिंक लेयर तो डेटा लिंक लेयर की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी फ्रेमिंग करना फ्रेमिंग मतलब क्या देखिए ऊपर से जब डेटा आता है नेटवर्क लेयर से वो अपने हिसाब से डेटा भेजेगा तो जैसा मैंने बोला डेटा लिंक लेयर अपना हेडर और ट्रेलर तो लगाएगा बट एक डब्बे में एक बॉक्स में एक फ्रेम में कितना है ट्रेलर लगाना है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेटा लिंक की बोलते इसी, इसी हैं फ्रेमिंग करना यानी कि फ्रेम में भरना हर पैकेट को डेटा लिंक में फ्रेम कहते हैं फ्रेम तो फ्रेम में भरना हेडर ट्रेलर लगाना डब्बा पैक करना आगे भेज देना दिस विल बी टेकन केयर बाय डेटा लिंक क्लियर फिजिकल एड्रेसिंग लोकल लेवल पे इथरनेट मैक एड्रेस बोलते हैं ना मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस सर दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेटा लिंक लेयर तो फोर्टी एट बेट का फोर्टी एट बेट्स का एट बाइट बाइट जो भी आप बोल लीजिए फिजिकल एड्रेस एसोसिएट कराना जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में प्रंटेड होता है दैट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेटा लिंक लेयर तो इथरनेट पूरा इसी को यूज करेगा आप फिजिकल एड्रेसिंग को गोइंग फॉरवर्ड मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स मतलब शेयर्ड मीडियम है सर बहुत सारे लोग एक ही मीडियम पे कनेक्टेड

सिबिलिटी तो होगी तो कि हो किसकी डेटा लिंक की लिस्ट एरर हैंडलिंग करना एर कंट्रोल करना पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एर अनिटेक्टेड ना आ जाए वो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है एरर होना प्रॉब्लम नहीं है एरर हुआ ये पता ही ना लगा पाए ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो पहले देखना कि एरर हुआ ये हम पता लगा पाए अगर एरर हुआ तो कैसे हैंडल करना है रिट्रांसमिट कराना है या उसी को करेक्ट करना है देट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेटा लिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जल्दी से रिवाइज कर लें एक बार क्या क्या फ्रेमिंग करना पैकेट्स में डिवाइड करना फिजिकल एड्रेसिंग करना एक्सेस कंट्रोल रिजोल्व करना फ्लो कंट्रोल करना एंड एरर कंट्रोल करना आगे ने पांच बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है डेटा लिंगलेयर की इतनी बात लिख दी सेमेस्टर में इतनी बात बोल दी वाई में बह जाएगा एग्जामिनर आगे बढ़ता हूं नाउ द हीरो नेटवर्क लेयर

प्रोटोकॉल इंट्रा डोमिन राउटिंग इंटर डोमेन राउटिंग ये सारा का सारा प्रोसेस मैनेज करना भी नेटवर्क लेयर का ले तो दो बड़े रेस्पॉन्सिबिलिटीज यहां पर आ जाते हैं पहला प्रॉमिस मान लेता हूं प्रॉमिस प्रॉमिस एक है सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ये फुलफिल करने के लिए दो काम करते हैं। पहला लॉजिकल एड्रेसिंग करना हर किसी को एड्रेस देना दूसरा राउटिंग करना जो ये प्रोसेस डिफाइन करना कि उस एड्रेस तक कैसे पहुंचते हैं तो ये दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाते हैं हमारे नेटवर्क लेयर के गोइंग फॉरवर्ड ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर को थोड़ा स्टेबलाइज करता है नेटवर्क लेयर आगे बात करेंगे आईपी आईपी थोड़ा अनरिलायबल या कनेक्शन लेयर से थोड़ा अल्लड़ है थोड़ा आवारा है है ना उसको थोड़ा सा प्रोटोकॉल में लेके आना दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर और लगभग जितने काम डेटा लिंक लेयर ना लोकल लेवल पे करता है लगभग वो सारे काम ट्रांसपोर्ट लेयर बड़े लेवल पे पूरे इंटरनेट वाले लेवल पे कर रहा होता है कैसे एल्गो वन एंड वन सो सबसे पहला जो काम करता है सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग करता है इस बात का मतलब क्या है इंटरनेट पे अगर सोर्स टू डेस्टिनेशन आपने कनेक्ट कर भी दिया तो एक सिस्टम पे एक प्रोसेस चल रहा है क्या नहीं सर हजार प्रोसेस चल रहे हैं सर्वर पे तो लाखों प्रोसेस चल रहे होंगे इन साइड अ कंप्यूटर कौन सा प्रोसेस डेस्टिनेशन के कौन से प्रोसेस से कनेक्ट करना चाह रहा है कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस को पहचान पाने की काबिलियत जो है दैट इज कॉल्ड पोर्ट एड्रेसिंग और सॉकेट एड्रेसिंग हम इसे बोलते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रांसपोर्ट लेयर का सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बाद में डिटेल में इसमें बात करेंगे देन वी हैव सेगमेंटेशन इन रीअसेंबली वही आर्ग्यूमेंट है जो यू नो डेटा लिंक लेयर का था वो अपने लेवल पे कर रहा है ये अपने लेवल पे कर रहा है एप्लीकेशन लेयर से जब डेटा आएगा तो बड़े साइज में आएगा उसको अपने हिसाब से अपने मैनेजेबल साइज में ब्रेक करना इस कॉल्ड सेगमेंटेशन पैकेट एक ही है भाई ट्रांसपोर्ट लेयर में उस पैकेट को सेगमेंट कहते हैं सेगमेंट 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 नेटवर्क लेयर में उसी पैकेट को डेटाग्राम कहते हैं डेटाग्राम 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 उसी पैकेट को डेटा लिंक लेयर में फ्रेम कहते हैं फ्रेम 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 तो वहां फ्रेमिंग यहां सेगमेंटेशन डेटाग्रामिंग कुछ नहीं होता वैसे तो so, सेगमेंटेशन में हम सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं अगेन जो अपना हेडर वगैरह लगाना है वो ये लगाएगा रिसीवर एंड में उसी को हम रीअसेंबल कर लेंगे कंजेशन कंट्रोल वेरी गुड पहला ऐसा प्रॉब्लम है जो नेटवर्क लेयर हैंडल करता है इसके बारे में कोई बात नहीं करता हम सोर्स की बात कर रहे हैं हम रिसीवर की बात कर रहे हैं नेटवर्क की बात कोई नहीं कर रहा अगर सेंडर रिसीवर तैयार भी हो लेकिन रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो तो उसको भी तो मैनेज करना होगा दैट इज आल्सो टेकन केयर बाय ट्रांसपोर्ट लेयर जिसका पहले कोई ध्यान नहीं रखता था बहुत इन डेप्थ इसके अंदर होता है आगे हम डिस्कस करेंगे कंजेशन कंट्रोल की जो बात है फ्लो कंट्रोल अगेन रिसीवर ओवरब ना हो जाए ज्यादा डेटा ट्रांसमिट ना करें उस बात का ख्याल रखना एरर कंट्रोल ये सारी चीज हम समझ चुके हैं एरर कंट्रोल मैनेज करना तो सारे बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गए कौन कौन सा तो पहले तो पोर्ट एड्रेसिंग करना सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग करना देन सेगमेंटेशन रीअसेंबली वाली बात हो गई कनेक्शन कंट्रोल करना कंजेशन कंट्रोल करना फ्लो कंट्रोल करना एंड एरर कंट्रोल ऑल दीज टेकन केयर बाय ट्रांसपोर्ट लेयर। अब बची तीन लेयर है ना इनके करके कर के बात कर रहा हूं दो दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट टू बी वेरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं बट बेसिक आइडिया होना चाहिए सेशन लेयर तो सेशन लेयर जैसे बोलते हैं इट इज अ डायलॉग कंट्रोलर अगर दो तीन इंपॉर्टेंट बात मैं आपको याद दिलाऊं एक दो कनेक्शन स्टेब्लिश कराना सेशन के लेवल पर है उसको मेंटेन करना स्टेब्लिश करना दोनों सिस्टम को जैसे फॉर एग्जांपल आप नेट बैंकिंग लॉग इन किया डब्ल्यू 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 डॉट एस बी आई डॉट कॉम फॉर एक्साम्पल तो एक, एक आपका डायलॉग स्टार्ट हो गया वो डायलॉग मेंटेन करना सो तो दट so दोनों आपस में कोई गड़बड़ ना हो फुल्स में शानदार तरीके से दोनों बात करें और जितने भी ट्रांसमिशन हुआ उसको सिंकनाइज रखना कोई गड़बड़ हो गई तो ऐसा नहीं फिर दोबारा से पूरा डेटा ट्रांसमिट करना पड़ रहा है लास्ट लेवल में कहा तक किया वहां रोल बैक करके फिर हम आगे आ जाए उस तरह की सारी चीजें मैनेज करना इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द सेशन लेयर सेशन कंट्रोल करता है प्रेजेंटेशन लेयर ऑल्दो मेरे हिसाब से रिलेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तीन मेजर काम ये करता है अगर मैं बोलूं तो पहला डिटेल आप पढ़ सकते हैं ट्रांसलेशन दो डिवाइस जब कम्युनिकेट कर रहे हैं ना उनका जो डेटा लिखने का फॉर्मेट है पैटर्न है वो अलग हो सकता है हो सकता है कोई एसकाई यूज करे कोई और कोडिंग यूज करे तो एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में एक कोड को दूसरे कोड में कन्वर्ट करना रिडेबल रखना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेजेंटेशन नाम ना प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करेगा तो कोड को ट्रांसलेट करेगा है ना सो दिस इज वन थिंग सेकेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनक्रिप्शन वैसे तो क्रिप्टोग्राफी एक सेपरेट सब्जेक्ट है बट हां यहां पर डेटा नेटवर्क में प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में ना जाए तो सेंडर साइड पे उसको एनक्रिप्ट करना प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना और रिसीवर साइड पे उसको डिक्रिप्ट करना साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में दोबारा कन्वर्ट करना विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर तो बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है थोड़ा सा टेस्ट लेके चलेंगे इसका आगे जब बात करेंगे डिटेल में हैंड एंड डेटा कंपरेशन वेरी इंपॉर्टेंट वैसे तो आजकल स्टोरेज में भी इट इज इंपॉर्टेंट बट स्पेशली जब हम नेटवर्क यूज करते हैं तो हम हमेशा चाहेंगे नेटवर्क को ज्यादा से ज्यादा यूज करें कि कम से कम कम से कम रिसोर्स में हमारा काम हो जाए तो एट द टाइम ऑफ ट्रांसमिशन ओरिजिनल डेटा को कंप्रेस करना अब वो कैसा कंप्रेशन होगा लॉसी होगा लॉसलेस होगा क्या कहानी है विल गो इन द डिटेल बट ये कंप्रेशन डी करना विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेजेंटेशन लेर Coming to application layer, ये सारी layers इतना सारा मेहनत कर क्यों रही हैं, सो दैट एप्लीकेशन लेयर अपना काम कर सके तो बाकी सब तैयारी करते हैं उन सर्विसेज को इस्तेमाल करना किसका काम है एप्लीकेशन का काम है लेड अप्रोच में हमेशा समझिएगा नीचे वाली लेयर अगर मैं लेयर एक्स पे हूं तो लेयर एक्स लेयर एक्स माइनस वन से सर्विस लेती है और एक्स प्लस वन को सर्विस देती है एक्स माइनस वन से सर्विस लेती है और एक्स प्लस वन को सर्विस देती है है ना तो ये एक अप्रोच में काम करता है यहां पर हम डिटेल में बात करेंगे वर्चुअल नेटवर्क हैंडल करना फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ई मेलिंग है डायरेक्टरी सर्विसेज है डीएनएस है ये सारी चीज हम हैं हैंडल करेंगे तो एप्लीकेशन लेयर उन वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है यू नो जो हम काइंड ऑफ यूज कर रहे होते हैं पहले वाले डेटा सो so, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी मेरे ख्याल से पूरा मॉडल सात लेयर सीक्वेंस में इनकी ड्यूटीज आपको समझ आई होंगी सेमेस्टर एग्जाम में अगेन हमें बहुत डब में जाने का टाइम भी नहीं होता जाना चाहे तो ना वो बोल देगा दस नंबर में आठ नंबर में लिखो तो दस मिनट आपके पास है कितना ही लिख पाओगे बट यस yes, अच्छे से सा लिख के आना सारे हेडिंग्स के साथ नाउ कमिंग टू ट्रांसमिशन मीडिया जैसे हमने पहले समझा था अगर डेटा कम्युनिकेशन होना है सर तो डेटा कम्युनिकेशन होगा जब हमारे पास एक ट्रांसमिशन मीडियम बिना मीडियम के तो नहीं हो सकता तो ट्रांसमिशन मीडियम को ब्रॉडली हम दो टाइप में कैटेगराइज करते हैं हम बोलते हैं वायर्ड और दूसरा बोलते हैं वायरलेस है ना तो आई गो वन बाय वन एक करके आ, सबसे पहला टाइप जो हमारा वायर्ड ट्रांसमिशन में आता है दैट इज कॉल्ड ट्विस्टेड पेयर केबल

तो बहुत पॉपुलर है आमतौर पे मैं अगर बात करूं तो सीसीटीवी उसका कोई डोरबेल है या इंटरनेट है या लैंड पोर्ट्स है वट एवर इट इज ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यही हैंडल कर रहा होता है लोकल लेवल पे 100 200 400 मीटर तक नेट कनेक्ट करना इससे शानदार ऑप्शन नहीं है नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट केबल है आप याद करिए आपने कहां पे देखा है इसको केबल टीवी में देखा होगा डिस में दैट्स कोएक्सियल केबल तो यहां पर आप देख रहे हैं एक कंडक्टर बिल्कुल सेंट्रल में मिलेगा इसलिए बोलते हैं कोएक्सियल है एंड देन यू हैव इंसुलेटर देन अदर मेटल एंड देन अगेन यू हैव इंसुलेटर तो केबल टीवी वगैरह के कनेक्शन में ये यूज होता है बड़ा पॉपुलर अप्रोच है रोज ऑप्टिकल फाइबर दिल्ली से मुंबई मुंबई से सिंगापुर सिंगापुर से न्यूयॉर्क लॉन्ग लेवल पे जब डेटा ट्रांसमिट होता है देन वी यूज ऑप्टिकल फाइबरिटी में गो टू सिक्सटीन हंड्रेड गीगा बाइट पर सेकेंड और मे बी इवन मोर बिकॉज चीजें डेवलप हो रही होती हैं तो ये कैसे काम करता है उसमें जाने की जरूरत नहीं है बट इट इज इसके अंदर डेटा जो है लाइट फॉर्म में ट्रांसफर होता है तो यू नो नॉइस का साउंड का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैग्नेटिक फील्ड का कोई खास फर्क इस पर नहीं पड़ता है तो दैट इज आवर दो तीन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आप में से आई थिंक बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके घर पे ऑलरेडी इंटरनेट आज ऑप्टिकल फाइबर से आ रहा है राउटर के बाद कन्वर्ट होता है एंड देन आगे आपको सप्लाई करना है तो लैन या वायरलेस चलता है सो so, ये बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग है

पचास साठ सौ किलोमीटर तक आपको कम्युनिकेट करना तो आप ऐसा कर सकते हो हालांकि बीच में बिल्डिंग क्योंकि वेवलेंथ जिसकी ज्यादा होगी लार्ज वेवलेंथ एंड लो फ्रिक्वेंसी तो वेवलेंथ क्योंकि इसकी ज्यादा होगी तो मान के चलिए कि जो ऑप्शिकल्स हैं बिल्डिंग है दीवार है पेड़ है उन सबसे ये बचता बचाता पहुंच जाएगा लेकिन क्योंकि अर्थ की सर्फेस से चिपक के चल रहा है तो पावर बहुत जल्दी इसकी डेसिपेट होती है तो चालीस पचास सौ किलोमीटर तक कम्युनिकेट शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन अगर करना है रेडियो uh, वेव से तो दिस इज अ वेरी गुड आइडिया ओमनी डायरेक्शनल चारों तरफ जाएगा बाकी ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहां पे लिखे हैं शॉर्ट रेंजेस के अंदर ही पावर की खत्म हो जाती है कमिंग टू नेक्स्ट वन जिसको हम बोलते हैं स्काई प्रोपोगेशन यहां पर क्या है ए एम रेडियोज है ना आपने देखा कभी आप रेडियो को एम पे लगाओगे तो आपको जापान का सिंगापुर का दुबई का सऊदी का सबके चैनल आपको सुनेंगे तो यहाँ पर हम क्या करते हैं अर्थ की एक एटमॉस्फेयर की सरफेस होती है बोलते हैं आयनोस्फीयर तो इंसटेड हम डायरेक्ट ट्रांसमीटर को दें ट्रांसमीटर क्या करता है इसको अर्थ की सरफेस से ऊपर

जहां पे शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन हमें करना है मान लीजिए आर्मी वाले नहीं चाहते कि पीछे दुश्मन का इलाका वहां भी जाए एक डायरेक्शन में कम्युनिकेशन करना है टीवी के रिमोट से इंफ्रारेड हम यूज करता है सिंगल डायरेक्शन में कम्युनिकेट करना है ये एक अप्रोच है जो लाइन ऑफ साइट में काम करता है अगर मैं रेंजेस की बात करूँ एप्लीकेशन की बात करूँ ये ट्वेल्थ क्लास वाला पूरा स्पेक्टर में याद करिए तो ये हमारे पास जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे पावर बढ़ती जाएगी ये तो विजिबल स्पेक्ट्रम में जो मैं देख रहा होता है उसके आगे इन्फ्रारेड उसके आगे माइक्रोवेव एंड दे रेडियो वेव्स है ना तो एफ एम शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन ए एम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन उसके आगे तो और लॉन्ग वेव आ जाती है ये पूरी डिटेल मैंने यहाँ पे लिख के रखी है माइक्रोवेव छोटे लेवल पे जब आपको कम्युनिकेट करना हो तो वहां पर यूज होता है आमतौर पर गवर्नमेंट इसे मैनेज नहीं करती और आपको असाइन करना अलाइन करना पड़ेगा एंटीना है ना तब आप माइक्रोवेव यूज करके कम्युनिकेट कर सकते हैं इंफ्रारेड तो अगेन बहुत ही शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन टीवी के रिमोट से आपको कम्युनिकेट करना है तो इनफरनेट वगैरह यूज करके आप कर सकते हैं तो वेवलेंथ रेंज सब मैंने लिख के रखा है तो अगर जरूरत पड़ेगी तो हंड्रेड परसेंट यू कैन नोट इट डाउन इसको आप यूज कर सकते हो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज द स्विचिंग मेथड। तो ये भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आई होप अपने को क्लैरिटी होनी चाहिए बिफोर वी प्रोसीड फॉरवर्ड स्विचिंग क्या है अप्रोचेज है अलग अलग है ना स्विचिंग इज ए टेक्निक बाय विच नोड स्विच है पैकेट कैन फर्दर भी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स वन इज डेटा काम एंड वन इज वर्चुअल नेटवर्क पहले बात करता हूं सर्किट स्विचिंग की कॉमन सेंस अप्रोच है सर्किट स्विच करना मानो सर्किट बनाना एक डिवाइस यहाँ पे टेलीफोन के टाइम पे यूज हुआ करता था ये आजकल काइंड ऑफ ऑर्थोडॉक्स से पुराना हो गया है तो दो फोन आपस में कनेक्ट कैसे होते थे पुराने टाइम में बोल रहा है ट्रंक कॉल हम कर रहे हैं तो एक्चुअली देर आर सम ऑपरेटर्स जो एक्सचेंज में बैठ के मान लीजिए डेली से मुंबई कॉल लगानी है तो डेली से कोटा में भी बीच में वडोदरा जितनी भी शेयर होंगे उनकी एक्सचेंज आपस में प्रॉपरली फिजिकल कनेक्शन स्टेब्लिश करते थे ऑपरेटर तब जाके कॉल पैच होती थी तब लाके जाके दो लोग आपस में बात करते थे जब हम एक परफेक्ट परमानेंट स्विच बना देते हैं फॉर सम टाइम एंड देन अ फिजिकल कॉल हैपन अ कनेक्शन इज इस्टेब्लिश दिस इज कॉल्ड सर्किट स्विचिंग करना कॉस्टिंग ज्यादा होगी बिकॉज वो ब्रांडविड उस समय के लिए आपके लिए रिजर्व है प्रॉब्लम इसके अंदर क्या है कि यार अगर आप बात नहीं भी करोगे ना तब भी आप ही के लिए वो रिजर्व करके रखा है है ना एडवांटेज क्या है कोई बीच में डिस्ट्रशन नहीं होगा डेटा लैग नहीं होगा क्योंकि पूरी लाइन आपके लिए हमने रिजर्व करके रख दी है इसके अंदर दो अप्रोच हो सकते हैं एक हो सकता है टाइम टाइम मैंने बोल दिया बारह बजके से बारह बज के बीस मिनट तक ये लाइन आपके लिए रिजर्व है तो ट्रंक कॉल लाइन आप ही बात करेंगे एक हो सकता है इसका वेवलेंथ इतना बड़ा हो कि इसको भी फर्दर डिवाइड किया जा सके की चार लाइन है दिल्ली से मुंबई हर समय 20 लाइनें फॉर एग्जांपल रहती है बोलता है इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है तो जितना स्पेक्ट्रम में यूज किया गया है इस कनेक्शन के अंदर इतना कैपेसिटी है इतना डेटा ट्रांसमिशन रेट है इतना बैंडविड्थ है एक बार में चार लोग आपस में बात कर सकते हैं तो इसमें हम टाइम भी डिवाइड कर सकते हो फ्रिक्वेंसी भी डिवाइड कर सकते हो बट अगेन थोड़ा पुराना अप्रोच क्यों है एक कंटिन्यूस चैनल स्टेब्लिश रहता है खर्चे थोड़े ज्यादा बट रिलायबिलिटी भी थोड़ा ज्यादा है आजकल इंटरनेट के बाद जो हम बात करते हैं दैट इज द आइडिया ऑफ पैकेट स्विचिंग पैकेट स्विचिंग का मतलब क्या है यहां पर डेटा को हम पैकेट्स में डिवाइड करते हैं किसी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है आप अलग तरह से जा सकते हो एंड इज राउट नेटवर्क दे सी हर पैकेट के पास सोर्स डेस्टिनेशन के एड्रेस है और अब दोबारा से पूरा एनिमेशन जब यहां पर पैकेट आएंगे अलग अलग रास्ते से जैसे हम देखेंगे नेटवर्क लेयर के अंदर ना अलग अलग रास्ते से होते हुए जा सकते हैं उसको ऐसे समझिए अगर प्रधानमंत्री को एक रास्ते से अपने ऑफिस से पार्लियामेंट पार्लियामेंट से ऑफिस जाना है तो दैट इज हाउ प्राइम मिनिस्टर रास्ता रिजर्व होगा सबके लिए ब्लॉक्ड होगा बैरिकेड लगे होंगे कोई बीच में नहीं आ सकता द द एंटायर रोड इज डेडिकेटेड टू प्राइम मिनिस्टर लेकिन जब अपन स्कूल जाते हैं तो कैसे जाते हैं इसी तरह से जाते हैं सर आपका भाई अलग रास्ते से जाएगा आप अलग रास्ते से जाएंगे अल्टीमेटली एड्रेस सबको पता है वहां पर जाके रीअसेंबल हो सकते हैं हो सकते हैं जाते हुए ऑर्डर भी चेंज हो जाए देर यूसी तो ग्रीन रेड ब्लू पहुंचा बट अगेन देसी जो वहां पे ऑर्डरिंग करनी थी वो ऑर्डरिंग हमने वापस कर ली तो ट्रांसपोर्ट लेयर में आमतौर पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली आईपी के अंदर इस तरह की स्विचिंग करते हैं इसको अगर थोड़ा सा इंप्रूव कर ले वो बन जाता है हमारा वर्चुअल नेटवर्क वर्चुअल में क्या करते हैं होता पैकेट ही है कोई रिजर्वेशन नहीं होता बट एक दिन आपके पापा को बात पता लग गई कि यार ये नलायकी करते हैं बच्चे घूमते घामते जाते हैं पापा ने रास्ता फिक्स कर दिया बेटा जाना इसी रास्ते से कोई रिजर्वेशन नहीं है मैंने रोड में बैरिकेड नहीं लगवाए बट एवरीबडी विल गो थ्रू द सेम बात ऑल्सो दिवाइडेड इन टू पैकेट एंड एवरी पैकेट इज गोइंग सेपरेटली दैट इज कॉल्ड वर्चुअल नेटवर्क इसलिए इसको वर्चुअल बोल रहे होते हैं रास्ता फिक्स है बट रिजर्व नहीं है आपके लिए एक वर्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, हाँ है 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 कि होते है। एक वर्चुअल ट्यूब सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी मुझे छोटा सा टॉपिक मिला मैंने लगा दी स्लाइड दो मिनट लगते हैं बट आपका पांच नंबर आठ नंबर जाना नहीं चाहिए आई इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क पुराना अप्रोच है, 90's, 80's का 90's का आजकल को कोई यूज नहीं करता चार पांच पॉइंट लिख के करिए सो इट इज अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल फॉर स्टेब्लिशिंग एंड ब्रेकिंग सर्किट स्विच्ड कनेक्शन फॉर एडवांस कॉल फीचर फॉर द यूजर तो क्या यूज करता था पुरानी अप्रोच है उस समय सर्किट स्विचिंग यूज होती थी वो यहाँ पर यूज करता था अनलेस ट्रेडिशनल टेलीफोन सर्विसेज विच यूज एनालॉग अन यूजेस डिजिटल सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन है एक समय पे अगर आपको याद हो तो इंटरनेट हम लैंडलाइन फोन के थ्रू यूज करते थे टेलीकम्युनिकेट टेलीफोन के थ्रू इंटरनेट यूज होता उस समय तक फोन बिजी रहता था बट ये ऐसा नहीं है ये डिजिटल सिग्नल्स के थ्रू कनेक्ट कर रहा था दो चैनल आमतौर पर स्टैब्लिश करता था बी चैनल फॉर डेटा एंड डी चैनल फॉर कंट्रोल दो अलग अलग कनेक्शन स्टैब्लिश करता था एंड देन और उसके अंदर भी दो तरह के कनेक्शन ये देते थे रेट आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे क्यों ये आउटडेटेड है एक है बी आर आई कॉल्ड बेसिक रेट इंटरफेस और दूसरा हमारे पास है पी आर आई लॉ कॉल्ड प्राइमरी रेट इंटरफेस बेसिक की स्पीड थी 128 ट्वेंटी के बी पी एस बी एस एन एल भी तो uh, आजकल के टाइम पे ऑलरेडी टेक्नोलॉजी तो दिस इज ऑलरेडी बिंग डिक्लाइंड एन काइंड ऑफ ऑब्सलीट अभी ये बाहर चली गई है so, तो आई एस जिन की कोई बात करें तो पांच दस पॉइंट लिख के आएंगे तो आठ में से सात नंबर आपको मिलेगा सो दैट इज ऑल इन द बेसिकेडी फॉर यूनिक टू विच इज लाइक डेटा लिंक क्लियर इन डिटेल तो चलिए अभी बात स्टार्ट करते हैं डेटा लिंक लेयर के बारे में तो जैसा आप देखोगे डेटा लिंक लेयर को ना दो और टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं जो लोअर हाफ ऑफ द डेटा लिंक लेयर है दैट इज कॉल्ड ए मैक मैक आपने होगा मैक एड्रेस मैक एड्रेस सो लाइक मीडिया एक्सेस कंट्रोल फुल फॉर्म और जो अपर हाफ है दैट इज कॉल्ड एलएलसी लॉजिकल लिंक कंट्रोल ये दो बात याद रखिएगा अब इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो जो लोअर हाफ है विच इज लाइक द मीडिया एक्सेस कंट्रोल एक तो जो, जो उसका नाम है जो शेयर्ड मीडियम हमारा है उसके ऊपर कंट्रोल डिफाइन करना कि कौन किस समय कंट्रोल करेगा तो उसका पूरा मैकेनिज्म हम स्टडी करेंगे जिसमें अलोहा स्लॉटेड अलोहा सी एस एम ए सी एस एम ए

चीजें हम इधर पढ़ते हैं फ्रेमिंग ये दोनों में डिवाइडेड है तो फ्रेमिंग का कुछ पार्ट हम मानते हैं कि मैक हैंडल करता है कुछ पार्ट एलएलसी हैंडल करता है तो ओवरऑल पांच रिस्पॉन्सिबिलिटी है बट ये एक छोटा सा नोट है आखिर आपसे बोल दे कि यार तीन नंबर में दो नंबर में क्वेश्चन आया कि यार मैक के ऊपर लिखो या एल के ऊपर लिखो तो यू मस्ट बी इन द पोजिशन टू आंसर है ना ये हमारी बेसिक बात होगी ना गोइंग फॉरवर्ड सीधे मैं जो पहला रिस्पांसिबिलिटी यानी कि एक्सेस कंट्रोल डिफाइन करना उस पर आ जाता हूँ दिस इज एन एंटायर हेरि की ये पूरा इकोसिस्टम है पूरा ट्री जो आपको पता होना चाहिए तो एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है ना उनको वैसे बेसिकली हम थ्री पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं कौन कौन से थ्री पार्ट है एक हमारे पास रेंडम एक्सेस प्रोटोकॉल कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल एंड चेनलाइजेशन टू बी वेरी ऑनेस्ट कंट्रोल्ड एक्सेस एंड चैनलाइजेशन थोड़े से ज्यादा सोफेस्टिकेटेड है

में आता है इसका बेसिक अगर क्लियर हो जाए तो आगे की कहानी आपके लिए दोनों के लिए आसान होती है पहले बात करते हैं प्रोपगेशन डिले इन जनरल इसको रिप्रेजेंट करते हैं टीपी टी विद अ सबस्क्रिप्ट पी एंड व्हाट इज प्रोपगेशन मैं जो बचपन से करते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड वही है एक डेटा को अब आप कार की स्पीड निकाल लो अपनी स्पीड निकाल लो या डेटा की स्पीड निकाल लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कितना टाइम टाइम लगता है सर सो इज टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे जितने स्पीड के साथ ट्रेवल करेंगे ये हमारा आ जाएगा प्रोपोगेशन डिले बहुत सिंपल है मुझे लगता है इसमें कोई बात करने की जरूरत है जैसे यहां पर देखिए स्विच वन स्विच टू स्विच थ्री जैसा मान ले कि अगर मान लीजिए ठीक बारह बजे ट्रांसमिशन हमने स्टार्ट किया तो जाने में कुछ समय लगेगा मान लेते हैं मिनट लगे तो जो पहली बाइट यहां से हमने ट्रांसमिट करने स्टार्ट करी 12 बज के, के पांच मिनट पे पहुंची तो प्रोपगेशन डिले कितना हुआ पांच मिनट का इतना टाइम लगता है सिमिलरली यहां पर भी ऐसा प्रोपगेशन डिले करके दिखा देंगे तो प्रोपगेशन डिले डिस्टेंस अपॉन स्पीड इसमें कभी कंफ्यूजन मत करिएगा कंफ्यूजन होता है ट्रांसमिशन डिले में जो अगला मैकेनिज्म है वो समझाता हूँ एक दूसरे एग्जांपल के साथ पहले ट्रांसमिशन डिले रिप्रेजेंट कर करते हैं इट मोस्ट ऑफ़ द टाइम जितना मैंने कुछ लोग इसको टी से भी करते हैं। फौर्वर्डिंग, फौर्वर्डिंग। तो मत होइएगा टी एं टी एंड टी एफ आर बोथ आर सेम थिंग आईडिया क्या आइडिया समझाता हूँ आपको देखो एक गेम समझो मैं सिविल इंजीनियर तो नहीं हूँ बट यहाँ पे क्या है दिखाया कि वॉश बेसिन में हीटर से हॉट वाटर सप्लाई कैसा आती है तो कोल्ड वाटर हीटर में भी जा रहा है और कोल्ड वाटर डायरेक्ट वॉश बेसिन में भी आ रहा है एंड दे इज हॉट वाटर सप्लाई जिससे वॉश बेसिन में दोनों सप्लाई हमें चाहिए ना ताकि मैनेज कर सके कितना गर्म पानी चाहिए और वो यहाँ पर आ रहा है अब एक एग्जाम्पल समझिए मान लेते कि हीटर ऑन है और हीटर में पानी पूरा भरा हुआ है ठीक है अब जैसे ही आप वॉश बेसिन के अंदर गर्म पानी वाली फॉर एग्जाम्पल टैप अगर ओपन करते हैं तो यहां से पानी चलना स्टार्ट होगा है ना एंड यूजिंग दिस 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 लाइन यहाँ कि पूरा लूप कंप्लीट करने में इसको वन मिनट का टाइम लगता है आपने प्रैक्टिकली देखा भी विंटर्स वगैरह में आप टेप ओपन करेंगे तो एकदम गर्म पानी नहीं आता क्योंकि लाइन के अंदर फिलहाल तो ठंडा पानी है तो थोड़ा समय लगता है जब ये गर्म पानी टिंग 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 आता है एक तिं मिनट लगा ये जो टाइम है ये आपका प्रोपोकेशन डिले तो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड पानी जितनी स्पीड से आएगा जितना लंबा ये पाइप होगा दैट इज डिस्टेंस करेगा आप कैलकुलेशन कर सकते हो एक बात कंप्लीट हो गई अब दूसरी बात है वो क्या मान लेते हैं कि ये दिस इज कैपेसिटी ऑफ टेन लीटर टेन लीटर पानी इसके अंदर है है ना और जिस अब एक रेट होगा ना जिस रेट से पानी आ रहा होगा क्या ऐसा, ऐसा बोल सकता हूं इसको पूरा खाली होने में पांच मिनट लगेंगे इस बात का मतलब क्या है कि पहली बूंद फर्स्ट ड्रॉप ऑफ द वाटर जब जिस समय ऐसे निकलेगी लास्ट ड्रॉप जब निकलेगी जिस रेट से बाहर आ रही है पांच मिनट लगेंगे दिस इज कॉल्ड ट्रांसमिशन टाइम लेट मी राइट एन एग्जाम्पल उसके बाद आप समझोगे मान लेते हैं बारह बजे आपने टंकी ओपन करी है ना यहां से डेटा आना शुरू हुआ पानी मान लो डेटा मान लो एक ही बात है इमेजिन सर्वर योर कंप्यूटर तो 12 बजे अगर गेम स्टार्ट हुआ तो आपके पास पानी की पहली ड्रॉप कब पहुंची बारह बज के एक मिनट में क्योंकि एक मिनट लगता है आने में दिस इज द ट्रांस प्रोपोगेशन डिले यस लेकिन क्योंकि पांच मिनट लगे इसको यहां से आगे बढ़ने में तो आप इमेजिन कर सकते हो बताओगे इसके हिसाब से सोचे इसने ट्रांसमिशन स्टार्ट किया बारह बजे और आखिरी डेटा भेजा आखिरी पानी भेजा बारह बज के पांच मिनट पे इसके पास पहला पानी पहुंचा बारह बज के एक मिनट पे और आखिरी पहुंचा बारह बज के छह मिनट पे जो आखिरी ड्रॉप पहुंचेगी है ना तो जो फाइनल यू कैन से जो फाइनल ट्रांसमिशन कंप्लीट होगा वो होगा बारह बज के छह मिनट पे तो टोटल टाइम कितना होता है सर टोटल टाइम इज द प्रोपोगेशन टाइम प्लस द ट्रांसमिशन टाइम प्रोपोगेशन टाइम हमारे केस में वन मिनट था और फाइनली ट्रांसमिट करने में फाइव मिनट और लगा तो जो आखिरी पानी आप तक आया वो है छह मिनट के अंदर अब यही चीज आप नेटवर्क में इमेजिन कर सकते हो एक टाकेट है है ना तो पैकेट जब ट्रांसमिशन होना शुरू हुआ तो थोड़ा समय लगता है उसको लाइन पे आने में फिर प्रोपगेट होते-होते वापस आता है तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं यहां पर तो देखना पड़ेगा किस रेट से बाहर आ रहा है यहां पर क्या देखना पड़ेगा लेंथ डिवाइड बाय बैंडविड्थ भाई जितना बड़ा पैकेट है जिस रेट से ट्रांसमिट हो रहा है फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि इसके अंदर जो पैकेट है उसका साइज है फाइव एम बी है ना फाइव मेगाबाइट्स का पैकेट है और हमारा जो ट्रांसमिशन रेट है जो बैंडविड्थ है पाइप कितना मोटा है वो मान लेते हैं वन एम बी कैपिटल भी मान रहा हूँ

रैंडम के अंदर कैटेगरी है अलोहा स्लॉटेड अलोहा सी एस एम एस एम एस एस एम एस सी ए बट कुछ आइडिया नहीं कोई जूनियर नहीं कोई क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कोई मास्टर नहीं होगा सारे के सारे स्टेशन इंडिपेंडेंट है ना कोई किसी को परमिट करेगा ना कोई किसी से परमिशन लेगा एवरीबडी इज इक्वल फेयर इनफ आगे बढ़िए दो पी, पॉइंट और जनरल बातें हम कभी ये नहीं बताएंगे कि किसको ट्रांसमिट करना रैंडम एक्सेस है ना मौके पर चौका मारने वाला सिस्टम है जिसका मन करे वो ट्रांसमिट करो ट्रांसमिशन सक्सेस हुआ ट्रांसमिशन फेल हुआ हमें नहीं पता अगला स्टेशन जो ट्रांसमिट करेगा हम ये भी नहीं बताने वाले कोई रूल नहीं है कि हु विल बी द नेक्स्ट जो ट्रांसमिट करेगा प्योर रेंडमनेस है, है ना इस आइडिया इस थॉट प्रोसेस के ऊपर जब हम काम करते हैं इसको बोलते हैं रेंडम एक्सेस प्रोटोकॉल हालांकि यहाँ पे जब इतना ड्रामा आप करोगे ना कुछ देख रहे ना सुन रहे बस जो जिसका मन किया जा रहा है तो कॉलीजन होगा हो सकता है होगा तो उसको कैसे हैंडल करेंगे उसकी भी बात आगे करेंगे तो यहाँ पर बेसिकली क्योंकि अलग अलग अप्रोच है लोहा थोड़ा अलग काम करेगा सी एस एम एस सी डी थोड़ा अलग करेगा सी ए थोड़ा अलग करेगा ये चार मेजर क्वेश्चन में आप लिखता हूं जिसको लोग अलग अलग तरह से आंसर करेंगे पहला कोई स्टेशन मीडियम को जो ट्रांसमिशन मीडियम हमारा है उसको एक्सेस कब कर सकता है अगर मीडियम बिजी है तो क्या करना है अगर ट्रांसमिशन कर दिया अभी वो सक्सेसफुल है कि फेलियर है फिर कैसे पता लगेगा और अगर कन्फ्लिक्ट हो गया लड़ाई हो गई कॉलिजन हो गया दो लोगों ने एक्स्ट्रा ट्रांसमिट किया हो गया उस तरह की सिचुएशन में क्या करना है वो भी हमें यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा यस तो नाउ विल गोन टू द फर्स्ट आइडिया पांच दस नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी न्यूमेरिकल यहां से पूछा जाता है अलोहा वट इज अलोहा It was developed by University of Hawaii in 1970s, and Nor uh, Norman Manuel Abrahamson. He is the man behind the idea.

जब भी आपके पास फ्रेम हो आप ट्रांसमिट कर दीजिए आपको किसी से कोई परमिशन कोई यू नो रिक्वायरमेंट नहीं है किसी से कोई किसी भी तरह का परमिशन लेने का ये इसका आइडिया है हालांकि जब आप ऐसा करेंगे तो कॉलिजन होने की पॉसिबिलिटी होगी अंडरस्टैंडिंग क्या है दो तीन अलग अलग डायग्राम है ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में बनाना है मैं साइड हो जाता हूँ यू कैन नोट इट डाउन ऑल्सो तीन चार बना के देखोगे तीन चार बार बनाओगे पूरी बात समझ आएगी मैं पूरा फ्लो चार्ट के थ्रू अलोहा आपको क्लियर करता हूँ स्टेप नंबर वन अब हमने ट्रांसमिशन स्टार्ट किया ये हर स्टेशन इसी लूप में घूमेगा ट्रांसमिशन स्टार्ट किया इनिशियलाइज किया टू जीरो से है ना हम तो सीएसआईटी वाले हमारी गिनती जीरो से शुरू होती है हमारा पहला अटेम्प्ट है अब ना हमने मीडियम चेक किया उस पर कोई ऑलरेडी ट्रांसमिट तो नहीं कर रहा ना हमने आर पार नेतागिरी करी पंचायती करी पांच स्टेशन से पूछेंगे भैया आपको करना किसी को करना नहीं करना हमें मतलब नहीं है बिना चेक करे सीधे ट्रांसमिट करना चालू और हमने पूरा फ्रेम भेज दिया ठीक अब हमें कैसे पता लगेगा कि कॉलिजन हुआ या सही से चला गया तो जैसे हमने समझा ट्रांसमिशन आमतौर पर डेटा जाने में कितना टाइम लगेगा टीपी और वापस आने में कितना टाइम लगेगा अगेन टीपी तो टीपी प्लस टीपी कितना हो गया टू टीपी जिसको हम क्या बोलेंगे वेट आउट टाइम वेट आउट टाइम अब इतना टाइम लगभग टू टीपी टाइम हम वेट करेंगे घड़ी देख के अगर सब कुछ प्लान हालांकि एग्जैक्ट नहीं होगा इससे थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए कुछ लोग सोचेंगे सर ट्रांसमिशन टाइम भी एड करना चाहिए दरअसल होता यह है कि ये Uh, जो नेटवर्क का जो मैक्सिमम टाइम होता है वो हम लेके चलते हैं मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी डी चार पांच छह स्टेशन हो सकते हैं ना हम एन टू पी लेते हैं तो नॉर्मली वो सारा डिस्टेंस सारा जो रिमेनिंग टाइम है सब कवर हो जाता है तो टीपी इज अ गुड टाइम टू टीपी इतना टाइम वेट करने का भी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या या तो एक्नोलेजमेंट आ जाएगा यानी कि हाउ डू वी हैंडल की रिजल्ट सही से पहुंचा कि नहीं पहुंचा एक्नोलेजमेंट का मैकेनिज्म है अगर एक्नोलेजमेंट आ गया तो कहानी सेट हो गई आगे कुछ करने की जरूरत नहीं गेम ओवर अगर एक्नोलजमेंट नहीं आया अब क्या करेंगे तो अब देखिए अलोहा एक एक क्वेश्चन आंसर कर रहा है सबसे पहले अपना अटेम्प्ट बढ़ाइए ना केक्वल टू के प्लस वन है ना कि हम मानेंगे कि भैया कॉलिजन गया अब हम रीअेंप्ट करेंगे अब कभी कभी हो सकता है ना नेटवर्क में बहुत ज्यादा लोड हो कंजेशन हो हर कोई बार बार ट्राई करे फिर कॉलिजन फिर ट्राई करे फिर, फिर कॉलिजन तो टू बी इन द सेफर साइड की डेडलॉक की सिचुएशन ना हो परमानेंट हम इस लूप में ना चले जाए आमतौर पर हम चेक करते हैं क्या हमने मैक्सिमम अटेम्प्ट तो नहीं कर लिए और के मैक्स की वैल्यू हम रखते हैं फिफ्टीन स्ट्रिक्टली ग्रेटर है यानी कि इन जनरल हर स्टेशन को के की वैल्यू जीरो से पंद्रह तक हम सिक्सटीन अटेम्प्ट सोलह कोशिश देते हैं ट्रांसमिट uh, करने अगर सोला की अगर सोलह की सोलह बार कॉलिजन हो जाता है मैं आगे समझाऊंगा जिसके होने के चांस कई लाख करोड़ में है बट अगर हो जाता है तो बोलेंगे भाई साहब अभी दस मिनट हमें आराम करने दीजिए प्रोसेस को अबोर्ट करिए फिलहाल ट्रांसमिट मत करिए दिस वेरी दस समथिंग सीरियसली रॉन्ग बाद में ट्राई करना यस yes. एक बात अगर अभी तो हमारा नहीं है हमारा तो भी पहला ही है, है होगा तो क्या, तो हो क्या जिसके साथ आपका कॉलिजन हुआ वो भी यही कर रहा होगा आप फिर दोनों करोगे फिर कॉलिजन फिर दोनों करोगे फिर कॉलिजन तो क्या होना चाहिए एक सेंस ऑफ रेंडमनेस होनी चाहिए अगर दोनों ने ट्रांसमिट किया और कोलाइड हुआ तो दोनों एक बार फिर से करेंगे फिर से कॉलिजन होगा इस चीज को बचाने के लिए हम क्या करते हैं ये दो आइडियाज यहां पर है जिसको बोलते हैं बैक ऑफ टाइम एक आइडिया होता है रैंडमनेस लाते हैं बैक ऑफ टाइम जब टीबी स्टैंड फॉर बैक ऑफ टाइम क्या कहानी आपको समझाता हूं जो भी आपकी के की वैल्यू है जैसे पहली बार में के की वैल्यू जीरो एक बार कॉलिजन हुआ तो के की वैल्यू वन होगी टू होगी थ्री होगी फोर होगी ऐसे के की वैल्यू बढ़ती जाएगी अब जब के की वैल्यू वन है कैर रैंडम नंबर चूज करो जीरो से टू की पार के माइनस वन साथ चलना आसान नहीं है जीरो से टू की पावर के अगर के वन है टू की पावर वन यानी कि तो से से बेसिकली क्या हो गया जीरो से वन हो गया यहाँ पर जीरो से थ्री होगा यहाँ पर जीरो से सेवन हो जाएगा जीरो से फिफ्टीन हो जाएगा जीरो से थर्टी वन हो जाएगा रेंज बढ़ती जाएगी रेंडमनेस की अब क्या कह रहा है रहा? कोई भी रैंडम नंबर चूज करो मान लेते हैं हमने चूज किया जीरो हमारा पहला मल्टीप्लाई दैट रैंडम नंबर आइदर टीपी और टी एफ आर अब देखो यहां टी एफ आर लिख रहा है सेम ट्रांसमिशन टाइम और उतने समय वेट करना उसके बाद फिर से ट्राई करना है ना तब होगा क्या आप बोलोगे सर एक केस हो सकता है ना हम भी जीरो चूज करें और जिससे कॉलिजन हो वो भी जीरो चूज करें हो सकता है लेकिन फिर जब अगली बार जाएंगे तो जीरो से थ्री के बीच में चुनना है फिर कॉलिजन हो गया तो जीरो से फिफ्टीन के बीच में चुनना है आप मुझे बताओ इस बात की कितनी पॉसिबिलिटी है कि हो जाए और दो लोगों को जीरो से फिफ्टीन सोलह में से एक केस चुनना और दोनों सेम चुने इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम है और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पॉसिबिलिटी कम होती जाएगी बट दैट इज द साइंस ऑफ रैंडमनेस और इस तरह से गेम हमारा चलता जाएगा तो ये पूरा मैकेनिज्म है दैट इज हाउस

पैकेट भेजना चालू किया बारह बजे मान लेते हैं कि एक पैकेट का जो ट्रांसमिशन टाइम है दस मिनट है तो अगर बारह बजे भेजना चालू किया तो बताओ ये बी कब तक भेजेगा बी का पैकेट जाएगा बारह बज के दस मिनट तक मानते हो ये बात अब आपको ऐसा लगेगा सोचने में कि अगर एक पैकेट को भेजने का टाइम दस मिनट का है ना तो मुझे नेटवर्क पे बस दस मिनट का आइडियल टाइम मिल जाए दस मिनट अगर सिस्टम खाली हुआ मीडियम खाली हुआ तो मैं फटाक से अपना पैकेट भेज दूंगा बट ऐसा है नहीं क्यों अभी आपको समझाता हूं देखिए 12 बजे से 12 10 बजे तक आपने भेजा ए जो है थोड़ा सा पहले नजर आ रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है मान लेते हैं इमेजिन करते हैं ए ने अपना पैकेट भेजना शुरू किया था इलेवन फिफ्टी पे है ना अब ए का लास्ट पॉइंट कहां तक जाएगा बताओ तो ए का आखिरी जाएगा ट्वेल्व जीरो टू तक मान रहे हैं हर पैकेट सेम साइज का दस दस मिनट लग रहे हैं सिमिलरली यहां देखिए मान लेते हैं कि सी ने जो ट्रांसमिशन शुरू किया सी ने शुरू किया बारह के सात मिनट पे तो बोलो सी का कहां तक जाएगा सर सी का जाएगा बारह बज के सत्रह मिनट पे तो अब यहां पर आप इस बात को बहुत अच्छे समझ सकते हैं क्या ए का जो टेल है वो बी के हेड से कोलाइड हो गया ए का ट्रांसमिशन बारह बज के दो मिनट तक जाना था बी को इस बात का पता नहीं था बी ने बारह बजे भेजना शुरू कर दिया कॉलिजन हो गया अब बी ने 12 बजे भेजना चालू किया था बी को भेजना था 12:10 तक सी को इस बात का पता नहीं था सी ने तो बारह बज के सात मिनट पर चालू कर दिया फिर से कॉलिजन हो गया यहां पर कॉलिजन हो रहा है।, है ना अब ध्यान से सोचिए आप अगर चाहते हैं कि बारह दस बारह बजे से बारह बज के दस मिनट तक हमारा जो बी हम बी है हमारा जो पैकेट अगर वो किसी से कोलाइड ना करे लोग समझते नहीं रख लेते इस बात बात को ध्यान से पूरी समझा दूंगा अगर कोलाइड ना करे तो क्या करना है होना ये चाहिए कोई भी आदमी ग्यारह बज के पचास मिनट के बाद ट्रांसमिट ना करे सोचो क्योंकि अगर ग्यारह बज के पचास मिनट के बाद ट्रांसमिट किया तो बारह बजे के बाद पूरा होगा और फिर इससे कोलाइड कर जाएगा और इसके बाद कोई आदमी बारह बज के दस मिनट के बाद भी ट्रांसमिट ना करे, बिकॉज उससे उस पहले ट्रांसमिट ना करे, उससे पहले करेगा तो फिर जैसे यहां पे सी का हेड बी के टेल से टकरा गया वो हो जाएगा तो एक्चुअली हमें जो खाली समय चाहिए ना फॉर बी हमें चाहिए नोबडी इज अलाउड टू ट्रांसमिट आफ्टर इलेवन फिफ्टी

बीस मिनट चाहिए नेटवर्क पे अगर बीस मिनट में कोई ट्रांसमिट ना करे तो अपना काम बन जाएगा बोलेंगे तो नहीं भी बात ये कहानी हो गई अलोहा के इस आइडिया की अच्छा एक छोटा सा मैकेनिज्म है पे आ, क्योंकि अलोहा पे ना न्यूमेरिकल भी एक्सपेक्टेड है न्यूमेरिकल हालांकि बड़े खराब क्वालिटी के आते हैं एक दो छोटा सा फॉर्मूला है उसके डेप में जाने की जरूरत नहीं फॉर्मूला आपको समझा देता हूँ आमतौर पे तो स्टैटिक बात करेगा पहले से भी आंसर याद करके जा सकते हैं क्या कहानी है समझिए एक आध क्वेश्चन तो सिंपल पूछा जैसे देखिए मैं फ्रोजन के यूज कर रहा हूं। क्या कह रहा है एक चैनल है जिसका जो है वो है टू बाइट का फ्रेम है आई एम सॉरी फ्रेम का साइज है 200 बाइट और जो चैनल है उसका बैंडविड्थ है 200 हंड्रेड के बी तो फिर वही बात है इसको भी रटने की जरूरत नहीं कैसे समझेंगे ये चैनल बोल रहा है कि 200 हंड्रेड के बीच 200 किलो बाइट किलो बेट है 200 हंड्रेड किलो बेट ट्रांसमिट करता है एक सेकंड में यही बोला यूनिटरी मेथड लगाओ फिफ्थ क्लास का तो एक बिट कितने में करेगा भाई एक बिट करेगा वन डिवाइडेड बाय 200 के में करेगा इज इट डिवाइड कर लिया हमको कितना भेजना है हमको 200 भेजना है सर तो 200 बिट कितने में करेगा तो बेसिकली इट इज टू बिट डिवाइडेड बाय 200 ये भी बिट कर लेते हैं बिट से बिट कैंसिल हो जाएगा और ये के इस 200 से 200 ये लगभग लगभग वॉट वन थाउजेंड एक बटा हजार है बहुत छोटा है मल्टीप्लाई कर दू वन थाउजेंड से तो ये के से वन थाउजेंड कैंसिल बट नाउ द आंसर इज वन मिली सेकेंड तो इसका मतलब हमें अगर हमारा जो चैनल का बैंडविड्थ था अगर टू हंड्रेड की भी पी की स्पीड है एक पैकेट एक फ्रेम जो 200 बिट का है उसको भेजने में एक सेकंड लगेगा ये तो बेसिक कैलकुलेशन हो गई अब आपसे पूछते हैं कि यार Uh, you know, का थ्रूपुट क्या अलोहा का कंक्लूजन क्या है थ्रूपुट ऑफ दिन पावर माइनस टू जी वैसे मैं आपको बता देता हूं अलोहा का जो मैक्सिमम थ्रूपुट हमें मिलता है वो मिलता है 0.184 यानी कि मोटा मोटा बोलो तो 18.4 परसेंट हम जितना डेटा अगर हमने 100 डेटा सेंड किया तो 18.4 साइज पे पहुंचता है विदाउट कॉलिजन अदरवाइज वो कॉलाइड हो जाता है दिस इज एन आइडिया ये किस वैल्यू पे मिलेगा मैक्सिमम ये हमें मिलता है G की पावर 1 बाय टू तो जब G की पावर हाफ हम यूज करते हैं तो हमको मिलता है ये मैक्सिमम थ्रूपुट विच इज 18 परसेंट hmm. जी क्या है अब ये समझिए इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कई बार सो वी फाइंड दिस 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 इफ वन ऑफ द फ्रेम लुक एट दिस वन हाफ ऑफ द फ्रेम इज जनरेटेड ड्यूरिंग द वन फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम है ना देन हमें एटीन परसेंट मिलता है इसको आप ऐसे समझो जी ये बताता है कि एक पैकेट के ट्रांसमिशन में हम कितना पैकेट भेजेंगे तो हमने एक बात समझी देखो एक पैकेट जो एग्जांपल था एक पैकेट के ट्रांसमिशन में 10 मिनट लगते हैं अगर उसमें एक पैकेट भेजेंगे तो मुश्किल होगा क्योंकि वहां पे आपने देखा था भले ही 10 मिनट लगते हो हमें जो टाइम चाहिए वो 20 का चाहिए है ना तो इसका मतलब वैसे 10 मिनट में एक पैकेट जाता है, हम 20 मिनट में एक पैकेट भेजें तो मामला सेट हो सकता है तो इसीलिए g की वैल्यू 1 कब होगी g के एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम जनरेटेड बाय द सिस्टम ड्यूरिंग वन फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम तो अगर एक के ट्रांसमिशन में एक भेजेंगे तो प्रॉब्लम होगा बट हाँ एक ट्रांसमिशन में, में तो तो इस इसलिए क्योंकि वलनरेबल टाइम इसलिए जी की वैल्यू 1 बाय टू पे हमें मैक्सिम आउटपुट मिलता है इसको याद करके जाइएगा और अगर पूछ ले तो मान लो लॉटरी खुल गई आपको छाप के आ जाना है गोइंग फॉरवर्ड आ, ये सारा सेम आइडिया रिप्रेजेंट किया है आ, एक और डायग्राम में दिखाया गया मेरे ख्याल से अब आपको जरूरत नहीं है इसकी लेकिन हाँ एक प्रॉब्लम समझ आ रही है प्रॉब्लम पता क्या समझ आ रही है ज्यादातर केसेस में जो कॉलिजन हो रहे हैं ना वो हेड ऑन कॉलिजन नहीं हो रहे किसी का सर किसी के पूछ से टकराया जा रहा है किसी की पूछ किसी के सर से टकराया जा रही है इस तरह की प्रॉब्लम है प्रॉब्लम क्यों है क्योंकि अलोहा प्योर रैंडम है सुनी ही नहीं रहा किसी की हॉर स्टेशन मानो एकदम इंडिपेंडेंट है जिसका जब मना है ट्रांसमिट कर रहा है अगर इसे थोड़ा सा ऑप्टिमाइज किया जाए थोड़ा सा रेगुलेट किया जाए तो जो नया वेरिएंट बनता है अलोहा का दैट वेरिएंट इज नॉन है स्लॉटेड अलोहा क्या बोलते हैं उसको स्लॉटेड नाउ हाउ स्लॉटेड अलोहा वर्क लुक एट द आइडिया ये क्या करता है अपना एग्जाम्पल ले लेता हूँ पूरे टाइम को स्लॉट्स में डिवाइड कर देता है ट्रांसमिशन कि सर मेरे को भेजना हम बोलेंगे जा भाई एक स्लॉट चला गया अब तू बारह बज के दस मिनट पे भेज सकता है कोई बोलेगा सर मैं इलेवन फिफ्टी टू पे आया हूँ अभी आपको आठ मिनट वेट करना पड़ेगा अगला स्लॉट बारह दस पे जैसे मूवी पिक्चर हॉल होता है ना पिक्चर हॉल में क्या होता है बारह से तीन एक शो है तीन से छ है छह से नो है like उसी तरह यहाँ पर हमने शो बना दिए हमने स्लॉट बना दिए नाउ इट इज नॉट प्योरली रैंडम यू आर ओनली अलाउड टू ट्रांसमिट एट द स्टार्ट ऑफ अ स्लॉट हर टाइम स्लॉट के स्टार्टिंग में ट्रांसमिट कर सकते हैं मैं भी, भी आपसे नहीं कह रहा कि आप किसी और से परमिशन लो मैं भी आपसे नहीं कह रहा आप किसी और से पूछो बट टाइम स्लॉट को रेस्पेक्ट करो अब सोचो जब ऐसा आप करोगे तो किसी का हेड किसी के टेल से टकराएगा क्या किसी का टेल किसी की हेड से टकराएगा क्या नहीं अगर क्लैश होगा तो जैसे बोलता हूँ हेड ऑन क्लैश होगा और उस केस में मेरे ख्याल से अगर आपको 10 मिनट चाहिए भेजने के लिए तो आपको 10 ही मिनट का टाइम चाहिए आप ये नहीं बोल रहे कि मेरे को 12 बजे भेजना तो कोई 11:50 पे भी ना भेजे बेटा तू भेज सकता है कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप जो भी भेजोगे वो 12 बजे से पहले कंप्लीट हो जाएगा आई कैन टेल सेंड तो एक बड़ा चेंज क्या होगा सर एक बड़ा चेंज होगा जैसे स्लॉटेड अलोहा में वलनेबल टाइम हाफ होगा आपकी जो एफिशियंसी होगी वो डबल हो जाएगी मैंने सारे डिफरेंस पहले से टेबल में करके रख दिए तो वो एफिशियंसी जो लगभग एटीन थी डबल होने के बाद थर्टीन और

अलोहा जो डेवलप किया गया था वो वायरलेस नेटवर्क के लिए किया गया था है ना वायरलेस ट्रांसमिशन था यहां पर हम बात कर रहे हैं करियर सेंस की आइडिया क्या है अलोहा क्या कहता है जिसका जब मन हो तब ट्रांसमिट करो बात समझ आती है लेकिन अगर आप ये ये रोड क्रॉस करने की तरह है यहाँ बीच में ट्रेन है है ना ये रेलवे फाटक लगा है कि नहीं लगा है वो अलग बात है बट अगर ट्रेन ऑलरेडी क्रॉस कर रही है आप पागल हैं क्या कि जो जाके पटरी के नीचे घुसेंगे इट इज लाइक इक्वल टू अज इट तो करियर सेंस मल्टीपल एक्सिस क्या कहता है कर करने से पहले एक बार दाए एक बार बाएं देख लेगा तो उसमें किसी का क्या घिस जाएगा तो ये कहता है रैंडम रहे किसी और से मत पूछ बट एटलीस्ट ट्रांसमिट करने से पहले ये देख लो कि जो ट्रांसमिशन मीडियम है वो ऑलरेडी बिजी तो नहीं है अगर ऑलरेडी बिजी है तो ट्रांसमिशन का कोई मतलब नहीं इजिली से बोलते हैं करियर सेंस मल्टीपल करियर को सेंस करो अगर करियर ऑलरेडी बिजी है तो फिलहाल हम ट्रांसमिट नहीं करेंगे बस यही एक बेसिक फिलोसफी है सी में की अलोहा ने इसकी बात क्यों नहीं की समझाता हूं देखिए करियर सेंस करने में प्रॉब्लम क्या थी हा? अच्छा आई कम टू दैट फिर भी एक बेसिक बात बोल देता हूँ लॉजिक ये है

अगर मैं ट्रांसमिट करने से पहले सेंस करूंगा तो क्या मैं गारंटी दे रहा हूं कि अब कॉलिजन नहीं होगा नहीं सर कॉलिजन अभी भी हो सकता है सर अगर पहले सेंस कर रहे फिर कॉलिजन कैसे हो सकता है कॉलिजन होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी बट होगी कैसे समझिए एक छोटा सा डायग्राम है अगेन स्टैंडर्ड फ्रोजन से यूज कर रहा हूं तो यहां पर आप देखिए मेरे पास मान लीजिए लटमी से

वो डेटा सी के पास कब पहुंचेगा पांच मिनट लगता है बारह बज के पांच मिनट पे पहुंचेगा और थ्री और ऐड कर लेता हूं वही डेटा डी के पास पहुंचेगा बारह बज के आठ मिनट इतनी बात समझ आती है और बी ने सेंस किया ट्रांसमिट करने से पहले और जब बी ने सेंस किया तो सब कुछ खाली था अब आप मुझे एक बात बताओ अगर सी सेंस करता है बारह बज के तीन मिनट पे जो शायद सी ने किया उस समय तक बी का डेटा बी का डेटा सी तक पहुंच गया था क्या नहीं सर वो डेटा बीच में था वो भेज चुका है बट सी को भी दिखा नहीं तो सी के पास पूरा दिखा है सी ने करियर सेंस क्या कह रहा सर खाली है खाली है तो भेज लो भाई अब जैसे उसने भेजा बाद में पता लगा बारह बज के पांच मिनट पर जब वो डेटा पहुंचेगा वो oh माइक गॉड कॉलिजन हो गया लगता को और भी भेज रहा था सिमिलरली सी का डेटा बारह तीन पे चला डेटा बारह बज के आठ मिनट पर बी पे पहुंचेगा तब पता लगेगा कॉलिजन हुआ तो पहले तो ये समझिए क्या कॉलिजन हो सकता है चांसेस कम है बट हो सकता है कब हो सकता है मैंने भी देखा आपने भी देखा लेकिन आप डेटा भेज चुके थे वो डेटा अभी तक मेरे पास पहुंचा नहीं था इस वजह से एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया और कॉलिजन हो गया तो पहली बात सी एस एम ए के अंदर हेड ऑन कॉलिजन नहीं होता ऐसा नहीं कि आप डेटा ऑलरेडी भेज रहे हो मैं फिर भी कूद जाऊंगा लेकिन कॉलिजन हो सकता है वर्स केस क्या होगा एक्सट्रीम ले लीजिए वलनेबल टाइम जैसे हम बोलते हैं तो अगर ए ने बारह बजे डेटा भेजा हमारे एग्जाम्पल से दो मिनट पांच मिनट तीन मिनट वर्ष केस में वो डेटा डी में कहा पहुंचेगा बारह बज के दस मिनट पर पहुंच जाएगा ना इससे लेट तो नहीं होगा अब आप मुझे एक बात बताओ क्या ये मान कि रिस्क सिर्फ मिनट का है बजे ट्रांसमिशन शुरू हुआ ये सारा डेटा खत्म नहीं हुआ वो चलता रहेगा बट ये सारा डेटा बारह बज के दस मिनट तक पहुंच चुका है जिसको पहुंचना था स्टार्ट एटलीस्ट हो गया है ना अगर बारह बज के दस मिनट तक किसी ने ट्रांसमिट नहीं किया तो

प्रोपोगेट करने में जितना समय लगेगा वो हमारा वेनरेबल टाइम है ये बात समझ आती है एक छोटा सा एडिशन और करता हूँ फिर सी एस एम में देखो सी एस एम में तो अपने आप में एक अप्रोच है सीएसएम में अकेला नहीं पढ़ा जाता या तो सीएसएम में सी डी के साथ चलता है या तो सीए के साथ चलता है सी डी और सी ए क्या वो समझेंगे एक लॉजिक यहां पर है, क्या होते हैं। जब भी हम ट्रांसमिशन करते हैं तो कभी कभी हो सकता है। या जब आप करते हैं, तो किस पॉलिसी के थ्रू सेंड करते हैं मैं एक बार जल्दी से करता हूं, आपको बात समझ आएगी एक अप्रोच देखिए आप गए और आपने चैनल सेंस किया और चैनल बिजी है अभी सीएसएफ में तो ये सिखा रहा है ना खाली है तो ट्रांसमिट करो बिजी है तो सुसाइड है ट्रांसमिट मत करो वेट करो कितना वेट करो वन प्रसिस्टेंस कहता है कि कंटिन्यूस सेंस करते रहो खाली है के बिजी है खाली है के बिजी है खाली है के बिजी है डू है दिस एंड द मोमेंट ये खाली हो तुरंत ट्रांसमिट कर दो ये एक आइडिया है सर हम तो ऐसे करेंगे हम तो लगातार देखते रहेंगे है ना एंड दैट इज ये ग्राफ में भी आप देख सकते हो बिजी 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 जैसी आइडियल तुरंत ट्रांसमिट कर दो एक अप्रोच है बहुत है है प्रॉब्लम क्या है? जिस तरह आप सेंस कर रहे हैं कोई और भी तो कर रहा होगा अगर सब लोग सेंस कर रहे होंगे और जैसी लाइन खाली होगा, हर ही करेगा, फिर होगा नहीं होगा तो ये खैर एक अप्रोच है एक अप्रोच क्या है नॉन प्रेसिस्टेंस जो क्या कहता है कंटिन्यूस मत करो वरना वरनाजन होगा तो आपने देखा खाली है कि बिजी है बिजी है थोड़ा रेंडम टाइम वेट करो खाली है कि बिजी है बिजी है थोड़ा रेंडम टाइम वेट करो अब देखो चैनल तो यहीं पर आइडल हो गया था लेकिन आपने थोड़ा बाद में चेक किया तो उसी तरह कोई और स्टेशन भी किसी और टाइम पे चेक करेगा तो अगर हर स्टेशन थोड़ा सा रेंडम टाइम वेट करेगा तो इस बात की उम्मीद कम होगी कि एवरीबडी विल ट्रांसमिट एट द सेम टाइम और अगर हर कोई सेम टाइम पे ट्रांसमिट नहीं करेगा तो कॉलिजन होने के चांसेस भी रिलेटिवली कम हो जाएंगे है ना दैट इज कॉल्ड नॉन अब इन दोनों का पिताजी दोनों का जो पावर है वो हम मिला लेते हैं थोड़ा कंफ्यूजिंग है एक मिनट दीजिए एक्सप्लेन करता हूं अदरवाइज डायग्राम बना के आना मैंने एक आध बारी इस पर क्वेश्चन देखा इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट कि एग्जामिनर इतनी डिटेल में जाए ये क्या कहता है ये कहता है पहले कंटिन्यूअसली सेंस करते रहो यस yes. उसके बाद ट्रांसमिट करना है कि नहीं करना इसके लिए एक प्रोबेबिलिटी मैकेनिज्म डिफाइन करेंगे लॉजिक क्या है मैं समझाता हूं मान लीजिए तीन स्टेशन है एस वन एस टू एंड एस थ्री

Uh, जो पी है अगर वो उस नंबर से कम है तो आप ट्रांसमिट करोगे वरना नहीं करोगे जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेशन वन की बात कर लेते हैं अगर मैं जीरो से वन तक एक रैंडम नंबर निकालू बताओ इस बात की कितनी पॉसिबिलिटी की वो पॉइंट टू से कम आए सर इस बात की लगभग ट्वेंटी परसेंट ही पॉसिबिलिटी है इस बात की कितनी पॉसिबिलिटी की वो पॉइंट फाइव से कमाए 50 परसेंट पॉसिबिलिटी है इस बात की कितनी पॉसिबिलिटी की ये पॉइंट एट से कमाए इस बात की 80 परसेंट पॉबिलिटी है तो मान लो रैंडम नंबर था और एक आउटकम आना था लेट मी से रैंडम आउटकम आया पॉइंट जीरो सेवन तो क्या अब ट्रांसमिट कर पाएगा नहीं क्योंकि पॉइंट जीरो सेवन पॉइंट टू से कम नहीं है क्या यह ट्रांसमिट करेगा नहीं क्योंकि पॉइंट सेवन पॉइंट फाइव से कम नहीं है क्या एस थ्री ट्रांसमिट करेगा हां क्योंकि पॉइंट सेवन पॉइंट एट से कम है यह आइडिया है तो अगर आपको किसी को हाई प्रायोरिटी देनी है उसका नंबर वन सेट कर दो वो तो मानो फॉर श्योर ट्रांसमिट करेगा ही करेगा किसी को कम प्रायोरिटी देनी है उसका नंबर कम सेट कर दो तो वो हो सकता है खाली होने के बाद भी ट्रांसमिट ना कर पाए तो ये दोनों जो अप्रोचेज उन दोनों का मिक्सचर ही है

अगर यहां तक कॉलिजन नहीं हो तो फिर नहीं होने वाला अब कॉलिजन डिटेक्शन की क्या अप्रोच है जब मैंने सेंस किया जब मैं ए था मैंने सेंस किया मीडियम खाली है कोई दिक्कत नहीं मैंने सेंड करना शुरू कर दिया मुझे बताओ वर्ष किस सिनेरियो में मैं जब ट्रांसमिशन शुरू कर रहा हूं मैंने भेजना चालू कर दिया मैं लाइन को सेंस करता रहूं या ना करूं एक दिमाग लगाओ सोचो वर्ष के सिनेरियो में हो सकता है ना ठीक बारह बजकर दस मिनट से थोड़ा सा पहले डी ट्रांसमिट करेगा हो जाएगा लेकिन इस कॉलाइडेड सिग्नल का पता ए को कब लगेगा दस जाने का दस आने का लगभग बारह बज के बीस मिनट पे पता लगेगा मानते हो ये बात अब इस बात को सोचना क्या मैं ऐसा बोल दू अगर कॉलिजन हुआ तो बारह बज के बीस मिनट तक ए को उसका पता लगेगा लेकिन अगर बारह बज के इक्कीस मिनट हुआ अब कॉलिजन हो ही नहीं सकता हम श्योर है क्यों अगर कॉलिजन हुआ होता तो पता लग गया होता सर दस मिनट जाने का दस मिनट आने का बीस के बाद कॉलिजन नहीं होगा ड्यू गेट माई आइडिया तो लोगों ने दिमाग लगाया लोगों ने कहा अच्छा ठीक है पहले तो हम सेंस करते हैं खाली होगा तो भेजते हो तो एक काम करो एक रूल बना दो एक रूल बनाओ क्या रूल बनाओ कि ए कम से कम 20 मिनट तक ट्रांसमिट करें क्योंकि 20 मिनट ट्रांसमिशन करने में फायदा यह है अगर कॉलिजन होगा तो उसी वक्त पता लग जाएगा आपको एक्नोलेजमेंट के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है अब 20 मिनट तक अगर सेंस करने तो खाली बैठ के वेट करेंगे भाई तू तो ट्रांसमिट ही कर दे तो एक बात बोलू क्यों ना पैकेट इतना बड़ा बना दिया जाए कि जिसको भेजने में बीस मिनट लग जाए बेसमेंट भेजने में लग जाए अगर कॉलिजन होना होगा इतने टाइम में हो जाएगा और इतने टाइम में नहीं हो तो उसके बाद कॉलिजन नहीं होगा तो कैन आई से वन थिंग वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ट्रांसमिशन टाइम को इक्वल कर दो टू इन टू प्रोपेशन टाइम के एक सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा एग्जाम में चार में से तीन चीज देगा चौथी पूछ लेगा बहुत सिंपल मैकेनिज्म है ये समझ आया आपको एंड यही गेम आ जाता है कॉलिजन डिटेक्शन का अब मैं दोबारा एक बार बताता हूं वो जो मैं सिग्नल वाली बात कर रहा था वोल्टेज वाली कॉलिजन डिटेक्शन अब यहां देखो यहां मान लीजिए मैं समझ आ रहा है सपोज दिस इज प्लस माइनस फाइव वोल्ट समझ आ रहा है नॉर्मल डेटा ट्रांसमिट हो रहा है जैसे ही कॉलिजन होगा ही वोल्टेज लेवल अप्रोप्रिएट हो जाते हैं इन अप्रोप्रिएट हो जाएंगे मान लीजिए आठ वोल्ट दस वोल्ट आपको मिल गया तो आप समझोगे यार कॉलिजन हुआ है नॉर्मली तो एनर्जी लेवल में भी फाइव वोल्ट होना चाहिए दस वोल्ट मिलने का मतलब है कि कॉलिजन हुआ है तो टेक्निकलिटी समझिए हाउ डू वी डिटेक्टेड वी डिटेक्टेड बिकॉज हम वोल्टेज लेवल आइडेंटिफाई कर पा रहे होते हैं यस yes. कॉलिजन कैसे डिटेक्ट करना मैंने आपको समझाया एंड नाउ लुक एट दिस फ्लो चार्ट बिल्कुल सेम तरह के जीरो से स्टार्ट किया मैंने persistence method आपको बता दिया अब आप वन भी यूज कर सकते हो एन यूज कर सकते हो जो भी हमारा रिक्वायरमेंट हो पी डिटेक्शन क्योंकि पॉलिसी है या तो ट्रांसमिट करते करते ही पता लग जाएगा कि कॉलिजन हो गया है ना अभी यहां पर एक्नोलॉजमेंट की जरूरत नहीं है अगर ट्रांसमिशन करते करते ही पता लगा कि डिटेक्शन या तो आ, collision हुआ है अगर कॉलिजन कॉलिजन डिटेक्ट हुआ है, स yes, तो हम आगे जाएंगे नहीं हुआ, तो हो गया। भाई मैंने पूरा ट्रांसमिशन कर लिया और कॉलिजन नहीं हुआ तो इसका मतलब अब कॉलिजन होगा भी नहीं आई डोटा पहुंच चुका है मेरा यू जस्ट एंड अगर ट्रांसमिशन के दौरान यहां पे प्रॉब्लम हो गया या तो पहली कॉलिजन हो गया है ना या लाइन बिजी हो गई अब हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले यहां के प्लस वन करने से पहले क्या करते हैं जैमिंग सिग्नल क्योंकि कॉल्यूजन हो गया है कभी कभी जरूरी नहीं है कि वोल्टेज लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो हर किसी को डिटेक्ट हो जाए कॉल्यूजन हुआ है तो पांच वोल्टेज है नॉर्मल मान लो टेन वोल्टेज है कॉल्यूजन की ये कहता है काम करो फिफ्टी वोल्ट की सप्लाई भेजो सबको अब जैसे बाढ़ की तरह जाएगा फिफ्टी वोल्ट की सप्लाई जिसको नहीं भी पता जो सोया भी वो भी जाएगा भैया हुआ लगता है ताकि कोई कुछ ना भेजे ये हमने सबको बता दिया के प्लस वन किया आगे का पूरा मैकेनिज्म एकदम सेम है जैसे हमने अलोहा में पढ़ा क्या मैक्सिमम नंबर तो नहीं है रैंडम नंबर चूज किया बैक ऑफ टाइम किया फिर वो स्ट्रेटेजी यस तो दैट इज हाउ सी एस एम में सिटी वर्क एक तो ट्रांसमिशन टाइम इज टू इक्वलेशन टाइम वो फॉर्मूला काम करता है टाइम इज टीपी टीपी ओनली uh, टीपी जाने का टाइम वल्नरेबल है जिसमें पता लग जाता है कि कॉलिजन होगा तो इतने में होगा अब देखिए प्रॉब्लम क्या है हर कोई कॉलिजन डिटेक्शन नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकता सी के साथ प्रॉब्लम है अगर वायर्ड नेटवर्क है अगर कॉपर है तो वोल्टेज लेवल डिटेक्ट करना आसान है वायरलेस में अगर कॉलिजन होता भी है दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर ओपन स्पेस में टकराते हैं आपस में यस उनके बीच में थोड़ा वोल्टेज डिसबैलेंस होगा बट जरूरी नहीं है कि इतना सॉलिड हो कि हम आइडेंटिफाई कर पाए तो इसीलिए अलोहा प्योर रैंडम था क्योंकि वो भी वायरलेस था वायर्ड वाले कैथस्टिक स्कैट 5 केबल वाले डिटेक्ट कर लेंगे वायरलेस वाले नहीं कर पाएंगे तो सीएसएम में सीडी में प्रॉब्लम नहीं है सीएसएम में सीडी हर जगह इस्तेमाल ही नहीं हो सकता इसीलिए हमें एक नया मैकेनिज्म लेके आना पड़ता है में सी बात समझ आई कि सीएसएम में सी क्यों कर रहे सर वायरलेस पे क्या करें वहां तो कोलिजन डिटेक्ट कर नहीं पा रहे वहां पर हमें अवॉइडेंस यूज करना पड़ेगा तो बेसिकली बात क्या हुआ कि अगर डिटेक्ट नहीं कर सकते तो थोड़े और प्रिकॉशनरी मेजर्स लो एक्शन लो और फिर से कोशिश करो कि कोलिजन हो ही ना इस बात को और थोड़ा सा कुछ इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं उस अंडरस्टैंडिंग का नाम है सीएसएम में ए सी एस एम ए सीए बेसिकली तीन आइडिया यूज करता है कॉलिजन अवॉइडेंस के लिए अगेन पहले लेट लेटमी वेरी ऑनस्ट क्या अवॉइडेंस भी हंड्रेड परसेंट काम करता है जी नहीं हो सकता है सारी प्रिकॉशंस लेने के बाद भी कॉलिजन हो जाए भूलिए मत ये सब के सब किस कैटेगरी के अंदर आते हैं रैंडम भी रैंडम है तो देर इज कैसे किया जाए तीन हम यहां पर यूज करते हैं यहां देखेंगे तीन आइडिया कौन कौन सा इंटरफ्रेम स्पेस कॉन्टेंशन विंडो एक्नोलेजमेंट सबसे पहले बात करता हूं इंटरफ्रेम स्पेस की तो दिस इज नॉट इंडियन फॉरन सर्विसेज दिस इज इंटरफ्रेम स्पेस आइडिया क्या आई एफ एस का आइडिया यह है कि अगेन आप कंटिन्यूस सेंस करें बट मैं आपको तुरंत नहीं भेजने दूंगा एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम में वेट कराऊंगा जो बैक ऑफ टाइम या जो अप्रोच हम पहले भी देख चुके हैं प्रसिस्टेंस मेथड में भी देखा है और वो रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम वेट करने के बाद ही मैं आगे आपको ट्रांसमिट करने दूंगा ये एक छोटा सा मैकेनिज्म है तब सोचिए ऐसा करने से क्या होगा अगर एक टाइम पे मीडियम खाली होता भी है तब भी हर कोई उसी वक्त नहीं भेजेगा है ना और ये एक एडवांटेज की तरह काम करेगा जो हाई प्रायोरिटी डिवाइस है उसका इफेक्ट कम कर दो ताकि वो जल्दी भेज सके जो लो प्रायोरिटी है उसका ज्यादा कर दो बट ये पहला मेजर है इसके बाद भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं अब मैं एक और आइडिया लेके आ रहा हूं वाला हा? जो पूरा कर भी गए तो भी मैं आपको ट्रांसमिट नहीं करने दूंगा एक रैंडम नंबर चूज करो और जितना रैंडम नंबर चूज करोगे उतने स्लॉट आपको वेट करना पड़ेगा जितनी बार कॉलिजन होगा हर बार आपका जो नंबर ऑफ विंडोज है वो डबल होता जाएगा तो बोल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल आपके दो कॉलिजन हो चुके हैं चार विंडो वेट करो उसके बाद भेजना समथिंग लाइक दिस अब अगेन हर स्टेशन क्योंकि रेंडम नंबर ऑफ विंडोज वेट करेगा तो भी आप बोल सकते हैं कि होने की जो पॉसिबिलिटी है वो आपकी कम हो जाएगी हालांकि अगर बीच में आप सेंस कर रहे हैं और यहां कहीं मीडियम बिजी हो जाता है तो मैं पूरी आपको फिर से रिपीट नहीं कराऊंगा आप यहीं से आगे कर सकते हैं और ये सब होने के बाद भी क्योंकि हमें लग रहा है है कि रिस्क डिटेक्शन तो कर नहीं पा रहे देन यू हैव एन कि सब कुछ होने के बाद अगर प्रॉब्लम होता है तो हम स्टिल वेट करेंगे और एक्नोलेजमेंट आएगा तो ही मानेंगे सक्सेसफुल हुआ है वरना मानेंगे दिस समथिंग रॉन्ग और हम रिट्रांसमिट करेंगे एंड दिस इज द सेम आइडिया तो दे यू सी आइडल है तो यही करेंगे फिर आईएफएस वेट कराएंगे स्टिल आइडल है तो आगे जाएंगे वरना फिर ऊपर ले जाएंगे फिर रैंडम नंबर आर स्लॉट्स वेट करेंगे खाली है तो भेजेंगे वरना फिर वेट करेंगे एक्नॉलेजमेंट टाइम का रिसीव हुआ यस वरना फिर वही सारी कहानी तो दैट इज द एंटायर आईडिया इसको याद कर लो बस इसको आप बना के आओगे दो पेज भर दोगे बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ नंबर मिलेगा आपको सो दैट इज ऑल अबाउट एक्सेस कंट्रोल तो चलिए अभी बात करते हैं फ्लो कंट्रोल के बारे में देखिए डेटा लिंक लेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है फ्लो कंट्रोल करना और जब भी हम ट्रांसमिशन करते हैं तीन यू नो पार्टीज इन्वॉल्व है एक है हमारे पास सेंडर एक है हमारे पास रिसीवर और एक है हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लो कंट्रोल ना तो सेंडर को तो कभी कोई प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि वो तो हमेशा अपनी कैपेसिटी के से ही सेंड करेगा मान लीजिए अगर सेंडर की स्पीड है टेन के या टेन एमबीपीएस मान लेता हूं आजकल के कॉन्टेक्स में तो सेंटर फिफ्टीन सेंड नहीं करने वाला प्रॉब्लम हमेशा आएगी रिसीवर को डेटा लिंक क्लेयर में हम ट्रांसमिशन मीडियम को भी इतना सीरियसली नहीं लेते ट्रांसमिशन मीडियम की अगर कैपेसिटी प्रॉब्लम में आती है तो ये बात हम करेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर में जिसे हम बोलते हैं कंजेशन कंट्रोल तो फ्लो कंट्रोल टेक केयर्स ऑफ द रिसीवर के जो अधिकार है उसकी बात करता है और कंजेशन कंट्रोल बात करता है कि जो हमारा ट्रांसमिशन मीडियम है वो ओवरलोड तो नहीं हो रहा तो रिसीवर की प्रॉब्लम क्या है जैसा देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या रिसीवर के पास अपना एक बफर है एक लेवल तक डेटा आएगा उसको प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगेगा तब तक मैं उसे में उसे बफर में होल्ड करके रखूंगा वो प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर आप लगातार हाई कैपेसिटी से डेटा देते रहोगे तो फिर वो डेटा रिसीवर को डिस्कार्ड करना पड़ेगा जिसमें का you know, का यू नो पूरी परफॉर्मेंस सबका लॉस होने वाला है तो ऐसा क्या करें कि रिसीवर ओवरवेलम्ड ना हो ये इस अंडरस्टैंडिंग में इस पॉइंट में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे सेकेंडली एरर कंट्रोल क्योंकि ट्रांसमिशन के दौरान कुछ एरर भी होंगे तो जो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल हम पढ़ने वाले ये सिर्फ फ्लो कंट्रोल का नहीं साथ साथ एरर कंट्रोल मैकेनिज्म का भी बात करेंगे उसकी क्या टेक्निकलिटी है वो हम आगे जरूर पढ़ेंगे तो सबसे पहले तीन प्रोटोकॉल यहां पर हमारे पास है स्टॉप एंड वेट Go back and selective repeat. के point of view से तीनों का सेम है, सब में थोड़ा थोड़ा चेंज है यहां से आ, ये numerical भी expected है। तो सबसे सिंपलेस्टिया है, है अब रिसीवर ओवरवेल्व ना हो उसके पास कभी भी बहुत ज्यादा लोड ना हो ये करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है तो मैं ये पूरा डायग्राम आपको समझाता हूं एक, एक करके कैसे इस पर काम करना वो समझते हैं आइडिया ये है सेंडर एक बार में एक पैकेट भेजेगा अब क्योंकि हम डेटा लिंक लेयर में तो जैसे हमने समझा है उसको हम बोलेंगे फ्रेम तो सेंडर एक बार में एक फ्रेम भेजेगा और उसके बाद बैठ जाएगा वेट करेगा स्टॉप स्टॉप एंड एंड वेट वेट तो हालांकि होना चाहिए था ट्रांसमिट स्टॉप एंड वेट बट उन्होंने ट्रांसमिट हटा दिया तो मैंने एक फ्रेम ट्रांसमिट किया फिर मैं स्टॉप करके बैठा गया मैं वेट कर रहा हूं ये पैकेट जाएगा रिसीवर उसको अपने हिसाब से बड़े प्यार से प्रोसेस करेगा और उसके बाद रिसीवर उसको एक्नोलेजमेंट करेगा तो क्या फ्रेम पहुंचा सही सलामत के नहीं पहुंचा यह सेंडर को कैसे पता लगेगा सर एक्नोलेजमेंट का मैकेनिज्म उससे पता लगेगा जब तक एक्नोलेजमेंट नहीं आ जाएगा तब तक जो हमारी सेंडिंग पार्टी जो सेंडर है वो अगला फ्रेम यहां पर नहीं भेज सकता ये बहुत सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है एक बार में कितना पैकेट भेजेंगे एक अभी क्योंकि पहला वेरिएंट है स्टॉप एंड वेट तो यहां पर एफिशिएंसी का कितना यूज कर पा रहे उसका ध्यान नहीं दे रहे चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं तो लॉजिक क्या है एक पैकेट भेजोगे वेट करोगे जब उसका एक्नोलेजमेंट आएगा अगला भेजोगे वेट करोगे जब एक्नोलेजमेंट आएगा अगला भेजोगे वेट करोगे ये कहानी हमेशा आगे चलती जाएगी रिसीवर पैकेट को जब प्रोसेस करेगा तो वो चाहे तो कुछ समय एक्नोलमेंट रोक भी सकता है क्यों एक्नोलेजमेंट भेज मिलने का ये मतलब तो है ही है कि पुराना पैकेट या पुराना फ्रेम सही से आ गया है साथ में ये मतलब भी है कि आई एम रेडी फॉर द नेक्स्ट फ्रेम एक बात हो गई अब क्या किसी भी ट्रांसमिशन मीडियम आप कितना भी ध्यान से क्यों ना बना लो कि हम गारंटी दे सकते हैं उसमें कोई फेलियर नहीं होगा नहीं सर गारंटी नहीं दे सकते फेलियर हो सकता है अगर फेलियर होगा तो क्या करेंगे अब उस पर गौर करिए यहां देखिए एक फ्रेम हमने भेजा और फ्रेम कहीं पर लॉस हो गया यहां तो रिसीवर को पता ही नहीं है तो अब सेंडर क्या करे वो कैसे पता लगाए कि लॉस हुआ कि नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं जब भी कोई पैकेट भेजते हैं एक टाइमर इनिशिएट करते हैं हमारे हिसाब से कितने बोलते हैं टोटल यू नो राउंड ट्रिप टाइम आमतौर टीपी टीपी जाने का टीपी वापस आने का प्रोसेसिंग में नेग्लेजेबल टाइम लगता है तो हम वेट करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल पांच मिनट जाने का समय था पांच मिनट आने का दस नहीं तो बारह मिनट पकड़ लेते हैं बारह मिनट में तो आ ही जाना चाहिए अगर बारह मिनट में एक्नॉलेजमेंट नहीं आया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है एग्जैक्टली exactly क्या हुआ है हमें नहीं पता हमारे पास एक ही है कि मैथडेमिट करें तो यहां देखिए इसने फ्रेम भेजा फ्रेम रास्ते में कहीं लॉस हो गया कुछ समय के बाद टाइम आउट टाइमर हमारा वॉयलेट हो गया यानी कि टाइम आउट हो गया अब वो क्या करेगा वो फिर से टाइमर रीसेट करेगा और फिर से फ्रेम सेंड करेगा तो अगर कोई फ्रेम लॉस्ट हुआ तो उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं जी हाँ टाइमर का मैकेनिज्म हमने लगा लिया उससे कर पा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट आपने फ्रेम भेजा और एक्नोलेजमेंट लॉस हुआ तो भी यही मैकेनिज्म काम करेगा क्योंकि अल्टीमेटली अगर सेंडर तक एक्नोलेजमेंट नहीं पहुंचा तो सेंडर को तो यही लगे ना सर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया तो सेंडर फिर से रिट्रांसमिट करेगा तो चाहे फ्रेम लॉस हो यह एक्नोलेजमेंट लॉस हो अल्टीमेटली सेंडर का टाइमर एक्सपायर होता है फिर वो दोबारा रिट्रांसमिट करता है एक गड़बड़ क्या हो सकती है कभी कभी जैसे यहां पर यहाँ पर इस तरह का केस नहीं कवर किया। इमेजिन करिए, एक फ्रेम भेजा और प्रोसेसिंग के बाद ये पता लगा कि फ्रेम में कुछ गड़बड़ है फ्रेम में कुछ करप्शन आ, आ गया तो रिसीवर क्या करेगा रिसीवर उसको चुपके से डिस्कार्ड कर देगा और क्या ये बात अलग से सेंडर को बताता है नहीं तो यहाँ स्टॉप एंड वेट में नेगेटिव एक्नोलेजमेंट का कोई तरीका नहीं इसको ऐसे समझिए टीचर ने क्लास में पढ़ाया और बच्चे से पूछा सबको समझ आया एक तरीका तो ये कि बच्चे बोले हाँ सर समझ आ गया पॉजिटिव एक्नोलेजमेंट एक तरीका ये अगर बच्चों को समझ नहीं आया तो क्या करें या तो बच्चा ये बोले कि हमें समझ नहीं आया आमतौर पर बच्चे चुप रह जाते हैं तो टीचर ने बोला समझ आया बच्चे कुछ बोले ही नहीं तो टीचर को तो खुद से समझना है कि इसका मतलब इनको समझ नहीं आया यहां पर हम मानते हैं नेगेटिव एक्नोलेजमेंट भेजेंगे ट्रैफिक बढ़ेगा तो अगर कोई गड़बड़ है कोई एरर है तो रिसीवर क्या करता है चुपके से उसको डिस्कार्ड कर देता है अब डिस्कार्ड करेगा तो होगा क्या अगेन एक्नोलेजमेंट

आप एक दुकान पे जाते हैं फॉर एग्जाम्पल मैगी लेने के लिए आपने बोला भैया चार मैगी दे दो है ना अगर अच्छा दुकानदार होगा ना तो आपसे क्या बोलेगा और बताइए सर और कुछ लेना है कोल्ड ड्रिंक लेनी है चिप्स लेना है बिस्किट लेना है समथिंग लाइक दिस है ना ताकि फिर आप सोचो हो सकता है आपको लेना ना हो लेकिन हो सकता है उसके बोलने से आपके ध्यान में जाए कि चल यार कोल्ड ड्रिंक ले, ले लेता हूं भैया ब्रेड भी लेनी है क्या बटर लेना है क्या समथिंग लाइक दिस तो उसी तरह यहां पर ध्यान रखिएगा ट्रिक है क्या आपने बोला फ्रेम नंबर जीरो आया है ना अभी हमने नंबरिंग की अल्टरनेट जीरो वन तो अब फ्रेम नंबर जीरो जब आ गया तो रिसीवर ये नहीं कहता फ्रेम नंबर जीरो आ गया रिसीवर कहता है मेरे को फ्रेम नंबर वन चाहिए acknowledgement. अब फ्रेम नंबर चाहिए ये इनडायरेक्टली यही तो बोलने का तरीका है जीरो आ चुका तभी तो वन मांग रहा है आप समझ रहे हैं तो एक्नोलेजमेंट पूरे नेटवर्क में हर लेर में हम कैसे करते हैं हम कभी ये नहीं कहते कि ये आ गया हम उससे अगला मांगने लगते हैं और उससे अगले मांगने लगते हैं तो सेंटर समझ है इसका मतलब अगला मांग रहे तो पहला पक्का इसके पास आ गया होगा है ना तो इस मैकेनिज्म का ध्यान रखिएगा एक और बात क्योंकि यहां पर ट्रांजिशन में एक बार में एक ही पैकेट रहता जाता आता है तो हमें सिर्फ दो ही नंबर चाहिए तो हम जीरो मेरे पास दस पैकेट है तो मैं कहता पैकेट नंबर वन पैकेट नंबर टू पैकेट नंबर थ्री पैकेट नंबर फोर बट कहीं ना कहीं जाके तो फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी भी जीरो पे आना पड़ेगा यहां पर क्योंकि ट्रांसमिशन में हमेशा एक ही पैकेट रहता है तो जीरो के बाद वन वन के बाद बजाय टू पे जाने के फिर से जीरो आ जाते क्योंकि आप जानते हो अगर मैं चार पैकेट यूज करूंगा तो फिर मुझे दो बिट यूज करना पड़ेगा ना चार कॉम्बिनेशन बनेंगे जीरो 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 वन वन जीरो वन वन तीन बिट यूज करूंगा तो आठ कॉम्बिनेशन बनेंगे मैं सिंगल बिट यूज करता हूँ जीरो का मतलब जीरो जि, वन का मतलब वन और कहानी घूम के वापस आ जाती है अब एफिशिएंसी निकाल लेते हैं स्टॉप एंड वेट की बेसिक बात तो समझ गए पहले दो टर्म्स मैं पहले से आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं तो प्रोपोगेशन डिले दोबारा याद दिला देता हूं डिस्टेंस अपॉन स्पीड नेटवर्क में एक्चुअली कितनी स्पीड से सिग्नल चल रहा है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है दैट इज द प्रोपोगेशन डिले देन ट्रांसमिशन डिले अगेन लाइन पे उतरने में कितना टाइम लगेगा तो so, आपकी क्या बैंडविड है बैंडविड की बात ना सिग्नल की स्पीड अलग चीज है बैंडविड अलग चीज है किस रेट से डेटा लाइन पे आ रहा है क्या बैंडविड और कितना बड़ा पैकेट है इससे पता लगेगा कि डेटा को लाइन पे आने में टाइम कितना लगेगा एक और बात अभी कर लेता हूं क्यूइंग डिले क्यूइंग डिले क्या अगर आप डेटा भेज रहे हैं फ्रॉम वन नोट टू वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन हो सकता है ना बीच में कुछ स्विचिंग डिवाइस हो राउटर्स हो स्विचेस हो हब्स हो उसकी बात आगे करेंगे वो क्या सिर्फ आपके लिए काम के लिए बैठे हैं नहीं सर शेयर्ड मीडियम औरों का भी काम करना है तो हो सकता है राउटर की हब्स की स्विचेस की क्यूज में भी कुछ समय लग जाए कि वेटिंग है है मिनट वेट करो ना और उसके बाद हम आपको भेजेंगे तो अगर इस तरह का डिले होता है सब बोलते हैं क्यूइंग डिले क्यूज में लाइन में खड़े खड़े जो समय लग जाता है दैट इज क्यूइंग डिले गोइंग फर्दर प्रोसेसिंग डिले जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंच गए जैसा मैं अभी स्टार्टिंग में बोल रहा था फ्लो कंट्रोल में जरूरी है क्या पैकेट विद इन जीरो टाइम प्रोसेस हो जाए नहीं सर थोड़ा समय लगेगा हो सकता है थोड़ा वेट करना पड़े और तब आपका नंबर आए और आने के बाद थोड़ा समय लगे मैं भी डिसाइड करना है एरर आया कि नहीं आया चेकसम सीआरसी सी, जो भी मैकेनिज्म हम यूज कर रहे हैं समय लगेगा ये सारे डिलेज इन्वॉल्व है जब आप एफिशियंसी कैलकुलेट करोगे तो हमें एक भारी भरकम फॉर्मूला बुक में लंबे चौड़े डेरिवेशन मिलेंगे और कंफ्यूजिंग मिलेंगे विश्वास मानिएगा एक पैटर्न सुनिए पूरी बात समझा देता हूं ध्यान से देखिएगा सीक्वेंस में हमने पैकेट भेजा फ्रेम भेजा सबसे पहले फ्रेम का ट्रांसमिशन डिले जिसमें हम क्या बोलते हैं लेंथ ऑफ द पैकेट डिवाइडेड बैंडविड्थ ऑफ द चैनल ये समय लगा पैकेट को लाइन पे उतरने में ये पैकेट लाइन पे उतर गया यस yes. उसके बाद प्रोपोगेशन ऑफ द डेटा डेटा या फ्रेम वही बात कि इस पैकेट को पूरा प्रोपोगेट करने में डिस्टेंस अपॉन स्पीड जितना समय लगे, वो समय लगेगा लगेगा वो क्या हो सकता है बीच में राउटर्स में स्विचिंग डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद क्या हो सकता है प्रोसेसिंग डिले लगे हाँ हो सकता है कुछ समय लगे आपको प्रोसेस करने में अब उसने प्रोसेस कर लिया एक्नोलेजमेंट देगा क्या एक्नोलेज कन्मेंट का भी ट्रांसमिशन डिले हो सकता है जी हाँ कुछ न्यूमेरिकल में तो सेपरेटली मेंशन करते हैं कि का साइज इतना इतना है और को लाइन में में समय लगेगा उसका ट्रांसमिशन टाइम भी कंसीडर करना पड़ेगा जिस तरह पैकेट को क्यू और यू नो प्रोसेसिंग डिले लगा एक्नोलेजमेंट के साथ भी हमारा क्यूइंग डिले और प्रोसेसिंग डिले ये तो हमारा प्रोबेशन हो गया उसका भी क्यूइंग और प्रोसेसिंग डिले हो सकता है तो वैसे आप देखोगे काउंट करोगे सिक्स सेवन फैक्टर्स हमारे हो जाते हैं तौर पे इन जनरल 99% ऑफ द टाइम सेमेस्टर्स में तो आप मान के चलो हमेशा हम ये मान के चलेंगे कोई को बोलेगा भी नहीं कि क्यू का और प्रोसेसिंग डिले नेग्लिजिबल है अगर ये डिले नेग्लिजिबल हो जाता है तो एक दो तीन और चार ये चार फैक्टर हो जाते हैं बाहर अब सिर्फ चार कंपोनेंट बचे टोटल टाइम अगर देखेंगे तो कौन कौन सा डेटा का ट्रांसमिशन डेटा का प्रोपोगेशन एक्नोलेजमेंट का ट्रांसमिशन एक्नोलेजमेंट का प्रोपोगेशन ये बात भी मानी जानी चाहिए कि एक्नोलेजमेंट यूजली बहुत छोटा होगा

टोटल टाइम निकल गया क्या इज अ वेरी वेरी तो आपसे पूछे एक पैकेट भेजने में कितना समय लगता है टोटल टाइम सो टोटल टाइम टेकन बाय स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल टू ट्रांसमिट वन फ्रेम वन डेटा पैकेट यस आगे बढ़ता हूं अब बात आई एफिशिएंसी की नुमेरिकल सॉल्व करना तो एफिशियंसी निकालना चाहिए Useful time divided by total time. तो यहां पर अगर आप इमेजिन करें मैं फिर भी अलग से लिख देता हूं एफिशिएंसी यूजफुल टाइम तो आपका ट्रांसमिशन टाइम ही था ना जब आप सेंड कर रहे थे बाकी तो आप खाली बैठ के वेट कर रहे हो कि भाई वो जाएगा और फिर एक्नोलेंट वापस आएगा तो यूजफुल टाइम टाइम इज इज ओनली टोटल यूजफुल्ड मल्टी प्लस टू टीपी अगर मैं ऊपर नीचे दोनों तरफ टी टी से डिवाइड करूं बल्कि अलग अलग कर लेता हूं दिस इज ऑल्सो टी टी एंड दिस इज ऑल्सो टी टी सो दिस विल बिकम वन दिस विल बिकम वन और ये बड़ा एक सा जाता है का this is one divided by one plus, ये क्या हो गया टीपी टीपी डिवाइड बाई टी टी को कभी कभी अलग से हम क्या बोलते थे बुक में आपको लिखा मिलेगा एल्फा और वो वैल्यू मैं यहां रखूंगा तो क्या हो जाएगी इट इज वन डिवाइडेड बाई वन प्लस टू एल्फा एंड दे ये पूरा डराइव करके यहां तक हमने कंक्लूड कर दिया तो अगर कोई न्यूमेरिकल में इतनी डिटेल में आपसे पूछ ले तो मैं आपको समझा पा रहा हूं कि एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करनी है और एक बार एफिशिएंसी आ गई तो क्या थ्रूपुट निकाला जा सकता है हाँ मान लीजिए एफिशिएंसी आपकी आई सिक्सटी परसेंट और पॉइंट सिक्स रेशियो में आई और कोई बोल रहा है कि चैनल की बैनिफिटते है हंड्रेड एमबीपीएस तो आप बताइए आप किस रेट में ट्रांसमिट कर पाएंगे सर हम सिक्सटी एमबीपीएस से ट्रांसमिट कर पाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं और ये पूरा आइडिया हुआ हमारा किसका स्टॉप एंड वेट का अब स्टॉप एंड वेट में क्या प्रॉब्लम है और कैसे वो उस प्रॉब्लम को गो बैक एंड ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट सॉल्व करता है उस पर ध्यान देते हैं ठीक है तो अभी बात करते हैं गो बैक एंड के बारे में देखिए दोबारा समझिए स्टॉप एंड वेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज्यादा बड़ी बैंडविड्थ है सारे रिसोर्स आपके पास है बट आप बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव खोल रहे हो एक पैकेट सेंड कर दो बैठ जाते हो कि जब ये जाएगा इसका एक्नोलॉजमेंट आएगा जब कुछ सब कुछ ठीक होगा उसके बाद मैं अगला पैकेट भेजूंगा ये ओवरऑल पॉलिसी ध्यान से सोचेंगे कुछ ज्यादा सिंपल होगी इसमें थोड़ा अग्रेसिव खेला जा सकता है इट्स लाइक गडकरी जी ने दिल्ली मुंबई शानदार नेशनल हाईवे बना दिया और आप बोल रहे हो जब एक ट्रक जाएगा फिर वो पैसा लेके वापस आएगा तब मैं अगला ट्रक भेजूंगा तो बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी कैसे चलाएंगे हम उसी को रिजोल्व करने के लिए नया मैकेनिज्म लेके आए गो बैक एन ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट अब इस बात का क्या मतलब है एक एक करके देखते हैं और बात करते हैं सबसे पहले एक बात समझो लॉजिक क्या है यहां पर मैं एक फ्रेम भेजूंगा उसके बाद में वेट नहीं करूंगा उसके एक्नोलेजमेंट के लिए बिजनेस पुराना हो चुका है हम भी मास्टर हो चुके हैं एक फ्रेम और एक फ्रेम और एक फ्रेम और एक फ्रेम तो और डिपेंडिंग ऑन द बैंडविड्थ ऑफ द चैनल डिपेंडिंग कि कितना कितना दूर पैकेट जा रहा है और समय लगेगा डिपेंडिंगनोलेजमेंट आने में मैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से भरता जाऊंगा भरता जाऊंगा भरता जाऊंगा और एक्नोलेजमेंट पुराने वाले का आता जाएगा बट इससे पहले की पहले पैकेट का एक्नोलेजमेंट आए पॉइंट ये उससे के पहले हम अगले पैकेट यहां पर भेज चुके होंगे तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो हम यहाँ पे फॉलो

चार एक नंबर लेता हूं सपोजिटली फ्रॉम फोर टाइम जीरो टू फोर टाइम वन यानी कितने कॉम्बिनेशन में सी एस आई वाले आप हैं तो जीरो 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 से वन 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 तक जीरो से पंद्रह तक ओवरऑल सोलह सिक्सटीन डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमारे बन जाएंगे बहुत बेसिक बात है तो क्या किया? जीरो नंबर भेजा फिर वन नंबर भेजा फिर टू नंबर भेजा भेजते जा रहे हैं ना और ऐसा करके लॉजिकली तो देखने में लगता है कितने भेज सकते हैं जीरो से लेके फिफ्टीन तक सोलह फ्रेम भेज सकते हैं बट प्रैक्टिकली हम यहाँ पर देखेंगे अगर एम नंबर हम लेते हैं यू नो पैकेट को तो एम बिट्स का नंबर अगर हम बनाते हैं तो टोटल कॉम्बिनेशन बनते हैं टू की पावर एम हम सेंडर विंडो का साइज रखते हैं एम माइनस वन यानी कि जीरो से लेके चौदह तक पंद्रह साइज रखेंगे क्यों टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी आगे देखेंगे एक कम साइज रखेंगे जो यहाँ पर अब देखो ये आपको समझाता ऐसा मत समझिएगा कि नेटवर्क जो पैकेट आ रहा है वो नंबर हो रहा है ना ये तो हमारे टेम्पररी नंबर है फ्रेम पे कोई परमानेंट नंबरिंग नहीं है जो भी पैकेट आया फिलहाल मान लीजिए यहां से गेम शुरू हुआ ठीक है पुरानी बात भूल जाइए यहां से शुरू हुआ हमने जीरो नंबर रखा भेज दिया वन भेज दिया टू भेज दिया थ्री फोर फाइव सिक्स तक का डेटा हम भेज चुके हैं तो ये कौन से फ्रेम है ये वो फ्रेम है जो ऑलरेडी भेजे जा चुके हैं बट अभी नहीं हुए है ना इतनी बात समझ आती है अभी मेरी कैपेसिटी चौदह नंबर लगाने की है यानी कि मैं सात से सा चौदह तक आठ फ्रेम अभी और भेज सकता हूं क्यों नहीं भेज रहा क्योंकि ये डेटा अभी मुझे ऊपर से यानी कि नेटवर्क लेयर से रिसीव ही नहीं हुआ रिसीव होगा मैं ये भी भेज सकता हूं ठीक अब मजे की बात क्या है ये सारे पैकेट एक के बाद एक के बाद एक जा रहे होंगे रिसीवर क्या करेगा रिसीवर इनको एक्नोलेज करेगा मान लो यहां पर कम्युनिटिव एक्नोलॉजमेंट का भी मैकेनिज्म होता है मान लो मेरे पास एक्नोलॉजमेंट आता है फोर के लिए इस बात का मतलब क्या है हमने लास्ट अभी तो समझ जाओ इस बात को कि थ्री तक के फ्रेम कंप्लीट हो चुके हैं थ्री तक वो रिसीव कर चुका है उसकी रसीद हमारे पास हो चुकी है तो अब इनकी कॉपी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है मैं आगे बढ़ सकता हूं और ये पूरी की पूरी विंडो मेरी आगे खिसक जाएगी इसी को इसलिए इसको बोलते हैं स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल एक और बात मैंने कई बार देखा क्लास में पढ़ाते हैं ना बच्चे ऐसा सोचते हैं जीरो से फोर्टीन तक गया फिर पूरा विंडो फिफ्टीन से या जीरो से चालू होगा नहीं ये धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे बढ़ेगा जैसे जैसे एक्नोलेजमेंट आते जाएंगे इस विंडो को मैं खिसकाता रहूंगा आगे यू नो स्लाइड करता रहूंगा और जैसे जैसे नेटवर्क लेयर से डेटा आएगा वो फर्दर फ्रेम भी भेजता जाऊंगा कुछ प्रॉब्लम भी है इसके अंदर वो प्रॉब्लम क्या है ये सारा पॉइंट बता चाहूंगा प्रॉब्लम क्या क्या करके देखते हैं पहले टाइमर की बात समझिए छोटा एग्जाम्पल बना के दिखाया जा रहा है जीरो भेजा यहाँ पे तीन है यानी कि दो बिट का इसने नंबर बनाया होगा दो बिट का नंबर बनाया तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे चार जीरो 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 वन वन, जीरो वन, वन। में पूरी बात लिखू एम है टू तो टोटल तो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे टू की पावर एम माइनस वन यानी के फोर माइनस वन टोटल थ्री एक बार में मैं भेज सकता हूँ वही कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिखाने की कोशिश है अब इसको ऐसा समझिए टोटल कॉम्बिनेशन अगर बनते हैं टू की पावर एम सेंडर साइड का साइज होता है विंडो का टू की पावर एम माइनस वन और सिर्फ एक साइज होता है रिसीवर यानी कि रिसीवर यहाँ पे हमेशा किसी स्पेसिफिक फ्रेम को देख रहा होगा अब प्रॉब्लम समझिए क्या है उसने फ्रेम नंबर जीरो भेजा बात समझ आई रिसीवर ने एक्नोलेजमेंट भेजा बट वो रास्ते में डिस्कार्ड हो गया हो सकता है ना अच्छा सेंडर क्या जीरो भेज के रुक गया था नहीं उसने तो वन भी भेजा और फिर टू भी भेज दिया क्योंकि एक बार में तीन वो भेज सकता है जो हमने कैपेसिटी अभी निकाली तीन भेज दिया अब रिसीवर ने फिर एक्नोलेजमेंट किया वो भी डिस्कार्ड हो गया फिर एक्नोलेजमेंट किया वो भी डिस्कार्ड हो गया अब जैसे इसने टाइमर लगाया था सेंडर ने सेंडर ने जीरो से ही टाइमर लगा के स्टार्ट किया है जैसे ही जीरो वाला फ्रेम डिस्कार्ड हुआ जीरो का एक्नोलेजमेंट इसके पास नहीं आया सेंडर को क्या लगेगा कि लगता है जीरो वाला ही बेकार हो गया और रिसीवर की प्रॉपर्टी यहां पर गया रिसीवर कभी भी ना यू नो स्पेसिफिक फ्रेम उसको चाहिए होता है मान लीजिए जीरो आया मान लेते हैं जीरो प्रॉपरली रिसीव हुआ जो यहां पर हुआ वन बीच में डिस्कार्ड हो गया और टू भी प्रॉपरली रिसीव हुआ क्या मैं को एक्सेप्ट करूंगा नहीं करूंगा एज अ रिसीवर बोलूंगा के बाद मुझे वन ही चाहिए जब वन आएगा फिर टू भेजना अगर टू भेज भी दे तो मैं डिस्कार्ड करूंगा बोलूंगा टू को भी दोबारा भेजो इसीलिए अब सुनो इसका नाम कि इसका नाम है गो बैक एंड तो समझना इस बात को इसने जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स भेजा था अगर जीरो वाला गड़बड़ हो गया है ना वन वाला से सिक्स वाला तक सारे के सारे प्रॉपर्ली गए क्या रिसीवर एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा हुई तो मुझे वापिस से सारा भेजना पड़ेगा तो यहां पर तो हम अचीव करेंगे लेकिन कब जब प्रॉपर ट्रांसमिशन हो अगर चैनल इस तरह का हो जहां पर लॉसेस ज्यादा हो रहे हैं तो हैवी पेनल्टी लगती है रिट्रांसमिशन

विंडो का साइज टू की पावर एम माइनस वन ही रखेंगे अगर पूरा एम कर देते हैं तो गड़बड़ हो सकती है एक्नोलेजमेंट मैं आपको बता चुका है दैट इज दमेटिव एक्नोलेजमेंट इस बात का मतलब क्या है हर फ्रेम आपको इंडिविजुअली एक्नोलेज करने की जरूरत नहीं है दैट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम एंड दैट विल है ट्रैफिक तो अगर मेरे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स बैक टू बैक आ रहा है ना मान लीजिए मैं सीधा एक्नोलेज कर देता हूँ एट को एट को एक्नोलेज करना है ये इनडायरेक्टली बता देना है कि सर सेवन तक के सारे फ्रेम सही सलामत आ चुके हैं तो एक्नोलेजमेंट थोड़ा अच्छी थोड़ा एफिशियंट हो जाता है हालांकि फिर यहाँ पर वही बात है क्या मैं कोई नेगेटिव एक्नोलेजमेंट भेजूंगा जी नहीं तो मैं तो चुप रहूंगा आपका टाइमर जब फेल होगा आपको खुद में समझ आ जाएगा या तो फ्रेम या तो एक्नोलेजमेंट कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है इसलिए हमें रिट्रांसमिट करना पड़ेगा नाउ लेट्स कम टू एफिशियं मैं आपको पहले वाला फॉर्मुलांसी का हमने क्या समझा था एफिशियंसी इज इक्वल्स टू पूरा लिखता हूं ट्रांसमिशन टाइम ऑफ वन पैकेट डिवाइडेड बाय ट्रांसमिशन टाइम प्लस टू इंटू प्रोपगेशन टाइम यही था ना स्टॉप एंड वेट के अंदर क्योंकि एक बार में एक ही भेज रहे थे बट अब एक बार में कितना सकते है? जितना विंडो का है तो अगर मैं यहाँ पर अब तो क्या मेरे को ऐसे नहीं लिखना चाहिए? Time, क्योंकि एक का नहीं विंडो का जितने साइज होगा उतने ट्रांसमिशन में कर पाऊंगा जैसे अभी अगर मैं फोर बिट लू सोलह कॉम्बिनेशन बनेंगे एक कम भी कर लू तो पंद्रह पैकेट में भेज सकता हूँ तो आई कैन कंसिडर द ट्रांसमिशन टाइम ऑफ फिफ्टीन पैकेट और पहला पैकेट वापस आएगा वो मेरा टूवरऑल खर्चा हुआ इसके हिसाब से अगर निकालेंगे तो फिर वही करिए ऊपर और नीचे अगर हर किसी को आप टीटी -टी से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा नाउ दैट विल बिकम अगेन ऊपर वन नहीं बचेगा विंडो साइज बचेगा एंड वन प्लस इसको टू अल्फा लिख दू टीपी बाई टी टीज टू एल्फा और अगर आप विंडो साइज के हिसाब से देखें और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे अगर एफिशियंसी में हंड्रेड परसेंट मान लू मेरे को चैनल हंड्रेड परसेंट यूटिलाईज करना है सो दैट विल बिकम वन इसको करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा कि विंडो साइज कितना होना चाहिए सर विंडो साइज होना चाहिए वन प्लस टू अल्फा। अगर स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल को आप हंड्रेड परसेंट एफिशियंसी के साथ यूटिलाइज करना चाह रहे हैं अगेन इसको फर्दर मॉडिफाई करें कि विंडो साइज तो बताता है टोटल साइज कितना अगर आपको निकालना बिट्स कितने होने चाहिए सीक्वेंस नंबर में जैसे उदाहरण के लिए किसी ने बोला सर विंडो साइज आया 100 हंड्रेड अभी वन हंड्रेड कॉम्बिनेशन जनरेट करने के लिए कितने बिट होने चाहिए इस पर लॉग लगाना पड़ेगा ना लॉग बी एस टू अपर टू की पावर सिक्स तो में तो काम चलेगा नहीं तो सिक्स पॉइंट समथिंग समथिंग भी होगा तो सेवन बिट का आप नंबर ले लीजिए सिक्वेंस नंबर ताकि सौ से ज्यादा कॉम्बिनेशन बन जाए ताकि आप इतने पैकेट पंप कर पाओ कि चैनल की पूरी एफिशियंसी यूटिलाईज कर सको यस प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर अगर ये सब इतना बढ़िया है तो प्रॉब्लम yes. है सर इसके अंदर कि अगर एरर ज्यादा आ रहा है अगर ट्रांसमिशन मीडियम बहुत ज्यादा रिलायबल uh, नहीं है तो बार बार रिट्रांसमिशन करने पड़ेंगे और रिट्रांसमिशन भी कैसे बहुत है क्योंकि एक भी गड़बड़ हुआ उसके आगे की पूरी सीक्वेंस मान ही नहीं रहा, रहा पूरा दोबारा भेजो ऐसा मत करना क्या कर भाई जिसमें प्रॉब्लम है अलग से बता दे कि ये दोबारा भेज दो आगे वाला भी एक्सेप्ट कर ले रिसीवर कहता है आगे वाला एक्सेप्ट कैसे करूं क्योंकि रिसीवर की जो विंडो है उसका साइज तो वन है तो हम कहते हैं काम करना बराबर बराबर बांट लेते हैं कैसे बांट लेते हैं की पावर एम टोटल कॉम्बिनेशन है गो बैक एंड के अंदर क्या कर रहे हैं टू की पावर एम माइनस वन सेंडर को ही मानो सब कुछ दे दिया रिसीवर को कहा तू सिर्फ एक ही रिसीव कर सकता तो उसकी गलती क्या है इसको सुधार लेते हैं कैसे सुधार लेते हैं टू की पावर एम टोटल केस है एक काम करते हैं टू की पावर एम बाय टू सेंडर को देते हैं और टू की पावर एम बाय टू रिसीवर को देते हैं पावर सेम है Power से तो इसको ऐसा लिख सकता हूं टू की पावर एम माइनस वन ये पावर में माइनस वन ऊपर ध्यान रखना सिमिलरली टू की पावर एम माइनस वन अब होगा क्या अगर सेंडर रिसीवर दोनों का साइज बराबर होगा मानो चार बिट का सीक्वेंस बने आठ कॉम्बिनेशन मिले से दो, -दो, वाला दिखा दिया. दो, आपको, दो मेरे को. अब फायदा क्या है अगर आउट ऑफ ऑर्डर अराइवल होता है अगर बीच का कोई फ्रेम डिस्कार्ड होता है तो भी मैं क्या एक्सेप्ट कर लूंगा क्या हाँ, कर लूंगा आउट ऑफ ऑर्डर यहां पर आप देखेंगे फ्रेम नंबर जीरो आया एक्नोलेज कर दिया वन आया लॉस हो गया लेकिन टू भी आ गया थ्री भी आ गया तो यहां पर आप देखिए टू और थ्री उसने एक्सेप्ट कर लिया और फिर पहली बार

नेगेटिवली मैं एक्नोलेज करूंगा उसको दोबारा भेजिएगा पूरी कहानी दोबारा भेजने की कोई जरूरत नहीं है तो ये एफिशिएंट होगा इतना ज्यादा नहीं होगा जितना गो बैक एंड था लेकिन ये रिलायबल है ये प्रैक्टिकल है है ना बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं है इसने रिसीवर को भी बराबर हिस्सा दिया और सोचने का मतलब यह है कि उस तरह का सिस्टम रियलिटी में तो ट्रांसमिशन मीडियम में बार बार एरर आएंगे ना रिट्रांसमिशन करना पड़ेगा ना तो मुझे सबको दोबारा भेजने की जरूरत नहीं होगी जहां तक एफिशियंसी की बात है वो सारे फॉर्मूलाज एकदम सेम रहेंगे दस नथिंग न्यू तो बोल सकते हैं स्टॉप एंड वेट तो बहुत ही लूजर टाइप था स्टार्ट किया था बस थोड़ा थोड़ा काम किया गो बैक एंड ने ज्यादा कर दिया भाई इतना नहीं करना था ज्यादा अग्रेसिव हो गया और गलती का चांस नहीं है पूरा जुआ टाइप हो गया था सेलेक्टिव रिपीट एक की बीच की कहानी ही यूज होता है एग्जाम में इसको कुछ छोड़ा नहीं है इसके अंदर दो नंबर में चार नंबर में पांच नंबर में कभी भी छोटा सा नोट आ सकता है लिखने के लिए पिगी बैकिंग क्या होता है देखिए अभी जब हम पढ़ रहे हैं ना हम मान के चल रहे एक सेंडर एक रिसीवर है बट रियल लाइफ में क्या कोई व्यक्ति हमेशा सेंडर या हमेशा रिसीवर होता है नहीं अब दो लोग आपस में चैट कर रहे हैं तो जब मैंने मैसेज भेजा तो मैं सेंडर सामने वाला रिसीवर सामने वाली रिसीवर फिर वो सेंडर बनेगी आप रिसीवर बनेंगे तो ये जो आइडिया हम पढ़ रहे हैं ये एक तरफ से चलेगा दोनों तरफ से चलेगा तो दोनों तरफ यू नो you know, सेंडर विंडो भी होगा रिसीवर विंडो भी होगा एक्नोलजमेंट आपको भेजना पड़ेगा तो यहाँ पे थोड़ा खर्चा बचा लेते हैं आपने मुझे एक डेटा भेजा अब मेरे को एक्नोलेजमेंट भेजना है बट मजे की बात है मेरे को अपना भी डेटा भेजना है तो क्यों ना मैं काम करूं जो अपना डेटा भेज रहा है उसी में एक्नोलेजमेंट रख के भी भेज दूं, थोड़ा पैसा बचा लेता हूं इसी आइडिया को बोलते हैं पिगी बैकिंग करना तो क्योंकि एक फुल डुप्लेक्स कनेक्शन आमतौर पर स्टेब्लिश होता है दोनों पार्टी सेंडर रिसीवर की तरह काम कर रहे होते हैं तो हम इंडिविजुअली एक्नोलिजमेंट नहीं भेजते नेटवर्क में बेफालतू का ट्रैफिक बढ़ता, बढ़ता है हम क्या करते हैं हम जो दूसरी साइड से डेटा भेजते हैं उसी में एक्नोलॉजमेंट फिट करके आगे भेज देते हैं इस अप्रोच को कहते हैं पिगी बैकिंग जिससे ट्रैफिक भी कम होता है और सिस्टम की एफिशियंसी भी सुधर जाती है यस yes, तो फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल ये दोनों मैकेनिज्म आपने समझे इस पूरे डिस्कशन में बार बार आपसे कहता रहा अगर एरर आया तो डिस्कार्ड कर देंगे अगर एरर आया तो नेगेटिवली नेगेटिवलीनोलेज करेंगे बट अगर एरर आया ये पता कैसे लगा तो एरर आइडेंटिफिकेशन होता कैसे एरर हैंडलिंग कैसे होती है अब उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे एंड दैट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द डेटा लिंक लेयर तो डेटा लिंक लेयर को पेल के काम कराते हैं इस पूरे टॉपिक के अंदर कोई भी ट्रांसमिशन मीडियम हम ले कितना भी रिलायबल क्यों ना हो क्या ट्रांसमिशन के दौरान कोई ना कोई एरर होगा पक्का होगा इसके कारण हम कुछ नहीं कर सकते अब उन एरर को कैसे डील करेंगे उनकी क्या कैरेक्टराइजेशन होगी एक एक करके देखते हैं तो देखिए यहां पर क्या लिखता हूं डेटा ट्रांसमिटेड बिटवीन कैन बी अल्टर्ड और करप्टेड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन दिस करप्शन इज कैन मैनिफेस्ट आइदर अ सिंगल बिट और अ बस्ट एरर तो हम कह रहे हैं कि दो तरह के एरर हो सकते हैं विन केस ऑफ ट्रांसमिशन या तो सिंगल बिट एरर या तो बस्ट एर थोड़ा सिंगल बिट एरर जैसा आप देख पा रहे हैं तो एक ये received है और ये sent है तो क्या हमने किया था? और जैसा समझ रहा है है ये वाला जो बिट है न, जो ना किया जा रहा है ये जीरो से change हो, हो गया one. तो single bit corrupt हुआ है बाकी सारा डेटा या पूरी की पूरी जो बाइट है वो हमारी सेम है इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन हो सकता है जिसको हम बोलते हैं बस टेरर अब देखिये बस टेरर का मतलब क्या है जब मल्टीपल बिट्स चेंज होती है तो यहां पर दिखाया गया कि बहुत सारे डेटा सीक्वेंस में चल रहा होगा जो लेंथ ऑफ द बस्ट है वो अगेन हमारे पास एट बिट्स है जिसमें आप देख रहे हैं आउट ऑफ टोटल एट बिट्स जीरो चेंज हो गया वन में ये जीरो वन में चेंज हुआ ये जीरो वन में चेंज हुआ ये जीरो आउट ऑफ टोटल एट फोर बिट्स हमारी चेंज हुई तो कुछ लोग ऐसा लग सकता है कि बस का मतलब है कि सारी बिट चेंज होनी चाहिए जरूरी नहीं है है जहां जहां से पहली बिट बिट करप्ट करप्ट हुई हुई और तक लास्ट उसको हम टोटल बस का लेथ मानते हैं उसमें कुछ बिट अंदर सेम भी रह सकती है कुछ बिट अंदर चेंज भी हो सकती है इन जनरल आमतौर पर देखा जाता है कि बस एडर ज्यादा होते हैं सिंगल बिट एरर कम होते हैं रीजन बिंग या डेटा इतनी स्पीड से ना इमेजिन मान लीजिए वन वन एमबीपीएस तो बहुत नॉर्मल है आजकल इवन हंड्रेड एमबीपीएसो वेरी नॉर्मल अब आप सोचिए अगर हंड्रेड एमबीपीएस की स्पीड से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है है अगर कहीं पे 1 के लिए आता हालांकि बिग टाइम बट अगर वन सेकेंड के लिए नॉइस आता है तो हंड्रेड मेगा बिट ऑफ डेटा वहां से ट्रेवर्स हो चुका होगा तो टोटल तो जो बस का लेंथ होगा वो होगा हंड्रेड मेगा बिट्स विच इज आउट ऑफ टाइम बहुत लंबा बस्ट होगा क्योंकि डेटा स्पीड से चेंज हो रहा है इसलिए अगर कहीं गड़बड़ होगा तो ज्यादातर बिट्स करप्ट होती है नाउ एरर्स के अंदर काम करना है, तो हमिंग डिस्टेंस क्या है ये अंडरस्टैंडिंग पहले ले लेना है तो बिल्कुल मैं साधारण शब्दों में बात करता हूं बाकी जब यहां पर कर रखा है हमिंग डिस्टेंस क्या है अगर हमारे पास दो डेटा है Uh, जो सेम लेंथ के हैं जैसे यहां पर मैंने एग्जांपल लिखा एक डेटा वर्ड हमारे पास है जीरो 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 और एक है जीरो वन वन तो बेसिकली ये देखना कि उनमें कितने बिट का डिफरेंस है कितने बिट सेम है कितने बिट डिफरेंट है दैट इज नोन एज द हमिंग डिस्टेंस बिटवीन द टू कोड्स तो यहां पर आप देख रहे हैं जीरो जीरो यहां पे जीरो है यहाँ पे वन है तो एक डिफरेंट हो गया जीरो है वन है एक डिफरेंट हो गया जीरो जीरो सेम है तो ये सेम रहा तो टोटल कितने बिट चेंज हुए तो टोटल टू टो बिट चेंज हुए तो इन दोनों का हमिंग डिस्टेंस हो गया टू है ना तो जैसे यहाँ पर मैंने सेम एग्जाम्पल लिया इसका आप हमिंग डिस्टेंस बता सकते हैं वन वन की जगह सेम है जीरो से वन चेंज हुआ एक वन वन सेम है फिर जीरो से वन चेंज हुआ दो और वन जीरो भी चेंज हुआ थ्री तो यहां पर इनका हमिंग डिस्टेंस हमारा हो गया थ्री यस तो ये एक बहुत मैंने थ्री सही किया ना सेम चेंज सेम चेंज चेंज हमिंग डिस्टेंस इज तो कैसे डिनोट करते हैं अच्छा एग्जोर ऑपरेशन बोल रहा है है में क्या होता है? सेम पे हाई डिफरेंट पे वन तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक्सोर कर लिया डिफरेंट है तो वन मिला डिफरेंट है तो वन मिला तो लाइक दिस है ना तो हमिंग डिस्टेंस लिखते कैसे लाइक दिस यू राइट डी ऑफ एक्स वाई तो डी ऑफ दिस एंड दिस इज थ्री ओके अब जो पहला लॉजिक है है ना हमने बात की थी स्लाइडिंग विंडो में कि एरर डिटेक्ट करेंगे एरर डिटेक्ट कैसे करेंगे जो सबसे सिंपलेस्ट आइडिया है वो है पैरिटी चेक करना अब पैरिटी की कहानी है क्या है ये समझिए पहले दो तीन टर्मोलॉजी समझ लेते हैं, देखिए जो भी ओरिजिनल डेटा हमारे पास है उसको बोलते हैं डेटा वर्ड मुझसे बोलो क्या बोलते हैं डेटा वर्ड और लॉजिक क्या है डेटा तो बहुत सारा है अब एक बार में सारा डेटा एक साथ तो मैं काम नहीं कर सकता तो हम डेटा को मैनेजेबल साइज ऑफ पोर्शन में ब्रेक कर लेते हैं डेटा वर्ड तो वन टू थ्री फोर यहाँ पे इन्होंने फोर फोर बिट्स जिसे बोलते हैं फोर फोर बिट्स का डेटा ले लिया उस डेटा के साथ हम कुछ इंफॉर्मेशन अटैच करते हैं ये वो इंफॉर्मेशन है जो बाद में हमें एरर डिटेक्शन में मदद करती है और ये इंफॉर्मेशन अटैच होने के बाद जो बन जाता है वो बन जाता है कोडवर्ड क्या बनता है कोड वर्ड तो यहां पे देखो खर्चा कितना हुआ डेटा वर्ड था चार बिट का एक बिट हमने अटैच की जो बात बात जिसे बोलते हैं बिट वो बाद में बात करेंगे हमने कुछ अटैच की तो टोटल खर्चा हो गया पांच का बट एडवांटेज क्या है अब अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगा उसकी भी अपनी सीमाएं हैं कि, कि कितनी गड़बड़ हम पता लगा सकते हैं बट अगर कुछ गड़बड़ होगा तो हम रिसीवर एंड पर आइडेंटिफाई करेंगे डेटा वर्ड को कुछ टर्मोलॉजी से आपको क्लियर कर रहा हूं आमतौर पर बोला जाता है के बिट का डेटा वर्ड है के बिट का इस केस में जो सिंपल पैरिटी चेक है हमारा यहां पर जो हमारा कोडवर्ड है वो के प्लस वन का है सिर्फ सिंगल बिट हम अटैच करते हैं जनरेटर वो मॉड्यूल है जो कैलकुलेट करता है कि वो बिट क्या होगी जीरो होगी या वन होगी और तब कोड कोडवर्ड जाता है इन एन अनिलयबल ट्रांसमिशन मीडियम वहां पर भी एक चक्कर होगा जो चेक करता है कि अगेन एरर है कि नहीं और डिसीजन करता है कि डिस्कार्ड करना है कि एक्सेप्ट करना है अब यहां पर लॉजिक क्या है कैसे इंश्योर करते हैं ऑर्ड पैरिटी इवन पैरिटी दो कंसेप्ट है इवेल वेरी सिंपल द आइडिया इज इवन पैरिटी लॉजिक क्या है फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास है जीरो वन जीरो

एन अनरिलायबल मैकेनिज्म ये डेटा पहुंचा या ये कोडवर्ड पहुंचा और रास्ते में कहीं ये वाला बिट चेंज होके जीरो से वन हो गया अब जैसे यहां पर आएगा वन वन जीरो वन एंड जीरो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वन वन जीरो वन तो टोटल तीन वन है तो so, बताओ पैरिटिबिट क्या होनी चाहिए सर वन होनी चाहिए टोटल काउंट एवन होता और वो मैच करेगा नहीं तो हम इसको आइडेंटिफाई करके डिस्कार्ड कर देंगे तो दैट इज अकेनिज्म की कुछ एडिशनल खर्चा करके कैसे हम इस एरर का पता लगा सकते हैं कैसे हम इस एर का पता लगा सकते प्रॉब्लम इसके अंदर क्या है अब आप बहुत सारे लोग ऑलरेडी सोच रहे होंगे अगर कहीं गलती से मान लीजिए दो बिट चेंज हो गई नाउ यू सी अगर दोनों बिट चेंज हुई नाउ आई हैव हाउ मेनी वन थ्री, चार है सर पैरिटी भी बीविन होना चाहिए पास हो जाएगा तो इस बात का क्या मतलब है ये जो सिंपल पैरिटी चेक करने का मैकेनिज्म है इवन पैरिटी ऑड पैरिटी ये कितने बिट तक के एरर को डिटेक्ट कर सकता है कैन डिटेक्ट अपू अ सिंगल बिट एर सिंगल बिट डिटेक्ट कर सकता है सर दो बिट का एरर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा दैट मे गो या बोल सकते हैं ऑड नंबर ऑफ एरर डिटेक्ट कर सकता है इवन नंबर ऑफ एरर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा तो ये एक प्रॉब्लम है इसके अंदर वो ये बोलते हैं ना जितना चीनी डालो उतना मीठा होगा ये वो वाली कहानी है तो क्योंकि खर्चा भी तो एक ही बिट का किया था ना यार तो कोई बहुत महान काम नहीं करेगा एक प्रॉपर्टी है इस सिस्टम के अंदर जितने भी आप अलग अलग कोडवर्ड बनाएंगे किसी भी दो कोडवर्ड के बीच में जो हमिंग डिस्टेंस होता है वो मिनिमम टू होता है आई डोंट वॉन्ट टू गो इन टू डेप ऑन दिस बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर है अब कुछ लोगों ने दिमाग लगाया यार पैरिटी इवन पैरिटी और पैरिटी काम तो ठीक कर रहा है बट पावर इसकी कम है इसकी पावर बढ़ा सकते हैं क्या हम हाँ, बढ़ाई जा सकती है कैसे गौर करिए हम एक काम करते हैं हम इंस्टेड ऑफ वन डायमेंशनल अभी तो एक डेटा वर्ड हमने लिया वन डायमेंशनल की तरह उसके साथ हमने पैरिटी बिट टलोकेट कर दिया एजेंटेड अगर मैं उसे टू डी की तरह स्टडी करूँ तो लुक एट दिस एक डेटा वर्ड एक और डेटा वर्ड एक और डेटा वर्ड एक और डेटा वर्ड लाइक दिस और इस बार अगर मैं रोज में और कॉलम्स में कॉलम बाय कॉलम एंड रो बाय रो अगर दोनों तरफ पैरिटी एलोकेट करूं पहले एक बार चेक कर लेते काम हो भी रहा है कि नहीं एक दो तीन चार पांच छ दो तीन चार पांच अगेन इवन रखा गया एक दो तीन चार पांच इवन एक दो तीन चार जीरो इवन तो इसका मतलब ये जो रो बाय रो हम कर रहे हैं इवन पैरिटी ऐसी आप कॉलम में भी देख सकते हैं टू एंड जीरो जीरो तो दो वन मिले और यहाँ पे जीरो रख दिया है ना अब आप एडवांटेज देखना क्या है एक पॉइंट है एरर डिटेक्शन का और एक पॉइंट है एरर करेक्शन का अब ध्यान से देखिएगा मान लेते हैं रास्ते में डेटा गया और ये एक सिंगल बिट करप्ट हो गया वन अब जब रिसीवर चेक करेगा गौर करना इधर सब ओके मिलेगा एक दो तीन चार पांच छह सात रिसीवर बोलेगा दिस समथिंग रॉन्ग विद दिस इस रो में कुछ गड़बड़ है भाई इसका पैरिटी मिसमैच हो रहा है जब कॉलम में चेक करेगा एक दो तीन चार तो फिर यहां वन की जरूरत नहीं है बोलेगा अच्छा इस कॉलम में भी कुछ गड़बड़ है और कॉलम और रो का जो इंटरसेक्शन बोलेगा पक्का इसी बिट में गड़बड़ है इसका मतलब अब मैं ये नहीं बता रहा कि एरर हुआ एरर तो हुआ ही होगा मैं ये भी बता पा रहा हूं कि शायद सेंडर ने जीरो भेजा था जो चेंज होकर वन हो गया तो टू डायमेंशनल पेरिटी चेक जो है क्या करेगा सर दिस मैकेनिज्म इज नाउ कैपेबल ऑफ नॉट ओनली

ये कॉलम फ्लैग हो जाएगा बट दे एक दो तीन चार पांच छह इस रो में कोई फ्लैग नहीं होगा तो हमें ये तो पता है कि इन दो कॉलम में कुछ गड़बड़ है बट गड़बड़ एक्चुअली है वो नहीं पता बिकॉज ये रो का जो गड़बड़ था ना वो काइंड ऑफ कंपनसेट हो गया क्योंकि एक जीरो वन एक जीरो वन जीरो हो गया है yes, यस तो दो बिट का एरर में डिटेक्ट कर पा रहा हूं लेकिन पता नहीं लगा पा रहा इस तरह कोई एक और बिट गड़बड़ करेंगे तो एक और बिट तक किया जा सकता है सो कंक्लूजन क्या अगर बात एरर डिटेक्शन की है एरर डिटेक्शन की मैं तीन बिट तक डिटेक्ट कर पाऊंगा मैं सिंगल बिट तक करेक्ट कर पाऊंगा नोटिस करिएगा दोबारा तीन बिट तक डिटेक्ट कर पाऊंगा सिंगल बिट तक करेक्ट कर पाऊंगा ये दो अंडरस्टैंडिंग आपको ध्यान रखनी है और एक आखिरी केस और इमेजिन कर लीजिए सो so दैट इसके ऊपर एकदम नेक्स्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी वो क्या है सर चार बिट चेंज करिए दिस बिकम्स वन दिस बिकम जीरो दिस बिकम जीरो दिस बिकम जीरो आप चेक करोगे ना तो कॉलम पे कोई फर्क पड़ेगा ना तो रो पे कोई फर्क पड़ेगा तो अगर फोर बिट का एरर हो गया तो ना मैं डिटेक्ट कर पाऊंगा ना मैं करेक्ट कर पाऊंगा ये एक प्रॉब्लम है तो अगेन फिर वही बात यहाँ पे हमने खर्चा पहले से थोड़ा सा ज्यादा किया है तो जो एडवांटेज है वो भी पहले से थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा और इसको आमतौर पर बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मानते हैं ये कोई बहुत पावरफुल मैकेनिज्म नहीं है यस आगे बढ़ता हूं एक और इम्पोर्टेंट कोडिंग है जो एरर चेकिंग में काम आता in है।, है अब तो सिंगल विडियो बता देता है कि एरर कहां पे होगा इसलिए शायद ज्यादा पॉपुलर है और रिचर्ड हमिंग हमिंग कोड हमिंग डिस्टेंस सब इन्हीं के नाम से आया है तो क्या इसकी कहानी और बड़ा कॉम्प्लेक्स टेबल मैंने बना के रखा घबराइएगा मत एक एक करके देखते हैं सो so,

एड करते हैं लेट मी इट और फिर जो टोटल कोड वर्ड है वो बिट का बन जाता है. पता कैसे लगेगा ओवरऑल कि खर्चा कितना होगा इट ये पता कैसे लगेगा कि ओवरऑल खर्चा कितना होगा तो यहां पर एक गेम है वो क्या ये रिलेशनशिप पहले से बता रहे रिचर्ड हमिंग कि के इज इक्वल्स टू तो टू की पावर आर, माँगस आर, माँगस वन होना चाहिए और फिर कुछ पैरिटीज हम एलोकेट करेंगे पॉलिसी क्या है मैं आपको समझाता हूं ये एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ बात समझिएगा तो मान लीजिए मैं एक वैल्यू लेना चाहता हूं मेरे पास फोर बिट का डेटा है अच्छा यहां मैं उसे एम कह के बुला रहा हूं बट वो आर एक ही बात है फोर बिट का डेटा है मेरे को देखना है कि यार कितना खर्चा मेरे को करना पड़ेगा ट्राई करूं तो फॉर्मूला क्या आपने पढ़ा अगर के बिट्स आपके पास है तो दैट इज टू रेस टू पावर आर माइनस आर माइनस वन अगर मैं आर की वैल्यू मान लीजिए कितना करूं अगर मैं दो लू तो काम होगा क्या के इज फोर टू रेस टू पावर टू इज फोर माइनस टू माइनस वन दैट विल बिकम वन ये तो काम नहीं करेगा अगर तीन बिट का खर्चा करूं तो टू रेस टू पावर थ्री इज एट माइनस थ्री माइनस वन हाँ ये जरूर फोर एंड फोर अ मैच यहां मैच हो रहा है है ना? तो इसका मतलब तीन बिट के खर्चे पे काम हो जाएगा फॉर्मुले से मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं बाकी यहाँ पे पहले से हमने लिखा है तो यहाँ देखिए छोटा सा एग्जाम्पल हमने बनाया टोटल कोडवर्ड का लेंथ कितना होने वाला है देखा था ऐसा होता था है. कैसे होती है? ये कह रहा है, है ना और ये मैंने उनका सिर्फ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखा है नथिंग एल्स कह रहा है टोटल नंबर ऑफ बिट्स में जो टू की पावर वाली पोजिशन होंगी टू की पावर वाली पोजिशन जो है वो हमेशा पैरिटी की हमेशा रिटेंडेंट बिट्स की होंगी ध्यान दीजिएगा टू की पावर वाली पोजीशन तो लुक एट दिस 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 तीन ही चाहिए था ना तीन ही चाहिए थे हां सर तीन ही चाहिए थे तीनों जो है मैंने पीस लिखा है ये पैरिटी बिट होंगी और बाकी जो 2 की पावर वाली नहीं है वो आपकी डेटा बिट्स होंगी है ना आप चाहे तो बिना फार्मूला कर ऐसे ही भर सकते हो लेकिन इमेजिन उसका अगर 8 होता अगर डेटा वर्ड की लेंथ और ज्यादा होती मान लीजिए ट्वेल्व बिट होता थर्टीन बिट होता तो फोर पे आया फिर अगली पैरिटी बिट एट पे आती फिर सिक्सटीन पे आती फिर थर्टी टू पे लाइक दिस अब कोई भी एक रैंडम डेटा बिट उठा लेते हैं फॉर एग्जाम्पल क्या बिट उठाऊंगी लेट मी टेक वन वन जीरो हमारा डेटा है डेटा वर्ड है अब इसमें हमें पैरिटी कैलकुलेशन करनी है गेम ऑड ऑडिबिन वाले बट पैरिटी कैलकुलेशन करते कैसे वो देखना है जो पहली बिट है यहां देखिए मैंने रूल लिखा है वो क्या कहता है वो सारी पोजिशन नहीं चेक करता तो कहता है मैं वन थ्री फाइव और सेवन यानी कि ऑड नंबर ऑफ पोजिशन में चेक करूंगा और उसके हिसाब से पैरिटी लिखूंगा तो अगर ऑड नंबर देखें तो वन के बाद थ्री एंड फाइव एंड सेवन तो वन एक यहां पे मिला यहां नहीं है टोटल दो वन मेरे पास हो गए इवन पैरिटी के हिसाब से दैट शुड बी जीरो इसका एक शॉर्टकट भी मैंने लिखा है यू कैन ऑल्सो रिमेंबर लाइक दिस टेक वन लीव वन एक लेना है छोड़ना है लेना है छोड़ना है लेना है, लेना है छोड़ना है लेना है लाइक दिस like अब जो सेकंड पैरिटी होगी वो क्या करता है वो कहता है टेक टू लीव टू तो ये टू थ्री लेगा सिक्स सेवन छोड़ेगा फाइव uh, फोर छोड़ेगा फिर सिक्स सेवन लेगा तो ट्राई करता है टू और थ्री लेगा तो यहां पर एक वन मिला फाइव फोर छोड़ देगा सिक्स सेवन पे दो वन मिले तो मेरे ख्याल से तीन वन हो गए एक दो तीन तो उसका मतलब इसकी पैरिटी अगर इवन करनी है तो मुझे वन रखना पड़ेगा और फाइनली जो फोर्थ पैरिटी होगा वो क्या कहेगा टेक फोर लीव फोर तो वो फोर के बाद फाइव सिक्स सेवन लेने वाला है उसके आगे बचा नहीं वरना उनको छोड़ देता यानी कि सेवन गट नाइन इलेवन ट्वेल्व को छोड़ता फिर थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन लेता बट फिलहाल बात कर लेता हूं तो बताओ यहां पर भी दो है तो ये भी हो जाएगा जीरो है ना तो मैंने दोनों बातें लिख दी हैं कि कौन कौन सी पैर कौन कौन सी पोजीशन चेक करी करिए उसमें गड़बड़ मत करना अब ये हो गया हमारा डेटा वर्ड जो जाएगा अभी मैकेनिज्म सर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है कैसे चेक करें कुछ एरर करके देख लेते हैं इमेजिन करते हैं कि जब डेस्टिनेशन पे पहुंचा तो लठमी से लठमी से कोई भी एक बिट ले लेता हूं छह नंबर का जो बिट है सिक्स नंबर का जो बिट है वो बाई चांस गलती से जीरो हो गया हो गया रास्ते में हो सकता है अब रिसीवर चेक करेगा देखते रिसीवर पकड़ पाता है कि नहीं क्या मैं लेट मी चेंज द कलर क्या रिसीवर भी अपनी पैरिटी कैलकुलेट करेगा हाँ जी सर बिल्कुल करेगा तो अब जरा दोबारा बताना वन पैरिटी चेक करते हैं। वन पैरिटी सही चेक होगी कि नहीं टेक वन लीव वन सो वन एंड टू कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये पैरिटी सही, सही, तो सही है तो हम जीरो को छोड़ दिया और यहां पे यहां पे जीरो तीन वन होगा ये प्रॉब्लम है तीन वन है प्रॉब्लम है एरर है इसका मतलब वन लिखेंगे अगर वैलिड है तो जीरो लिखेंगे एरर है तो वन लिखेंगे आखिरी केस चेक करते हैं फोर वाला है तो आखिरी के तीन लेता है जीरो 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 वन सिंगल वन है नहीं हो सकता ऑड होना चाहिए था इवन होना चाहिए था एरर है सो डू राइट दिस अब बोलो ये क्या है सर ये वन वन जीरो नहीं है सिक्स है. है मतलब पोजीशन पे एरर है उसको करेक्ट कर लो उसको वन कर लो गेम समझ आया क्या इस तरह से जब मैं चेक करता हूं तो जो नंबर में लिखता हूं फ्रॉम यू नो राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम एल एस बी टू एम एस बी फाइनली वो नंबर ही मुझे बता देता है कि क्या पोजिशन है जहां पे एरर है

कि कोई भी पॉलिसी जो इस तरह के मैकेनिज्म पे काम कर रही है वो कैसे काम कर रही है कि कुछ इंफॉर्मेशन कुछ इंफॉर्मेशन जा रहा है साथ में कुछ रिडेंडेंसी जा रही है जो बाद में पता लगाने में हमारी हेल्प करती है कि यदि इंफॉर्मेशन में कुछ रास्ते में गड़बड़ते नहीं हुआ तो पूरा टेक्स लिखा हुआ है आई विल बी वेरी सिंपल विद यू जल्दी से कंसेप्ट समझाता हूं एवरी डेटा इज ए नंबर ये तो मानते हैं है ना वो ऑडियो है इमेज है वट इट इज फाइनली वो नंबर टेक्स्ट है फाइनली वो नंबर ही बनता है तो क्यों ना मैं काम करें हम डेटा डेटा सोचते नहीं हम नंबर ही सोचते हैं कि हम कुछ है, हमें कुछ नंबर भेजने हैं फॉर एग्जांपल हमें सेवन इलेवन ट्वेल्व जीरो सिक्स ये कुछ नंबर हमें भेजने बट हमें डर है रास्ते में करप्ट ना हो जाए तो आइडिया क्या है चेकसम का इसका संधि विच्छेद कर दो चेक सम सम को चेक करो तो हम क्या करते हैं हम इस नंबर के साथ इनका समेशन भी भेज देते हैं जब आप सेवन प्लस इलेवन प्लस ट्वेल्व प्लस जीरो प्लस सिक्स करेंगे तो टोटल सम आएगा थर्टी सिक्स और अब आपको मुझे समझदार को ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं रिसीवर क्या करेगा सर रिसीवर भी इन नंबर को सम करके देख लेगा अगर पहले नंबर पहले सारे नंबर का सम आखिरी नंबर के इक्वल आता है इसका मतलब रास्ते में कोई एरर है वरना नहीं है ये बेसिक फिलोसफी है दैट इज इट्रेशन नंबर वन अब फिर चार लोग बैठे थोड़ा दिमाग लगाया कह रहे भाई साहब बहुत मेहनत करनी पड़ रही कह रहे क्यों रिसीविंग एंड पे पहले सारे नंबर का हम सम करते हैं हाजी करते हैं उसके बाद कंपैरिजन करना पड़ता है डबल काम करना पड़ रहा है थोड़ा आसान आसान बना दो। आसान बना दो देते हैं तो फिर चेकसम में हमने हमने क्या किया बजाय उन नंबर का सम भेजने के उसका नेगेटिव काउंटर पार्ट भेजा। तो बोलो थर्टी सिक्स भेजना की माइनस थर्टी सिक्स सर माइनस थर्टी सिक्स भेजिए अब बोलो क्या होगा जब वो सम करेगा तो फाइनल वैल्यू क्या आना चाहिए फाइनल वैल्यू जीरो आना चाहिए तो अब उसे एक ही काम करना है उसे बाद में जाकर दो 12 से वो यू नो मैच नहीं करना काम आसान हो गया अब इसकी इंप्लीमेंटेशन देखिए लुक एट दिस तो ये सेम बात है ये यह यहां पर सारे के सारे वैल्यूज आए और वैल्यूज का संख्या सम, सम हो गया 36 एक नई प्रॉब्लम आ गई नई प्रॉब्लम क्या है भाई नंबर तो जाएगा बाइनरी फॉर्मेट में जाएगा ना और बाइनरी फॉर्मेट में प्रॉब्लम क्या है बाइनरी फॉर्मेट में प्रॉब्लम ये कि उसको कुछ बिट्स चाहिए अब गौर करेंगे सेवन से लेके सिक्स तक ये जितने भी नंबर हैं ये सब चार चार बिट में रिप्रेजेंट हो सकते हैं पंद्रह तक कोई भी नंबर चार बिट में कर सकते हैं बट ये जो टोटल सम है ना थर्टी सिक्स ये टोटल बिट में जा रहा रहा है कह सर सिमेट्री मैच नहीं कर रही सारे वैल्यू छोटे छोटे सम बड़ा बड़ा तो क्या करते हैं रैपिंग करते हैं रैपिंग द चेकसम अब रैपिंग मतलब ये वो वो वाला रैपिंग नहीं है ये कंप्यूटर साइंस का ये मॉड्यूलर टू अर्थमेटिक का रैपिंग है तो जितनी भी एडिशनल बिट है उनको वहां से हटाओ सम कर दो अब लोग सर ये क्या मैथ है ये मैथ है ये काम करता है ना तो मैंने क्या किया मैंने चार बिट सेम रखे जो दो बिट एक्स्ट्रा थे, थे को नीचे ला और सम सम कर देखो करोगे तो क्या होगा थर्टी सिक्स तो का रिप्रेजेंटेशन मैंने कोई चेंज नहीं किया रैपिंग में एक छोटा नंबर एक बड़े नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो दैट इज द मोड्यूलैटिक में सिक्स इज द रिप्रेजेंटेटिव बट ये रिप्रेजेंटेटिव थर्टी सिक्स का है कौन से थर्टी सिक्स का प्लस का माइनस का ये तो सर प्लस 36 का रिप्रेजेंटेटिव है तो सिक्स नहीं, अच्छा, तो तो नहीं चाहिए सर सिक्स का नेगेटिव काउंटर पार्ट चाहिए उसके लिए कर देंगे वंस कॉम्प्लीमेंट वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता आप जानते हैं जीरो को वन वन को जीरो जीरो को वन वन को जीरो तो यहां पर सिक्स था जीरो को वन वन को जीरो जीरो को वन वन को जीरो तो फाइनली जो बना वो बना नाइन तो मैं दोबारा बता दू नाइन का जन्म कहां से हुआ नाइन का जन्म हुआ है सिक्स से सिक्स का जन्म हुआ है थर्टी सिक्स से ये इसका नंबर है और ये इसका नेगेटिव कंपोनेंट है तो दरअसल ये, ये, जो यहां पर आपको दिख रहा है इसकी रगो में माइनस थर्टी सिक्स का खून बहरा याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं अब रिसीवर के एंड पे क्या पहुंचा एक बार देखो तो पॉलिसी काम कर रही है कि नहीं कर रही सर रिसीविंग एंड पे पहुंचा होगा साथ में नाइन उसने सम किया समाया फोर्टी फाइव अब क्योंकि रैपिंग का मैकेनिज्म है वो भी यही करेगा उसने भी ये दो नंबर लिए और यहां पर रैप किए रैप करने के बाद जो नंबर बना वो बना फिफ्टीन लेकिन क्योंकि वंस कॉम्प्लीमेंट में चल रहा है गेम इसको भी सर काउंट नेगेटिव करना पड़ेगा जीरो को वन वन को जीरो जब जीरो को वन वन को जीरो किया फाइनल नंबर बना जीरो 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 एंड इट्स अ परफेक्ट मैच इसका मतलब ट्रांसमिशन में कोई गड़बड़ नहीं हुई है तो हालांकि यहां पे थोड़ा सा वंस कॉम्प्लीमेंट का मैथ यूज हुआ है बट आई थिंक बेसिक कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा कैसे काम करता है एक बार इस एग्जाम्पल को खुद से बना के देखिए चार पांच नंबर अपने से लीजिए ना चार पांच नंबर अपने से लिखिए वैल्यू रखिए सब मैच करके देखिए पॉलिसी काम करेगी आपको मजा आ जाएगा कहानी एकदम क्लियर हो जाएगी गोइंग फॉरवर्ड अगला नंबर है सीआरसी सीआरसी भी एक बहुत अच्छी पॉलिसी जो एरर डिटेक्शन में काम करती है बट सीआरसी इज साइक्लिक रिडेंडेंट चेक तो मुझे जरूरी है एक बार मैं जल्दी से बता दू साइक्लिक कोड्स क्या होते हैं क्योंकि वो उसी कंसेप्ट बेस्ड है हालांकि इसका कोई बहुत ज्यादा यूज केस नहीं होगा कोई भी कोडवर्ड हमारे पास है अगर हम उसे सर्कुलरली एक, एक बिट शिफ्ट करें और जो रिजल्ट हो वो भी अपने आप में एक नया कोड वर्ड हो उसको बोलते हैं साइक्लिक कोड्स उदाहरण के लिए जैसे आप देख रहे हैं थ्री टाइम जीरो ट्रिपल वन अभी मैं एक एक बिट शिफ्ट कर रहा हूं कैसे शिफ्ट कर रहा हूं लुक एट दिस लुक एट दिस एक एक बिट पीछे चला गया इसको बोलते हैं सर्कुलर राइट शिफ्ट में कर रहा हूं एक एक बिट पीछे कर जो लास्ट बिट था वो उठ के देखिए अच्छा मैंने ज्यादा उठा दिया वो आ गया सबसे आगे नोटिस कर पा रहे हैं तो ये जो नया नंबर है ये भी अपने आप में हम मान रहे हैं क्या है ये भी अपने आप में कोड है और इसको हम बोलते हैं साइक्लिक कोड्स नाउ लॉजिक समझा समझाता हूँ लॉजिक क्या है जैसे चेकसम है ना बिल्कुल सेम मैकेनिज्म पे सीआरसी सी है अब चेकसम का गेम सोचो क्या था सर चेकसम कहता था कि बहुत सारे नंबर हैं और साथ में उसका सम भेज देंगे अब यही मैथ आप डिवीजन पे नहीं लगा सकते भाई एक नंबर है मैं उसको एक्स है मान लीजिए मैं उसको वाइट से डिवाइड करता हूं मान लेते हैं पूरा गेम करते हैं रिमाइंडर का रिमाइंडर आया जेड फॉर एग्जाम्पल है ना तो रिसीविंग एंड पे अगर मैं एक्स को वाई से डिवाइड करूंगा तो फिर रिमाइंडर जेड आना चाहिए बात खत्म हो गई जैसे सम की पॉलिसी काम करती है ऐसे रिमाइंडर की पॉलिसी भी काम करेगी डिवीजन का यूज करके वही पूरा गेम यहां पर है कुछ चीजें पहले से, से सेट होंगी जैसे इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं डेटा वर्ड चार बिट का डेटा वर्ड चार बिट का साथ में जो रिमाइंडर है वो थ्री बिट का एड किया तो थ्री बिट का रिमाइंडर ये आगे चला गया वो भी ऐसे ही चेक करेगा कहानी होगी जो डिवीजर है Z डिवाइजर जिससे डिवाइड करना है ये दोनों पार्टी को पहले से पता होना चाहिए दोनों की अपनी, अपनी अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल एग्रीमेंट है कि भाई इसी से डिवाइड करके देखेंगे कि तभी पता लगेगा कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है यस आमतौर पर जो डिविजर है उससे एक कम लेंथ का हमारा रिमाइंडर होता है वो बेसिक पॉलिसी अब धीरे धीरे आप चलाओगे पता लगेगा बाकी मैंने एक एक स्पेसिफिक पॉइंट थ्रू आउट द वीडियो बोर्ड पे लिखा रखा है बोर्ड यहाँ पे हमेशा बोलते हुए लेकिन नोट्स काम आएंगे डाउनलोड भी कर सकते हैं एक बार मैं करके दिखाता हूँ तो से देखिएगा मेरे पास जो कोडवर्ड है वो है वन जीरो जीरो वन ये मेरा कोडवर्ड एम सॉरी ये मेरा डेटा वर्ड है और तीन बिट का मुझे रिमाइंडर अटैच करना है वो कैसे करना है देखेंगे तो फिलहाल मैंने वहां पे तीन जगह जीरो रख दिया एक कॉमन डिवीजन जो दोनों पार्टी में है ना रिसेंडर में और रिसीवर में जो पहले से शेयर है वो है वन जीरो बिट मैच करानी है यहां पर है वन है ना और मेरे डिविजन में भी है वन तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे यू यह नो फोर फाइव सिक्स टाइम तो चलता नहीं वन टाइम चलाऊंगा तो मैंने वन टाइम चलाया ये देखिए पूरा का पूरा सेम वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल गया अब अगेन यहां पे क्शन नहीं होता है यहाँ पे अगेन हम एक्सोर ऑपरेशन करते हैं एक्सोर ऑपरेशन अगेन सेम है तो जीरो डिफरेंट है है तो तो वन सेम है तो जीरो और ये तो हमने जानबूझ के सेम किया ये बिट तो हमारा कट हो गया अगला नंबर उतार लेंगे जैसे सिंपल डिवीजन में उतारते हैं तो जीरो यहां पर आ गया इस बार पहला बिट जीरो है तो वन तो नहीं चाहिए तो कैसे चलाएंगे जीरो से चलाया जीरो से चलाया चार जीरो मिल गया फिर देखिए सेम है तो जीरो सेम है तो जीरो डिफरेंट है तो वन और ये पहला बिट कट हो गया अगला बिट उतार लिया इस बार पहला बिट वन है तो वन से चला आया फिर ये नंबर मिला वन जीरो वन 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 जीरो वन वन डिफरेंट है तो वन डिफरेंट है तो वन सेम है तो जीरो पहला कट हो गया और जैसे नॉर्मल डिवीजन आप करते हो यार जैसे नॉर्मल डिवीजन करते हो ठीक वही डिवीजन हम यहां पर भी कर रहे हैं फिर देखो वही कहानी आगे बढ़ेगी सेम है डिफरेंट है तो वन डिफरेंट है तो वन एंड सेम है ये तो पहला बिट कैंसिल हो जाएगा और ये आखिरी नंबर था तो फाइनल जो हमें मिला वो क्या मिला सर और ये आखिरी बार आपने जीरो भी चलाया था ना हाँ तो जीरो यहां पर है फाइनल जो जो मिला 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 रिमाइंडर वो वो क्या मिला? वो मिला वन वन जीरो. इसका मतलब ये ये नंबर है परफेक्टली डिविजिबल नहीं था और ये रिमाइंडर आया अगर ये रिमाइंडर मैं यहां पर अटैच कर दू अब ये जो कोडवर्ड है ये इस कॉमन डिविजर से परफेक्टली डिविजिबल होना चाहिए ये मैथ है इसकी तो रिसीवर क्या करेगा सर नोटिस करिए रिसीवर भी सेम काम करेगा अब ये कोडवर्ड वहां पहुंचा उसने डिवाइड करना चालू किया पूरी प्रोसेस को चेक क्रॉस चेक कर सकते हैं और फाइनली सिंड्रोम बोल रहा है जो जो यू नो चेकर निकालता है आप देखेंगे देर विल बी जीरो 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 वी आर हंड्रेड एंड टेन परसेंट श्योर कि रास्ते में इसका मतलब कोई भी गड़बड़ घोटाला नहीं हुआ है एक और एग्जांपल यहां पर बना के दिखाया गया है जहां पर शायद कोई बिट करप्ट कर दी होगी दे यू सी अगर आप एक भी बिट करअप करेंगे दोबारा से चेक करेंगे तो आपको सिंड्रोम जो फाइनल डिसीजन है वो जीरो 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 नहीं मिलेगा हम समझ जाएंगे कुछ गड़बड़ है और हम उसको रिजेक्ट कर देंगे है ना तो बहुत सिंपल सी मैथ्स है जिस पूरी मैथ में ये पूरा काम कर रहा होता है इसमें एक छोटा सा डिशन ऑल कर देता हूँ पोलिनोम पोलिनोमियल बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये जो डिवीजन है ना थोड़ा सा ट्रबल सम है लंबे लंबे इक्वेशन चलते हैं कभी कभी परेशान कर देते हैं तो गेम क्या है कि किसी भी

क्या बचेगा x का पावर सिक्स शॉर्ट फॉर्म तो एक जो बड़ा सा नंबर था वो एक बहुत छोटे से नंबर में कन्वर्ट हो गया और अब गेम क्या है ये वही अभी डेटा वर्ड है जो अभी हमने काम किया था ना सेम डेटा वर्ड को यहां पे चेक करके दिखा रहा हूं मैं दोबारा आपको नोटिस कराता हूँ क्या था सर वर्ड हमारा ये डेटा वर्ड था वन जीरो जीरो वन है ना तो मैं एक बार आपको करके दिखाऊं वन जीरो जीरो अटैच किए थे ताकि तीन बिट का रिमाइंडर मिले तो ये क्या बन जाएगा बताइए सर ये बन जाएगा एक्स की पावर जीरो वन टू थ्री दिस इज एक्स की पावर थ्री फोर फाइव दिस इज एक्स की पावर सिक्स बोलो सेम है क्या हाँ सर सेम है अगेन जो डिविजर था वो भी इसी फॉर्म में आ गया होगा डिवीजर क्या था वन जीरो वन uh, वन है ना तो दे वन वन एक्स का पावर जीरो वन एक्स का पावर वन एक्स का पावर टू चला गया एक्स का पावर थ्री बस कन्वर्ट कर लिया और अब क्या करना है बस सबसे बड़े नंबर को सबसे बड़े नंबर से मैच करना है मेरे को क्या चाहिए एक्स चाहिए मेरे पास क्या है थ्री किससे मल्टीप्लाई करूंगा क्यूब से मल्टीप्लाई करो ना तो क्यूब क्यूब से मल्टीप्लाई होगा नोटिस करिए सिंपल डिवीजन की तरह काम कर रहा है क्यूब क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा एक्स का पावर सिक्स एक्स का पावर फोर एक्स का पावर क्यूब अगेन

कर सकते हैं जो सीआरसी का एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो कुछ लोग को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है बट आई थिंक अगर आपने पूरी बात समझी होगी तो ये पूरा का पूरा जो एरर हैंडलिंग मेथड वो आपको समझाया होगा अभी बात करते हैं इथरनेट की वेरी इंपॉर्टेंट ये सब क्या छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बट इन सब पे शॉर्ट नोट और ये लिखने के लिए कभी भी आएगा ये सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी में तो ध्यान रखिएगा मैं एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करके चलूंगा है ना वो भी बड़ी स्पीड के साथ तो ये जो कहानी इथरनेट की ये इथरनेट माने अभी तो डेटा लिंक लिंगलेयर में लैंड टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं इंट्रोड्यूस किया था नाइनटीन में है ना IEEE ने बाद में इसको किया IEEE अपना पॉपुलर so टेक्नोलॉजी लगा. लगा है, है और समय के साथ सबको खा गया ये एफ डी डी आई आर कारनेट और यू नो टोकन रिंग टोकन बस सबको खा गया क्यों समय के साथ इसने अपने को चेंज किया इंप्रूव किया मॉडिफाई किया मान लो नेटवर्क का एसक्यूएल है प्रोग्रामिंग का सी है ये इथरनेट ये मैं बोल रहा था सब को इसने खत्म कर दिया गेम इसका स्टार्ट हुआ था coaxial केबल से याद है हमने बात की थी पहले स्टार्टिंग में लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसने अपने आप को स्विच किया ट्विस्टेड पेयर केबल जैसे हम कैट केबल बोलते हैं आज आमतौर पर आप देखते हैं और इसके कुछ वेरियंट जो है वो अभी तो यू नो ऑप्टिकल फाइबर भी यूज करते हैं सोचिए जब इनिशिएट हुआ था तो इसका स्पीड था टू पॉइंट नाइन फोर एमबीपीएस बट आज ये हंड्रेड गीगा बाइट्स तक लैंड में सपोर्ट करता है इवन थाउजेंड गीगाइट भी कुछ वेरियंट्स अभी आ गए हैं जो इथरनेट के सपोर्ट करते हैं अगर मैं रेंज की बात करूं देर आर डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स आपको लगेगा कि ये बड़े एडवांस है बट इथरनेट का जो पैकेट

डेटा को पैकेट में तोड़ते तो उसको फ्रेम बोलते हैं वो बात हम कर चुके हैं लोकल लेवल पे मैक एड्रेसिंग लैंड एड्रेसिंग तो डेस्टिनेशन सोर्स का एड्रेस होता है एरर चेकिंग की फैसिलिटी है चेकसम हमने पढ़ा था वो ए सीआरसी हमने पढ़ा था वही यहां पर होता है है ना और अगर यू नो रिसीविंग एंड पर प्रॉब्लम होगा वो इस स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल वाली बात है उठा के उसको डिस्कार्ड कर देंगे आजकल रिसेंटली वाईफाई भी आ गया है जो कि 802.11 जो लोकल लेवल पे है वहां भी बेसिकली इथरनेट का वायरलेस uh, वर्जन है नॉर्मली uh, जब हम कनेक्शन की बात करते हैं तो बस टॉपोलॉजी में काम करता है लैंड के अंदर और इसकी भी आगे बात करूंगा मैनचेस्टर कोडिंग यूज करता है जब कॉपर फाइबर में डेटा जाता है तो डेटा रिप्रेजेंट कैसे होता है कंप्यूटर में तो जीरो वन जीरो वन है कॉपर वायर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि किस तरह से काम करता है एक और बात एक्नोलेजमेंट का यहां कोई मैकेनिज्म है नहीं इन जनरल तो हम ये मानते हैं पैकेट गया तो मानो पहुंच गया होगा पहुंचा नहीं पहुंचा हमारी कोई गारंटी नहीं है एडिशनली आप चाहो तो खुद से बना के भेज सकते हो बट इथरनेट में बाय डिफॉल्ट बाई का कोई मैकेनिज्म नहीं होता अगेन वही कनेक्शन लेस है अनरिलायबल है सो सर दिस इज अ कनेक्शन लेस एंड अनरिलायबल एक फ्रेम भेजूंगा दूसरा भेजूंगा सारे फ्रेम एक दूसरे से अलग अलग है होस्ट और डेस्टिनेशन जो है वो कभी पहले कोई कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं करेगा और जैसे मैं आपसे बोल रहा का कोई concept नहीं है, आप चाहें, तो acknowledgement को ऐसे डेटा तो पास कर रहे हैं उसके अंदर एक्नोलेजमेंट लिख दीजिए बट बाईल नहीं है ये पहली बार दर्शन करिए इथरनेट का फ्रेम कैसा दिखता है तो यहां पर सबसे पहले आपको मिलता है प्रेमबल प्रेमबल माने प्रस्तावना शुरुआत तो होता क्या है क्योंकि डेटा बहुत स्पीड से आ रहा होता हो सकता है रिसीवर किसी और काम में लगा हो उसको पता ना लगा हो तो यहां पर क्या होगा यहां पर सेवन बाइट माई गॉड तो काफी लंबा डेटा सेट है अल्टरनेटिंग जीरो वन जीरो, वन, जीरो वन ऐसे आता जाएगा जैसे जीरो, जीरो वन आना शुरू होगा रिसोर को पता लगेगा यार कुछ हो रहा है इसका मतलब शायद इथरनेट का फ्रेम आने वाला है प्रधानमंत्री गाड़ी चलती है पहले बीस पच्चीस गाड़ियां निकलती है उसके बाद मेन व्हीकल आता है

है ना जैसे ही कंटिन्यूस दो वन आया समझ लेना कि इसका जो अगला बाइट है वो मेरा इंफॉर्मेशन है तो प्रियम्बल पहले होगा एंड देन होगा SFD. ये जो इंफॉर्मेशन है ना एडिशनल ये हम कि फिजिकल लेयर एड करता है डेटा लिंक तो अपने जो मेन डेटा सेट है उसी पे काम करता है और इसी को हम टोटल फ्रेम भी मानते हैं इन जनरल अब आ, यहां पर आप देख रहे हैं डेस्टिनेशन सोर्स तो 48 बिट या 6 बाइट का एड्रेस होगा तो वो इथरनेट के अंदर होता ही उसके और मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है और यही एड्रेस हमें लोकल लैंड पे पहचान कर आता है तो ये सिक्स सिक्स बाइट्स का ये हो गया आगे आप बढ़ेंगे तो देर सी यहां पर है लेंथ दो बाइट का तो इथरनेट के फ्रेम की लेंथ बताना क्यों जरूरी है क्योंकि इथरनेट का जो टोटल लेंथ है फ्रेम का वो पहले से सेट से नहीं आप देख सकते हैं मिनिमम डेटा 46 बाइट कैरी करना ही पड़ेगा अगर कम भी है तो चाहे जीरो भर के लेके जाना पड़े पैडिंग करना पड़े क्यों अभी समझाता हूं और 1500 से ज्यादा मैं पहले बोल चुका हूं वो भी अलाउ नहीं करते तो इस वजह से टोटल पैकेट का लेंथ कितना है वो हम अलग से ये 16 बिट का फील्ड है हालांकि इतने जरूरत नहीं थी बट स्टिल पुराने लोग थे खर्च ज्यादा कर दिया कर दिया तो भी उसी को मान के चलते टू बाइट आपको बताएगा कि टोटल लेंथ कितना है यस इसमें इंफॉर्मेशन हम लिख देंगे आगे देखिए डेटा की रेंज आपको बताता हूं ये जो है इथरनेट जो है ये यूज करता है सी में सी डी कॉलिजन डिटेक्शन जहां पर एक फॉर्मूला याद है आपको कि ट्रांसमिशन टाइम जो है वो कम से कम टू इंटू प्रोपेशन टाइम होना चाहिए अगर फ्रेम उससे छोटा होगा तो मैं कॉलिजन डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगा तो वो सारी कैलकुलेशन करके हमें एक्चुअली समझ आता है मैं अगले में बता देता हूँ यस वो सारी बात समझ के या मैक्सिमम बता रहा हूँ हाँ हमें एक्चुअली समझ आता है कि मिनिमम जो लेंथ है वो सिक्सटी बिट होना चाहिए मिनिमम उससे कम में डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है अब 64 से जब माइनस करना शुरू करूंगा तो ये ये गया, करने के बाद आती, वो आती है रीजन हाउ वी अराइव ऑन दिस इसलिए कम से कम फोर्टी सिक्स भी डेटा भेजना पड़ेगा फिफ्टीन हंड्रेड से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता तो टेक्निकली तो हो सकता है लेकिन अगेन स्टैंडर्ड जो चलता आ रहा अभी भी वही है लोगों को ऐसा लगता है दो कारण है पहली बात तो अगर 1500 से ज्यादा बड़ा डेटा लाव करेंगे तो जो रिसीवर के बफर्स हैं वो ओवरवेल्ड हो जाएंगे डेटा बहुत स्पीड से आ रहा होगा और रिसीवर जरूरी तो है नहीं तुरंत प्रोसेस करेगा कुछ क्यूइंग डिले कुछ प्रोसेसिंग डिले लगता है

देंगे तो ये दो बेसिक कारण है मैंने आपको बता दिया जो हम करते हैं सबसे लास्ट में डेटा लिंक ले अकेले ऐसा ले रहा है आपको याद है ना स्टार्टिंग बताया था जहां हेडर के साथ साथ ट्रेलर भी लगाया जाता है ये ट्रेलर है सीआरसी और अब आप समझ गए सीआरसी क्या साइक्लिक की चेक है जहां पे बाद में हम डिवीजर लगाते हैं तो जब पूरा डेटा प्रोसेस कर लेते हैं तो डिवीजर कैलकुलेट होता है इसीलिए उसको बाद में रखा जाता है तो चार बिट का डिवीजर इसका वर्किंग मैकेनिज्म ऑलरेडी देख चुके हैं जो अगेन डिटेक्शन करेगा गड़बड़ होगी उठा के उसको डिस्कार्ड कर देंगे कुछ पॉइंट सिंपल है इजी टू कॉन्फ़िगर है ये है कॉलिजन की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है हम बिल्कुल ही बात मान रहे हैं तो रियल टाइम वगैरह में यूज मत करो आ, अगर डेटा बहुत कम है तो मत इस्तेमाल करो क्योंकि अगर दो तीन चार बाइट भी भेजा है मेरे को छियालीस बिट मिनिमम फोर्टी सिक्स बिट भेजना पड़ता है तो मेरे को जीरो वन जीरोड करना पड़ेगा प्रायोरिटी का कोई कंसेप्ट नहीं है ना तो अगर आप बोलना चाह रहे कि लैन के अंदर ये स्टेशन है सर इसको प्रायोरिटी दो तो हमारे पास उसका कोई इन जनरल मैकेनिज्म नहीं है अब ये दो छोटे छोटे टेक्नोलॉजीज और हैं आजकल काइंड ऑफ आउटडेटेड है मुझे पता नहीं सिलेबस से कब बाहर होंगे बट अगर पूछता है तो दो नंबर में चार नंबर में नोट लिखने के लिए आता है एट जीरो फोर 802.4 टोकन बस 802.5 इज टोकन रिंग तो दो मिनट बात कर लेते हैं कोई दिक्कत है नहीं चलिए तो so, पहले बात कर लेता हूं टोकन बस की तो टोकन बस अगेन नेटवर्क है सीरीज ऑफ नेटवर्किंग के अंदर ये भी आता है नाम ही टोकन बस है तो ऑब्वियसली बस टोपोलॉजी पे काम करने के लिए से बनाया गया था और ये भी टोकन पासिंग मैकेनिज्म पे ही काम करता है यानी कि एक वर्चुअल टोकन है जिसके पास टोकन होगा वो यहाँ पे मतलब सीएसएफ में सिटी वगैरह कंसेप्ट नहीं है जिसके पास टोकन होगा वो बस का एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो उस समय ट्रांसमिट कर सकता है फिर टोकन किसी और के पास जाएगा फिर किसी और के पास लाइक दिस आ, जितने भी होंगे सेंट्रल बैकबोन से कनेक्टेड होंगे टोकन यूज करेंगे पास करने के लिए डेटा रेट ये ऑपरेट करता क्या करता था आप तो पास में बोल लेता हूँ टेन एमबीपीएस की स्पीड से और अगर इंडस्ट्री की बात करें तो ऑटोमेशन मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग जगह हम इसे इस्तेमाल किया करते थे प्रोवाइड मोर प्रिडिक्टेबल टाइम नेटवर्क टू इथरनेट क्योंकि यहां पर हम टोकन मैकेनिज्म यूज कर रहे तो के चांस जीरो होंगे तो जहां पर रियल टाइम है जहां पर पक्का है कि इतनी परफॉर्मेंस तो चाहिए ही चाहिए वहां पर आप इसे यूज कर सकते हैं मतलब इथरनेट बोल रहा है हंड्रेड कभी कभी हंड्रेड से एकदम सडनली ड्रॉप हो सकता है बिकॉज ऑफ कॉलिजन इधर दस बोल रहा तो दस मिलेगा ये वो वाली कहानी है यस yes? लाइक टोकन रिंग टोकन बस भी समय के साथ बर्बाद कर दिया गया रिलायबिलिटी आपको नेक्स्ट लेवल चाहिए डेटा स्पीड बहुत ज्यादा न हो बट एक्टली exactly मिले कॉल्यूजन ना हो वहां आज भी आप चाहे तो टोकन बस का इस्तेमाल कर सकते हैं अगला नंबर आ जाता है सर टोकन रिंग का एट जीरो टू पॉइंट फाइव तो टोकन रिंग अगेन स्टैंडर्ड है रिंग है तो रिंग टोलॉजी पे काम करने के लिए बनाया गया था आईबीएम ने इसे डेवलप किया था बाद में अगेन आई ट्रीपल ने इसे किया रिंग टॉपोलॉजी पे काम करेगा स्टार पे भी कर सकता है अगेन पर भी गेम क्या होगा एक डायरेक्शन में रिंग घूमता रहेगा टोकन घूमता है जिसके पास टोकन होगा वो फिलहाल टॉपोलॉजी का मास्टर होगा और वो उस पूरे मीडियम को यूज कर सकता है धीरे धीरे अगेन टोकन पास होता जाएगा फ्रॉम वन टू अन रेंजिंग जो था डेटा रेट का फोर टू सिक्सटीन एमबीपीएस बट बाद में डेवलपमेंट के साथ इसका भी स्पीड

फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस ये एक तरह का डबल टोकन रिंग था कुछ समय मार्केट में चला अगेन दिस इज आल्सो काइंड ऑफ बाहर जा चुकी है फिलहाल दुनिया से तो ये इसकी कहानी है लोकल लैन अप टू हंड्रेड किलोमीटर्स तक ये काम किया करता था कॉपर फाइबर हम यूज करते थे इसके अंदर डुअल रिंग आर्किटेक्चर था तो दो रिंग होते थे अगर एक रिंग फेलियर होता है तो ऑटोमेटिकली जो कहानी है वो दूसरे रिंग पे चली जाती थी तो फॉल्ट टॉलरेंस रोबस रिलायबिलिटी ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हो डेटा स्पीड वन हंड्रेड बीपीएस लास्टली इंट्रोड्यूस होता है एट्टीज में उस समय का यह हीरो था लेकिन धीरे धीरे समय के साथ खत्म हो गया ये भी टोकन पासिंग वाला मैकेनिज्म बेसिकली दिस टोकन रिंग ओनली विद अ डबल रिंग यू कैन से है ना डिटमिनिस्टिक uh, था जहां टाइम सेंसिटिव है क्योंकि कॉलिजन के चांस नहीं होंगे टोकन मैकेनिज्म यूज होगा तो अगेन रियल टाइम एप्लीकेशन में आप यूज कर सकते हैं डिस्टेंस uh, इम बहुत लंबे डिस्टेंस में कॉपर वायर यूज करेंगे तो इम्प्रैक्टिकल होगा क्रिटिकल मिशन बैंकिंग टेलीकॉम उधर उधर यूज करते थे इथरनेट ने जब गीगाबाइट और टेन गीगाबाइट इथरनेट यूज किया तब धीरे धीरे समय के साथ ये मार्केट से बाहर हो गया तो दिस इज ऑल्सो अभी मार्केट में काइंड ऑफ यूज नहीं हो रहा ये एक मुझे डायग्राम भी मिला इसका फ्रेम फॉर्मेट नो भी कोई पूछेगा तो एक एक नजर आप मार सकते हो बट आई डोंट रिकमेंड इसको याद करके जाना है अब जल्दी से एक बार बात कर लेते तो मैनचेस्टर कोडिंग की ये क्या कहानी है देखिए कंप्यूटर में जब डेटा स्टोर है सर जीरो तो लिए, लिए, सबके लिए काम करना आसान है बट जब मीडिया में ट्रांसमिशन मीडिया में कॉपर फाइबर में डेटा जा रहा है तो सिग्नल टर्म्स में जा रहा है तो वैसे ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला आइडिया कोई पूछे तो बस जल्दी समझिए कि रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अब यहाँ कंफ्यूजन है मैनचेस्टर एनकोडिंग के दो वर्जन है एक वो वर्जन है जो जीई थॉमस e. ने दिया जो कि स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसके बाद आई ट्रिपली ने इसको स्टैंडर्डाइज किया जैसा आई ट्रिपल करता है बट जब स्टैंडर्डाइज किया उन्होंने इसका कोडिंग उल्टा कर दिया है ना तो अब दो तरह के मैनचेस्टर है जीई थॉमस एंड एंडली कोई आपसे पूछे मैनचेस्टर में सिग्नल बना के बताओ तो पूछ लेना भैया किसकी बात कर रहे हो जीई थॉमस की बात कर रहे हो या आई ट्रिपल एट की बात कर रहे हो काम कैसे होता है आपको समझाता हूं आ, पहले ये वाला देख लेते हैं जी थॉमस वाला वैसे उल्टा काम करता है फिर भी मैकेनिज्म देखिए गेम किया है गेम ये है सर कि आप ये तो क्लॉक चल रहा है सर भूल जाइए डेटा देखिए ये है वन ये है जीरो ये हमारी समझ में आता है जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं यहां पर हम क्या करते हैं मैनचेस्टर जो जी थॉमस वाला उसमें कहते हैं कि वन जब आएगा आपको ऊपर से नीचे आना है बस इतनी बात हालांकि अजीब बात है वन पे आपको लगना चाहिए भाई नीचे से ऊपर जा तो इसीलिए शायद आई ट्रिपल इन बाद में उल्टा गया था पहले जी थॉमस से देखिए वन आएगा तो ऊपर से नीचे आना है और जीरो आएगा तो नीचे से ऊपर जाना है बस उल्टा है है ना और सिग्नल जो है या यानी कि जो तो चेंज होगा बिल्कुल बीच में होगा चेंज फेप जो होगा बीच में होगा और बाकी आप जैसे अरेंज करते जाओ जैसे कि यहां देखो वन है अब ये मैनचेस्टर जो है ये जीई थॉमस वाला नहीं हम इसे जीई थॉमस में कन्वर्ट करते हैं जीरो है तो क्या करना है देखो जीरो है तो उल्टा बोला ना अः जीरो पे नीचे से ऊपर जाएंगे तो चलो पहले बनाते जाओ नीचे से ऊपर वन है तो ऊपर से नीचे जीरो है तो नीचे से नीचे नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर वन है तो ऊपर से नीचे वन है तो ऊपर से नीचे अब जहां जहां कनेक्ट नहीं उठा के कनेक्ट कर दो कनेक्ट कर दो कनेक्ट कर दो कनेक्ट कर दो ये आपका इनकोडिंग बन गया किसका बेसिकली uh, जीई e. थॉमस वाला मैनचेस्टर ने इस प्रॉब्लम को सुधारा जो स्टैंडर्डाइज किया आई ट्रिपल ने उन्होंने यही बोला वन आएगा तो नीचे से ऊपर जाओ विच इज काइंड ऑफ मोर कॉमन सेंस और जीरो आए तो ऊपर से नीचे आओ ये डायग्राम वही दिखा रहा है जीरो आया ऊपर से नीचे गए जीरो आया ऊपर से नीचे गए जीरो आया ऊपर से नीचे गए वन आया नीचे से ऊपर गए वन आया नीचे से ऊपर गए वन आया नीचे से ऊपर गए जहां कनेक्टेड नहीं कनेक्ट कर दो कनेक्ट कनेक्ट ऐसे वहां कनेक्ट करना है ऐसे यहां कनेक्ट करना मुझे लगता है इसके आगे इसमें बात करने की जरूरत है है ना तो पहले सिग्नल बनाते जाओ कनेक्शन बाद में खुद में खुद हो जाएंगे ऐसे इसमें सिग्नल बनाते उल्टे हो जाएंगे और बस एक ही चीज ध्यान रखना है कि दोनों एक दूसरे का एकदम रिवर्स है थैंक यू सो मच फॉर द डिटेल लिंक क्लियर अभी गेम चालू करते हैं नेटवर्क क्लियर का नेटवर्क लेयर का जो पहला और सबसे बड़ा प्रॉमिस है वो है सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी डेटा लिंक लेयर का जो होराइजन था वो था सिर्फ एक लोकल नेटवर्क एक लैंड में वो काम करता था बट नेटवर्क लेयर काम करता पूरे इंटरनेट पे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क सोर्स टू डेस्टिनेशन सोर्स चाहे दुनिया में कहीं भी हो डेस्टिनेशन चाहे दुनिया में कहीं भी हो सोर्स से डेस्टिनेशन को ढूंढ निकालना वहां तक डेटा पहुंचाना रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेटवर्क लेयर की ये काम होगा कैसे सर दो चीजें हैं पहला चीज है लॉजिकल एड्रेसिंग दूसरा चीज है राउटिंग जिससे ये गोल होगा मान सकते सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी इज द गोल ऑफ द नेटवर्क लेयर हाउ वी आर गोइंग टू अकम्पलिश इट फर्स्ट थिंग इज लॉजिकल एड्रेसिंग एक ऐसा जैसे हमारे पास लैंड एड्रेस है ना मैक एड्रेस जो हमने सिक्स बाइट का मैक एड्रेस पढ़ा इथरनेट के अंदर वो सिर्फ लोकल लैंड के लेवल तक आइडेंटिफाई कर सकता है हमें एक ऐसा एड्रेस चाहिए जो अक्रॉस द इंटरनेट किसी भी सिस्टम को आइडेंटिफाई कर सके और उसके लिए एक नई एड्रेसिंग स्कीम हम डेवलप करते हैं जिसका नाम है लॉजिकल एड्रेसिंग या जिसे प्यार से कभी कभी आईपी एड्रेस इन जनरल बोल दिया जाता है इट विल बी थर्टी टू बिट एड्रेस अगर आईपी वर्जन फोर की बात करें आगे बात करूंगा एक और वर्जन भी आईपीवी सिक्स जिसमें वन ट्वेंटी एट बिट का एड्रेस भी हो सकता है एक लॉजिकल एड्रेस है जो यूनिवर्सल है और यूनिक है यानी कि इंटरनेट पे जो भी है क्या हर किसी के पास आईपी एड्रेस है जी हां यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है बिना आईपी एड्रेस के इंटरनेट पे एंट्री नहीं है एंड द यूनिकनेस किसी भी दो सिस्टम का एड्रेस सेम नहीं हो सकता तो अगर सबको ढूंढ निकालना और सोश डेस्टिनेशन तक जाना है तो सबसे पहले तो एक एड्रेसिंग होना चाहिए जो ये करेगा देन राउटिंग सिर्फ एड्रेस से काम हो जाएगा

एरर कंट्रोल फ्लो कंट्रोल कंजेशन कंट्रोल ये सब बेसिक बेसिक बातें हैं अगेन जितना मुझे पेलोड मिलेगा मैं अपने हिसाब से पैकेट्स में डिवाइड करूंगा जरूरत पड़ेगी फर्दर फ्रैगमेंट करूंगा बेसिक बात है एरर कंट्रोल फ्लो कंट्रोल हालांकि आईपी इन जनरल थोड़े अल्लड़ आवारा किस्म का है बेस्ट एफर्ट डिलीवरी की बात करता है यहां पे कोई खास एरर कंट्रोल फ्लो कंट्रोल होता नहीं है बट कुछ बेसिक लेवल का मैनेजमेंट करना पड़ता है वो आगे जाके हम देखेंगे कैसे हम करते हैं जैसे अपने हेडर को कंट्रोल करना या आईसीएम एक प्रोटोकॉल है जो कि बेसिकली एरर रिपोर्टिंग करता है मीडिया की तरह है है ना हम एरर सॉल्व नहीं करेंगे बट अगर एरर होगा तो उसके बारे में बता देंगे ताकि जो कंसर्न पार्टी वो उसे सॉल्व करे इतना कर सकते हैं ये कहीं मर्डर हुआ तो जो यू you नो know, जो मर्टर उसको पकड़ेगा नहीं आके बता देगा साहब उसने मर्डर किया तो वो भी हेल्पफुल होता है जब डायग्नोस करते हैं नेटवर्क को प्रॉब्लम सॉल्व करने में एंड द लास्ट कंजेशन कंट्रोल एक दो आइडिया देखेंगे यहाँ भी आईसीएम ही काम आएगा कि कैसे नेटवर्क में कंजेशन अगर है तो उसे लिमिटेड तौर पर रोका जा सके सबसे पहले अब पूरा जो आईपी वर्जन फोर है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस पूरे लेयर का हीरो कौन है इंटरनेट प्रोटोकॉल उसका जो सबसे पॉपुलर वेरिएंट है वो है आईपी वर्जन फोर हर सेमेस्टर हर यूनिवर्सिटी में इस पर और इसके पूरे हेड स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पूछा जाता है इसको डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है तो पहले इसको नजर ना लगे भगवान कितना सुंदर लग रहा है तो नाउ दिस इज अ पैकेट वैसे नेटवर्क लेयर में हो तो जरूरी है कि मैं डेटाग्राम क्या क्या बोला अच्छा लगता है इसको नेटवर्क लेयर में पैकेट को क्या बोलते हैं लेटाग्राम हमेशा की तरह दो पार्ट में डिवाइड है हेडर हेडर एंड पेलोड जिसमें जितना भी मेटा डेटा हमें जो चाहिए पूरा ये मैकेनिज्म मैनेज करने के लिए वो होगा एंड पेलोड जो जिसमें जितना भी पेलोड हमने रखा हुआ है जो डेटा जो हम एप्लीकेशन लेयर से या ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर से लेके आए उसको कैसे हम लेके जाएंगे रेंज आप देख रहे हैं तो हेडर का रेंज चल रहा है ट्वेंटी टू सिक्सटी बाइट और टोटल डेटा का रेंज चल रहा है जीरो टू फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टी फाइव अगेन ये नंबर कैसा है टू टूस टू पार सिक्सटीन माइनस वन डिटेल में बात करूंगा यहां पर आप देख सकते हैं कि हेडर का मिनिमम साइज पकड़ लेता है ट्वेंटी बाइट तो ट्वेंटी बाइट बोल या मल्टीप्लाई एड करके वन हंड्रेड एंड सिक्सटी बेट्स बोलू एक ही बात है ये जो पूरा हेडर है रियलिटी में तो हेडर स्ट्रेट लाइन में ही होगा लाइक ए सिंगल रो बट सिंगल रो को बुक में पढ़ना मुश्किल है तो इस तरह से मैं टू डायमेंशनल आइडिया बना लेता बट ऐसा मत मानिएगा हेडर ऐसा होता है लाइन नंबर वन लाइन नंबर टू लाइन नंबर थ्री फोर एंड फाइव तो एक के बाद एक के बाद एक ही आता है आ, हर लाइन दो बाइट सॉरी चार बाइट या थर्टी टू बिट्स की है तो फोर 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 चार चार बाइट की पांच लाइन है ट्वेंटी बाइट का एड्रेस हमारा हो जाता है टोटल हेडर हो जाता है अब क्या काम करता है कौन कौन सा फील्ड एक एक करके गौर करते हैं बिफोर दैट दो तीन जनरल तारीफ करते थे दोबारा अनरिलायबल कनेक्शन लेस पता नहीं तारीफ कर रहे हैं कि बेजती कर रहे हैं तो अनरिलायबल है जैसा मैंने पहले बोला था बेस्ट एफर्ट डिलीवरी की बात करते हैं कि भाई साहब कोशिश पूरी करेंगे गारंटी कोई नहीं है हमारी उस तरह का मैकेनिज्म है कनेक्शन हम पहले से बनाएंगे नहीं हर डेटाग्राम को इंडिपेंडेंट ट्रीट करता है हर पैकेट अलग अलग है तो हर पैकेट अलग अलग रास्तों से होते हुए डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है और अगेन इसको अगर आपको रिलायबिलिटी चाहिए तो लोग क्या करते हैं जैसे बोलते हैं टीसीपीआई प्रोटोकॉल सूट ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी हमारे पास है है ना तो इसको ट्रांसपोर्ट लेयर में हम मर्ज करते हैं टीसीपी के साथ यानी कि इसके अंदर बैठ के चलता है टीसीपी जो कहीं ना कहीं इसको रिलायबिलिटी देता है इसको आप ऐसे समझिए बहुत सिंपल से एग्जाम्पल बोलता हूं आईपी का हेडर है उसके अंदर टीसीपी है इसको ऐसे समझो मान लो आपने अमेजोन से कोई प्रोडक्ट मंगाया है ना जो कोरियर वाला है उसकी कोई रिलायबिलिटी है क्या वो कौन है कहाँ पैदा हुआ उसका क्या नाम है उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है आपको सिर्फ कोई टेंशन नहीं है जबकि एक्चुअल सामान तो वही लेके आ रहा है बट आपको क्या पता है जो सामान जिस कंपनी से आ रहा है आपको उसके ऊपर विश्वास है अगर कुछ गड़बड़ हुआ आप कंपनी को बोलोगे कंपनी सामान बदल के देगी उस तरह की उसकी तरह है, है ना तो आईपी इज लाइक अ ट्रक ड्राइवर जिसकी कोई गारंटी नहीं है बट जिसका माल वो कैरी कर रहा है टीसीपी वो अपने सारे मैकेनिज्म एरर कंट्रोल फ्लो कंट्रोल कंजेशन कंट्रोल एरर डिटेक्शन रिट्रांसमिशन वो सब कुछ ध्यान दे रहा है इसी वजह से मैकेनिज्म चल पा रहा है बहुत अच्छा ये तुलना है समझने के लिए कि कैसे आईपी टी टीसीपी के साथ मिलकर रिलायबल सर्विस दे पाता है हालांकि आईपी अपने आप में रिलायबल नहीं है नाउ डेटा क्राम पे आ जाते हैं सर एक एक करके सो so, यहां पर तो बस मैंने यही इंपॉर्टेंट बात बताई ट्वेंटी टू सिक्सटी बाइट

और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन सिक्स अभी दो ही वर्जन अवेलेबल और ये कारण है कि सबसे पहले जब पैकेट आता है तो वर्जन आना चाहिए उससे पता लगेगा कि आगे का डेटा पढ़ना किसके हिसाब से किसका सेंटेक्स फॉलो करना है अभी मान के चलिए ज्यादातर दुनिया आईपीवी पे है बट ऑलरेडी वी आर इन इन द प्रोसेस ऑफ स्विचिंग फ्रॉम आईपीवी टू आईपीवी है ना तो पहले चार बिट आपको बताएंगे कि जो पैकेट आ रहा है वो वर्जन फोर का है वर्जन सिक्स का है फेयर इनाफ और कैसे पता लगेगा अगर बाइनरी में फोर लिखा है, इट मीन इट्स वर्जन फोर बाइनरी में सिक्स लिखा है इट मीनस इट इज वर्जन सिक्स आगे बढ़ता है अगला है हमारा हेडर लेंथ अब यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन कहानी देखिए हेडर लेंथ भी चार बिट का फील्ड है अब बिट में अगेन अगर मैं आपसे पूछूं सर कितना कॉम्बिनेशन बनेगा जीरो 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 से वन 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 तक जाएंगे तो जीरो से फिफ्टीन तक के नंबर बनाए जा सकते हैं बट जैसा अभी हमने समझा था हेडर का मिनिमम लेंथ जो परमिसेबल है वो है जीरो ट्वेंटी बाइट्स और मैक्सिमम जो है वो है सिक्सटी ये सिक्सटी बाइट साइज में कैसे लिखूंगा, अगर मैं लिखूंगा उसको मल्टीप्लाई बाय फोर करूंगा है ना स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो हालांकि इसका मतलब ये भी स्टार्टिंग के कुछ नंबर मेरे काम के नहीं है फाइव इंटू फोर इज इक्वल टू ट्वेंटी तो जब भी आप हेडर लेंथ पढ़ेंगे उसमें

क्योंकि फोर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हेडर का लेंथ ट्वेंटी टू हो सकता है क्या सर ट्वेंटी टू नहीं हो पाएगा हेडर का का लेंथ रीजन समझ रहे बिकॉज ये मल्टीपल ही होगा खैर उसका भी सॉल्यूशन हमारे पास है यहाँ पे देख रहे हैं पैडिंग लिखा हुआ है तो अगर ट्वेंटी टू साइज बैठता भी है तो दो वाइड एडिशनल जीरो भर देते हैं ताकि साइज को ट्वेंटी फोर पहुंचाया जा सके बट ध्यान रखना है हेडर लेंथ में स्केलिंग होगी जब लिखेंगे तो मल्टीप्लाई बाय फोर करेंगे जब लिखेंगे नहीं सॉरी जब लिखेंगे तो डिवाइड बाय फोर करेंगे जब पढ़ेंगे तो मल्टीप्लाई बाय फोर करेंगे है ना तो अगर मान लीजिए हेडर का लेंथ है 52, तो 52 नहीं लिखना डिवाइड बाय करिए आपको लिखना है है बात समझ आती है? आगे बढ़ते हैं हेडर लेंथ इज आई थिंक डन नाउ अगला है सर्विस टाइप अब देखो ये समझ आ रहा है ना आईपी का जो डेटा ग्राम है वो तो टैक्सी की तरह है उसके अंदर दूसरे प्रोटोकॉल अपना सामान कैरी कर रहे होते हैं नेटवर्क लेयर में इसी का रूल चल रहा है अब अंदर कौन बैठा है अंदर भारत सरकार का कोई कैबिनेट मिनिस्टर बैठा है प्रधानमंत्री बैठे एक नॉर्मल आदमी बैठा है कोई बिजनेसमैन है डॉक्टर है ऑक्सीजन का सिलेंडर है कौन है कैसे पता लगेगा तो सर्विस टाइप में हम क्या करते हैं कि पहले जो तीन बिट है वो रिजर्व है किसके लिए प्रायोरिटी बताने के लिए तीन बिट में कितना कॉम्बिनेशन बनेगा यू कैन सी अगेन जीरो से वन वन तक ये प्रायोरिटी बताने के हमारे काम आएगा आठ कॉम्बिनेशन बनेंगे एट लेवल की प्रायोरिटी होगी तो अगर हाई प्रायोरिटी प्रोटोकॉल है हाई प्रायोरिटी सर्विस

तो ये पहली तीन बिट तो प्रेसिडेंस में यूज हो गई अगली जो चार बिट है इसको ऐसा याद रखते हैं डीटीआरसी मैं तो याद रखता हूं दिल्ली ट्रांसपोर्ट रोड कॉर्पोरेशन डीटीआरसी और आखिरी बिट रिजर्व है इसका कोई इस्तेमाल नहीं अब ये चार बिट क्या है आप बोल रहे हो प्रायोरिटी चाहिए प्रायोरिटी का मतलब क्या है भाई कैसी प्रायोरिटी चाहिए है ना अब कोई आदमी का अगर आप हो सकता है कुछ आदमी प्रायोरिटी का मतलब उनके लिए अच्छा खाना होता है है ना रियल लाइफ की बात करूं किसी का मैं प्रायोरिटी का मतलब इज्जत होती है कि भाई हमारी इज्जत होनी चाहिए हर किसी के लिए प्रायोरिटी का अलग अलग मतलब है तो यहाँ पे हम प्रोटोकॉल को ऑप्शन देते हैं चार तरीके हैं प्रायोरिटी मांगने के एक और बात चारों एक साथ नहीं मांग सकते डी टी आर से डी मतलब मिनिमाइज डिले ये ये तरह प्रोटोकॉल कहेगा कि भाई मेरे को कुछ भी आप करो ना करो मेरा डिले मिनिमम होना चाहिए मे बी मैं एक वीडियो कॉल की सर्विस हूं मेरे को डेटा जल्दी लेके जाना है रिलायबिलिटी का टेंशन है जल्दी पहुंचा दो मे बी एन आइडिया का मतलब क्या है थ्रूपुट ये कह रहा मेरे को डिले से भी लेना देना नहीं है लेकिन थ्रूपुट यानी कि जो टोटल वर्कडन या टोटल डेटा ट्रांसफर विद इन अ टाइम लिमिट होना चाहिए बहुत ज्यादा होना चाहिए कुड बी एन आइडिया मैक्सिमाइज रिलायबिलिटी जो रिलायबिलिटी है वो मैक्सिमाइज हो यानी कि कोई बैंकिंग एप्लीकेशन हो सकती है कह रहा मेरे को थ्रूपुट नीचे स्पीड नीचे भाई रिलायबिलिटी होनी चाहिए मेरे को कुछ भी नीचे रेट वेट मेरे को तो उस रास्ते से लेके जाओ जिसका कॉस्टिंग सबसे कम हो तो जब भी प्रोटोकॉल आईपी की सर्विस यूज करता है मैं फिर बोल रहा हूँ चारों नहीं मांग सकते कॉन्ट्राडिक्टी हो जाएंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल मिनिमाइज मैक्सिमाइज़ रिलायबिलिटी ये दोनों अलग अलग बातें एकदम एक दूसरे से अपोज़िट। रिलायबिलिटी चाहिए सिक्योरिटी लगेगी स्लो होगा टाइम ज्यादा लगेगा टाइम कम चाहिए तो सिक्योरिटी नहीं दे पाऊंगा दोनों में से एक तो चीज चूज करेंगे इस तरह से आप चूज कर सकते हैं हैंड लाइक दिस दिस या या तो 001, या तो 001, 000, 000, 000, 000 कोई भी मांग सकते हैं मैं लिस्ट दिखा देता लुक एट आमतौर पर कौन कौन से प्रोटोकॉल क्या क्या मांगते हैं जैसे आप देखेंगे अगर मेल प्रोटोकॉल है मेल मांग रहा है जीरो जीरो वन जीरो वन का मतलब अगेन मेल को क्या चाहिए रिलायबिलिटी चाहिए भाई डेटा करप्ट नहीं होना चाहिए थ्रूपुट कुछ भी हो रिलायबिलिटी सिमिलरली यू कैन करेंसी अलग अलग प्रोटोकॉल अलग अलग तरह की डिमांड कर रहे हैं डीएनएस नॉर्मल डीएनएस जो बार बार काम आता है कह रहा मेरे को कोई रिलाय कोई अलग से प्रायोरिटी कोई प्रेसिडेंस नहीं चाहिए नॉर्मल सर्विस से मेरा काम हो जाएगा ठीक है तो ये फील्ड भी आपको समझ आ गया अगला फील्ड क्या है तो देखिए इसी 16 बिट फील्ड नेम्ड एस टोटल लेंथ अब टोटल लेंथ किसका टोटल लेंथ पूरे डेटाग्राम का याद रखिए डेटाग्राम के अंदर दो पार्ट हेडर और डेटा या जिस हम क्या बोल बोल रहे रहे हैं पेलोड हैं हेडर का लेंथ हमने अलग से याद रखा है लेकिन पूरे डेटाग्राम का लेंथ भी तो वेरिएबल होगा याद रखना पड़ेगा 16 बिट में सबसे बड़ा नंबर क्या लिख पाएंगे सट टू रेस टू पार सिक्सटीन माइनस वन जो कि हो जाता है सिक्सटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड थर्टी फाइव तो कहां से आया ये नंबर यहां से आया ये मैक्सिमम डेटा एक बात याद रखना है क्या सिर्फ पे पेलोड कितना है ये कैलकुलेट करने का को कोई मैकेनिज्म है डायरेक्ट कोई नंबर में स्टोर नहीं कर रहा शायद जरूरत भी नहीं है क्यों अगर मुझे टोटल लेंथ पता है अगर मुझे हेडर लेंथ पता है तो टोटल लेंथ लेंथ से हेडर माइनस करेंगे तो नहीं निकाल पाएंगे निकाल पाएंगे दिस इज द फॉर्मूला अगेन बट याद रखना हेडर लेंथ में स्केलिंग क्योंकि जो लिखा है जब उसको एक्चुअल में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय फोर करेंगे वो चीज मिस मत करिएगा तो ये कहानी हो गई हेडर लेंथ की तो पहला रो हमारा हो गया कंप्लीट यस yes, अब आ जाते हैं अगले आइडिया पे विच इज लाइक ये हमारा एम टू एम टी यू का मतलब समझाता हूं आ, अब आ जाते हैं अगले नंबर पे विच इज लाइक आइडेंटिफिकेशन ये क्या कहानी है समझिए देखिए हर पैकेट को नंबर करना पड़ेगा ताकि रिसीविंग एंड एंटम पहचान सके कि भाई कौन कौन था इज एंट वरना यू you नो know, डिलीवरी के बाद आईपी को तो कह रहा है मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है कौन पहले कौन बाद में मेरा कोई लेना देना नहीं है बट टीसीपी को या किसी और को तो डेटा लिंक लेर को तो ध्यान रखना पड़ेगा ना तो यहाँ पर एक सोला बिट का एक यूनिक नंबर होगा एक आधार कार्ड होगा एक वोटर आई होगा जिससे किसी भी पैकेट को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज बीच में आ जाती है जिसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन वो क्या कहानी है आईपी का डेटा ग्राम जब चलना शुरू होगा इधर मैंने कहीं यूज किया क्या लुक एट दिस फ्रेगमेंटेशन ये आईपी का डेटा ग्राम कहीं जा रहा था मे बी ये बड़ा नेटवर्क था जैसे ये नेटवर्क क्रॉस करेगा वो छोटा नेटवर्क है मान लीजिए बस जा रही थी हाईवे से अब ये अचानक जंगल का रास्ता हुआ बस नहीं जा सकती वहां पे जीप चल सकती है हैना Uh, क्या बोलते हैं थार चल सकती है जिमनी चल सकती है तो उसके लिए जो बस में जितने लोग हैं उनको तीन गाड़ियों में बिठाना पड़ेगा छोटे छोटे पैकेट बनाने पड़ेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि डेटा ग्राम जब जा रहा हो तो रास्ते में उसके फ्रेगमेंट हो जाएंगे अलग अलग उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाने पड़ेंगे क्योंकि इंटरमीडिएट जो कोई नेटवर्क है उसकी कैपेसिटी नहीं है ऐसा भी हो सकता है कोई एक फ्रेगमेंट जो बना था उसके फर्दर जरूरत के हिसाब से हमें तीन चार फ्रेगमेंट करने पड़े तो फ्रेगमेंटेशन एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ये जो आइडेंटिफिक शन नंबर है आइडेंटिफिकेशन नंबर ये वहां भी काम आएगा तो एक पैकेट के अगर दस फ्रेगमेंट भी करने पड़े एक डेटाग्राम के तो वो सारे के सारे अपने आप में इंडिविजुअल डेटाग्राम है बट आइडेंटिफिकेशन नंबर सब पे सेम चलेगा जिस समय पहचान ये उस वाले फ्रेगमेंट का सेक्शन है रिसीविंग एंड पे दोबारा डिफ्रेगमेंट करके कंबाइन करेंगे ना मर्ज करेंगे ना कैसे करेंगे इस बिट से करेंगे तो ध्यान रखना है हर डेटाग्राम के पास अपने एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है सोला बिट का और अगर उस डेटाग्राम का रास्ते में फ्रेगमेंटेशन होता है तो हर फ्रेगमेंट का भी वो आइडेंटिफिकेशन नंबर सेम होगा ठीक अब फ्रेगमेंटेशन जब हो जाएगा और सारे पैकेट अलग अलग रास्ते से पहुंचेंगे तो कौन पहले कौन बाद में कैसे पता लगेगा इसको करने का बेस्ट तरीका जो यहां पर है बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट है वो है बाइट्स की नंबरिंग कर लेना एक छोटा सा आइडिया समझाता हूं जैसे मान लीजिए ये एक ओरिजिनल पैकेट था जिसमें जीरो से लेके थ्री नाइन नाइन यानी कि टोटल तो जीरो से काउंटिंग करते हैं सीएस वाले तो टोटल फोर थाउजेंड बाइट यहां पर है, है ना अब देखिए इन्होंने किसके कैसे टुकड़े किए पहला टुकड़ा जीरो से फोर्टीन हंड्रेड टोटल फोर्टीन हंड्रेड साइज का हो गया थर्टीन डबल नाइन देन फोर्टीन हंड्रेड से ट्वेंटी सेवन डबल नाइन देन ट्वेंटी एट हंड्रेड से फोर थाउजेंड तक इन्होंने तीन टुकड़े किए मैं साइज लिख लू अलग से इसका टोटल साइज़ 1400 बाइट्स इसका भी आई थिंक टोटल साइज़ 1400 बाइट्स और इसका टोटल साइज़ आई थिंक 1200 बाइट्स चार चार टोटल चार हजार हाँ चार हजार मैच हो रहा है अब हम क्या करते हैं ऑफसेट एक शब्द यूज़ करेंगे हर फ्रेगमेंट का जो पहला बाइट है उसका जो नंबर है उसको बोलते हैं ऑफसेट ध्यान हर सेगमेंट का जो पहला बाइट है उसका जो नंबर उसको बोलते हैं ऑफसेट है तो बताओ पहले वाले का ऑफसेट क्या होगा जीरो दूसरे वाले का ऑफसेट क्या होगा फोर्टीन हंड्रेड यहां पे आप देख पा रहे हैं और तीसरे वाले का ऑफसेट क्या होगा ट्वेंटी एट पहली बाइट का जो नंबर है क्योंकि जीरो से तक गया तो 1400 से 2799 जाएगा 2800 से तक 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 जाएगा 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 तो जो पहला बाइट का नंबर है उसको बोलते हैं अब इसमें प्रॉब्लम क्या है अभी दो मिनट पहले मैंने आपको बताया कि एक डेटाग्राम के अंदर मैक्सिमम सिक्सटी फाइव थाउजेंड एंड सम डेटा आ सकता है और ये भी हमें समझा कि वो जो नंबर है टू रेस्ट टू पास सिक्सटीन माइनस वन सा है तो क्या मैं आपको ये समझा पा रहा हूं कि बाइट नंबर ये जो मैं आपसे बोल रहा हूँ ना ऑफसेट ये कभी कभी इतना बड़ा हो सकता है जिसको लिखने के लिए सोलह बिट की जरूरत पड़े कितने बिट की सोलह बिट की अब जरा देखो फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट के लिए सिर्फ ही बिट बचे हैं थर्टीन बिट सोलह बिट है नहीं तो कैसे करेंगे फिर यहां पे वही जुगाड़ टेक्नोलॉजी जो हमने हेडर लेंथ में किया था स्केलिंग वाला आइडिया वो यहां यूज करना पड़ेगा कैसे यूज करेंगे तो अगेन हमें कैपेसिटी चाहिए दो की पावर सोलह की हमारे पास स्पेस है टू की पार थर्टीन यहां कितने का रेशो हुआ आठ गुने का रेशो हुआ तो अब क्या करेंगे सर जो भी रियल नंबर होगा वो रियल नंबर स्टोर करेंगे या से से डिवाइड डिवाइड करेंगे जैसे वहां पे चार से कर रहे किसमें हेड्रोल में यहां आठ से डिवाइड करते हैं अब आपको बात समझ आएगी ओके okay, कि उसने डिवाइड बाई किया तो खैर जीरो तो जीरो ही रहने वाला है बट फोर्टीन हंड्रेड डिवाइडेड बाई एट इट इज वन सेवेंटी फाइव एंड ट्वेंटी एट हंड्रेड डिवाइड बाई एट इज इज थ्री फिफ्टी है ना तो रियल ऑफसेट जो है वो 2800 ही है बट स्केलिंग की वजह से उसे से डिवाइड करके 350 हम लिखते हैं ये कहानी है फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट की कुछ लोग अगेन सोच सकते हैं सर ये जैसे वहां पे यू नो you know, पैडिंग कर लिया था टू मेक द नंबर डिविजिबल बाय फोर यहां पर अगर नंबर एट से डिविजिबल ना हो तो कोई बात नहीं लास्ट तक लेने की जरूरत नहीं है जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर तो फोर्टीन आया है ना हम ले पाए 1400, पाए 8 था मैं ऐसे बोल देता हूँ अगर कोई नेटवर्क है जो कह रहा है कि भाई मैं तो जो मैक्सिमम डेटा ले जा सकता हूँ फिफ्टी बाइट्स ले जा सकता हूँ बहुत छोटा सा नेटवर्क है अब आप देखिए एट से डिविजिबल कौन कौन सा नंबर होगा तो एट फाइव फोर्टी फोर्टी एट फिफ्टी सिक्स फोर्टी डिविजल है 48, divisible 56 है. 56 तो मैं हम वो बड़े से बड़ा नंबर उठाएंगे जो हमारी कैपेसिटी में हो बट एट से डिविजिबल हो ताकि फ्रेगमेंटेशन वाले आइडिया में प्रॉब्लम ना आए है ना तो ये फ्रेगमेंटेशन की कहानी हो गई अब ये बचे तीन फ्लैग इसकी क्या कहानी है? ये सुनिए सर पहला बिट यहाँ क्या ड्रामा है मेरे को खुद समझ नहीं आता कहीं कहीं तो ज्यादा खर्चा अभी यहां बहुत ज्यादा कंजूसी कर दी है ना टोटल जगह सोलह चाहिए थी तेरह में मैनेज किया तीन बिट बचाई जैसे जैसे करके अब वेस्टेज कैसे वेस्टेज कह रहे सर ये बिट रिजल्ट अभी जरूरत नहीं बाद में यूज करेंगे नाउ ये क्या है ये है डू नॉट फ्रेगमेंट बिट टच मी नॉट बिट मतलब क्या है कभी कभी ऐसा हो सकता है विच इज अ प्रैक्टिकल आइडिया कि जो सेंडर है जब वो डेटा भेज रहा है डेटा क्लासिफाइड नेचर का है कोई बैंकिंग डेटा कुछ और डेटा है और हम नहीं चाहते कि कोई फ्रेगमेंटेशन के बहाने से हमारे पैकेट को खोले उसके टुकड़े करे तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक काम करो इसके अंदर डू नॉट फ्रेगमेंट बिट वन रख दो अब रास्ते में पहुंचा राउटर ने डब्बा खोला और देखा डू नॉट फ्रेगमेंट में वन लिखा है राउटर को पता आगे में भेज नहीं पाऊंगा मुझे टुकड़े करने पड़ेगा बट ये कह रहा टुकड़े नहीं करो तो राउटर उसको चुपचाप डिस्कार्ड कर देगा और बाद में समझेंगे एक मैसेज भेजेगा सेंडर को सेंडर का एड्रेस है ना मेरे पास हाँ बोलेगा सर ऐसे ऐसे आपका पैकेट पकड़ा गया था जो आगे जाने की पॉसिबिलिटी थी नहीं लेकिन क्योंकि आपके रिक्वेस्ट की कि फ्रेगमेंट ना किया जाए हमने फिलहाल उसको डिस्कार्ड कर दिया एक काम करना अगली बार सोर्स से ही छोटा पैकेट बना के भेजना ताकि वो यू you नो know, जो इंटरमीडिएट नेटवर्क है वहां से पास हो जाए तो ये एक कॉमन सेंस है कि इसमें डू नॉट फ्रेगमेंट में अगला क्या है एम एम मीनस मोर फ्रेगमेंट बिट इसका क्या मतलब है जब एज ए रिसीवर में बैठा हुआ हूं और किसी आइडेंटिफिकेशन नंबर के चार पांच फ्रेगमेंट आ चुके हैं मुझे कैसे पता लगेगा फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट से मैं ये तो पता लगा लूंगा किसका नंबर कौन है कौन पहले कौन बाद में भाई इसके पास जीरो वन सेवेंटी फाइव ये पहले आएगा अभी बीच में आएगा बाद में आएगा बट ये लास्ट है कि नहीं ये कैसे पता लगेगा हो सकता है इसके बाद और भी हो अभी आए ना हो और हो सकता है मैं फालतू में वेट कर रहा हूं और कोई आने वाला ना हो तो ये जो बिट है बेटी बताता है अगर इसके अंदर लिखा है वन, इसका मतलब है मैं आखिरी फ्रेगमेंट नहीं हूं मेरे बाद अभी और भी फ्रेगमेंट आने वाले because further more fragments are not there, या फिर इसका मतलब इस डेटाग्राम का फ्रेगमेंटेशन हुआ ही नहीं है टेंशन मत लीजिए जो आना था आ चुका है आगे बढ़िए तो सेकेंड रो हमारी यहां पर हो जाती है कंप्लीट अगला फील्ड अब देखिए अगला फील्ड है हमारा क्या टाइम टू लिव फील्ड अब टाइम टू लिव फील्ड की क्या कहानी ये समझाता हूँ आपको एक बिट का एक फील्ड है देखिए इंटरनेट में कभी कभी प्रॉब्लम क्या है कि हो सकता है हेडर कभी करप्ट हो जाए और हेडर करप्ट हो तो हर राउटर के पास डिफॉल्ट एंट्री होती है होता है ना भैया ये एड्रेस बताना कहाँ जाएगा यार समझ नहीं आ रहा तो भैया आगे पता कर लो कहीं तो डिफॉल्ट एंट्री किसी राउटर के पास देते भेज देते कि तू देख ले भाई अब वो राउटर क्या क्या मेरे को भी समझ नहीं आ रहा पता नहीं कौन नहीं है ये भाई उसके पास भेज ले और हो ये सकता है हर राउटर एक से दूसरा दूसरे से तीसरा अनंत काल के लिए फॉर इंफिनिटी वो पैकेट इंटरनेट में घूमता रहे एक आध घूम ले कोई प्रॉब्लम नहीं बट धीरे धीरे ऐसे बढ़ते जाएंगे और बढ़ते 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 ऐसा ना हो कि इतना सारा गार्बेज हमेशा के लिए नेट में फ्लो कर रहा हो उनको कैसे रोका जाए उनको कैसे सेग्रीगेट किया जाए फिल्टर आउट किया जाए उसके लिए है टाइम टू लिव तो लॉजिक क्या है हार्ट बिट का फील्ड है ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो सबसे बड़ा नंबर क्या कर सकते हैं टू फिफ्टी फाइव हालांकि वो करते नहीं उससे बहुत कम करते हैं तो अब लॉजिक क्या है जब भी ये पैकेट किसी राउटर के पास जाएगा राउटर इससे पैसा चार्ज करेगा फॉर तो राउटर बोलेगा टू फिफ्टी फाइव आपका टाइम टू लिव है अब मैं इस नंबर को घटा के कर देता हूं टू फिफ्टी फोर और अब आप आगे चले जाओ फिर किसी और राउटर के पास जाएगा वो अपना काम करेगा आगे का रास्ता बताएगा बट इसको टू फिफ्टी थ्री कर देगा यस अब या तो लिमिटेड टाइम के अंदर आमतौर पे 16, 17, 20 मैक्सिमम मतलब 16 तो ऐसे मैक्सिमम होता है सात आठ दस हॉप काउंट के अंदर राउटर के अंदर पैकेट डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है तो नॉर्मली लोग यू you नो know, इसको 255 तो मैक्सिमम लिमिट है लोग 15, 20 पे सेट कर देते हैं मान लीजिए हमें लग रहा है कि आठ राउटर बीच में आएंगे एक काम करो इसको सोलह कर दो अगर पहुंचना होगा नलायक को तो सोलह में भी पहुंच जाएगा और नहीं पहुंचना होगा तो फिर कोई मतलब है नहीं तो अब क्या होगा सिक्सटीन टाइम ही अलग अलग राउटर से होके गुजर सकता है लेकिन फाइनली एक राउटर मिलेगा या तो उससे पहले डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा या तो राउटर वो राउटर जो वन से जीरो करेगा वही पकड़ लेगा कहां जा रहे हो बस तुम्हारा टाइम टू तु लिव खत्म हो गया अभी पैकेट को डिस्कार्ड करेगा अगेन एक एरर मैसेज जनरेट करेगा सोर्स को सर आपका लड़का यहां पकड़ा गया था आपका पैकेट पकड़ा गया जिसका टाइम टू लिव हो गया जीरो आदेश के मुताबिक हम इसे डिस्कार्ड कर रहे हैं तो आप क्रॉस चेक करिएगा अगर आपको लग रहा है कि ये जेनविन पैकेट था तो अगली बार ज्यादा टाइम टू लिव बना के भेजिए ताकि ये पूरा रास्ता कवर कर सके और अगर गड़बड़ था तो फिर हमने सही किया इसको डिस्कार्ड करके ये कहानी है टाइम टू लिव की कभी कभी तो जो इनफाइनाइट लूप वाली प्रॉब्लम है वो इससे खत्म हो जाएगी कभी कभी हम चाहते नहीं कि पैकेट लोकल नेटवर्क से बाहर जाए जैसे बचपन मम्मी कहती थी घर के बाहर इस गली के बाहर मत जाना तो हम टाइम टू लिव वन सेट कर देंगे होगा क्या बॉर्डर तक जा पाएगा जैसे ही नेटवर्क से बाहर जाने के लिए किसी राउटर के पास जाएगा टाइम टू लिप वन वन को जीरो करेंगे वही डिस्कार्ड कर देंगे हो सकता हम चाहते हो ये चार नेटवर्क तक बाहर जा पाए तो टाइम टू लिव फोर कर दीजिए चार राउटर पार कर पाएगा उसके आगे नहीं जा पाएगा राउटर उठा के टाइम टू लिव जीरो होने की वजह से डिस्कार्ड कर देगा ये कहानी है इसकी अगला फील्ड क्या है अगेन एट बिट फील्ड ऑफ प्रोटोकॉल अगेन गेम क्या है आईपी तो टैक्सी है खुद तो ये है नहीं अंदर कौन बैठा है अंदर क्या लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली लिखा उत्तर प्रदेश शासन लिखा कौन बैठा है अंदर कैसे पता लगता है तो आठ बिट के एक नंबर सेट कर दिए और जितने इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है सबको नंबर दे दिए गए हैं अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आईसी पी आईसीएमपी का नंबर है जीरो वन टीसीपी का नंबर है जीरो सिक्स किसी नाके पे ये पकड़ा गया पैकेट आपका पुलिस वाले ने अपने आप अपना हेडर दिखाई ये हेडर चेक किया क्या लिखा है प्रोटोकॉल में प्रोटोकॉल में लिखा है जीरो सिक्स अच्छा अच्छा अंदर टीसीपी बैठे हुए जाइए जाइए जाइए

नंबर नेक्स्ट आ इंपॉर्टेंट चेकसम. चेकसम बात क्या हेडर ये कह रहा है क्योंकि हमने तो पहले बहुत बोला था आईपी तो अल्लड़ है आवारा है नलायक है है ना बेस्ट एफर्ट डिलीवरी की बात करता है फ्लो एर कंट्रोल एरर कंट्रोल नहीं करता है. तो हम कह रहे है, चेकसम है बट चेकसम हेडर पे है ट्रक ड्राइवर को भले इस बात से कोई मतलब ना हो कि ट्रक के अंदर जो सामान है वो सही सलामत है कि नहीं है चोरी हुआ कि नहीं हुआ बट जो उसका आगे का अपना केबिन है उसका तो ध्यान रखेगा मेरा मोबाइल फोन मेरा सामान मेरा खाना ठीक से है कि नहीं है अगर हेडर ही करप्ट हो जाएगा तो ये आगे डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा कैसे तो हेडर की सिक्योरिटी हमारा काम है आईपी का भले पीछे जो डेटा रखे उसकी सिक्योरिटी ना हो तो सोला बिट का चेकसम है हर राउटर पे चेकसम कैलकुलेट होगा और वैल्यू हम देखेंगे क्योंकि हेडर की कुछ वैल्यू चेंज होती जाती है जैसे टाइम टू लिव आपने देख लिया फ्रेगमेंटेशन चेंज हो सकता है हर राउटर पे चेकसम रिकेल्कुलेट करता है लोकेट करते हैं अगर बीच में कहीं भी राउट हेडर ही अगर करप्ट हो जाता है तो भी हम पैकेट को डिस्कार्ड कर देते हैं बिकॉज अब आगे वो जा नहीं पाएगा तो ध्यान रखिएगा चेकसम जरूर है ये डेटा को पेलोड को कोई कवरेज नहीं देता ये सिर्फ हेडर को कवरेज देता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इज सोर्स का, का डेस्टिनेशन का दोनों के अपने अपने एड्रेस अब आ जाते हैं वेरिएबल पार्ट पे बहुत छोटा सा डिस्कशन कोई बहुत डिटेल में यहां बात नहीं करेगा तो वैसे तो इन जनरल जीरो ही रहता है है ना तो आमतौर पे हेडर हमेशा किसी भी न्यूमेरिकल में कहीं भी देखेंगे ये हमारा सिंगल बिट का सिंगल बाइट का माफ कीजिएगा आठ बिट या सिंगल बाइट का एक फील्ड है जो कि बताता है कि अगर हमने कुछ किया भी एडिशनल किया तो यहां पर एंड हो रहा है लास्ट पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के काम आता है एक है रिकॉर्ड रूट कभी कभी रिसर्च से परपस से सिंथेसिस ये देखना चाहते हैं कि पाकिट एक्चुअली कौन कौन से रास्ते से होके जाता है ये पता लगाने के लिए हम रिकॉर्ड रूट कर सकते हैं मेरे पास 40 बाइट्स है ध्यान रखना एडिशनल 20 बाइट तो इंपॉर्टेंट हो गए 40 बाइट मेरे पास है एक बाइट एंड ऑफ ऑप्शन में काम आ जाएगा तो थर्टी बचे अगर मुझे इंटीमेंट इंटरमीडिएट राउटर का एड्रेस याद रखना है, एक एड्रेस बत्तीस बिट का कितने लगे चार बिट, तो चार 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 मेरे ख्याल से मैं नाइन डिफरेंट राउटर के एड्रेस रख सकता हूं बिकॉज फोर इंटू नाइन विल बी थ्री सिक्स थर्टी सिक्स तो थर्टी नाइन डिफरेंट राउटर का एड्रेस याद रख पाऊंगा और ये यहां पर लिखा हुआ है तो उससे ये पता लग जाएगा रिसर्च करते हुए हमने रिकॉर्ड रूट रख दिया जा जाओगे एड्रेस याद करते जाओ अच्छा ये इस रास्ते से जा रहा है इसका मतलब वी आर सॉफ्टवेयर है बहुत सारी वेबसाइट्स है जिनके थ्रू आप देख सकते हैं कि अगर आप गूगल के सर्वर से बात कर रहे हैं गूगल से बात कर रहे हैं तो पैकेट कहां से होके आता है तो, तो दैट इज रिकॉर्ड रूट ऑप्शन जो यूज किया जा सकता है डिबगिंग वगैरह में अब ये शॉर्ट में बता देता हूं आमतौर पर जब हम आईपी एड्रेसिंग यूज करते हैं आईपी का इस्तेमाल करते हैं हम रास्ता नहीं बताते हम बोलते हैं ये पैकेट है ये डेस्टिनेशन है राउटिंग के पूरे प्रोटोकॉल्स है राउटर है राउटिंग टेबल है वो अपने हिसाब से पूरा रास्ता ढूंढते और डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं यहां पर एक ऑप्शन है स्ट्रिक्ट सोर्स रूट जिसमें सोर्स क्या कर सकता है फोर्टी बिट का स्पेस है ना नाइन राउटर तो आप कुछ राउटर के एड्रेस दे सकते हो कि बेटा सुनो कहीं से भी मत जाना राउटर से भी मत पूछना ये राउटर फिर ये राउटर फिर ये राउटर फिर ये राउटर यहां से होते हुए जाना है और ये जो राउटर हम मैंशन कर रहे हैं सिर्फ इन्हीं से ट्रेवर्स करना है अगर इसमें एक छूटा तो भी तुम डिस्कार्ड डेस्टिनेशन पे और अगर कहीं एडिशनल उसके अलावा कुछ और किया तो भी तुम डिस्कार्ड जो राउटर में लिख के वही करना है इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट सोर्स रूट इसका एक थोड़ा सा लिबरल वर्जन बोलते हैं लूज सोर्स रूट ये क्या कहता है ये कहता है कि जो राउटर हम बोल रहे हैं इनसे तो होकर जाना ही जाना है इसके अलावा अगर एक दो एडिशनल राउटर तुमको और जाना हो तो भी तुम जा सकते हो दिस इज एन आइडिया अब ये कमांड क्यों दे रहे हैं सोर्स के हाथ में कभी कभी हो सकता है डेटा क्लासिफाइड हो हम नहीं चाहते तो एनिवी नेटवर्क से होकर जाए या हमें कुछ ऐसी बात पता हो जो मे भी राउटर्स की जनरल अंडरस्टैंडिंग ना हो तो आप चाहो तो यू नो कभी कभार आप रास्ता भी तय कर सकते हो लास्ट वन इज द टाइम स्टैंपिंग टाइम नोट करना देखो कभी कभी भी नहीं पता लगता कि यार कहीं लैग आ रहा है फाइनल रिस्पॉन्स करने में बहुत लैग आ रहा है कहाँ प्रॉब्लम हो रही है टाइम कहाँ लग रहा है रिसर्च के लिए फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि वो वाला राउटर कितना समय लेता है प्रोसेस करने में हम टाइम स्टम्पिंग यूज कर सकते हैं एवरी राउटर यूज जीएमटी ग्रीन विच मीन टाइम जो सेंट्रलाइज टाइम है पूरी दुनिया जिसमें एयरक्राफ्ट हमारे चलते हैं उसी टाइमिंग को ये भी यूज करता है बिकॉज हर दुनिया में

भाई इंपॉर्टेंट आईपी फोर ही है इसी के हेडर इसी के जितने फील्ड्स हैं चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो सेमेस्टर्स हो कंपनी हो यही पूछा जाता है आईपीवी मार्केट में नई एंट्री है कभी कभार एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ, जाता है फिर भी अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछे तो आप खाली हाथ ना रह जाए वहां पर इसलिए बेसिक सा डिस्कशन जल्दी से आईपी वर्जन सिक्स पे करते हैं तो आईपी वर्जन सिक्स का देख रहे हैं सिंप्लीफाइड हेडर है पहले से ज्यादा कैपेबल है बेसिकली पिछले पच्चीस तीस साल में तब से आईपी वर्जन फोर था उसमें जो जो गलतियां हमने की समय के साथ हमने सीखी दूसरा मार्केट इंटरनेट कैसे वॉल्व हुआ वो सारे चेंज समझने के बाद आईपीवी डिजाइन है तो ऑब्वियसली उससे ज्यादा एडवांस होगा है ना तो यहाँ पर सबसे बड़ा आइडिया क्या है कि वैसे तो दो पार्ट्स हैं बेस एडर और पेलोड तो ये जो आप पूरा डायग्राम देख रहे हैं आप देख रहे हैं यहां से यहां तक का जो पार्ट है है ना ये होता है बल्कि यहां से आई एम सॉरी यहां तक का ये जो पार्ट है दिस इज द बेस हेडर ये नीचे आपका पेलोड है ये एक ऑप्शन है एक्सटर्नल एक्सटेंशन हेडर्स का यानी कि अगेन जो वहां पे हमारा अंडरस्टैंडिंग है ना जो 40 बिट का एडिशनल हम अलाउ करते थे आई फोर के अंदर वो यहाँ पे एक्सटेंशन हेडर के नाम से जाना जाता है तो ये वो बोल रहा है अपर लेयर का जो डेटा वो है वो है और ये जो एक्सटेंशन हेडर है ये एक एडिशनल ऑप्शन हमारे पास है अब तो अगर मैं डिटेलिंग में जाऊं तो लगभग लगभग सारी चीजें सेम है वर्जन चार बिट का क्यों है आप जानते हैं बिकॉज या तो वर्जन फोर है वर्जन सिक्स से पहले रखना पड़ेगा ऑप्शन नहीं है सर्विस uh, टाइप वहां भी था यहाँ उसको डायरेक्ट प्रायोरिटी कह के बुला रहा है वही बिट का फील्ड तीन बिट और फर्दर पांच बिट तीन बिट चार बिट और एक बिट रिजॉर्ट वही वाला सेम आइडिया यहाँ पर कैरी कर रहा है एक एक नई एंट्री करी है उन्होंने थ्री बाइट अब ये जो है टोटल ये टोटल मिला के आठ बिट है थर्टी टू बिट टोटल है कितना बचा है चौबीस बिट या थ्री बाइट का फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म यहाँ पे एड किया गया है इसकी डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है बट ये समझिए कि इन जनरल आईपी के अंदर फ्लो कंट्रोल यानी के कितने स्पीड से डेटा जाएगा रिसीवर ओवल नहीं होगा कि नहीं होगा उस तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग पहले हम करते नहीं थे यहां पर उसके लिए मैकेनिज्म कर दिया गया है पेलोड का लेंथ पहले भी सोलह बिट का था टोटल हेडर टोटल लेंथ जो हम देखते थे वो अभी भी यहां पर है नेक्स्ट हेडर दैट इज इंपॉर्टेंट नाउ

32 बिट 128 बिट हम जानते हैं यहाँ नोटेशन होती है आगे भी, भी में देखेंगे। यहां पर हम use करते Because 128 bit का है तो बहुत ज्यादा बनेगा नंबर ऑफ एड्रेस टू रेस टू पार 32 जो कि हो जाता है अप्रोक्सीमेटली टू रेस टू पार 32 जो कि होता है फोर पॉइंट थ्री बिलियन एंड दैट इज टू रेस टू पारन ट्वेंटी एट जो कि थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी अनडिसन uh, और पता नहीं क्या क्या कितना बड़ा नंबर अनइमेजिनेबल है ठीक है कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मैनुअल या डीएचसीपी से होती है दिस इज अ स्टेटलेस एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन सिक्योरिटी ऑब्वियसली इनिशियली लैक था एस और उन सब के थ्रू मैनेज करना पड़ता था अब यहां इतने समय के बाद बनाए तो सिक्योरिटी के भी बेटर मैकेनिज्म यहां पर है कुछ अगेन जो क्लियर कट इंप्रूवमेंट्स है यू कैन जस्ट नोट इट डाउन एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं बाकी नोट्स में आपको सब कुछ मिलेगा हेडिंग याद रखना है बिकॉज एग्जाम में बहुत ज्यादा डिटेल में कोई पढ़ेगा नहीं हेडिंग अगर आपको पता है तो हाँ एग्जामिनर नंबर आपको देने वाला है अब बात कर लेते हैं एडिशनल प्रोटोकॉल्स की नेटवर्क लेयर का हीरो तो आईपी है इसमें किसी को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं है बट देर आर सम प्रॉब्लम्स जो आईपी नहीं सॉल्व कर पा रहा होता जैसे यहाँ चार अलग अलग प्रॉब्लम है फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल का कोई मैकेनिज्म नहीं है तो उसका क्या करना है मल्टीकास्टिंग करने का कोई तरीका नहीं है आईपी के पास जो आजकल की बड़ी प्रॉब्लम है एक से ज्यादा लोगों को वीडियो कॉल करनी है ग्रुप कॉल करनी है ग्रुप मैसेजेस करने हैं उसका क्या करना है दूसरा स्टार्टिंग की बात करें तो कभी कभी तो जब हम किसी दूसरे से बात करते हैं है ना डेस्टिनेशन पे डिलीवरी कर रहे हैं उसका आईपी एड्रेस हमारे पास है बट वहां जब उस डेस्टिनेशन नेटवर्क में जाते हैं तो उसका लोकल एड्रेस भी चाहिए होता है उसको कैसे पता लगाए कभी कभी जब सिस्टम बूट होता है तो बूट होते वक्त आपको आपका लोकल एड्रेस आपको अपना मैक एड्रेस तो पता होता है आपको आईपी एड्रेस नहीं पता होता तो क्योंकि पहली बार बूट हुए हैं उस नेटवर्क में वो कैसे पता लगाए तो इनके लिए कुछ एडिशनल प्रोटोकॉल्स की हमें जरूरत पड़ती है ए आर पी आर ए आर पी आई सी और सब पे दो दो तीन तीन चार चार नंबर के शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकते हैं तो अगेन आई नॉट गोइंग टू डिटेल जाने की जरूरत भी नहीं है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको तो सबसे पहले बात करता हूं एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल की ए तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉब्लम क्या है जब भी हम किसी से बात करते हैं तो बोलने के लिए तो बोलते हैं उसका आईपी एड्रेस चाहिए है, है ना मान लीजिए हम हमें किसी को यूएस में किसी से बात करनी है हमें उसका एक बेसिक एड्रेस पता है लेकिन हमें मे भी उसका पासपोर्ट नंबर पता है पता है कि यूएस का सिटीजन हम यूएस पहुंच गए लेकिन एक बार यूएस में पहुंचे ना बाहर देख के दुबई में कोई देख के बताएगा हाँ यूएस चले जाओ आप पर यूएस के अंदर कहां जाना है एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग क्या है तो हम उसका मैक एड्रेस चाहिए और मैक एड्रेस हमारे पास होता नहीं है तो एआरपी पूरा मैकेनिज्म आपको बताता हूँ एआरपी हमें सपोर्ट करता है उसका मैक एड्रेस दिलाने में कैसे तो यहां आप क्या करते हैं जब भी मान लीजिए ये एक सिस्टम है ये सिस्टम ए है जो कि मान लेते हैं सिस्टम बी से बात करना चाहता है है ना और यहाँ पर सिस्टम एक हो तो अपना तो दोनों पता है तो उसको अपना एन वन और एल वन एन वन को क्या कह के बोला है एन वन इज द आई पी एड्रेस नेटवर्क मतलब ओवरऑल और एल वन जो लोकल मुझे दोनों एड्रेस पता है अब मैं क्या करूंगा मुझे ये तो पता है कि जो यू नो जिससे मुझे बात करनी है वो कौन से नेटवर्क में है क्योंकि आईपी है मेरे पास उसका उसका नेटवर्क आईडी है बट उस नेटवर्क के अंदर उसका लोकल एड्रेस क्या ये नहीं पता तो मैं क्या करता हूं मैं एक रिक्वेस्ट पैकेट बनाता हूं एआरपी का एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल और उस पूरे के पूरे नेटवर्क पे इसको उठा के मैं कर देता हूं ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट हर किसी को भेज दिया तो ये इसके पास भी आया इसके पास भी आया इसके पास भी आया लेकिन इस रिक्वेस्ट पैकेट में मैंने आईपी एड्रेस जरूर रखा है तो तीनों से तो आईपी मैच होगा नहीं किसी एक से आईपी मैच होगा जिससे मुझे बात करनी है मान लीजिए आईपी मैच हुआ सिस्टम सिस्टम बी बी से से समझ गया ये मेरे से बात करना चाह रहा है लेकिन मुझे लोकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा इसलिए इसने ब्रॉडकास्ट किया था अब ये सिस्टम बी क्या करेगा ये रिप्लाई करेगा रिप्लाई कैसे करेगा क्योंकि रिक्वेस्ट में सिस्टम ए ने अपने दोनों एड्रेस आईपी और लोकल दोनों एड्रेस रखा है तो मेरे पास है और रिप्लाई में ये अपना लिंक लेयर एड्रेस मैक एड्रेस या इथरनेट एड्रेस या लोकल एड्रेस भी इंक्लूड करेगा और जैसे सिस्टम में कोई पता लगेगा अब ये दोनों प्रॉपर आपस में बात कर पाएंगे सो so, ये एक छोटा सा मैकेनिज्म है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो कि क्या कर रहा है किसी ऐसे एड्रेस किसी ऐसे कंप्यूटर का लोकल एड्रेस पता लगाता है जिसका हमें सिर्फ आईपी एड्रेस पता है इतनी सी बात है डन अगला है आर ए आर पी रिवर्स एड्रेस्यूशन प्रोटोकॉल अब रिवर्स का क्या मतलब हुआ यहाँ यहां पर कोई तीसरा सिस्टम इन्वॉल्व ही नहीं है मैं वही वाला सिस्टम बोल रहा हूं जब आप पहली बार एक नया फोन आप ले लेके एक नया लैपटॉप ले लेके जब पहली बार नेटवर्क से आप कनेक्ट करते हैं किसी लैन में उसको लगाते हैं तो उसको अपना एड्रेस तो पता है जो उस सिस्टम के नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे इम्प्रिंटेड है वो तो बाई डिफॉल्ट होके आया है बट उसको अपना आईपी नहीं पता पहली बार इंटरनेट से कनेक्ट है ना तो उसे अपना आईपी कैसे पता लगेगा सो so, ये नेटवर्क लेयर के अंदर यू नो रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल है जो ये काम करता है कैसे करता है आगे एक छोटे से डायग्राम से बात समझेंगे मान लीजिए ये एक नया कंप्यूटर है जो नेटवर्क पे कनेक्ट हुआ है इसको इसका आईपी नहीं पता तो ये क्या करेगा ये एक पैकेट पैकेट रिक्वेस्ट उस सिस्टम में उस लैन पे जितने भी कंप्यूटर हर किसी को पूछेगा कि भाई ये मेरा है, क्या कोई मुझे बता सकता है उसका सर्वर की तरह बिहेव कर रहा होगा जिसके पास लिस्ट होगी किस मैक एड्रेस पे कौन सा आईपी है किस मैक एड्रेस पे कौन सा आईपी है जैसी वो रिक्वेस्ट पैकेट देखेगा वो कहेगा अच्छा ठीक है वो रिप्लाई करेगा आर ए आर पी के अंडर की भाई आपका आईपी एड्रेस

जो है वो फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल या जैसे बार बार बात कर चुके हैं बेस्ट एफर्ट डिलीवरी कोई गारंटी नहीं उसी तरह काम करता है आईसीएमपी सिर्फ रिपोर्टिंग करता है लेकिन रिपोर्टिंग से भी क्या होता है ना सही कारण पता लग जाता है कि प्रॉब्लम क्या है तो मैं यहां बहुत सारे केसेस लिखे हुए हैं कि अगर पैकेट नहीं पहुंच पा रहा प्रॉब्लम क्या है जब तक डायग्नोस नहीं करेंगे कैसे पता लगेगा आईसीएमपी उस बात की रिपोर्टिंग करता है और चीजों को आसान बना देता है तो क्या क्या अंडरस्टैंडिंग है कैसे काम करता है सीधे पॉइंट पे आता हूं बाकी पीपीटी में सब लिखा है यू कैन नोटेड डाउन आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल दो तरह के काम करता है एक वो काम करता है एरर रिपोर्टिंग और दूसरा वो काम करता है कुछ क्वेरीज कुछ तरह की क्वेरी भी वो हैंडल कर सकता है है ना तो पहले बात करता हूं एरर रिपोर्टिंग की कौन कौन सी एरर वैसे बहुत सारी तरह की एरर रिपोर्टिंग है बट ये चार पांच इंपॉर्टेंट एरर रिपोर्टिंग है जिनपे मैंने एग्जाम पे क्वेश्चन आते देखा है तो मैं सबसे पहला जो एरर रिपोर्टिंग वो ले लेता हूं अगेन टाइम एक्सीड ये इनका कोड भी है जैसे डेस्टिनेशन अनरीचेबल है टाइप थ्री एरर है टाइम एक्सीड है टाइम इलेवन है वैसे कोई पूछेगा नहीं बट इन जनरल टाइम एक्सीड अगेन आपको बताता है टीटीएल वाली कहानी तो जहां पर भी टाइम टू लिव एक्सपायर होता है एक एक कम होने के बाद जीरो हो जाता है राउटर क्या करता है पैकेट को डिस्कार्ड कर देता है अब यहां पर आईसीएमपी पिक्चर में आता है डिस्कार्ड कर दिया ठीक है वरना लेकिन पता कैसे लगेगा तो जैसे ही अब जैसे मान लीजिए ये सिस्टम है जिसने टाइम टू लिव वन बना के भेजा पहले राउटर में पकड़ा जाएगा राउटर इस पैकेट को डिस्कार्ड करेगा बट अगेन जैसे हमने पहला समझा था एक आईपीएम आईसीएमपी मैसेज बना के भेजेगा होस्ट को सर आपका सोर्स एड्रेस के नाम से पैकेट पकड़ा गया था टाइम टू लिव हुआ तो हमने डिस्कार्ड कर दिया आप देख लीजिएगा आपके हिसाब से अगर सब ठीक है तो ओके okay, अगर आप चाहते हैं आगे वो जा पाए तो टाइम टू लिव बढ़ा के भेजिएगा यहाँ पे वही दिखा गया कि शायद अगली बार उसने टू करा तो एक और राउटर पे पहुंचा थ्री किया तो एक और राउटर तक चला गया तो ये रिपोर्ट करना किसका काम हुआ आईसीएमपी का काम हुआ नेक्स्ट देखिए पैरामीटर प्रॉब्लम अगेन हेडर में प्रॉब्लम हो सकती है क्या हो सकती है सर क्योंकि बार बार चेकसम कैलकुलेट होगा रास्ते में करप्शन हो सकता है किसी राउटर के पास कोई पैकेट मिला जिसका चेकसम से मैच किया हेडर में प्रॉब्लम थी राउटर ने पैकेट को डिस्कार्ड किया पर रिपोर्ट कर दीजिए तो अब आईसीएमपी ये मैसेज लेके जाएगा सोर्स के पास कि सर ऐसे ऐसे आपका ये पकड़ा गया हेडर और इसका के अंदर चेकसम का इशू था हमने डिस्कार्ड कर दिया आप देख लीजिएगा क्या करना है ये कोई मैकेनिज्म नहीं है लेकिन रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग से बहुत फायदा हो सकता है कभी कभी ये वाला डेस्टिनेशन अनिचेबल कभी कभी हो सकता है जिस रास्ते से जा रहे हो रास्ता आगे मिले ना सारे लिंक फेलियर हो रहे हो भाई कोई भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वेनरेबल है ना फेलियर के लिए तो कैसे मैनेज करेंगे फेलियर हो सकता है तो अगर रास्ता नहीं मिले तो आप बताइए कि सर यहां से आगे कोई रास्ता नहीं मिल रहा एक आईसीएम मैसेज जनरेट करिए सोर्स के लिए किसी और रास्ते से ढूंढ के जाइए समथिंग लाइक दिस तो ये एक कहानी है रीडायरेक्शन कभी कभी हो सकता है कोई बेटर पाथ मिल रहा हो लेकिन बार बार मे बी वो स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग ऐसा कुछ करो कि पैकेट उधर से ही आ रहा हो तो आप इन्फॉर्म कर सकते हो आईसीएमपी मैसेज के थ्रू कि सर यू कैन चेंज योर पाथ दो तीन बातें ध्यान रखनी आईसीएमपी में अगर नो आईसीएमरल रिस्पॉन्सिबल डेटाग्राम करेंगे ना अब आईसीएमपी तो खुद अपने आप में कह रैसेज है रिपोर्टिंग है अगर आईसीएमपी की दुर्घटना हो गई तो ओके okay, उसके लिए एक और आईसीएमपी बनाएंगे फिर तो आईसीएमपी आईसीएमपी घूम रहे होंगे नहीं वरना ट्रैफिक इश्यूज हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन एक डेटाग्राम की अगर पचास फ्रेगमेंट है हर फ्रेगमेंट के लिए आईसीएमपी बनाएंगे नहीं अगेन अगेंदर विल बी ट्रैफिक इशू वो भी नहीं करेंगे विल बी जनरल मल्टीकास्टिंग अगर एक से ज्यादा मल्टीकास्टिंग कर रहे हैं एक जगह दुर्घटना हो उसी को रिपोर्ट करेंगे सबको नहीं करेंगे कॉमन सेंस बात है और ये तो

पहला है इको रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई इस बात का क्या मतलब है इको रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई मैसेज एंड विद आईपी डेटाग्राम असेंशियल डायग्नोस्टिक टूल एनेबलिंग नेटवर्क मैनेजर एंड यूजर टू तो पिन पॉइंट नेटवर्क इश्यूज कहानी लिख दी बेसिकली पॉइंट ये है आप एक मैसेज भेजेंगे इको है प्रतिध्वनि जो वापस आती है, वापस आती एंड देन वो रिप्लाई लेके आएगा तो कोई भी इशू है आप उसे रिपोर्ट करेंगे ICMP के थ्रू और उसका रिप्लाई आपको मिलेगा तो समझेगा जो भी डेटा वगैरह आपको एक्सचेंज करना कर सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम है तो उसको कॉमन बेसिस पर उठा के हम डायग्नोस करें डायग्नोस करें राउटर सोलिसिटेशन एंड एडवर्टाइजमेंट देखिए कोई भी राउटर है है ना नेटवर्क में बना हुआ है अगर राउटर कुछ समय तक बाकी राउटर से बात नहीं करे तो हम ये मान लेते हैं कि वो राउटर मर गया खत्म हो गया वो राउटर नहीं है तो यहां पर कुछ समय के बाद इस ICMP के थ्रू हर राउटर क्या कर सकता है एक मैसेज ब्रॉडकास्ट कर सकता है राउटर राउटर सॉलिसिटेशन का अदर जो उसको रिसीव करेंगे वो उसकी राउटिंग इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं और बहुत समय तक अगर ये मैसेज नहीं आता तो ये मान लेंगे कि फिलहाल वो राउटर नेटवर्क में नहीं है इस तरह की अंडरस्टैंडिंग है एड्रेस मास्क रिक्वेस्ट रिप्लाई अब ये खैर हमें मास्किंग का बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है ऐसा समझिए एड्रेस आईपी एड्रेस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं एक हम बोलते हैं नेटवर्क आईडी और एक हम बोलते हैं होस्ट आईडी। नेटवर्क आईडी हमें बताता है कि हम किस नेटवर्क में हैं और होस्ट आईडी बताता है उस नेटवर्क में हमारा क्या नंबर है आईपी देख के ये नहीं पता लगता कि नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी में क्या डिवीजन है तो कभी कभी ये एड्रेस मास्क एक चीज होती है जो आगे हम पढ़ेंगे हम ये पता करना चाहते हैं कि दरअसल में कौन से नेटवर्क का हिस्सा उस नेटवर्क में कितने कितने लोग हैं समथिंग लाइक दिस तो इस तरह की रिक्वेस्ट भी की जा सकती है राउटर को वो भी आप आईसीएम के थ्रू कर सकते हो एंड टाइम स्टम्पिंग की बात हम पहले भी कर चुके हैं करने के लिए मैं टाइम स्टैंप करूंगा आप रिप्लाई करके मुझे वापस भेजेंगे देखने के लिए दो राउटर में कितना डिस्टेंस है कितना समय लगता है अगर वो प्रोसेस कर रहा है तो उसका प्रोसेसिंग डिले क्या है वो सारी चीजें तो ये भी हम यहाँ पर काम कर रहे होते हैं दैट इज़ ऑल अबाउट ICMP. तो मैंने पूरा ट्री बता दिया कैटेगराइजेशन बता दिया दो दो चार चार लाइन आप लिख के आ सकते हो फिर भी मुझे लगता है इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी टारगेट है सेमेस्टर एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर लाना वो भी कम से कम एफर्ट के अंदर इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल IGMP अगेन जब आईपी बनाया गया तो हमें इतनी क्लैरिटी नहीं थी कि ये इतना हिट हो जाएगा इंटरनेट विल बी रूलिंग द वर्ल्ड और हमें एक टाइम पे एक से ज्यादा लोगों से बात करने की जरूरत पड़ेगी उन सारी प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करने के लिए हम मार्केट में लेके आई जो अनेबल करता है वन टू मैनी कम्युनिकेशन यस एक और, और बता दू ये मत मानिएगा कि ये सब उस तरह के अलग अलग प्रोटोकॉल है जो अलग अलग फ्लो करते हैं ये सब भी आईपी के अंदर बैठ के ही चलते हैं नेटवर्क लेयर का रूलर सिर्फ है कि आईपी ये सब सपोर्टिंग प्रोटोकॉल है ये ऐसा नहीं है कि आप बोलो आईपी से मेरा काम नहीं चल रहा मैं आईजीएमपी यूज कर लेता हूं आईजीएमपी विल ऑल्सो बी सिटिंग इन साइड द आईपी स yes, तो वीडियो ऑन डिमांड है या डिस्टेंस लर्निंग है मल्टीपल लोग एक टाइम पे आजकल कर रहे होते हैं ऑल ऑफ दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ आईजीएमपी इसके अलावा इसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा इसका हेडर स्ट्रक्चर क्या है नो बडी विल इन टू दैट उस पर कोई जरूरत नहीं है एक शॉर्ट नोट आप लिख सकते हैं देन नाउ फाइनली एड्रेसिंग तो अब इस चैप्टर में बात करेंगे पूरी एड्रेसिंग स्कीम की सबनेटिंग सुपरनेटिंग क्या होता है क्लासफुल एड्रेसिंग क्लासलेस एड्रेसिंग और वो सारे मैकेनिज्म जिन जिनपे हम काम करते हैं तो चलिए अभी बात करते हैं एड्रेसिंग स्कीम की तो आईपी वर्जन फोर इट्स अ बिट एड्रेस बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें है क्योंकि पूरा डेटाग्राम इन डिटेल में हम पढ़ चुके हैं तो थर्टी टूबिट से सी वाले जानते हैं कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे टू रेस टू पार थर्टी टू सो टोटल टू रेस टू पार थर्टी टू ये मोटा मोटा लगभग फोर बिलियन अच्छा बिलियन में हमें इंडियंस को समझ नहीं आता तो मान के चलो चार सो उनतीस करोड़ फोर्टी नाइन लैख सिक्सटी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड सिक्स एड्रेसेस ओवरऑल बनने वाले हैं अभी देखने में तो लगता है कि हाँ बहुत ज्यादा एड्रेस मजा ही आ गया इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी बट जस्ट टू यू नो सेप्टेम्बर 23 में दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 800 करोड़ 800 करोड़ ऑलरेडी हो चुके हैं और ये लगभग आधा नंबर है और एक आदमी को फ्यूचर में क्या एक आईपीएटर चाहिए सर कंप्यूटर है फोन है घर के गैजेट्स हैं पूरा आईओटी है सो ऑलरेडी ये जो नंबर है ये काफी कम हो गए हैं एंड दैट इज अ रीजन जो हमने एक छोटा सा डिस्कशन किया था कि वी हैव काइंड ऑफ ऑलरेडी स्विच टू आई वर्जन सिक्स और इन द प्रोसेस ऑफ स्विचिंग और वहां पे कोई कमी नहीं छोड़ी बिकॉज 32 से कुछ लोग को लगता है 32 के दुगना करना होगा तो 64 हो जाएगा ना टू की पावर 32 टू का दुगना टू की पावर 33 होता है एंड नाउ कैन यू इमेजिन ये चले गए हैं टू की पावर 128 पे सो दैट इज 3.4 पॉइंट फोर इंटू टेन रेस टू पावर हाउ मच टेन डेज टू पार थर्टी एट सो दिस इज एन अन इमेजिनेबली लार्ज नंबर जो हंड्रेड परसेंट वेर वेरी श्योर की यू you नो know, ये शादी कभी हमें कम पड़े अंडरस्टैंडिंग नाउ आईपी एड्रेस की बात करेंगे यूनिक एंड यूनिवर्सल ये दो पॉइंट भी पहले आपको याद दिला चुका हूं यूनिवर्सल मतलब हर किसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा इंटरनेट पे जो भी है इंटरनेट पे जो भी है उसके पास ये एड्रेस होगा वरना कनेक्शन पॉसिबल नहीं है यूनिक दो लोगों का आईपी एड्रेस कभी सेम नहीं हो सकता एक छोटा सा एक्सटेंशन आपको याद दिलाना है कि ये जो एड्रेस है ना आईपी एड्रेस ये दरअसल कनेक्शन का एड्रेस है इसकी बहुत से अच्छी एनोलॉजी होता है गाड़ी पे गाड़ी का जब आपने कभी इंश्योरेंस कराया हो बाइक है, है मोटरसाइकिल है स्कूटर है कार है किसी की मैं बात करूं तो इंजन का एक चेसिस नंबर होता है है ना इंश्योरेंस में वो ट्रेस होता है तो चेसिस नंबर इज लाइक अ इन फीचर वो पहले से आता है कंपनी का इज लाइक अ मैक एड्रेस वो कभी चेंज नहीं होता बट जो नंबर प्लेट है वो आर आपको इश्यू करता है कुछ लोग को लगता है कि इट्स लाइक अ वन टू वन मैप बट ऐसा नहीं है कभी कभी अगर आपने देखा हो कुछ लोग वीवीआईपी नंबर रखते हैं लाइक स्पेशल नंबर जीरो समथिंग लाइक दिस वो गाड़ी बेचते नंबर नहीं बेचते ऐसा भी किया जा सकता है नंबर जो दूसरा व्हीकल रखते हो उसके ऊपर वो नंबर करते हो या स्टेट चेंज करेंगे कोई यूपी से कर्नाटका जा रहा है लंबे समय रहने के लिए तो नंबर प्लेट चेंज हो जाती है तो जो आईपी एड्रेस है वो नंबर प्लेट की तरह वो चेंज हो सकता है आज मैं इंडिया में हूँ फॉर एक्जाम्पल मेरा आईपी एड्रेस अलग है अगर मैं कुछ समय के लिए यूएस जाता हूं तो मेरा आईपी एड्रेस अलग हो जाएगा सेम सिस्टम का लेकिन जो मैक एड्रेस है दैट द सेम तो ये एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग हो गई हाउ डू यू रिप्रेजेंट एन आईपी एड्रेस अभी थर्टी टू बिट का एड्रेस है एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं बाइनरी नोटेशन विच इज अ कॉमन सेंस आइडिया की बत्तीस बिट आठ आठ बिट के ऑक्टेट जैसे हम बोलते हैं एक एक बाइट चार बार आप लिख सकते हो विद अ डॉट इन बिटवीन अगेन कॉमन सेंस बात है कि एज फार एज सिस्टम सिस्टम को तो कोई इशू

इसको डायरेक्टली पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है तो ये एक अंडरस्टैंडिंग समझ आ गई कि दो तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के एग्जाम में कभी कभी इस पर बात की जा सकती है और डॉटेड डेसिमल आगे बढ़ते हैं क्लासफुल एड्रेसिंग अब एड्रेसिंग हमें दो चीज समझनी है पहले तो एड्रेस पूरा स्टेब्लिश कैसे होगा और उसको ढूंढेंगे कैसे राउटिंग में तो जो हमारा पूरा एड्रेस है पहले एक बेसिक बात समझिए उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं प्रीफिक्स एंड सफिक्स प्रीफिक्स इज नोन एज नेट आईडी एंड सफेक्स इज नोन एज होस्ट आईडी और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं दो बिट से दो बिट कम रह जाएगा दो बिट नहीं चार बिट तीन बिट ले लेता चलो बिल प्लेन बिटवीन तीन बिट से कितना कॉम्बिनेशन बनता है सर एट जीरो 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 एंड वन 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 है ना अब अगर मैं ऐसा बोल दू कि पहला बिट अलग रखो बाकी दो बिट अलग रखो तो होगा ये फर्स्ट हाफ वो नंबर है जिनका फर्स्ट बिट जीरो है एंड सेकंड हाफ वो नंबर है जिनका फर्स्ट बिट वन है तो कैन आई से मेरे पास दो नेटवर्क हैं पहला नेटवर्क जिसका नेटवर्क नंबर जीरो है दूसरा जिसका नेटवर्क नंबर वन है और ये पहले नेटवर्क के अंदर चार सिस्टम और ये दूसरे नेटवर्क के अंदर चार सिस्टम इवन इफ आई टेक दिस नंबर से इसका नेट आईडी आईडी और उसका होस्ट टू है यानी कि नेटवर्क नंबर नंबर में सिस्टम टू है ये नेटवर्क नंबर जीरो में सिस्टम नंबर वन नेटवर्क नंबर जीरो में सिस्टम नंबर थ्री ठीक उसी तरह से ये जो बत्तीस बिट का थर्टी टू बिट का एड्रेस उसे भी हम डिवाइड कर रहे हैं तो जो उसका फर्स्ट पार्ट है जो प्रिफिक्स है वो हम बताते हैं नेटवर्क आई क्या है ये कौन से नेटवर्क में मिलेगा जो सेकंड पार्ट है वो बताता होस्ट आईडी क्या है उस नेटवर्क में उसका क्या नंबर है पहले टेलीफोन नंबर में आजकल नहीं है होता था एसटीडी कोड होता था 001 इज द एसटीडी कोड ऑफ द दिल्ली ये बताता कि नंबर दिल्ली का है उसके बाद जो बताएगा दिल्ली में कहां है या कार के केस में पहले बता रहा है यूपी ये बता रहा है ये व्हीकल उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है फिर बता रहा है डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में फिर बता रहा हूँ कॉमन अंडरस्टैंडिंग यहां पर अब ये थोड़ा सा क्लासफुल एड्रेसिंग का मैकेनिज्म समझिए क्या दो तीन पॉइंट में लिख रहा हूं जब इंटरनेट लोगों ने बनाया ना टू रेस टू पार्ट थर्टी टू चार सौ करोड़ एड्रेस थे चार अकलमंद लोग बैठे कि यार इसको ऐसे नहीं छोड़ते इसको फ्री नहीं छोड़ते हम डिसाइड करेंगे कि कितने नेटवर्क होंगे और हर नेटवर्क का साइज क्या होगा इसको ऐसे समझो है इट्स लाइक अ सिटी प्लानिंग इट्स लाइक एक बहुत बड़ा देश हम बना रहे हैं अगर हम एक देश बनाए तो ऐसा बना के छोड़ देंगे क्या नहीं ऐसा उन लोगों का मानना था मेरा मानना छोड़ देना चाहिए धीरे धीरे खुद सेट हो जाती है वो उन्होंने क्या सोचा बड़े शहर कितने होंगे छोटे शहर लाइक क्लास ए सिटी मेट्रोपॉलिटन सिटीज कितने होंगे फिर छोटे कितने होंगे गांव कितने होंगे उनकी क्या कैपेसिटी होगी इंटरनेट बनाने वालों ने भी यही दिमाग लगाया तो उन्होंने क्या बोला टू रेस्ट टू पार थर्टी एड्रेस है ना हाँ हम उनको पांच क्लास में डिवाइड करेंगे उनको ए बी सी डी ई के नाम से जाना जाता है हालांकि मैं ये भी बता दू आजकल ये फॉलो करना हमने छोड़ दिया तो ऑलरेडी काइंड ऑफ व्हाट वी आर फॉलोइंग इज क्लासलेस एड्रेसिंग बट आपके सिलेबस में मुझे भी लगता है एक बार पहले समझना चाहिए क्या कंसेप्ट हुआ करता था और अब हम कहा आ गए है ना तो ये पांच क्लास है और पांच क्लास में डिवाइड किया आई थिंक जो सेकंड इमेज है वो बेटर आपको समझा पाएगी लुक एट दिस पांच क्लासेस में डिवाइड किया और कुछ कुछ स्पेस अलोकेट करते गए जैसे इससे बहुत अच्छा आप समझेंगे लगभग पूरे इंटरनेट का 50 परसेंट स्पेस क्लास ए को दे दिया गया था क्लास ए को बच्चे में जो 50 परसेंट था उसका 50 यानी कि 25 दिया बी को फिर बच्चे 25 का 50 के 12 दिया, आ, को डी और ई रोने लगे तो दोनों को बाद में बराबर बांट दिया तो पहली बात तो कुछ लोग को लगता है एबीसीडी e, बराबर बराबर बताओगे नहीं तो ये एग्जैक्ट परसेंटेज आपके सामने लिखी हुई किसके हिस्से में कितना आया अब ए वाले समझिए ए वाले कौन है इस डायग्राम से बहुत अच्छे से आप समझेंगे ए वाले बड़े शहर हैं क्यों क्योंकि देखो यहां पर जो नेटवर्क आईडी है वो बहुत छोटा है एट बिट का है होस्ट आईडी बहुत बड़ा है एट बिट में कितने कॉम्बिनेशन बना लोगे आप तो भी खैर हम समझेंगे बट एक बिट यहां भी रिजर्व हो जाती है है ना तो सेवन बिट मेरे पास बचती है सेवन बिट यानी कि टू एस टू पावर सेवन यानी कि वन तो क्लास ए के सिर्फ वन नेटवर्क हो सकते हैं यानी कि बड़े बड़े शहरों की बात की जा रही है हालांकि इसका सफिक्स बहुत बड़ा है टू रेस टू पावर ट्वेंटी फोर है ये लाइक अराउंड सिक्सटीन मिलियन एक सौ साठ एक करोड़ साठ लाख लगभग लगभग तो ये इतना बड़ा नेटवर्क होने वाला है जिसमें हर नेटवर्क के अंदर क्लास ए के वन हंड्रेड एंड सिक्स एक करोड़ साठ लाख वन करोड़ सिक्सटी लाख एड्रेसेस होने वाले हैं और डेट इज फिनोमिनली लार्ज इतने बड़े नेटवर्क का कोई क्या करेगा बट उस समय जिन्होंने बना उनको ऐसा लगा कि हम सही कर रहे हैं क्लास बी पे आ गए जहां पे आधा आधा डिवाइड किया तो ये बी क्लास सिटी हो गए है ना जहां पर अभी हम बात करेंगे लगभग 65,000 नेटवर्क एक क्लास के नोड्स एक क्लास के अंदर होंगे और लगभग सिक्सटी फाइव थाउजेंड ही क्लासेस होंगे दो बिट रिजर्व हो गया सी में बहुत ही छोटी क्लास कर दी गांव हो गया एक तरीके से जिसमें 200-250 आईपी आपको मिलेंगे और इनकी काउंटिंग बहुत बड़ी होगी और डी और ई स्टार्टिंग में पैसे ज्यादा थे तो बोला ये मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व है और ई की अगर बात करें तो हमने बोला कि ये रिजर्व है फ्यूचर पर्पज के लिए कई बुक में आपको लिखा मिलेगा इसको रिजर्व किया गया था मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए यू you नो know, इस तरह के केसेस में ये एक अंडरस्टैंडिंग है अच्छा इनमें आपस में भी डिवाइड होना है ये हर किसी के पास टू रेस्टू पर थर्टी टू नहीं है तो डिवाइड कैसे किया पहला ऑक्टेट आमतौर पे यूज किया जाता है समझने के लिए तो जैसे यहां पर आप देखेंगे रेंज आपको मिलेगी फर्स्ट बाइट से पहचाना जा सकता है जीरो से लेके वन ट्वेंटी सेवन अब एक बाइट में कितनी रेंज होती है सर जीरो से लेके 255 तक होती है ना टोटल 256 कॉम्बिनेशन बनेंगे 50% परसेंट स्पेस इसको दिया गया 128 से 91 गया बी के पास 192 से 223 गया सी के पास डी के पास 224 से 239 और थोड़ा पढ़ोगे तो याद हो जाएगा ये एंड ई e के पास 240 से 255 जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एक देखा था, था थोड़ी देर पहले कहा गया ये एड्रेस है ना वन पहला बाइट पढ़ना है अब बताओ यहां देख के समझ आता है क्या 172 इट्स अ क्लास बी एड्रेस अगर क्लास एड्रेसिंग की माने तो क्लास बी में पाया जाएगा इसी चीज को आप चाहो तो बाइनरी में भी देख सकते हो जीरो से 127 पहला बिट जीरो है अगर तो क्लास ए है पहले दो बिट वन जीरो है तो क्लास बी है पहले तीन बिट वन वन जीरो है सी है वन 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 जीरो है तो ई है, है, तो है अच्छा ऐसा भी नहीं मैं सर हटाना चाह रहा हूं हालांकि बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा इसको ऐसा समझिए दो हिस्सों में डिवाइड किया एक ने बोला पहला बिट जीरो रखूंगा दूसरे बोला पहला बिट वन रखूंगा तो ये बन गया क्लास ए अब वन तो पहले से सेट हो चुका है सबके से वन वाला आया एक ने कहा मैं पहला बिट जीरो रखूंगा दूसरे ने कहा मैं पहला बिट वन दूसरा बिट जीरो रखूंगा इसने कहा वन रखूंगा फर्दर डिवाइड ही होगा ये बन गया क्लास भी अब इन बिचारों के पास आया ही वो जिनके पास डबल वन इन्होंने फर्दर किया आधो ने कहा हम जीरो रखेंगे फिर उसने कहा हम वन रखेंगे ये बन गया क्लास सी वन वन जीरो है ना और ये इनके पास ट्रिपल वन आ ही चुके थे एक ने बोला मैं जीरो एक ने बोला वन रखूंगा तो ये बना डी और ई तो इस तरह से पूरा डिविजन हुआ इस तरह से आपको रेंज जी याद रखनी है इस तरह से आप बिट्स देख के या डेसिमल वैल्यू देख के पहचान सकते हैं कि एड्रेस कौन सी क्लास का है अब मैं क्लास बाय क्लास जाऊंगा और एक-एक क्लास को डीकोड करेंगे है ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास ए की बात करते हैं तो ये तो हम समझ गए क्लास ए की बात करें नेट आईडी 8 बिट का

214 करोड़ 74 लाख 83,648 ये प्रैक्टिकल एड्रेसेस आए क्लास ए के हिस्से में बट इसमें भी कुछ सेंक्शन लगेंगे अभी क्या वैसे आ, एक बिट क्योंकि रिजर्व है आठ में से तो टू की पावर सेवन यानी कि टोटल नेटवर्क बने क्लास ए के 128 बट यहां पे दो हमारे पास रिजर्व हो जाते हैं दो हम यूज नहीं करते क्यों जो पहला एड्रेस होगा जीरो

127 जा रहा जो प्रैक्टिकल रेंज क्लास ए को मिलती है वो मिलती है 1 से लेके 126 तक तो टोटल तो कितने नेटवर्क हुए इस तरह के क्लास ए के 126 अब होस्ट की बात कर लेते हैं होस्ट के पास कितनी बिट है 24 तो टू रेस टू पार्ट 24 कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे टोटल तो जितने बनेंगे उसमें से दो और माइनस कर लीजिए हर किसी के अंदर दो क्यों अगेन बाद में समझेंगे कि होस्ट आईडी में आपका जो भी नंबर है होस्ट आईडी का जो ऑल जीरो होता है नेटवर्क आई डी जो राउटर होता है उसको एक आई डी देनी पड़ती नेटवर्क की आई डी तो ऑल जीरो हम रिजर्व रखते हैं जो ऑल वन होता है यह भी आगे देखेंगे दैट इज रिजर्व फॉर ब्रॉडकास्टिंग पर्पजेज ये भी रिजर्व होता है तो हर क्लास के अंदर इसको ऐसा समझिए क्लास ए में बने एक सौ छब्बीस शहर है ना जो बड़े बड़े शहर है हर शहर के अंदर लगभग वन करोड़ सिक्सटी सेवन लैख यू नो कनेक्शन है बट दो कनेक्शन हम मांग रहे हैं कि ये पेनल्टी लगेगी पहला कनेक्शन पूरे नेटवर्क की आईडी बनेगा और आखिरी कनेक्शन ब्रॉडकास्टिंग में काम आएगा तो इतने बड़े में सर दो हटा लूंगा तो मुझे लगता है यहां पे किसी को कोई एतराज होगा तो वही बता रहा हूं नेटवर्क गाइड एंड ब्रॉडकास्टिंग और अब सोचिए ढूंढना तो मुश्किल है फिर भी मैंने सोचा तो मे बी शायद इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत हो ही मानना पड़ेगा कि जिन्होंने डिवाइड किया कोई बहुत अच्छा डिवीजन नहीं था कोई प्रैक्टिकल लॉजिक समझ आया नहीं अब आ जाता है क्लास बी के पास इन्होंने सोलह सोलह डिवाइड किया लेकिन 16 में जो नेटवर्क आई की बात करें देखिए पहले दो बिट तो रिजर्व हो गए तो प्रैक्टिकली मेरे को कितना मिला सर मेरे को मिला वन टू प्रैक्टिकली मेरे को कितना मिला टू रेस टू पार फोर्टीन मिलेगा कम टू दैट रेंज पहले मैं क्लियर कर दू पहली दो बेट वन जीरो और डेसिमल में वन ट्वेंटी एट से वन नाइन्टी वन अभी इधर आ जाते हैं यहां पर क्योंकि पहली दो बेट रिजर्व तो टोटल स्पेस कितना मिला टू की पार थर्टी होस्ट आईडी में नेट आईडी में सॉरी नेट आईडी में वैसे पार 16 था, लेकिन दो बिट तो पार्सटी इस इस है मिलेगा, इसका मतलब क्लास बी के जो मिडिल क्लास सिटीज है सोलह हजार नेटवर्क आप ऐसे बना सकते हैं हर नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट होंगे फिर वही होस्ट आई डी भी सोलह बीट का टूकी पार्सटीन तो की पार्सटीन का करेंगे तो ये बनेगा अगेन वैसे तो बनेगा सिक्सटीन थाउजेंड चाहिए वो फोर्टीन था सिक्सटीन बनेगा सिक्स बनेगा बट दो यहां से माइनस करेंगे तो नेटवर्क चाहे कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो दो बिट हमेशा नेटवर्क सॉरी होस्ट से होस्ट आईडी कितनी बड़ी कितना छोटी हो एक जो नेटवर्क है उसमें पहला और आखिरी एड्रेस हम कभी अलोकेट नहीं करते जैसे जैसे आगे जाएंगे आप समझोगे पहला नेटवर्क आई के लिए और आखिरी ब्रॉडकास्टिंग के लिए तो जो मीडियम साइज इंडस्ट्रीज है स्टिल वैसे सिक्सटी फाइव थाउजेंड आई पीज ऑफ आईपी लेकिन मिड लेवल

लाख फिफ्टी थ्री करोड़ सिक्सटी एट थाउजेंड सेवेंटी थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेल्व टोटल मिला आ स्पेस इस इसको तो अब क्लास सी की बात करेंगे तो नेटवर्क आई तो बहुत छोटा सा बचा क्यों क्योंकि आठ था और आठ में से सॉरी नेटवर्क टोटल कितने बनेंगे नेटवर्क बहुत ज्यादा बनेंगे टोटल थर्टी टू में से इमेजिन करिए ना चौबीस बिट इधर के गया इधर बचा तीन रिजर्व हो गया तो ये कितना बिट बचा ट्वेंटी वन तो इसका मतलब लगभग ट्वेंटी लाख नाइनटी सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड फिफ्टी टू शहर बने गांव मान लीजिए बीस लाख गांव बनेंगे छोटे छोटे हर एक के अंदर होस्ट आईडी टू की पार एट कितना होगा टू फिफ्टी सिक्स बट दो मैं हमेशा माइनस करूंगा तो टू फिफ्टी फोर प्रैक्टिकल आपको होस्ट किसी भी क्लास सी में मिलेंगे क्लास डी और ई e की अगर बात करें तो क्या इनको हम डिवाइड करते हैं होस्ट आई डी नेटवर्क आईडी में नहीं इसमें वो लॉजिक नहीं है तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं बाइनरी में वन 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 जीरो डेसिमल में 224 से 239 थर्टी नाइन यहाँ पर आप देखेंगे टोटल चार बिट क्योंकि रिजर्व हो चुके हैं तो टू की पार्ट ट्वेंटी ये भी बड़ा नंबर है है ना तो 26 करोड़ से 84 लाख 35,456 थर्टी रिजर्व है मल्टीकास्टिंग के लिए अब ये कितनी प्रैक्टिकल बात है कितने यूज होंगे क्या होंगे अपने को नहीं पता है लास्ट वन इज क्लास ई इसका भी पूरा डेटा सेम है कोड आप देख सकते हैं फोर टाइम्स कहानी थी क्लासफुल एड्रेसिंग की काउंट पूछ लेगा रेंज पूछ लेगा थोड़ा एक बार रिपीट करके देखेंगे अगर कुछ कंफ्यूजन रहा भी होगा तो मेरे ख्याल से क्लियर आपका हो जाएगा आ, अब हमें क्या क्या समझ आया तो कुछ जनरल पॉइंट्स हैं ये कोई खास अच्छा लॉजिक तो है नहीं है ना जिस तरह से उन्होंने क्लास ए कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई है ना एक करोड़ साठ लाख या सत्तर लाख आईपीस किसको चाहिए क्लासिक कुछ ज्यादा ही छोटी हो गई दो सौ ढाई सौ में किसी का काम चलेगा नहीं और डिफरेंस भी बिट का है, सोचो अगर कोई बोल रहा है मेरे को हजार चाहिए तो हम बोल रहे हजार तो मिलेगा नहीं या तो दो सौ पचास लो या तो सीधे सिक्सटी फाइव थाउजेंड लो बीच का कोई सिस्टम नहीं है ना दैट देट मेक सेंस की अच्छा या तो सिक्सटी फाइव थाउजेंड लो या तो वन करोड़ सिक्सटी लाख लो

तो जैसे हमने आईपी में समझा जैसे हमने डेटा लिंक लेयर में समझा जब एक सेंडर एक रिसीवर हो इट्स अ टू मैप तो इसको क्या बोलते हैं यूनिकास्टिंग ये तो करती है डिफॉल्ट में इसमें कोई सीखने की बात नहीं ब्रॉडकास्टिंग इज इंपॉर्टेंट और ब्रॉडकास्टिंग को यहां दो क्लास में कैटेगराइज किया है दैट इज लिमिटेड ब्रॉडकास्ट और डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट ऐसा क्यों करना पड़ा क्या कहानी समझिए पहले ऐसा सोचो क्या इंटरनेट पे आप कुछ ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं ऐसा ब्रॉडकास्ट का तो मतलब होता है वन टू एवरी वन नॉट वन टू मैनी वन टू एवरी वन लेकिन जब इंटरनेट बनाया तो हो सकता है बनाने वालों को ये समझा हो कि बाद में बहुत सारे लोग होते हैं ना फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे गुड इवनिंग फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स चाय पियोगे पकोड़े खाओगे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स गुड इवनिंग वो वाली कहानी तो ये तो ये को तहलका बना के रखते हैं ओवरऑल इंटरनेट पर अलाव करेंगे तो रिस्की है तो क्या इंटरनेट पे कोई मैसेज आप ऐसा भेज सकते हो जो पूरी दुनिया को ब्रॉडकास्ट हो जाए कि वह हु नेट सबको मैसेज मिलेगा नहीं दैट इज टू रिस्की तो यहाँ पर दो ऑप्शन है एक ऑप्शन क्या है इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क ये तो आप समझते हैं बहुत सारे नेटवर्क हैं जो अलग अलग तरीके आपस में कनेक्टेड हैं अगर आप अपने जिस नेटवर्क में आप है अगर उसी नेटवर्क के पूरे के पूरे जितने भी नोड्स वहां पर हैं जितने कंप्यूटर हैं अगर उन सबको ब्रॉडकास्ट करना चाहते तो अलाउड है ज लिमिटेड ब्रॉडकास्ट क्योंकि वही लोकली आप ऐसा कर रहे हैं आप ये कहते हैं कि नहीं मैं पूरे इंटरनेट पे नहीं करूंगा लेकिन मुझे किसी दूसरे नेटवर्क के सारे के सारे स्टेशन पे तो ब्रॉडकास्ट करने दो तो, जो एआरपी करता था आपको याद हो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल ये भी अलाउड है एंड दैट इज नोन एज डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट और डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट वेलकम टू दिस पहला क्या है लिमिटेड ब्रॉडकास्ट जिसका मतलब है मैं जहां पर हूं, वहां पर मैं पर पर सबको भेजना चाहता हूं अच्छा, जब आप अपने ही लोकल नेटवर्क में प्रैक्टिकली यू डोंट नीड एन आईपी एड्रेस आईपी एड्रेस कब चाहिए होता है जब इंटरनेट में किसी दूसरे नेटवर्क में जाना लोकल नेटवर्क में तो डेटा लिंक लेर भी काम करता है और एड्रेस आपको चाहिए नहीं क्योंकि आपको सबसे बात करनी है तो डेस्टिनेशन एड्रेस क्या रखे यू पुट ऑल वन देर सारे वन रख लो उठा के सारे वन रखोगे तो हम समझ जाएंगे कि ठीक है आपको कहीं नहीं जाना अपने ही नेटवर्क के हर नोड को आपसे बात करनी है एंड दैट इज अ रीजन तो यहाँ पे सोचो ना नेट आई डी होस्ट आई सारे वन हो गए इसलिए मैं बोल रहा था कि वो एड्रेस जिसमें ऑल वन होंगे दैट इज इज ब्रॉडकास्टिंग सो दिस इज आइडिया सो वट यू कैन डू डेस्टिनेशन में टू फिफ्टी फाइव टू फिफ्टी फाइव टू फिफ्टी फाइव टू फिफ्टी फाइव सेट कर दो और ये कहानी आपकी हो जाएगी लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग की डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ओवरऑल इंटरनेट पे नहीं लेकिन हाँ किसी नेटवर्क के सारे स्टेशन पे भेजा जा सकता है एंड दैट आइडिया इज नोन एज डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट है ना अब इसकी कहानी बस इतनी सी है कि आपको क्लास ए से नेटवर्क ए से नेटवर्क बी तो ढूंढना पड़ेगा ना बी के अंदर किसको भेजना वो टेंशन नहीं है तो वट यू कैन डू इज कि टोटल जो जो एड्रेस है है नेट आईडी वो आप प्रॉपर लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है जो होस्ट आईडी है वहां पर यू पुट ऑल वन कॉमन सेंस तो नेटवर्क तक पहुंच जाएगा उस नेटवर्क के अंदर अंदर हमें कहीं भी कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं होगी ये आईडिया घर काम करेगा एंड दैट इज नॉन एज डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट तो मेरे ख्याल से ब्रॉडकास्टिंग की कैटेगरी समझ गया मल्टीकास्ट ज अ फिल्टर्ड ब्रॉडकास्ट वेयर वी से वन टू मैनी बट नॉट वन टू एवरी वन है ना जैसे कोई पेड सर्विस है यूट्यूब प्रीमियम है या जैसे नेटफ्लिक्सॉन प्राइम इन सब पे आप पे करते हैं और कुछ स्पेशल मूवीज uh, आप रेंट कर सकते हैं परचेज कर सकते हैं सबको सेम चीज नहीं मिलना चाहिए तो उस तरह के केस में आप मल्टी यूज कर सकते हो जहां पर यू कैन मेक अ ग्रुप और समथिंग और सिर्फ उन्ही लोगों से हम बात करेंगे है ना तो ये कहानी कहलाती है की नाउ सबनेटिंग क्या है तो पहले एक बात समझिए अभी भी हम क्लासफुल एड्रेसिंग के अंदर ही हैं बहुत समय क्लासफुल एड्रेसिंग चली और समय के साथ उसमें कुछ कुछ चेंजेस हुए तो लोगों ने एक चीज तो समझे कि यार बहुत बड़े नेटवर्क को पहले सिंपल बात करता हूं एक बहुत बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करना सबनेटिंग कहलाता है अब ये क्यों किया गया पहले उसका कारण जान लेते हैं तो एक सिंपल सा कारण मैं बोलता हूं नेटवर्क इतना बड़ा है क्लास में कोई एड्रेसेस बहुत डिफिकल्ट इसलिए हम सब नेटिंग करेंगे नेटवर्क्स को डिवाइड करेंगे एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है कंपनी बिजनेस तो के परस्पेक्टिव से देर आर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और कभी कभी इंफॉर्मेशन बहुत क्लासिफाइड भी हो सकती है तो हम एक कंपनी के अंदर अलग अलग सबनेटवर्क बनाएंगे बेस्ड ऑन द डिपार्टमेंट मे बी यू नो डिपार्टमेंट फॉर मार्केटिंग डेवलपमेंट हेल्प डेस्क सेटअप सेंटर समथिंग लाइक दिस एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है

सुपर नेटिंग इतने काम का नहीं है बट सबनेटिंग बहुत काम का है तो इस वजह से लोग सबनेटिंग करते हैं और सबनेटिंग की गई है बहुत समय तक एडवांटेज uh, आप समझ गए uh, कि क्या क्या डिसएडवांटेज है सिक्योरिटी इंप्रूव हो जाएगी बिकॉज आप सबनेट के हिसाब से काम कर सकते हैं मेंटेनेंस एडमिनिस्ट्रेशन आसान होगा कुछ डिफिकल्टीज हो सकती है जब आप नेटवर्क के अंदर आते हैं पैकेट लेके तो आपको समझ आता है यहां तो सबनेटिंग किधर जाना है तो राउटर्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ब्रॉडकास्टिंग करना मुश्किल हो जाएगा बिकॉज जब आप ब्रॉडकास्टिंग करेंगे अब हम आपको हर एक सबनेट पर ब्रॉडकास्ट नहीं करने देंगे इन साइड दट सबनेट इन साइड दैट नेटवर्क जो जो सबनेट बने उसमें से किसी एक को आपको चूज करना पड़ेगा तो उसमें भी कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज है बट इंपॉर्टेंट है अच्छा सबनेटिंग के दो टाइप है फिक्स I mean तो कि जो सबनेट हम बना रहे हैं उसके हम तीन हिस्से कर रहे हैं समथिंग लाइक दिस और बोल रहे हैं कि 50 परसेंट एक जगह दो और बाकी दो को आधा आधा ट्वेंटी फाइव दो समथिंग लाइक दिस इसको क्या बोलते हैं वेरिएबल तो दोनों टाइप हो सकते हैं एग्जाम्पल से बात करूंगा आपको समझ आएगा आ, अगर फिक्स की बात करें फ्यू पॉइंट्स बट सिंपल है टाइम कम लगाना है आप लोगों का तो यहां देखिए क्वेश्चन के सॉल्व करके मैंने रख दिया मेरे पास एक एड्रेस है टू हंड्रेड वन डॉट टू डॉट जीरो टू हंड्रेड आपको समझ आना चाहिए कि यार टू हंड्रेड टू हंड्रेड याद दिलाऊं या दिलाऊस क्लास सी एड्रेस बिकॉज़ से टू ट्वेंटी है क्लास सी का एड्रेस है क्लास सी का अगर एड्रेस है तो कितने टोटल इसके पास होंगे टू फिफ्टी सिक्स होंगे हमें इसके दो बराबर टुकड़े करने हैं अब यहां देखिए क्लास सी का है तो पहले जो तीन ऑक्टेट है वो तो नेटवर्क आईडी है मैंने उनको टच भी नहीं किया नहीं किया ना कोई दिक्कत नहीं अब मुझे डिवाइड करना है अगर टोटल रेंज मेरे पास वन से लेके टू फिफ्टी फाइव हाउस तक है तो कॉमन सेंस क्या होगा भाई एक काम करो पहले वाले को वन से लेके वन ट्वेंटी सेवन तक दे दो दूसरे वाले को 128 से 255 तक दे दो कॉमन सेंस बात है देखो वो ही यहां पर किया है क्या किया यहां पे पहला बिट जीरो रिजर्व कर दिया नेटवर्क आईडी में ताकि इन सब में पहला बिट जीरो ही रहेगा यहां पर ध्यान से देखेंगे तो पहला बिट आपको वन मिल गया यस अब टोटल रेंज अगर आप देखेंगे तो टोटल रेंज में अगर मैं यहाँ पे ऑल वन रख दूंगा ऑल वन रख दूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस क्योंकि पहला बिट जीरो no, 24 बिट तो पहले से थे अगर ये बिट भी हो तो आप, आपका आप जनरेट कर सकते हो तो टोटल नंबर ऑफ एड्रेस कितने हो गए कितना पहले यहां देखो जीरो से लेके वन तक 128 से लेके 255 तक एक्चुअल एड्रेस कितने मिलेंगे याद रखना सर एड्रेस दो कम हो जाते हैं तो दो कम हो गए तो रियलिटी में मिलेंगे अलोकेटेबल एड्रेस 126 इसको मिलेगा 126 तो जो अलोकेटेबल रेंज है वो जीरो से 127 ना जाके वो जाएगी वन से 126 वो 128 से 255 ना जाके वो जाएगी 129 से 254 है ना तो सारा अंडरस्टैंडिंग हमने कर लिया नेट आईडी अब हो जाएगा ट्वेंटी पहले क्या था पहले था चौबीस और आठ क्योंकि सब नेटिंग की गई तो एक बिट ट्रांसफर हो गई अभी हो जाएगा ट्वेंटी फाइव और सेवन अगर वो सेवन बिट ऑल वन कर दोगे दैट विल बिकम द नेटवर्क डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट सर्टर यहां ऑल वन कर दोगे दैट विल बिकम द डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट सर्टर फॉर सेकंड नेटवर्क तो ये एक कहानी है अब मैं इसको आप दो मिनट वीडियो रख के देख सकते हैं मैंने सारा वही काम किया बट इस बार चार हिस्से कर दिए तो आप जल्दी से देखेंगे जीरो से लेके सिक्सटी थ्री तक इधर आया सबनेटिंग में एक एग्जांपल भी बना देंगे दो का तो भी पेपर में आपका काम हो जाएगा इतना सब लिख देंगे तो टीचर खुशी से नाचने लगेगा सिक्सटी फोर से वन ट्वेंटी सेवन इन भाई के हिस्से में आया वन ट्वेंटी एट से वन नाइनटी वन एंड वन नाइनटी टू से टू फिफ्टी फाइव ये दोनों जो एग्जाम्पल हम यहां देख रहे हैं दोनों किसके एग्जाम्पल है जब हम बराबर साइज में डिवाइड कर रहे हैं फिक्सड सबनेटिंग कर रहे हैं एक आइडिया हो सकता है का ये एग्जाम्पल देखिए सेम एड्रेस कर रहा हूं यहाँ पर क्या किया जो पहला रेंज है, 25%, 25%. तो है जीरो से लेके 127 तक लेकिन यहां पर ये 128 से 191 और ये भाई साहब कहा गए लुक दिस ये गया 192 से 255 तो इनको बराबर बराबर बांट दिया बाकी मैंने सारा डेटा यहां पर लिख के रखा है एक चीज नोटिस करने वाली क्या है ओरिजिनली था ट्वेंटी फोर और एट नेट आई डी होस्ट आई डी इसके लिए हो जाएगा ट्वेंटी फाइव और सेवन है ना एक लेकिन इन दोनों के लिए होगा ट्वेंटी सिक्स एंड सिक्स

ये, सबनेट मास्क की बात करता हूं अगर हम सबनेटिंग सुपरनेटिंग कुछ नहीं कर रहे और मैंने कोई एड्रेस लिखा रेंडमली वन फोर्टी डॉट वन फोर्टी आप देखते ही पहचान गए कि ये तो क्लास बी का एड्रेस है मैंने लिखा टू हंड्रेड वन समथिंग समथिंग आप देखते ही पहचान गए क्लास सी का एड्रेस क्लास सी का एड्रेस है तो टोटल कितने स्टेशन होंगे लेकिन अगर आपने सबनेटिंग करी तो मुझे कैसे पता लगेगा अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया कांसेप्ट लेके आते हैं मास्क अगर सबसे साधारण भाषा में कहूं मास्क का मतलब क्या है इट्स अ सीक्वेंस ऑफ वंस फॉलोड बाय जीरो इन 32 बिट जिसमें नंबर ऑफ वंस रिप्रेजेंट करते हैं नेटवर्क आईडी और जीरो रिप्रेजेंट करते हैं होस्ट आईडी इससे हमें काउंट पता लग जाता है तो बाय डिफॉल्ट दिस इज द सबनेट मास्क फॉर क्लास ए क्योंकि 255 मींस ऑल वन क्लास ए में फर्स्ट ऑक्टेट ऑल वन होता है क्लास बी में पहले दो ऑक्टेट ऑल वन होता है क्लास सी में पहले तीन ऑक्टेट ऑल वन होते हैं वो ही सारा मैकेनिज्म यहां पर बस दिखाने की समझाने की कोशिश की जाती है अब अगर मैं सबनेटिंग करूंगा मान लीजिए यहां देखिए इसको कैसे लिखेंगे मास के अंदर आ, किया ना पहले वाला केस हमने ये किया पहले वाला केस तो इसका मास कैसे लिखू क्लास सी है ना तो टू 255, 255 ये तो पहले से था एक बिट और ट्रांसफर हो गई तो एक वन और नेट आईडी के हिस्से में चला गया वन फॉलोड बाय जीरो सो इसका सबनेट मास्क हो गया 128 फॉलो कर पा रहे हैं तो सबनेट मास्क आ, सबनेटिंग के बाद आपको ये पहचानने में मदद करता है कि सबनेटिंग की गई है कि नहीं है ना तो ये एक आइडिया यहां पर क्लियर हो गया नाउ वी हैव दिस आइडिया ऑफ एड्रेस डिप्लीशन तो मैं और बुराई कर रहा था तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम इसने कर दी क्लासफुल एड्रेसिंग में सबनेटिंग लोगों को करनी पड़ रही है हर बार दो दो एड्रेस वेस्ट हो रहे हैं किसने कहा यार बहुत हो गया हम क्लासिंग मानते ही नहीं हम नहीं मानते कि इतना चाहिए लेना पड़ेगा 65,000 नहीं तो सीधे 1 करोड़ 60 लाख लेना पड़ेगा हम इस तरह से नहीं मानते क्योंकि बहुत सारे एट्रेस वेस्ट हो जा रहे हैं क्लास ई e की आपने बात ही नहीं क्लास एफ की आपने बात इ e की सॉरी ई e की बात नहीं की डी में मल्टीकास्टिंग है हम इस पूरे को कंसिडर नहीं कर रहे एंड नाउ विल नाउल आइडिया कॉल्ड क्लासलेस एड्रेसिंग यहां पर सबनेट सुपरनेट का कंसेप्ट नहीं यहां पर कंसेप्ट आ जाता है ब्लॉक्स का आपको जितना है सचिए ब्लॉक ले लेंगे बट हाँ एक बात यहां भी लागू है लेंगे टू की पावर में कोई आके बोले मेरे को फिफ्टी चाहिए मेरे को फोर्टी एट चाहिए वो सी एस आई टी में नहीं मिलेगा सर थर्टी टू मिलेगा सिक्सटी फोर मिलेगा वन ट्वेंटी एट मिलेगा टू फिफ्टी लाइक दिस यू कैन मैनेज है ना अब ये काम करेगा कैसे इसमें कैसे पता लगेगा कौन कौन सी क्लास का है ब्लॉक का साइज क्या है तो अगेन बात सेम ही है जो पहले हम मास्क वाली बात करते थे यहां उसे और आसान तरीके से कर देते क्या तो मैं कह रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल अगेन लिखा है टू हंड्रेड टू हंड्रेड वन टू हंड्रेड टू लेटमी से टू हंड्रेड थ्री ऐसा लिखा है अब आप पूछोगे सर मास्क बता दीजिए एक बार ना ताकि पता लगे कि अगर क्लास सी का भी है तो क्या सबनेटिंग क्या सुपरनेटिंग मैं कहता हूं मैं दोबारा से वन 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 धीरे धीरे लिखूंग काम करता हूँ ना ब्लॉक लगा के यही पे बता देता हूँ कि नेटवर्क का लेंथ क्या लेटमी से नेटवर्क का लेंथ लिख देता हूं ट्वेंटी सिक्स अब आप समझ गए कि एड्रेस तो एक क्लास सी का है मतलब टेक्निकली इसके पास होने तो 256 फिफ्टी सिक्स नोट चाहिए टू फिफ्टी सिक्स होस्ट होने चाहिए बट क्योंकि आपने ट्वेंटी इसका मतलब नेटवर्क आई डी दो बिट एक्सटेंड हो गया और दो बिट अगर एक्सटेंड हुआ है तो वो चार गुना कम हुआ होगा है ना तो ये इसका मतलब है कि नॉट टू फिफ्टी सिक्स एक्चुअली जो हिस्से में आया है वो सिक्सटी फोर आया होगा तो ये एक नोटेशन है जिसको बोलते हैं क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग या सी आई डी आर नोटेशन जिसमें इस तरह से एड्रेस रिप्रेजेंट किए जाते हैं मैंने क्या किया इस नोटेशन के साथ आप बाकी सारा मैकेनिज्म कर सकते हो अगर ये लिखा हुआ है तो मैं आपसे पूछूं बताओ इस नेटवर्क में कितने एड्रेस है यहां देखिए मैंने स्टैंडर्ड केस में लिख लिया है है अगर इस तरह से एड्रेस एड्रेस लिखा है, टोटल कितने है? सर सेन को माइनस कर लीजिए तो यहां पर अगर टू की पावर थर्टी टू से माइनस इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा टू की पावर थर्टी टू से टू की पावर सिक्स जो मैं आपसे बोल रहा था सिक्सटी फोर फॉर्मूला बाजी करके थोड़ा सा आसानी से आप समझ सकते हो वैसे मुझे तो लगता है कॉमन सेंस से डायरेक्ट भी समझ आता है अगेन जितनी बिट ये बोल रहा है एन अगर लास्ट की स्टार्टिंग की एन छोड़ दीजिए अगर लास्ट की सारी बिट जीरो कर देंगे तो ये बन जाएगा नेटवर्क आईडी अगर लास्ट की सारी बिट वन कर देंगे तो ये बन जाएगा होस्ट आईडी वही पूरी कहानी है एग्जांपल देखिए यहां पर क्या बोल रहा है ये एक एड्रेस हमारे पास है और 27 यहाँ पे ऑब्लिक लगा के मास्क की लेंथ बता दी इसने बोल रहा बताओ कितने नेटवर्क कितने यहाँ पे स्टेशन होंगे तो वही बात 27 का मतलब है कि स्टार्टिंग के 27 तो मैं टच नहीं कर सकता ये तो नेटवर्क आईडी है बचा 32 में से 27 गया पांच बिट बचे पांच बिट से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे टू की पार फाइव थर्टी एड्रेसेस है आपके पास वो पूछेगा अच्छा मुझे बताओ मेरा नेटवर्क आई होस्ट आई क्या है फिर वही कॉमन सेंस जब सारे के सारा जीरो रखोगे तो क्या बनेगा नेटवर्क आईडी बन जाएगा ये शूट ऑफ टोटल 64 बन रहा है और सारे का सारा वन रखोगे तो ये फाइनल जैसे बोलते हैं डायरेक्टिंग प्रोडक्ट का सेटर्स बन जाएगा तो समझा जा सकता है ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक में टोटल रेंज है 64 से लेकर 95 जिसमें एलोकेटिबल रेंज है 65 से लेकर 94 क्योंकि पहला और आखिरी एड्रेस रिजर्वड है तो बाकी पूरी कहानी सेम है बस इस के थ्रू ये जो क्लासिंग वाला कंसेप्ट नेटवर्क का साइज क्या है यस yes, यहां पर <laughs> बुक में जैसा लिखा मिलता है कैलकुलेशन तो डायरेक्ट हो सकती है पर मैंने एक स्लाइड फिर भी ऐड कर दी बुक में जैसे लिखते हैं कि कैसे पता लगाएं तो क्या कह रहे हैं नॉट ऑफ मास्क मास्क है ऑल वंस फॉलोड बाई ऑल जीरो जब इसे नॉट करोगे तो ये इट्स लाइक टेकिंग वंस कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा ऑल जीरो ऑल वंस और प्लस वन करेंगे तो भी नंबर ऑफ एड्रेस ये मेथड से आप निकाल सकते हो दो तो इस इज नॉट एडवाइजेबल डायरेक्ट कैलकुलेट करना ज्यादा आसान है ये कुछ सेपरेट रूल्स है जो मैं ऑलरेडी आपको डायरेक्टली डायरेक्टली बता चुका हूं जो सीआईआर नोटेशन या जो ब्लॉक हम एलोकेट कर रहे हैं उसमें आपको फॉलो करने की सब ऑब्वियसली एड्रेस कंटिन्यूस होने चाहिए आप रैंडम एलोकेशन नहीं कर सकते टू की पावर में होना चाहिए और जो फर्स्ट एड्रेस है वो टोटल ब्लॉक के साइज से डिविजिबल होना चाहिए वो ऑब्वियसली डिविजिबल इसलिए होना चाहिए ताकि मुझे नेटवर्क आई में पहला जीरो जीरो मिल सके वरना डिविजिबिलिटी वाला रूल होल्ड नहीं करेगा Subnetting का मैंने पूरा कंसेप्ट भी बना के रख दिया सारा मैकेनिज्म एकदम सेम है बस वहां पर ट्वेंटी फाइव था देखिए तो यहाँ पर करेंगे तो इधर 26 हो जाएगा वहां पर ट्वेंटी फाइव था यहाँ पर करेंगे ट्वेंटी सिक्स हो जाएगा वो काम किया है बहुत काम किया आप लोगों के लिए वो सारी की सारी चीज रिपीटेड है टोटल रेंज भी लिख दी है बस नोटेशन सी आई डी आर है अगेन उसके चार टुकड़े वाला जो मैकेनिज्म था आ, पहला फिफ्टी परसेंट जहां जहां जरूरत पड़े पॉज करते रहिएगा पहला फिफ्टी परसेंट दूसरे दोनों ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव पहले दोनों ट्वेंटी फाइव फिर फिफ्टी वो सारी चीज पॉसिबल है जो वहां थी वो यहां भी है अगेन ये पूरी जो लर्निंग है यूनिवर्सिटी में नॉट रिक्वायर्ड इन दैट डिटेल बट वो पूरी लर्निंग यहां मैंने फिर से उठा के रख दी है सुपर नेटिंग की अगर बात करें ऐसा सोचा जा सकता है प्रैक्टिकली इतना नहीं आइडिया क्या होगा सुपर नेटिंग दो छोटे छोटे नेटवर्क को मिला के अगर एक बड़ा नेटवर्क बनाया जाए इस पे वैसे वी डोंट एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन आइदर यूनिवर्सिटी और इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम मैंने कभी क्वेश्चन नहीं देखा है यहाँ से यस सो ही अगेन कुछ एग्जाम्पल

तो राउटर क्या है शब्द शुरू हुआ राउटिंग टेबल से राउटर एक डिवाइस है जिसके पास एक राउटिंग टेबल होगी टेबल का स्ट्रक्चर क्या है वो भी हम देखेंगे और जैसे ही कोई इनकमिंग पैकेट आएगा ना राउटर के पास उसके पास डेस्टिनेशन का एड्रेस होगा नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस राउटिंग टेबल राउटर समझेगा कि यार इसको किस रास्ते भेजना है ऊपर भेजू नीचे भेजू या तो दो ही रास्ते कॉम्प्लेक्स राउटर होगा तो बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं यस नाउ

उसको दरअसल राउटिंग और यू नो जो एक्चुअल हम डिसीजन लेते हैं उसको बोलते हैं स्विचिंग करना स्विचिंग करके किधर भेजना बट लेट इट आम आमतौर पर मान लो पूरा मैकेनिज्म ही राउटिंग है नाउ गोइंग इन टू द आइडिया पहला कंसेप्ट आता है फ्लडिंग आइडिया क्या है सवाल ये है क्या बिना राउटिंग टेबल के भी क्या बिना एड्रेस के भी किसी पैकेट को सही डेस्टिनेशन पे भेजा जा सकता है क्या देर कुड बी सोल्यूशन दो इट्स अ फनी वन बट यस कॉल्ड फ्लडिंग जैसे बोलते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच तो फ्लडिंग में हम क्या बोल रहे हैं एक काम करो ना पैकेट को सब जगह भेज दो मतलब हाँ ठीक है पूरे इंटरनेट पर ब्रॉडकास्ट कर दो सो अ पॉसिबिलिटी विदाउट डेस्टिनेशन हाँ ये फ्लडिंग ट्राइंग टू आइडेंटिफाई शॉर्टेस्ट पाथ व्हाट वी कैन डू सेंड इट टू ऑल पॉसिबल वे एंड देन वी कैन बी श्योर कि यार कम से कम एक पैकेट तो पहुंच ही जाएगा तो सब जगह भेज दोगे और हालांकि इस आइडिया को इंटरनेट पर मान छोड़ दो कोई छोटा नेटवर्क मान लेते हैं बट इफ यू सेंड अ पैकेट टू एवरीवेयर देन 110 वी आर श्योर की ये पहुंच ही जाने वाला है एडवांटेज क्या है एडवांटेज ना तो कोई राउटिंग मैकेनिज्म लगेगा क्योंकि हर रास्ते से जा रहा है तो जो सबसे छोटा रास्ता होगा उससे भी पहुंचेगा रिलायबिलिटी इसके बाद भी पैकेट ना पहुंचे उस के चांसेस लगभग ना के बराबर है प्रॉब्लम डुप्लीकेट पैकेट और प्रॉब्लम ट्रैफिक एक्चुअली दिस इज यू नो काइंड ऑफ अ थ्योरिटिकल आइडिया बिकॉज आज इंटरनेट कोई छोटा यू नो नेटवर्क आपके पास है जिसमें 10 20 50 कंप्यूटर है वहां आप इसे काम को कर सकते हो बट ऑन द सिस्टम लाइक इंटरनेट जहां पे भी यू you नो know, 400 500 600 करोड़ आईपी एड्रेसेस हमारे पास हैं वहां पर आप फ्लडिंग तो कर ही नहीं सकते है ना काइंड ऑफ अ थ्योरिटिकल अप्रोच ऐसा ही है कि मैं बोलूं कि देयर इज एन एल्गोरिथम व्हिच यू नो हैव अ की साइज ऑफ 128 हंड्रेड ट्वेंटी क्रैक किया जा सकता है क्या एंड यस द सॉल्यूशन इज की 2 रेस टू

कि राउटिंग टेबल क्या है वो सारा इंफॉर्मेशन है उसके पास नेटवर्क का वो राउटिंग टेबल बनेगी कैसे वो हम देखेंगे बट उसके पास सारा इंफॉर्मेशन है यही राउटिंग टेबल हमें हेल्प करेगा कि हम कौन से इंटरफेस से पैकेट को आगे भेजे ताकि वो सही डेस्टिनेशन पर पहुंचे अब यहां भी दो अप्रोच है समय के साथ चीजें डेवलप हुई ना एक होता है स्टैटिक राउटिंग या स्टैटिक राउटिंग टेबल्स और दूसरा हमारे पास है टेबल स्टैटिक टेबल का मतलब क्या हुआ इट्स लाइक दिस जैसे मान लीजिए रेलवे का होता है ना वट शुड टाइम टेबल काइंड ऑफ किसी स्टेशन पे आप जाओगे वहां भी भी बोर्ड लगा रहता है है ना तो जहां पे लिखा होगा कितनी ट्रेन आएंगी किस टाइम कौन सी ट्रेन आती है कभी जाएगी हफ्ते में कितने दिन आती है ऑल द डिटेल इज देयर क्या रोज उसको रीपेंट करने का चेंज करने की जरूरत पड़ती है क्या साल में एक दो बार कभी टाइम टेबल थोड़ा बहुत चेंज होता है रेलवे बजट आया कुछ चेंजेस एंड देन इट विल बी ऑल पूरे साल सेम शेड्यूल चलेगा मानते हैं बात तो उसका जो नेचर है थोड़ा स्टैटिक टाइप का है आप एक बार स्टडी करके लिख के रख सकते हो बात खत्म हो गई ना तो रोज रोज टाइमिंग चेंज होती ना तो किराया चेंज होता बट आप एयरलाइंस के बारे में सोचिए क्या एग्जैक्टली डेली डिसाइड होता है कि कौन कौन सी फ्लाइट है उनकी क्या क्या कॉस्टिंग है थोड़ा डायनेमिक नेचर का है स्टॉक एक्सचेंज के बारे में देखिए क्या वहां शेयर के रेट लिख के जा सकते हैं डायनेमिक नेचर का है तो एक केस स्टडी सोच सकते हैं स्टार्टिंग में हम क्या किया करते थे एक समय रहा होगा ऐसा स्टैटिक टेबल्स जहां पर एक आदमी बैठा उसने पूरे इंटरनेट को स्टडी कर लिया कितने राउटर हैं एक राउटर से दूसरे राउटर तक पहुंचने की क्या कॉस्ट है कि अगर ए से जेड तक जाना हो तो कौन कौन से राउटर के थ्रू होके जाना चाहिए एवरीथिंग इज बीइंग स्टडीड और वो उसने एक स्टैटिक टेबल के अंदर रख दिया एंड वी कैन से डेली डेली चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है जिसको भी प्रॉब्लम होगा यही टेबल यूज करेगा अगर लॉन्ग रन में कुछ चेंज होता है तो हम मैनुअली उसको अपडेट करेंगे अकोमोडेट करेंगे तो दैट कैन बी एन आइडिया और ये आइडिया जो फॉलो करता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक राउटिंग करना बट ऑब्वियसली आजकल के स्टेज में ये चीज पॉसिबल नहीं है इसके दो कारण है पहला इंटरनेट अपने आप में इतना बड़ा इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है कि उसको मैनुअली स्टडी करके सारी इंफॉर्मेशन को एक टेबल के अंदर रखना इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल इट इज इम्पॉसिबल यस एंड द सेकंड थिंग इज इंटरनेट कीप ऑन चेंजिंग तो 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 मेरे को तो लगता है मोर मार्केट मार्केट बजे बंद हो जाती है इंटरनेट बंद नहीं होता इंटरनेट तो पांच बजे चालू होता है सही में ना एंड लगातार लगातार कोई राउटर आ रहा है कोई राउटर जा रहा है सिस्टम चेंज हो रहा है नेटवर्क चेंज हो रहा है सो देर शुड बी सम ऑटोमेटिक सम समिज्म जो लगातार नेटवर्क को मॉनिटर करते रहे और जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो लगातार राउटिंग टेबल्स में अपडेट होते रहे ताकि यू you नो know, वो चीजें प्रॉपरली आगे बढ़ सके और ये जो पूरी व्यवस्था है ये है डायनेमिक टेबल में या डायनेमिक राउटिंग में जो हम करने वाले हैं तो धीरे धीरे चीजों पे हम आ रहे हैं तो ऑन द अदर हैंड यू नो वन इज दैट इज अपडेटेड ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एंड वेन इज अ चेंज अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी है ना तो एक तरह से मान लीजिए पहले हमने बात करी फ्लडिंग की एलिमिनेट कर दिया नॉट ऑन द कार्ड्स फिर हमने बात की स्टैटिक राउटिंग की समझा कॉम्प्लेक्स समझी एलिमिनेट कर दिया अब हम बात कर रहे हैं एक्चुअली राउटिंग के जो हम करने वाले हैं नौ क्या करेंगे

हर किसी को सारी बात तो नहीं पता हो सकती शेयरिंग इज केयरिंग वाला आइडिया जितना आप अपना इंफॉर्मेशन शेयर करोगे सामने वाला आपके साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा दट इज दिन पूरा सिस्टम मैनेज कर सकते हैं ये सो दिस इज इट दिस इज दिस इज इट ये बेसिक बात है एक एक छोटा सा स्क्रीन शॉट आपको दिखा रहा हूँ राउटिंग टेबल रियालिटी में कैसे दिखती है हालांकि भी थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा आगे देखेंगे कौन सा डेस्टिनेशन है उसका सबनेट मास नेट मास याद है यानी कि उसका नेटवर्क मासवर्क आईडी और होस्ट आईडी का जो डिफरेंस है क्या है किस लिंक के थ्रू जाना है इंटरफेस गेटवे क्या है इंटरवे क्या है और कॉस्ट क्या है है ना मेट्रिक्स माने कॉस्ट वहां तक पहुंचने की अब एक और छोटा सा अंडरस्टैंडिंग समझिए इंट्रा डोमिन इंटर डोमेन ये क्या कहानी है देखिए इंटरनेट अपने आप में बहुत बड़ा है अभी पूरे इंटरनेट को सिंगल हैंडेडली अगर एक मैनेजमेंट स्कीम से आप हैंडल करेंगे और भगवान न करे कभी कुछ गड़बड़ हुआ और वो स्कीम कोलेप्स आपकी कर गई वो राउटिंग एल्गोरिथम गड़बड़ कर गया तो पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा है ना इट्स लाइक like कि जैसे इंडिया एक इतना बड़ा कंट्री है डू यू वॉन्ट टू हैव अ सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ना प्रॉब्लम है तो हम यहां पर क्या करते हैं जैसे इंडिया में हमने बहुत सारे स्टेट्स बनाए हुए हैं उनकी अपनी स्टेट गवर्नमेंट है जो लोकली यू नो पीपल की रिक्वायरमेंट को समझती है डिवाइड है। you know, करते हैं नोन एज ऑटोनोमस सिस्टम ऑटोनोमस होने का मतलब ये खुद मुख्तार वो अपने बेसिक बेसिक चॉइसिस डिसीजन खुद ले सकते हैं तो इंटरनेट को हम ऐसा सिंगल यूनिट ट्रीट नहीं करते हम मानते हैं कि बहुत सारे ऑटोनोमस सिस्टम्स है और वो ऑटोनोमस सिस्टम जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो इंटरनेट बनता है पॉइंट नंबर टू ये जो ऑटोनोमस सिस्टम है एक राउटिंग एल्गोरिथम होगा जो ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर चलेगा एक एल्गोरिथम होगा जो दो के बीच में चलेगा, है ना इंट्रा डोमेन इंट्रा मतलब अंदर इस अपने के, तो क्या दूसरा ऑटोनोम सिस्टम कोई और राउटिंग एलगोरिथम यूज कर सकता है बिल्कुल कर सकता है ना क्या मैं कोई और यूज कर सकता हूं बिल्कुल कर सकता हूं लाइक दिस सो इनसाइड एवरी ऑटोनोमस सिस्टम देर कैन बी डिफरेंट राउटिंग एल्गोरिदम्स बट वो जो इन सबको सिंगल हैंडेडली हैंडल करेगा जिसको बोलते हैं इंटरडोम एक से दूसरे में जाने की जो व्यवस्था है वो सेम होगा शो यू दी लुक एट दिस तो राउटिंग प्रोटोकॉल जो हम दो अप्रोच में डिवाइड करते हैं वन इज इंट्राडोम एंड वन इज इंटर डोमेन इंट्राडोमेन के अंदर फर्दर दो अप्रोचेज है आप समझिएगा आइडिया में और प्रोटोकॉल में डिफरेंस था पहले भी हमने समझायास वेक्टर राउटिंग इज एन आइट Idea, और इसका जो प्रोटोकॉल रूल बेस्ड इंप्लीमेंटेशन है idea, एक process, एक सोचने का तरीका है इसका जो एक्जेक्ट इंप्लीमेंटेशन है दोन एज ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट है ना टॉकिंग अबाउट इंटर डोमेन थ वेक्टर इज एन आइडिया एंड बॉर्डर ग्रेटवे प्रोटोकॉल बीजेपी इसका पास फुल फॉर्म ही जरूरी नहीं है दैट इज एन आइडिया दट इज अक एक्सैक्ट प्रोटोकॉल सो इन जनरल नो बडी टॉक्स अबाउट दिस एज फार एज योर सेमेस्टर एग्जाम इज कंसर्न दीज टूर इम्पोर्टेंट इवन दिस इज मोर इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल भी हार्डली आप देखोगे पूरा अप्रोच एक समझाने के लिए अगर दस नंबर में प्रॉपर क्वेश्चन आता है तो उसके लिए टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग यस yes, तो हमें इधर कॉन्सेंट्रेट करना है तो सीधे अपन चलेंगे डिस्टेंस वेक्टर आउटिंग में नो बिफोर वी गो एक छोटा सा डिस्कशन और बाद में ये भी तो फैसला करना पड़ेगा ना हमने एलगोरथम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कौन कम टाइम ले रहा है कौन कम स्पेस ले रहा है हम सीपी शेड्यूलिंग एलगोरिदम पढ़ते हैं हम देखते हैं किसमें में सीपी यूटिलाईजेशन बेटर है या किसके एवरेज वेटिंग टाइम कम है सोन एंड सो फॉर है ना हर चीज को जज करने के हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरियाज होते हैं तो यहां भी तो होना चाहिए कैसे जज करेगा राउटिंग एलगोरिदम कॉस्ट कैसे डिसाइड करेगा तो ये भी डिपेंड करता है कि एलगोरिदम कितना कॉम्प्लेक्स है जैसे जो हमारे पास आर है जो बेसिक डिस्टेंस राउटिंग पे बेस्ड है वो नॉर्मली एक नेटवर्क को सिंगल कॉस्ट काउंट करता है उदाहरण के लिए अगर सोर्स से डेस्टिनेशन तक तो कोई पैकेट जा रहा है और बीच में मान लीजिए तीन नेटवर्क पड़े तीन नेटवर्क से होके जाना पड़ा तो हर नेटवर्क को सिंगल कॉस्ट काउंट करेगा और बोलेगा सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने की कॉस्ट है थ्री अब वैसे ये फैक्ट है कि हर नेटवर्क सेम साइज का नहीं होगा हर नेटवर्क से गुजर के जाने की कॉस्ट सेम नहीं होगी बट राउटिंग आर आई पी इतना कॉम्प्लेक्सिटी कंसिडर नहीं करता बस इस मेट्रिक पर जज करेगा ऑन द कॉन्ट्री जो हमारा लिंक स्टेट राउटिंग है ओ एसपीएफ जो प्रोटोकॉल है वो यू नो इट कैन हैव डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज की यू नो डिस्टेंस के बेस पे कॉस्ट कर सकता है टाइम के बेस पे कॉस्ट कर सकता है और उन कॉस्टिंग मैकेनिज्म पे आप डिसीजन ले सकते हो है ना इट्स लाइक दिस गूगल मैप से अगर आप रास्ता देखते हो ऑप्टिमैलिटी किस बेस पे जज करते हो कुछ लोग हो सकते हैं बोले कि हमें तो डिस्टेंस के हिसाब से बाई डिफॉल्ट वो ऑप्टिमैलिटी करता है टाइम के हिसाब से और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हाँ उस रास्ते से टाइम ज्यादा लग रहा है, है ना बट डिस्टेंस कम है टाइम ज्यादा लग रहा है पर डिस्टेंस कम है होता है कि टाइम कम लग रहा है डिस्टेंस ज्यादा इस तरह के केसेस होते हैं एंड इट इज अप टू यू आमतौर पर आजकल हम देखते हैं भाई टाइम कम लगना चाहिए बाय डिफॉल्ट वो कम टाइम दिखाता है चाहे रास्ता ज्यादा भी हो कभी कभी होता है यहां जा pay, like, suppose, okay, हो से जा सकते हो तो बट टोल लगेगा इफ यू वॉन्ट टू पे लाइक सपोज वन ट्वेंटी ओके अदरवाइज आप गाँव के थ्रू होके किसी छोटे रोड से जा सकते हो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा बट एटलीस्ट वो ऑप्शन दे रहा है आपको

ये हमारे पास पांच राउटर्स है ई e, और हर राउटर से हर राउटर तक पहुंचने का कॉस्ट ग्राफ के ऊपर लिखा हुआ है और जैसे मैंने बोला कॉस्ट मींस हॉप काउंट्स कितने नेटवर्क के थ्रू होकर आप जा रहे हैं तो इसका मतलब ए से बी का जो कॉस्टिंग है फिलहाल वो फाइव है, है ना? Now, ये काम कैसे करता है गौर करिए काम सर ये ऐसे करता है कि एक मेट्रिक एक ये हमारे पास एक टेबल है और हर टेबल में तीन कॉलम है कहां तक किसकी हम बात कर रहे हैं वहां तक पहुंचने की कॉस्टिंग क्या है और अगले पे कैसे ऐसे जाना पड़ेगा जब गेम स्टार्ट होगा फॉर एग्जाम्पल ए स्टार्ट हुआ तो ए तीन लोगों से कनेक्टेड पहली बात तो अपने आप को तो भूल ही जाइए इसको तो कॉस्ट में जीरो कर लेता हूं ए तीन लोगों से डायरेक्टली कनेक्टेड है बी सी और डी तो उनका तो कॉस्ट उसको पता है तो ए से बी का ए से बी को अगर जाना है ए से बी को जाना है तो कॉस्ट होगा फाइव एंड यू कैन डायरेक्टली गो टू बी है ना ए से अगर सी को जाना है यू कैन डायरेक्टली गो टू सी विद अ कॉस्ट टू एंड यू कैन डायरेक्टली गो टू सी और ए से अगर डी पे जाना है तो कॉस्टिंग है थ्री एंड यू कैन डायरेक्टली गो टू थ्री ए से इन द फर्स्ट स्टेज इज काइंड ऑफ एन अनिचेबल इस तरह से जब गेम स्टार्ट होगा तो हर राउटर अपनी टेबल अपडेट करेगा तो जो डायरेक्टली कनेक्टेड है है ना वो मैं डायरेक्टली फिल कर पाऊंगा जो कनेक्टेड नहीं मैं अनरीचेबल मानूंगा और इस तरह से मान लीजिए हर कोई अनरीचेबल मेंशन कर लेगा स्टार्टिंग में होगा क्या कुछ समय के बाद ये राउटर्स अपनी टेबल एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे के साथ कि यार मैं तेरे को कुछ बताता हूं तू मेरे को कुछ बताता है यस yes, अब इससे एडवांटेज क्या है गौर करिए जैसे मान लीजिए ये टेबल मिला बी को अगर मैं बोलूं स्टार्टिंग में बी डी का कॉस्ट क्या मानेगा बी डी का कॉस्ट मानेगा इंफिनिटी और बोलेगा अनरीचेबल है बट जैसे ही ए अपना टेबल शेयर करेगा बी के साथ देखो ए बी को बताएगा यू नो वॉट मैं डी तक पहुंच सकता हूं विद अ कॉस्ट थ्री ध्यान से देखना मैं डी तक पहुंच सकता हूं विद्री अब बी दिमाग लगाएगा कि यार मेरे से ए का कॉस्ट है 5, isn't it? और ए बोल रहा है कि वो डी तक पहुंचा सकता है थ्री सो लेटमी डू वन थिंग लेटमी से की मैं भी डी तक पहुंचा सकता हूं विद अ कॉस्ट एट एंड विद नेक्स्ट नोड ए दिस इज द आइडिया तो बेसिकली गेम क्या है मैं ध्यान से सुनना एक बात बोल रहा हूँ मैं पूरे इंटरनेट के बारे में क्या जानता हूं ये मैं अपने नेबर को बताऊंगा हर कोई क्या ए अपना राउटिंग टेबल ई के साथ शेयर करेगा जरूरी नहीं है नहीं करेगा जरूरी क्या करेगा ही नहीं हर कोई सिर्फ अपने नेबर के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता है जो उसको पूरी दुनिया के बारे में पता है तो जो यूजफुल होगा दे लैक्शियन सिमिलरली बी किसके बारे में बता सकता है ई e के बारे में और शायद ए वाया बी ई तक पहुंचने लगे सो आफ्टर सम राउंड ऑफ अपडेशन कुछ इस तरह का मैट्रिक्स आपको नजर आएगा जहां पर हर कोई हर किसी तक पहुंचने का ऑप्टिमल पाथ जानता है वो भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए सोचते हैं कि अगर ए बहुत पूछ ए से आप पूछे कि सी तक सी uh, तक कैसे ए uh, से आप पूछे कि ई e पे कैसे जाना है लुक एट दिस ए बोलता है मैं ई e तक पहुंचा सकता हूं विद सिक्स वाया सी इसका मतलब क्या ए को एग्जैक्टली exactly पता है कि ई e का है एक्जैक्टली exactly नहीं पता बट उसको इतना जरूर पता है कि ए से सी तक पहुंचने का कॉस्ट है टू और जाहिर सी बात है सी ने एडवर्टाइज किया होगा सी ने एडवर्टाइज किया होगा कि मैं ई e तक फोर में पहुंचा सकता हूं तो टू प्लस फोर मिलकर हो जाएगा सिक्स उसने अपडेट कर लिया इट्स लाइक दिस कि आप मुझे दिल्ली से पूछोगे मुंबई कैसे जाना है तो बोलेगा यू गो टू जयपुर सपोज है ना और फिर जयपुर के बाद आ गया पता कर लेना बट मैं टोटल कॉस्टिंग बता सकता हूँ अगला नोट बता सकता हूँ तो इस तरह से ये पूरा का पूरा आइडिया अपडेट हो जाएगा और हर किसी की टेबल अपडेट होंगी वन अंडरस्टैंडिंग अच्छा दिस प्रॉब्लम यस अब एक पॉइंट किया है अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं क्या एक को ये सोचना चाहिए कि मैं पूरा टेबल शेयर करूं क्योंकि ट्रैफिक का भी तो हो सकता है ना या टेबल का कोई पार्ट शेयर करूं तो पॉइंट ये है मेरे को नहीं पता डी के के एडिशनल एडिशनल बी कौन कौन से लिंक्स हैं क्या उसके काम का है क्या उसके नहीं काम का है तो कॉमन सेंस अप्रोच क्या है हर राउटर अपना पूरा का पूरा टेबल दूसरे अपने नेबर के साथ शेयर कर देता है भाई जो तेरे काम का है उसको यूज करना अपना टेबल अपडेट कर लेना जो तेरे काम करें उसको डिस्कार्ड कर देना मैं क्यों एक्स्ट्रा दिमाग लगाऊ मेरा क्या फायदा होना है तो कंक्लूजन ऑफ दिस एंटायर स्लाइड इज हम सारा का सारा टेबल शेयर करेंगे यस बिना ये सोचे कि क्या उसके काम का क्या उसके काम का नहीं है बट ऐसा करने से ट्रैफिक पे लोड तो आएगा और पूरा टेबल शेयर करेंगे तो इट्स में थोड़ा टाइम भी लगेगा अब इसको थोड़ा एफिशिएंट कर लेते हैं वो कैसे मान लीजिए ए अपना पूरा टेबल बी को बता रहा है है ना तो अब ए बी को ये भी बता रहा है कि मैं फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए सी अपना टेबल बता रहा है कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जब मैं अपना पूरा टेबल बताता हूँ तो मैं ये बताता हूँ मैं किस तक पहुंच सकता हूँ उसकी कॉस्ट बताता हूँ और साथ में नेक्स्ट भी बताता हूँ अब ये एक अजीब बात है क्यों हम ये ऑलरेडी मान रहे हैं कि दिल्ली से अगर मेरे को मुंबई जाना है मेरे को बस जयपुर तक का टेंशन लेना है है ना तो क्या मेरे को ये बात का टेंशन होना चाहिए कि जयपुर वाला आगे कैसे भेजता है नहीं भेजता है ना तो जब भी हम शेयर करते हैं जब कि तेरे को डी तक जाना है मैं पहुंचा दूंगा बी बोलेगा कैसे बोले तेरे को क्या लेना देना यार मैं पहुंचा दूंगा ना मैं बोल रहा हूँ कि मैं डी तक तीन में पहुंचा दूंगा बात खत्म हो गई तेरे को तो मेरे पास पहुंचाना है दैट विल बी द थिंग इज इंटेड तो अब पूरा टेबल तो शेयर करेंगे थर्ड कॉलम बचा लीजिए पैसा थोड़ा कम खर्चा होगा तो धीरे धीरे ऑप्टिमाइज कर रहे हैं ठीक है वन अंडरस्टैंडिंग एक सवाल क्या आएगा टेबल कितने कितने देर में शेयर करें है ना आराम से लेके बैठे रहे हर मिली सेकंड पे शेयर करें कब करें तो एक जनरल अप्रोच है अपडेट कि वेदर चेंज हो ना हो व्हाट यू आर गोइंग टू डू आफ्टर नॉर्मली इट इज थर्टी सेकंड आफ्टर एवरी थर्टी सेकंड आर राउटर विल एडवर्टाइज विल ब्रॉडकास्ट कर देगा बात खत्म एक हो सकता है ट्रिगर्ड अपडेट ये तो चल रहा है पॉलिसी बट अगर कोई सडन चेंज होता है इज इट लॉजिकल देन आप थर्टी सेकंड वेट करो एंड यू कैन इमेजिन इंटरनेट पर थर्टी सेकंड इज अ गुड टाइम और समझो कि ये धीरे 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 धीरे, धीरे चेंज चेंज होना है मान लीजिए मेरे को यहां से यूएस कोई पैकेट भेजना है बीच में पंद्रह राउटर है अगर हर कोई थर्टी सेकेंड लेगा इट विल बी टेक एंड हाफ मिनट्स तब जाके अपडेट होगी तो क्या सेवन एंड हाफ मिनट्स के लिए इंडिया से यूएस एक्सेसिबल नहीं रहेगा दैट डजेंट मेक सेंस तो हो सकता है कि जैसे ही कोई चेंज हो आप तुरंत अपने नेबर को भेजो तुरंत अपने नेबर को भेजो उसको हम क्या बोल सकते हैं ट्रिगर्ड अपडेट ट्रिगर्ड अपडेट प्रियोडिक अपडेट ट्रिगर्ड अपडेट नाउ एक छोटा सा प्रॉब्लम समझाता हूँ ज्यादा दिमाग लगाने से प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है टू नोड लूप इनस्टेबिलिटी या टू नोड इन स्टेबिलिटी या इनफिनिटी इस तरह के नाम से इसे जाना जाता है प्रॉब्लम बड़ी मजेदार है आप अब देखेंगे आपको मजा आएगा डायरेक्ट सेमेस्टर में क्वेश्चन उस पर आता है पहले ये ये देखिए आई एम यूजिंग द फ्रोजन डायग्राम सो ये एक नोड है एक्स और ए का टेबल देखेंगे तो समझ आता है एक कह रहा है मैं एक्स तक सिंगल कॉस्ट में पहुंच सकता हूं बिकॉज डायरेक्टली कनेक्टेड है एंड अगेन वाया ओनली और ए ने शायद यही इंफॉर्मेशन बी के साथ शेयर की है इसलिए बी कह रहा है कि मैं ए तक वन में पहुंचूंगा ए एक्स तक वन में पहुंचेगा तो इसका मतलब मैं भी एक्स पे पहुंच सकता हूं वन प्लस टू एंड वाया ए अभी ये कैसे कर रहा है मेरे को क्या लेना देना मेक सेंस बात समझ आ रही है परफेक्ट वे लो कोई दिक्कत नहीं है अचानक क्या हुआ ए से एक्स का कनेक्शन ब्रेक हो गया और जैसी कनेक्शन ब्रेक हुआ यहां देखिए A ने एक्स की कॉस्ट रख ली 16 क्योंकि आम तौर पे 16 को भी जीरो से पंद्रह एज इन्फिनिटी तो ए ने तुरंत उसको इन्फिनिटी रखा यानी कि 16 रखा अब इससे पहले की इंफॉर्मेशन बताता बी को हो सकता है पीरियोडिक अपडेट हो ट्रिगर्ड अपडेट हो बी ने यूजली रूटीनली अपना टेबल शेयर किया के साथ पर मजे की बात की हमने बोला नेक्स्ट वाला शेयर करने की जरूरत नहीं है तो बी ने एक को बोला किसी वॉट मैं एक्स तक पहुंच सकता हूं विद अ कॉस्ट टू अब ये बात ए को नहीं समझा ए को लगा कि हो सकता है बी के पास शायद कोई और रास्ता हो जिससे कॉस्ट टू पे पहुंचा जा सकता हो एक्स को और मैं तो भी पहुंच नहीं सकता तो लेट मी, लेट मी मी बी वेरी स्मार्ट एंड मैं क्या करता हूं मैं वाया बी से जाना शुरू कर देता हूं और अब देखो इसने क्या किया इसने बोला कि अच्छा ठीक है अगर तू दो में पहुंच सकता है तो मैं तीन में पहुंच सकता हूं बिकॉज ए से बी का कॉस्ट है इज एंड उसने अपना टेबल अपडेट कर लिया और फिर वो अपडेट शेयर करेगा बी के साथ जैसे वो अपडेट शेयर करेगा बी बी के साथ बोलेगा अच्छा थोड़ी देर पहले तो वन में पहुंच पा रहा था अभी थ्री में पहुंच पा रहा है सम चेंज इन द नेटवर्क कोई बात नहीं आप तीन में पहुंच रहे हो तो मैं चार में पहुंच पाऊंगा क्योंकि मैं आपके थ्रू जा रहा हूं हो ये रहा है दोनों को ये पता नहीं कि दोनों एक दूसरे के ऊपर खेल रहे दो दोस्त जा रहे हैं खाना खाने के लिए एक को लग रहा है कि दूसरे के जेब में पैसा है दूसरे को लग रहा है पहले के जेब में पैसा है दोनों पेल के ऑर्डर कर रहे हैं बाद में पता लगेगा पैसा किसी के पास नहीं है लड़ाई करने जा रहे हैं उसको लग रहा है वो अपने दोस्त बुला लेगा उसको लग रहा है वो अपने दोस्त बुला लेगा दोस्त किसी के पास नहीं बाद में पिटो के वैसे ही हो सकता है अब ये ड्रामा चलता रहेगा एक्सचेंज होता रहेगा यू नो एंड इट विल टेक सम टाइम अल्टीमेटली बोथ ऑफ देम दे सिक्सटीन पर पहुंच गया इसका मतलब कोई भी रीचेबल नहीं है इसको इन्फिनिटी मान लेंगे

ने अपना इन्फॉर्मेशन दिया बी को बात समझ आती है अब ये जो बी अपना जो इंफॉर्मेशन जब ए के साथ शेयर कर रहा है तो इस बात को कोई मतलब है क्या कि जो इंफॉर्मेशन खुद ए ने बी को दिया था वही इंफॉर्मेशन वापस बी शेयर करे ए को है ना समझिएगा तो हम क्या करते हैं जो भी हमारे पास टेबल है जब मान लीजिए दिस इज अ टेबल फॉर एंड दिस इज अ टेबल फॉर बी तो वो सारे के सारे कॉलम्स जहां पे नेक्स्ट नोड ए है वो मुझे ए के साथ शेयर करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बिकॉज दरअसल ये तो वो इंफॉर्मेशन है जो ए ने मुझे बताई थी है ना वो वादे जो मैं एक के थ्रू कर रहा हूं उसको दोबारा एक को बताने का कोई मतलब नहीं क्योंकि ये कंफ्यूज हो जाएगा कि यार मेरे ऊपर बोल रहा है किसी और के ऊपर बोल रहा है इट्स लाइक like कि मैंने आपको बोला कि टेंशन मत लो कल मैं पचास के लेके आऊंगा है ना और अब आप कल को फिर मुझे बोल रहे हो टेंशन मत लो मैं लेके आऊंगा वो आप मन में सोच रहे हो कि एक में और पचास मैं सर ले आएंगे 51 अब मैं सोच रहा हूँ फिफ्टी वन पचास में एक से एक हो गए और ड्रामा चलता जाएगा तो जो वादा मैं कर रहा हूँ उसे दोबारा मुझसे मत करो तो बोला आर स्प्लिट होराइजन स्प्लिट होराइजन होराइजन मतलब रो बाय रो वो रो एलि डबल फायदा है टेबल का साइज भी कम हो गया टू नोट इनस्टेबिलिटी भी चली गई तो वो रो हटा दीजिए अपने नेबर के लिए जिसमें नेक्स्ट नोड जो है वो खुद नेबर ही है ऐसा करने से प्रॉब्लम नहीं होगा यस yes, so an तो दैट इज एन एंड दैट इज द एंटायर आइडिया ऑफ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग तो पूरी प्रोसेस आप समझ गए कंक्लूजन दोबारा याद रखिए मैं अपने नेबर को बताता हूं पूरे इंटरनेट के बारे में हर कोई अपने नेबर को बताता है पूरे इंटरनेट के बारे में और इसी तरह पूरी इंफॉर्मेशन सब तक पहुंच जाती है अगला अप्रोच यहां पर जो है वो है लिंक स्टेट राउटिंग अब इसके काम करने का तरीका थोड़ा सा है। पहले हम बोल देता हूं इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है आई गो वन बाय वन तो देखिए लॉजिक क्या है मैं यहां से शुरू करता हूं तो ये हमारे पास एक नेटवर्क है एफ है ना टोटल सेवन राउटर्स वी हैव ई एफ जी और हर लिंक पे स्ट लिखा हुआ है जैसे पहले भी होता है अगेन मुझे बताइए जैसे ही हम बूट करेंगे सिस्टम चालू होगा हर नोड के पास अपने नेबर का का तो है, तो है 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 जैसे ए जानता है कि बी कॉस्ट और डी का कॉस्ट है आ, थ्री सिमिलरली ई e जानता है कि डी का कॉस्ट है फाइव बी का कॉस्ट है फोर और एफ का कॉस्ट है टू है ना ये सारी इंफॉर्मेशन है इनको हम बोलते हैं लिंक स्टेट पैकेट क्या बोलते हैं लिंक स्टेट पैकेट ये छोटे छोटे पैकेट है पर मजे की बात क्या है इस बार ये पैकेट हम अपने नेबर के साथ शेयर नहीं करेंगे इस बार हम ये पैकेट फ्लड करेंगे पूरे के पूरे नेटवर्क में और अगेन ये इंटरनेट नहीं है अपने ऑटोनोमस सिस्टम में मतलब ए ये इंफॉर्मेशन बी को सी को डी को एफ को जी को सबको बताएगा और सिमिलरली हर कोई नोड अपने नेबर की इंफॉर्मेशन सबको बताएंगे अब सोचिए इमेजिन करिए अगर ऐसा हम करेंगे तो क्या होगा कुछ समय के बाद एक लिंक स्टेट डेटाबेस बन जाएगा लिंक स्टेट पैकेट से बनेगा लिंक स्टेट डेटाबेस जहां पर हर किसी को पूरे इंटरनेट की सारी इंफॉर्मेशन होगी फॉर एग्जाम्पल ए को पता होगा a के पास भी ये टेबल है सबके पास सेम टेबल है कि c से अगर g पे जाना है तो 3 कॉस्ट में जाते हैं c से g पे 3 कॉस्ट पे जाते हैं ये बात a को पता है अभी हालांकि a को नहीं पता कि c तक कैसे पहुंचना है बट ये जैसे हम बोलते हैं लिंक स्टेट डेटाबेस ये सबके पास है सो एवरीबॉडी विल हैव द सेम कॉपी ऑफ दिस डेटाबेस यस अब इस डेटाबेस से हम क्या करते हैं हर कोई अपने-अपने लिए इंडिविजुअल पाथ बनाएगा कैसे बनाएगा की बात समझिए नेटवर्क सेम है बट क्या हर किसी के लिए नेटवर्क का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है जैसे फॉर एग्जाम्पल ए अपने हिसाब से सोचेगा कि बाकी सब नोड तक, तक पहुंचने का मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है वो कोई और रास्ता चूज करे सी का अंडरस्टैंडिंग कुछ और होगा वो अपने हिसाब से सीखेगा तो एलगोरिथम में पढ़ते हैं सेम सेम अप्रोच अप्रोच यूज करते हैं दिस इज लाइक अ कॉस्ट मैट्रिक्स एन एन क्रॉस एंड मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स का यूज करके हर राउटर अपने लिए ऑप्टिमल पाथ चूज करेगा सो इफ आई शो इन एग्जाम्पल क्या क्या अप्रोच है डिस्टेंस फैक्टर की गौर से देखिए स्टेज वन पे रूट रूट का कॉस्ट मान लीजिए मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूं अब देखेगा एक्सपेंड करने के क्या कॉस्ट है greedy, optimal, हम करेंगे। तो ने कर लिया कि यार मैं बी तक पहुंचता हूं इन अ कॉस्ट टू अगले ट्रेशन में ये कॉस्ट फाइनल हो गई अब देखो आगे बढ़ने का कॉस्ट बी से आगे बढ़ोगे तो टू प्लस फाइव सेवन सी की कॉस्ट सेवन है सिमिलरली टू प्लस फोर

एट uh, और टेन में ये एट वाला होगा एंड फाइनली ये वाला पाथ होगा तो ये क्या देखिए अब ये पूरा का पूरा कंप्लीट कंक्लूजन है ए सब कुछ पता है एक को पता है कि अगर जी तक जाना है तो कॉस नाइन और कैसे जाना है वाया बी ई एफ और जी होते हुए जी तक पहुंचना है तो ये एक अप्रोच है और ये जो सच्चाई है ये सच्चाई सिर्फ एक ही है यही काम बी सी E एफ जी हर कोई कैलकुलेट करेगा और यही आइडिया है लिंक स्टेट राउटिंग का अब अगर मैं दोनों के बीच में डिफरेंस आपको समझाऊं बहुत मजेदार आइडिया है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग जैसे मैंने बोला ये अपने नेबर को बताता है पूरे इंटरनेट के बारे में ये पूरे इंटरनेट को बताता है अपने नेबर के बारे में है दोनों आउटडेटेड जो मैं पहले आपसे बोल चुका था सो so, ये 1980s में पॉपुलर हुआ करता था लाइक फोर्टी फोर्टी फाइव बैक ये नाइनटीज में पॉपुलर था ये लोकल नॉलेज पे काम करता है ग्लोबल नॉलेज पे काम करता है बड़ा इंपॉर्टेंट है डिफरेंस एग्जाम में लिखने के लिए आ सकता है बेनविथ रिक्वायरमेंट लेस है क्योंकि मैं सिर्फ नेबर के साथ शेयर करता हूं यहां बेनविथ की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा होगी बिकॉज वी शेयर विद द विदरनेट यू सी है ना बेसिकली uh, बेलमोनफोर्ड पे बेस्ड है क्योंकि पूरी ट्रेशन पे काम कर रहे हैं ये डायकास्टर पे बेस्ड है लोकली वन बाय वन वन बाय वन अपन ऑप्टिमाइज करते रहते हैं ट्रैफिक यूज वाली लेस होगा हाई होगा कवरेज स्लो होगा क्योंकि बारी बारी अपग्रेड होता है यहां पर क्योंकि मैं पूरे नेटवर्क में एक साथ भेजता हूं पैकेट्स को तो कवरेज हाई होगा काउंटू इन्फिनिटी पहले बता चुका हूं इधर काउंट इंफिनिटी नहीं होगा राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल इज द एक्ट इंप्लीमेंटेशन एंड ओ एसपीएफ ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट इज द एक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ लिंक स्टेट राउटिंग एंड दैट विल बी ऑल सो राउटिंग भी कंप्लीट हो गया एंड नाउ वी आर रेडी फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर सो हर लेयर अपना कोई लेवल एड करता है

अब ट्रांसपोर्ट लेयर पिक्चर ये किस प्रॉब्लम को टैकल कर रहा पहले तो ये समझो क्योंकि ये कहता है मैं करता हूं सर्विस टू प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी व्हाट इज प्रोसेस टू प्रोसेस अभी हम मान रहे हैं कि विद हेल्प ऑफ नेटवर्क लेयर एंड द इंटरनेट मैं क्लाइंट से सर्वर तक या दो सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर पा रहा हूं बट एक सिस्टम में कितनी प्रोसेस चल रही होती है आपके और मेरे पर्सनल कंप्यूटर में 200-250 प्रोसेस चल रही है गूगल का सर्वर तो हो सकता है लाखों प्रोसेस चलती हो इज इट अब यहां पे मल्टीपल प्रोसेस में किस प्रोसेस के साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे चिट्ठी आपने लिख दी पता भी आपको पता है लेकिन क्या आप चाहते हैं कि यू you नो know, पिताजी भाई या दादाजी के पास चिट्ठी पहुंच जाए ऐसा चाहते हैं आप ऐसा तो नहीं चाहेंगे ना आप चाहेंगे कि उस घर के अंदर स्पेसिफिक मेंबर तक जिसको आप चिट्ठी पहुंचाना चाहते हैं वहां तक पहुंचे इसके लिए यहां पे हम करते हैं पोर्ट नंबरिंग एक नई तरह की एड्रेसिंग बोल सकते हैं पोर्ट एड्रेसिंग कर लेते हैं तो जैसे डेटा लिंक क्लियर लोकल लेवल पे लैंड एड्रेसिंग करता है या जैसे मैक एड्रेस बोलते हैं देन आईपी ने क्या किया आईपी ने अपना लॉजिकल एड्रेस लगाया यहां पर पोर्ट एड्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ पोर्ट एड्रेस हम सिस्टम के अंदर किसी प्रोसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे एंड देन उस बेस पे ट्रांसपोर्ट लेयर कहता है दैट आई प्रॉमिस प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन सो जो सबसे बड़ा फोर्ट या मान लीजिए एक्स फैक्टर है, है ट्रांसपोर्ट लेयर का वो है सर्विस टू सर्विस कनेक्शन करना प्रोसेस टू प्रोसेस कनेक्शन करना अब दो तीन अलग अलग, अलग आइडियाज हैं एक एक करके सब में डिटेल में बात करेंगे पहली बार यहां पर ट्रांसपोर्ट लेयर दो ऑप्शन आपके लिए लेके आता है एक बोलता है कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड तो दो तरह का कम्युनिकेशन हो सकता है कनेक्शन काम करता था जी यहां पे मैं क्या बोलूंगा सेगमेंट यहाँ पैकेट को क्या बोलेंगे सेगमेंट तो जितने सेगमेंट होंगे हर कोई सेगमेंट इंडिपेंडेंट होगा हर कोई अपने हिसाब से जा सकता होगा और आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी हो सकती वो सारे ऑप्शन होंगे हाँ डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट हम चूज करेंगे बट इस तरह का जो अंडरस्टैंडिंग है उसको हम बोलेंगे कनेक्शन दूसरा हो सकता है कनेक्शन ओरिएंटेड जहा पर एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा पहले डेस्टिनेशन से बात करेंगे और एक तरह का वर्चुअल ट्यूब हम क्रिएट कर लेते हैं अभी आगे और डिटेल में इसको समझेंगे जब थ्री वे हैंडशेक करेंगे और पूरा डिस्कशन होने के बाद कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा तो कम्युनिकेशन ज्यादा रिलायबल होगा और जो थोड़ी सी प्रोसेस है जिन्हें रिलायबिलिटी चाहिए सिक्योरिटी चाहिए है ना वहां आप कनेक्शन ओरिएंटेड आईडिया यूज कर सकते हैं अगेन रिलायबल अनरबल दोनों ऑप्शन ट्रांसपोर्ट लेयर आपको देता है बात करूंगा यूडीपी इज लाइक अन वेरिएंट वेरियंट एंड टीसीपी इज लाइक अ रिलायबल वेरिएंट। तो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट हम दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं एंड दैट इज अ गुड आइडिया तो ट्रांसपोर्ट लेयर ना तो बाय डिफॉल्ट बहुत ज्यादा रिलायबल बनने की कोशिश कर ना ही अनर रिक्वायरमेंट के बेस पे अंडरस्टैंडिंग के बेस पे अपना कॉल ले रहा है तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये तो हम पूरा पढ़ चुके हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के दो हीरो हैं वैसे देखिए ये तो मेन हीरो है, है

ज नॉट दैट इंपॉर्टेंट अभी समझ लेते हैं, इसका लॉजिक है बेसिकली हालांकि आजकल के कॉन्टेक्स में इंपॉर्टेंट है इसका स्ट्रीमिंग जब आपको कंटिन्यूस वीडियो कम्युनिकेट करना हो जब हमें इंटरनेट डेवलप किया था जब टीसीपी बनाया था इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं थी बट आज है तो उस तरह के केसेस में काम करता है बट इसका रियलिटी में प्रैक्टिकली कितना इंप्लीमेंटेशन कितना यूज है दैट इज क्वेश्चनेबल यस हमारे दो हीरो टीसीपी और यूडीपी ही होंगे नाउ पोर्ट नंबरिंग डिटेल में बात कर लेते हैं तो जैसे नेटवर्क लेयर ने प्रॉमिस किया था कि मैं सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवर करूंगा एंड हाउ ही मैनेज टू फॉलो दैट प्रॉमिस क्योंकि उसने एक लॉजिकल एड्रेस बनाया यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर प्रॉमिस कर रहा है कि हम प्रोसेस टू प्रोसेस कनेक्ट करेंगे अब एक कंप्यूटर के अंदर किसी प्रोसेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे तो वो करेंगे पोर्ट पोर्ट नंबर नंबर? से। सो व्हाट इट 16 बिट so तो एक एजेंसी हमारे पास है इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी आई जो इसको तीन रेंजेस में डिवाइड करती है जैसे आप देख सकते हैं पहले जो एक हजार चौबीस इनको बोलते हैं वेल नोन पोर्ट नंबरिकल और डायनेमिक और प्राइवेट पोर्ट नंबर तो गेम क्या आपको समझाता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल हैं, उन सबके नंबर रजिस्टर्ड भी हैं और कंट्रोल्ड भी है और पहले से फिक्स जैसा आप देख सकते हैं कि अगर फॉर uh, एग्जांपल टीसीपी डेटा वाला है टीसीपी uh, दो कनेक्शन स्टेब्लिश करता है तो डेटा के लिए अगर आप यूज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल अगर है माफ कीजिएगा तो पोर्ट नंबर ट्वेंटी रिजर्व है कंट्रोल uh, के लिए है पोर्ट नंबर डी है एस mm -hmm. अगर है तो पोर्ट नंबर है पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल अगर है तो वन हंड्रेड टेन रिजर्व है तो ये वो वेल नोन नंबर है और जो पॉपुलर प्रोटोकॉल्स है उनको नंबर दे भी दिया जाना चाहिए ताकि बार बार कंफ्यूजन ना हो इट्स लाइक पुलिस का इंडिया में फॉर एग्जाम्पल वन नंबर

है ना लेकिन इनका कोई कंट्रोलिंग बी गॉन गो फॉर दिस इम्पेरिकल और डायनेमिक पोर्ट्स Go ना इनको आई एन रजिस्टर करता है ना इनको कंट्रोल करता है उस बात के चांसेस वैसे भी कम है कि आप एक रैंडम नंबर चूज करें बिटवीन लाइक फिफ्टीन पंद्रह चॉइसेस में से और उस सिस्टम पे कोई रैंडम नंबर का प्रोसेस ऑलरेडी काम कर हो और वहां पे क्लैशेस हो यस yes? सो so ये पूरी कहानी है पोर्ट नंबर की एंड कंप्लीटिंग दिस आइडिया एक शब्द हो सकता है कभी कभी आपने सुना लोग बोलते हैं सॉकेट प्रोग्रामिंग या सॉकेट एड्रेसिंग तो जब टीसीपी आईपी दोनों मिलके काम करते हैं या यूडीपी आईपी मिलके काम करते हैं तो दोनों के एड्रेस को कभी कभी मिला दिया जाता है थिंग mm -hmm. दोनों को मिला के कभी कभी एक साथ जब कंसिडर करते हैं दिस इज नोन ए सॉकेट एड्रेस सो इफ यू हैव अ सॉकेट एड्रेस वीन आई हैव आईपी यूजिंग विच हम इंटरनेट पर किसी भी प्रोटोकॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अलोंग विदर्ट नंबर के अंदर कोई प्रोसेस जो है यूनिक जिससे हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं उस प्रोसेस को भी हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे होते हैं यस अगेन टॉकिंग अबाउट एन कैप्सुलेशन एंड डी कैप्सुलेशन तो हर वैसे हमने स्टार्टिंग में बात की है बट हर लेयर की तरह यहां भी ये यह काम होगा एप्लीकेशन लेयर से जो लेटा आएगा मैं सिर्फ उसको ऐसा पेलोड ट्रीट करूंगा मैं उसको पढ़ने वाला नहीं हूं और जो भी मेरी कैलकुलेशन है मैं अपना एक हेडर यहां पर लगाऊंगा विल तो गो थ्रू द कम्युनिकेशन एंड अगेन जो मेरा काउंटर पार्ट मेरा जो ट्रांसपोर्ट ले रहा है एट द डेस्टिनेशन वो उस हेडर को रिमूव करेगा जो प्रोसेस करना करेगा एंड विल पास दैट पेलोड टू द एप्लीकेशन लेयर एज यूजुअल है ना सेम प्रोसेस नथिंग न्यू ये मैं आपसे बोल रहा था टीसीपी कि अगर बात करें अब टीसीपी हमारा मेन हीरो है तो टीसीपी रिलायबल है कंजेशन कंट्रोल करता है फ्लो कंट्रोल करता है एरर कंट्रोल करता है सो व्हाट एक्चुअली टीसीपी डस ये एक तरह का मान सकते हैं वर्चुअल ट्यूब बना देता है कि ऑर्डर में भी जाएगा एक ही रास्ते से जाएगा टी ऐसा रियलिटी में होता नहीं बिकॉज अल्टीमेटली इज टेकन केयर और इज कैरिड अवे बाय आईपी ओनली और आईपी तो अलग अलग जगह से जा रहा होता है बट टीसीपी अपने लेवल पर सब कुछ मैनेज कर रहा होता है है ना इट्स लाइक like कि टीसीपी ध्यान रखता है कौन से नंबर के बाइट से कौन से नंबर तक का बाइट चला गया अगर बाई चांस आईपी की वजह से कुछ लॉस होता भी है तो रिट्रांसमिट कराना टीसीपी की जिम्मेदारी वही डिफरेंस है टीसीपी इज लाइक एमजॉन एंड आईपी इज लाइक दैट कोरियर गाई जो सामान लेके आ रहा है अगर वो अनिल आइडिया है क्या करेंगे देखेंगे और देखने के लिए हमें टीसीपी का हेडर समझना जरूरी है पूरा स्ट्रक्चर सो दिसम जैसे बार बार बोल रहा हूं मैं इसको सेगमेंट कहके बुला रहा हूँ तो एक पैकेट को गौर करिए हम बोलेंगे सेगमेंट विच इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट दर एंड द डेटा सेम एज आई टी हेडर फ्लैक्सीबल साइज का है जिसमें ट्वेंटी बाइट जो है वो हमारे फिक्स है और रिमेनिंग जो फोर्टी बाइट है वो हमारे ऑप्शन और पैडिंग है एंड डेटा पार्ट इज यूजल आप कितना भी डेटा कैरी कर सकते हो बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज अगर दिमाग लगाए एक आइडिया आपको समझाता हूँ यहां से देख के लगेगा बहुत सारा डेटा आप कैरी कर सकते हो बिकॉज यू नो जो टोटल लेंथ है टोटल लेंथ फील्ड हमारे पास है टोटल्ड uh, अच्छा, नहीं है क्यों गौर से समझिए सबसे पहले डेटा लिंक क्लियर पे हमारे पास इथरनेट अगर आपको याद हो मैक्सिमम कितना बाइट फिफ्टीन हंड्रेड बाइट डेटा वो कैरी करता है अब उसके अंदर कौन बैठा है गौर करिए आईपी तो अगर 1500 आपने बाउंड लगा दिया आईपी 65,000 तक जा सकता है बट क्योंकि वो इथरनेट के अंदर है 20 बाइट का हेडर तो जो प्रैक्टिकली मेरे हाथ में आया वो है फोर्टीन हंड्रेड और इसके अंदर बैठेगा टीसीपी का सेगमेंट जिसमें 20 बाइट फिर गया हेडर में तो जो प्रैक्टिकली पेलोड ये कैरी कर पाएगा टीसीपी वो कर पाएगा फोर्टीन क्योंकि विल टीसीट इन इसका पूरा लेंथ कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं क्यों क्योंकि आईपी का लेंथ मेरे को पता होता है आईपी का जो पेलोड है वो इसका लेंथ है तो आईपी के पेलोड से जब टीसीपी के हेडर का लेंथ माइनस करूंगा जो यहां मैंने करके दिखाया तो मेरे को पता लग जाएगा इसका क्या लेंथ है यस yes. तो ये पूरी कहानी एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं पहले दो फील्ड बहुत आसान है क्योंकि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं हर प्रोसेस के पास अपना एक पोर्ट नंबर है जिससे इन साइड सिस्टम हम उस प्रोसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो इन एवरी हेडर यू नो इन एवरी सेगमेंट एवरी हेडर विल हैव हाँ अ पोर्ट नंबर एंड द कॉरस्पॉन्डिंग डेस्टिनेशन सोर्स डेस्टिनेशन सोर्स ये दोनों पोर्ट नंबर हमें मिलेंगे नाउ नेक्स्ट थिंग जो इंटरेस्टिंग है जो बड़ा काम का है वो है सीक्वेंस नंबर अब यहां ध्यान समझिएगा आईपी जो है अगर आपको याद हो आइडेंटिफिकेशन नंबर वो हर फ्रेगमेंट को नंबर डेटाग्राम बोल सकते हैं हर डेटाग्राम को नंबर करता है ये जो सीक्वेंस नंबर वाला कंसेप्ट है टीसीपी के अंदर ये नेक्स्ट लेवल है हम डेटाग्राम को भी नंबर नहीं करते हम तो हर बाइट को नंबर करते हैं तो टीसीपी का यूज करके आप जितना भी डेटा ट्रांसमिट करोगे ना ईच एंड एवरी इंडिविजुअल नंबर इज गोइंग टू बी बाइट इज गोइंग टू बी नंबर इट्स लाइक दिस की कॉलेज की एक ट्रिप है है ना आ जा रहा है कहीं पर मान के चलो वन थाउजेंड स्टूडेंट है मैंने हर स्टूडेंट का नंबरिंग कर लिया और अब मैं आपको बता रहा हूं कि पहली बस में रोल नंबर वन से रोल नंबर तक तक बैठे बैठे हैं अगली बस में 61 से सो सो द पॉइंट इज क्या अब मुझे बस को नंबर करने की जरूरत है क्योंकि बच्चों का जो नंबरिंग है वो ऑटोमेटिकली मेरे को बस का भी ऑर्डरिंग बता रहा है इट्स लाइक दिस तो मैं बस को नंबर नहीं कर रहा इट्स लाइक बस नंबर टू बस नंबर थ्री जो आईपी करता था ये तो एक्चुअल डेटा को नंबर करता है तो सिक्वेंस नंबर क्या है हर बाइट को जो नंबर करते हैं दैट नंबर सीक्वेंस नंबर और अगर किसी सेगमेंट uh, के अंदर मान लीजिए बाइट नंबर 1200 से लेट मी से वो 100 बाइट कैरी कर रहा है बाइट नंबर 1299 तक जा रहा है तो जो सीक्वेंस नंबर है वो होगा 1200 तो किसी भी सेगमेंट में जो पहला बाइट है उसका जो नंबर है वो कहलाता है सीक्वेंस नंबर ध्यान देने वाली बात यहां पर क्या है कि जब गेम स्टार्ट होगा ऑब्वियसली तो हो सकता है आप सोचें कि वो हमेशा जीरो पहली बाइट जीरो नंबर से होगी नहीं टोटल लेंथ है तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने होंगे जीरो से टू टू पार टू रेस टू पार थर्टी टू माइनस वन तो हम जान बुझ के क्या करते हैं स्टार्ट विद रैंडम सीक्वेंस नंबर ताकि कंफ्यूजन के चांस कम हो तो फॉर एग्जांपल ये मान लेते लेटमी से ये फर्स्ट पैकेट है तो so, मैंने 1200 से स्टार्ट किया और जैसे-जैसे मैं डेटा भेजता जाऊंगा जाऊंगा आगे बढ़ते ऑफ यहां पर जाने के बाद अगेन यू यू कैन कैन कम बैक एंड हैव जीरो सर्कुलर फैशन में चलता जाएगा थर्टी टू बिट है 32 by, 30 giga, four, four data, आप ट्रांसमिट कर सकते हो फिर भी कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि बोल रहा हूँ कंसेप्ट ऑफ रैप अराउंड तो क्या 1200 से शुरू करके दोबारा यहां के रुकना पड़ेगा जरूरत नहीं है आप चाहो तो फिर से दोबारा यही नंबर फॉलो कर सकते हो दे इज अच ऑल दो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा

कर सकते हो उतनी डिटेल में घर कोई जाएगा नहीं बट ये बेसिक बात आपको समझ आ गई इसी के साथ बात है एक्नोलेजमेंट नंबर की तो वो पहले जैसा हम करते थे वैसे ही करेंगे एक्नोलेजमेंट का मतलब क्या है अगेन हमने सीखा है जो रिसीव होता है नेटवर्क में उसको कभी एक्नोलेज नहीं करते उसको से अगले को एक्नोलेज करते हैं बेसिकली डिमांड करते हैं दोनों बात हो जाती है कि यहां तक हो गया अगला डेटा बताओ तो मान लेते हैं अगर मेरे पास किसी सेगमेंट में डेटा है ट्वेल्व से ट्वेल्व तक तो बोलो इसका एक्नोलेजमेंट क्या जाएगा इसका एक्नोलेजमेंट जाएगा थर्टीन यानी कि लास्ट बाइट नंबर प्लस वन तो बोलोगा थर्टीन हंड्रेड भेजो एक्नोलेजमेंट माने तरह से मांगना और 1300 नंबर का बाइट भेजो इस बात ये अपने आप में इस बात की गारंटी है चेक है रसीद है कि 1299 तक का डेटा एक्सेप्ट हो गया है इस एंटर सो ये सेम कहानी है तो अगर सीक्वेंस नंबर 32 बिट है तो एक्नोलेजमेंट नंबर भी सर 32 बिट ही होगा नथिंग डिफरेंट नाउ वी हैव अ काइंड ऑफ हेडर लेंथ और हेडर की लेंथ ट्वेंटी टू सिक्सटी फिर चार बिट का ड्रम अब मेरे को समझ नहीं आता क्यों स्केलिंग करते बट आईपी में स्केलिंग, के, तो इधर भी स्केलिंग करो तो सेम जो हमने आईपी हेडर में पढ़ा था वही कहानी यहां पर है चार बिट में रियालिटी में आई कैन गो टू

भाई दो बिट को देके मसला खत्म कर देते का स्केलिंग कराया वेस्ट कर दिया कोई बात नहीं नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो आप देख रहे हैं अभी मैं विंडो साइज पर नहीं जा रहा इन बिट्स पे भी नहीं जा रहा चेकसम तो चेकसम आप जानते हैं इट्स अ मेकेजम फॉर एरर कंट्रोल एरर डिटेक्शन जो आईपी भी यूज करता था टीसी भी यूज करता है बट लॉजिक अलग अलग है आईपी के केस में आपको याद हो वॉज नॉट चेक्सम इट इज कॉल्ड टू बी एस हेडर चेकसम तो हमने समझा था ना पीछे माल की आईपी का कहना मेरे को टेंशन नहीं है मेरा जो केबिन है मेरा जो हेडर वो सही रहे बिकॉज वो करप्ट हो गया तो पैकेट डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाएगा टीसीपी अपनी उस बुराई को तो दूर करते नेक्स्ट लेवल खेलता है क्या तो टीसीपी का जो चेकसम है पहली बात तो ये दिस इज नॉट द हेडर चेकसम बट दिस इज द एंटायर सेगमेंट चेकसम पॉइंट नंबर तो ये सिर्फ हेडर को नहीं पूरे डेटा को भी सिक्योरिटी देता है और एक बिट भी अगर बीच में कहीं चेंज हुआ तो जब डेस्टिनेशन में ट्रांसपोर्ट लेयर में चेक होगा तो चेकसम फेल होगा पैकेट को डिस्कार्ड करेंगे मे बी फॉलोड बाय रिट्रांसमिशन यस एक और एक्सटेंशन यहां पे टीसीपी क्या कहता है कि मैं काम करता हूं ना मैं आईपी के भी उस पार्ट को सिक्योरिटी दे सकता हूं कवर कर सकता हूं जो थ्रू आउट जर्नी चेंज ना हुआ अभी तो चेंज होता है। भी चेंज होया। लेकिन की क्या ये कुछ के वो जो चेंज नहीं होते तो ये चेकसम चेक कह रहा है कि ये अपना पूरा सेगमेंट तो कवर करूंगा का वो सेगमेंट भी कवर करने की हिम्मत रखता

नेक्स्ट थिंग इज विडो साइज नो विंडो साइज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल एज फार एज फ्लो कंट्रोल इज कंसिडर नो वट इज दैट दो लोगों में थ्री वे हैंड शेक हुआ है अभी देखेंगे थ्री वे हैंड शेक कैसे होता है कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ ट्रांसमिशन चालू हो गया और आप तो जैसे पागल हो गए गीगाबाइट्स ऑफ डेटा भेज रहे हो रिसीवर को आप एक बात समझनी पड़ेगी यहाँ कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसमिशन होगा जो डेटा आएगा पहले एज अ रिसीवर मुझे उसे कहीं टेम्परेली होल्ड करना पड़ेगा फिर मैं उसको प्रोसेस करना चालू करूंगा और आप बहुत ज्यादा डेटा भेजोगे तो मैं ओवरबर्डन बर्डन अल्टीमेटली मुझे डिस्कार्ड करना पड़ेगा और डिस्कार्ड होगा तो फिर से रिट्रांसमिट कराना पड़ेगा मैं परेशान सेंडर परेशान और पूरा नेटवर्क परेशान सो वट वी डू ंड्रेड थर्टी फाइव थर्टी सिक्स सो आडिया इज मैं आपको बताऊंगा और ये ट्रांसलेट हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली कितना आई 64 सिक्सटी फोर के बी य तो मैं आपसे क्या बोलूंगा इन द स्टार्टिंग एज अ रिसीवर एज अ रिसीवर सेंडर को बोलूंगा मेरे पास बफर में मैं आपके लिए सिक्सटी फोर केबी ऑफ डेटा रिजर्व करके रखा हूं तो एक बार में अगर आप सिक्सटी फोर केबी तक डेटा भेजते हो मतलब विद मल्टीपल सेगमेंट बैक टू बैक बैक टू बैक मैं उसको होल्ड करके रख लूंगा एंड देन मैं उसको प्रोसेस करूंगा एंड दिस इज विंडो साइज ऑल्सो नोन एज एडवर्टाइज विंडो मान लीजिए आपने मुझे डेटा भेजा मी से फोर के भी डेटा मेरे पास आया अब जब मैं एक्नोलेजमेंट भेजूंगा ना मैं उसमें लिख के भेजूंगा विंडो साइज में तो नॉट सिक्सटी फोर लेटमी से सिक्सटी के भी लिख के भेजूंगा तो आप समझ जाओगे ओके okay. पहले बात हुई थी 64 की अब शायद रिसीवर के पास जो हमारा बफर है उसमें 60 ही तो रिसीवर तो बोल रहा है सेंडर को कि अभी बेटा जीरो हो चुका। इसका मतलब रिसीवर ने जितना बफर जितना स्पेस अपने मेमोरी में सेंडर के इनकमिंग डेटा के लिए रिजर्व किया था तो पूरा गोदाम भरा हुआ भी और माल बद भेजना डिस्कार्ड कर देंगे यस कुछ समय के बाद जैसे ही समय मिलेगा रिसीवर इस बफर को खाली करेगा डेटा प्रोसेस करेगा जो एक्सेप्ट करना एक्सेप्ट करेगा जो डिस्कार्ड करना डिस्कार्ड करेगा एंड देन अगेन इट कैन बिकम 64, यस yes, एक आर्गुमेंट और भी है आस्क 30 40 इयर्स पहले 64 केबी मे बी अ कंसीडरबल अमाउंट ऑफ डेटा बट आजकल कम्युनिकेशन बड़ी स्पीड पे होता है तो बोलो सिक्स ये कोई बफर बना के रखा है बड़ा बफर होना चाहिए ताकि हेवी ट्रांसमिशन हो सके तो इफ रिक्वायर्ड व्हाट वी कैन डू दिस कैन बी एक्सटेंडेड विद एडिशनल 14 बिट्स इन द ऑप्शंस तो 14 बिट एक्सटेंड कर सकते हैं इस विंडो साइज को देन 16 प्लस 14 बिकम 30 टू द पावर 30 बिकम 1 गीगाबाइट सो मैक्सिमम व्हाट टीसीपी कैन सपोर्ट 1 गीगाबाइट ऑफ बफर अगर रिक्वायर्ड और एक और बात ये पूरे का स्पेस नहीं बता रहा मैं 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 मोस्टली तो डेटा आता आता रहेगा 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 खाली खाली होता खाली होता तक सपोर्ट कि मैं अभी प्रोसेस ही नहीं कर पाया ये उसको डेटाफुल्स फ्लैग्स है। so, देखते हैं सो देर सिक्स फ्लैग्स इनसीपी बेसिकली अर्जेंट एक्नोलेजमेंट समझाता हूं लेट मी स्टार्ट विद अर्जेंट फ्लैग और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी कि इसके साथ में अर्जेंट पॉइंटर है कभी कभी ऐसा हो सकता है टीसीपी इज अ स्ट्रीम कंट्रोल प्रोटोकॉल एक एक करके वन बाय वन वन बाय वन सेगमेंट आ रहा होता है और मैं ऑर्डर में उसे प्रोसेस कर रहा होता हूं बट दिस इज पॉसिबल ना कि किसी सेगमेंट के अंदर कोई अर्जेंट डेटा है और एज अ सेंडर में रिसीवर को बोलना चाहता हूं कि प्लीज आप आउट ऑफ ऑर्डर इस वाले पैकेट को पहले प्रोसेस करना इट कंटेन सम क्रूशियल इंफॉर्मेशन सम प्रायोरिटी और काइंड ऑफ थिंग तो मैं मैं क्या करूंगा वहां पे अर्जेंट बिट समी कर दूंगा अब जैसे ही एक टीसीबी सेगमेंट आएगा जिसके हेडर में अर्जेंट बिट वन होगी रिसीवर समझेगा ओके इसको वेट नहीं कराना इसको पहले प्रोसेस करो इट कंटेन सम अर्जेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बट इसमें भी एक अब एक यू नो you know, गेम है गेम क्या है <laughs> हम बोलते हैं इस सेगमेंट में भी क्या सारा डेटा अर्जेंट है? क्या या कुछ इंपॉर्टेंट है सेंटर बोलेगा नहीं नहीं सारा तो अर्जेंट नहीं है इसका कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है अब ये भी कॉमन सेंस पार्ट है अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो आपने पहले रखा होगा ना अनइंपॉर्टेंट बाद में रखा होगा हां ये भी बात ठीक है तो अब रिसीवर बोलता साथ में अर्जेंट पॉइंटर भी भेजना नो वट इज एन अर्जेंट पॉइंटर अर्जेंट पॉइंटर बताता है कि किस पोजीशन तक का डेटा अर्जेंट है जिसको आउट ऑफ ऑर्डर प्रोसेस करना है बाकी का डेटा एज यूजल प्रोसेस कर सकते हो दिस इज आइडिया ऑफ इट यस सो व्हेन यू सेट दिस बिट तभी मैं इसको पढ़ूंगा और ये मुझे बताएगा कहां तक का डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको पहले प्रोसेस करना है बाकीयों को अपन बाद में कर सकते हैं so, yes? so, तो ये कहानी है ओके देन so, okay. इसमें एक इंपॉर्टेंट है पुश इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नाउ पुश देखिए एप्लीकेशन लेयर से जब डेटा आता है तो अ लिटिल ग्रीडी टू बी मोर भर जाने दो जब पूरा भर जाएगा तो फिर फिजिकल जाएगा तब डेटा ट्रांसमिट होगा यस yes, बट कभी कभी ऐसे रिक्वायरमेंट हो सकते अर्जेंसी इज देयर वी डोंट वॉन्ट की पैकेट पूरा भरे वी डोंट वॉन्ट के ट्रक पूरा भरे भी जितना माल है लेके जाओ फॉर एग्जाम्पल रात का समय ग्यारह साढ़े ग्यारह बारह बजे नींद आपको आ रही है बट फोन आपके हाथ में और आपने मैसेज किया सो गई विद क्वेश्चन मार्क दो चार पांच बाई डेटा भरा ठीक है अब आप सोचे रिप्लाई आएगा 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 रिप्लाई नहीं आया एंड देन सुबह आपको पता लगा कि रिप्लाई इसलिए नहीं आया क्योंकि मैसेज डिलीवर ही नहीं किया था टीसीपी वेट कर रहा था कि डेटा पूरा भर जाए दो तीन लाइन और लिख दो तो लेके जाऊंगा अब टीसी को बात समझ नहीं आ रही ये अर्जेंट डेटा था इसको तुरंत भेजना था तो वट इज ऑन अवर बिहाफ यू नो दैट व्हाट्सएप बोलेगा कि भाई यहां पे अर्जेंट सॉरी नॉट अर्जेंट पुश बिट वन करो द मोमेंट यू सेट पुश बिट वन जैसे ही डेटा आता है तुरंत लेके जाते हैं ये टेंशन नहीं लेते कि पूरा भरा कि नहीं भरा तो पुश मींस अर्जेंटली इसको आगे लेके जाओ डोंट वेट फॉर एफिशिएंसी सो आई होप ये फ्लैग भी आपको समझ आया सो पुश इज देयर बाकी फिन रीसेट एंड जमेंट ये सब भी थ्री वे हैंडशेक देखेंगे हम समझेंगे जब पहली बार कनेक्शन किया जाता है या सीक्वेंस नंबर कोई किसी के अंदर वैलिड डेटा होता है तो सीक्वेंस नंबर सिंकोनाइज करने के काम आता है एक्नोलेजमेंट अगेन एक्नोलेज करने का काम आता है कि वी हैव वैलिड एक्नोलेजमेंट और नॉट एंड सिन सिंकोनाइज करने के काम आता है अगर कनेक्शन टर्मिनेट बाद में करना रीसेट बेट वन करते है, समझ जाते हैं कि अब जग सुना सुना लगे दिल टूटा टूटा समथिंग लाइक दिस कनेक्शन ब्रेक करना है तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी आई थिंक आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी पॉइंट यस सो दिस इज ऑल रिसेंट बता दिया कनेक्शन स्टेब्लिशमेंट सिखा देता हूं तो सिंह फिन की बात भी आपको समझ आएगी दो लोग होंगे जिनके बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश होगा थ्री वे हैंडशेक इसको बोलते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर सेमेस्टर एग्जाम अब देखिए एक हमारे पास है क्लाइंट एक है सर्वर हम बोलते हैं सर्वर हमेशा पैसिव ओपन मोड में रहता है क्लाइंट हमेशा एक्टिव ओपन मोड में रहता है ना गूगल का सर्वर इमेजिन कर लेते हैं तो गूगल का सर्वर हमेशा काम कर रहा है बट वो बार बार आपको अकेला तंग नहीं करेगा कि बताओ कुछ पूछना है क्या कुछ पूछना है क्या इट इज ऑन द क्लाइंट इट इज ऑन यू कि आप उससे कनेक्शन स्टेब्लिश करो तो बोलते शुरुआत कौन करेगा तो शुरुआत सर्वर भी कर रहा है बट वो पैसिव कर रहा है वो पैसिव ओपन है क्लाइंट इज एक्टिव ओपन वो शुरुआत करेगा कैसे करेगा तो सर्वर सबसे पहले एक पैकेट भेजेगा जिसमें फाइनली सिन फ्लैग वन करेगा विद अ रैंडम सीक्वेंस नंबर अब ध्यान दो जीरो है कि नहीं रैंडमली एट थाउजेंड यूज किया और पहला पैकेट भेजा दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया सर्वर से अपन कुछ बात कर लेते हैं लेट्स मेक अ कनेक्शन नाउ इसके अंदर क्या कोई रियलिटी में डेटा है कोई डेटा नहीं अभी तो बात शुरू हो रही है तो इसलिए इसको कुछ लोग वर्चुअल नंबर भी बोलते हैं बिकॉज एक्चुअली सीक्वेंस नंबर में रख रहा हूं बट कोई डेटा है नहीं अब जैसे ही डेटा पहुंचा सर्वर तो तैयार था सर्वर भी ओपन मोड में पैसिव ओपन है हालांकि वो कनेक्शन के लिए तैयार था तो टू एक्नोलेज अब देखिए यहां पर क्या किया ये पैकेट जो वापस भेजा उसने सीक्वेंस नंबर भेजा वन ये दिखाते हुए कि हाँ मैंने तुम्हारा एक बाइट कंज्यूम कर लिया फॉर एग्जांपल अब अगला मुझे एट थाउजेंड वन से भेजना बट फैक्ट ऑफ द मैटर कोई बाइट था ही नहीं बस इस बात को एक्ट नॉलेज करने के लिए कि हाँ एट थाउजेंड कनेक्शन चालू हुआ गेम खेलना शुरू करते हैं बट अभी ये जो कनेक्शन चालू हुआ ये सिर्फ क्लाइंट से सर्वर पे हुआ टीसीपी टीसीबीज फुल डुप्लेक्स कनेक्शन तो एक कनेक्शन सर्वर से क्लाइंट पे भी जाना चाहिए जिसकी शुरुआत अब सर्वर कर रहा है अपनी तरफ से एक डिफरेंट सीक्वेंस नंबर जनरेट करके लाइक फिफ्टीन थाउजेंड और यहां देखिए दोनों बिट वन कर दिया बिकॉज अब मैं सिन बिट भी लेके जा रहा हूं सिक्वेंस नंबर एक्नोलॉजी नंबर दोनों है इसके अंदर अब जैसे ये पहुंचेगा क्लाइंट के पास क्लाइंट समझ जाएगा कि अच्छा सर्वर ने कनेक्शन अपना चालू कर दिया है हमें भी सर्वर वाला कनेक्शन अभी चालू करना है तो आई रिपीट दिस एट थाउजेंड वन ओनली मे बी इसके अंदर डेटा भी हो सकता है या खाली पैकेट हो सकता है उसी बात को रेस्पेक्ट करते हुए एंड विद्लाई पंद्रह को मैं पंद्रह से रिप्लाई कर रहा हूँ बताते हुए सर थैंक यू सो मच एंड दिस इज द आइडिया और यहाँ देखिये यहाँ रिसीवर विंडो भी दोनों ने एडवर्टाइज कर दी मैंने ध्यान दे दिया खरी एडिशन डेटा है वो बता रहा है फाइव थाउजेंड बाइट्स का कपैसिटी तुमको दे रहा हूँ सर्वर कह रहा है यह कह रहा है सर मैं आपको टेन थाउजेंड बाइट का दूंगा ऑब्वियसली क्लाइंट ज्यादा दे सकते हैं क्योंकि क्लाइंट अकेला है सर्वर के पास क्लाइंट के पास एक सर्वर है सर्वर के पास हो सकता है दस लाख क्लाइंट हो तो वो मेमोरी हमेशा थोड़ा सा लिमिट देगा एंड थ्री वे हैंडशेक कंप्लीट कनेक्शन शेक हो गया सो दैट इज हाउ थ्री वे हैंडशेक टेक प्लेस अगेन टर्मिनेशन का भी प्रोसेस सेम होता है बस जो हमारा रिसेंट वाला था फिन था फिन आप वन करेंगे फिनिश वन करेंगे तो वो कहानी चलेगी पॉइंट ऑफ व्यू से दिस थ्री वे कनेक्शन इज इंपॉर्टेंट आई नेवर सीन क्यू किसी ने टर्मिनेशन का पूरा प्रोसेस पूछा और वैसे भी टर्मिनेशन करने के अलग अलग मैथ होते हैं तो उसके डिटेल में वैसे भी लोग नहीं जाते तो दिस इज डन एंड नाउ वी आर विद यूज अ डेटाग्राम प्रोटोकॉल यूटीपी की अच्छी बात यह है कि यूटीपी में कायदे से कुछ पढ़ने के लिए है नहीं क्यों यूटीपी कुछ प्रॉमिस ही नहीं करता टीसीपी जितना समय लगाता है कनेक्शन बनाने में एरर कंट्रोल फ्लो कंट्रोल, कंट्रोल कंजेशन कंट्रोल UDP कुछ भी नहीं बोल रहा तो यूडीपी एकदम प्रो लेवल का है कि भाई मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर आपकी है जल्दी आपको काम कराना है और बाकी टेंशन आप खुद से ले सकते हो देन गो फॉर सो व्हाट सेस इट इट इज इज अ अ का भाई है सेबल प्रोटोकॉल इट डज नॉट एड एनीथिंग टू द सर्विस ऑफ द आईपी एक्सेप्ट प्रोसेस टू प्रोसेस तो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेट कराना तो ट्रांसपोर्ट लेयर की जिम्मेदारी है तो so वो तो मजबूरी है सर वो तो यूडीपी कराएगा एक 16 बिट का पोर्ट नंबर आपको देगा अपार्ट फ्रॉम दैट अपार्ट फ्रॉम दैट यह कुछ भी नहीं कराने वाला सो वाई टू यूज यूडीपी फिर कोई क्यों यूज करेगा सर कम सिक्योरिटी uh, होगी तो खर्चा कम होगा जल्दी काम होगा हो छोटे छोटे रिलायबिलिटी का टेंशन गो फॉर यूडीपी सेंडिंग स्मॉल लेस इंट्रेक्शन अगेन जल्दी जल्दी काम होता है फॉर एग्जाम्पल अभी हमने बात की थी राउटिंग की राउटिंग टेबल एक्सचेंज करना है हर तीस सेकंड में करना बार बार करना है गो फॉर यूडीपी बार बार क्या राउटर आपस में कनेक्शन ही बनाते रहेंगे आधा का समय तो इसी में चला जाएगा तो डोमेन यूडीपी सिस्टम बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर में है ना बार 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 वेबसाइट के आईपी एड्रेस चेक करना तो गो फॉर यूडीपी उस तरह लुक एट दिस बहुत ही सिंपल एड बाइट का हेडर है हेडिक्स इसमें कोई फ्लेक्सीबिलिटी नहीं है कैपेसिटी सेम सोर्स का पोर्ट नंबर डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर होना ही था टोटल लेंथ भी हम यहां पर सेव करके चलते हैं कि इसका टोटल हेड लेंथ कितना है एंड सिंगल सिक्योरिटी चेकसम चेकसम भी पहली बात तो टोटल तो तो पे नहीं है मजे की बात यह भी ऑप्शनल है यह भी ऑप्शनल है तो इसको भी मैंडेट नहीं करता आईपी तो मतलब से भी न लायक हो गया कि अपना भी हेडर गैत हो गया कोई टेंशन नहीं है बट जैसे मैं बोल रहा हूँ इसके अपने यूज केसेस है अब आपको ई मेल करना है देन ऑब्वियसली गो फॉर टीसीपी बट हाँ कोई छोटा मोटा कम्युनिकेशन करना है जहां पर रिलायबिलिटी इज नॉट एन इश्यू कोई गेम खेल रहा है इसमें बड़ा फास्ट इंट्रेक्शन चाहिए देन यू कैन गो फॉर यूडीपी यस तो मैंने बताया सर्विस टू सर्विस कम्युनिकेशन हम करते हैं फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल कंजेशन कंट्रोल का कोई मैकेनिज्म यहां पर नहीं है एप्लीकेशन अगेन मल्टीकास्टिंग करनी है यू नो राउटिंग में यूज हो सकता है डोमेन नेम सिस्टम में इस तरह की एप्लीकेशन में आप यूडीपी का इस्तेमाल कर सकते हैं तो पांच नंबर दस नंबर में अगर यूडीपी आता है स्ट्रक्चर आपको पता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको है इसमें बढ़िया से लिख के आ सकते हैं हेडिंग वगैरह सब याद करके जाइएगा एक एक छोटा सा एडिशनल डिफरेंस है हाँ मेरे को अगेन सेमेस्टर एग्जाम में कहीं लिखा मिला तो मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ बट नॉट इन टू डेफ एक प्रोटोकॉल हमारे पास और हो होता है आरटीपी टीपी नॉन फॉर रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल सो स्मॉल डिफरेंस टीसीपी फुल फॉर्म आरटीपी फुल फॉर्म स है ये स्टेटलेस है यहाँ प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है रियल टाइम अगर आपको काम करना तो ऑब्बियसली इसमें थोड़ा सा फास्टर में करना पड़ेगा यहाँ पे पैकेट लॉस हम टॉलरेट नहीं कर सकते बिकॉज वो रिट्रांसमिशन यहाँ पे पैकेट लॉस हो सकता है बिकॉज जब हम वीडियो ऑडियो एक्सचेंज कर रहे होते हैं थोड़ा बहुत लॉस होता है भी डजेंट मेक ए डिफरेंस बट हमें आगे आगे लगातार रियल टाइम में काम करना होता है टीसीपी कर रहे है, कोई मैच का हो रहा है, उस तरह के केस में वी कैन गो फॉर आर टी पी यस सो दैट इज द आइडिया एंड नाउ एक दो एडिशनल टॉपिक है विच लाइक क्रिप्टोग्राफी एंड डेटा कंप्रेशन उनके बारे में बात करते हैं एंड देन वील एंटर फुल फ्लेजली इन टू द एप्लीकेशन ले थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं डेटा कंप्रेशन के बारे में वैसे थोड़ी सी बात हम पहले भी कर चुके हैं इंट्रोडक्शन में जब हम सेशन ले लेर या प्रेजेंटेशन लेयर की बात कर रहे थे सो व्हाट इज डेटा कंप्रेशन एक्चुअली तो इट इज अ सेपरेट सब्जेक्ट और ज्यादातर यूनिवर्सिटीज़ और यू नो कॉलेजेस में फाइनल ईयर में थर्ड ईयर में डेटा कंप्रेशन पढ़ाते हैं बट द आइडिया इज अगेन कि डेटा ऑब्वियसली स्पेस ऑक्यूपाई करता है वेदर हम उसे मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं या नेटवर्क में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर कर रहे हैं ऑलवेज गुड कि अगर डेटा को कंप्रेस किया जा सके है ना जैसे अगर हम कहीं ट्रेवल करते हैं तो जितना सामान होता है उसको काइंड ऑफ यू नो कंप्रेस करके दबा दबा के किसी ब्रिफकेस में बंद करते हैं ना सेम आइडिया यहां पर भी है पैकिंग जितनी कंफाइन होगी यू you नो know, uh, ब्रीफकेस उतना ही छोटा हो सकता है और रास्ते में आपके लिए उतना ही कंफर्टेबल होगा सो दिस इज एन आइडिया ऑफ डेटा कंप्रेशन यहाँ पर एक एनकोडर होता है जो डेटा को कंप्रेस करेगा देन वो वेदर स्टोर है या नेटवर्क में जा रहा है और रिसीविंग एंड पे जो रिसीवर है यूजिंग द सेम एल्गोरिथम जो दोनों पार्टी के बीच में अंडरस्टूड होगा डीकम्प्रेस करेगा इसका क्रिप्टोग्राफी या यू नो कॉन्फिडेंशियलिटी से कोई लेना देना नहीं यहाँ पे आइडिया की बस डेटा का साइज कम कैसे है। जैसे जिप फाइल हम बनाते हैं ये वो वाला आइडिया है अगेन कंप्रेशन किस लेवल तक करना है ये भी इंपॉर्टेंट है ये भी डेटा के नेचर पर डिपेंड करता है तो दो तरह के आप सकते हैं कंप्रेशन होते हैं एक होता है लॉसी कंप्रेशन एक होता है लॉसलेस तो डेटा फाइल है फॉर एग्जाम्पल ई मेल इज देर टेक्स्ट फाइल इज देयर आप कंप्रेस कर सकते हैं बट कंप्रेशन लॉसलेस होना चाहिए मतलब आई मस्ट बी एबल टू रिट्राइव हंड्रेड ऑफ द डेटा बैक तो यहां पर सिर्फ जो रिडेंडेंट इंफॉर्मेशन है उसको मैं रिसीव कर सकता हूं डेटा का कोई लॉस होना नहीं चाहिए और क्योंकि एकदम एग्जैक्ट सेम डेटा आपको वापस चाहिए तो ऑब्वियसली यहां पर कंप्रेशन रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होगा मतलब कितने गुना आप दबा पाए वो बहुत ज्यादा नहीं होगा गोइंग टू लॉसी कंप्रेशन अब मान लीजिए आपने कभी चेक किया होगा कोई मूवी आप डाउनलोड कर रहे हैं या इवन uh, YouTube पे आप वीडियो देख रहे हैं ना ये, ये द सेम वीडियो आप 4K में भी देख सकते हैं आप 1K देख सकते हैं 720 देख सकते हैं 480 देख सकते हैं 360 भी देख सकते हैं बेस की आपके पास कितना डेटा है तो सेम डेटा उसको YouTube ने अलग अलग वेरिएंट में कंप्रेस करके रखा हुआ है इजेंटेड बट अगर थ्री सिक्सटी वाले का जो कंप्रेस कर दिया कि आप उसको दोबारा फोर लाया जा सकता है नहीं तो वो जो डेटा है वो लॉस हो चुका है, है ना तो अगर आपको ऑडियो वीडियो में खासकर इस तरह की चीजें इस्तेमाल होती हैं पिक्चर्स ऑल में कि कंप्रेशन आपको बहुत ज्यादा मिलेगा लेकिन कुछ डेटा परमानेंटली लॉस हो जाएगा जिसको दोबारा आप रिट्राइव नहीं कर सकते एंड सर्टेन एरियाज में ये भी अच्छा काम करता है डिपेंडिंग ऑन द आइडिया यस तो इन केस अगर चार पांच नंबर में कोई पॉइंट आता है कंप्रेशन के बारे में लिखने के लिए तो आप समझ सकते हैं ऑप्शनल है एडवाइजेबल है दो अप्रोच है लॉसी लॉसलेस सेंडर कंप्रेस करेगा रिसीवर डीकम्प्रेस करेगा स्टोरेज में बेनिफिशियल है ट्रांसमिशन में बेनिफिशियल है नाउ कमिंग टू क्रिप्टोग्राफी ये भी सेपरेट सब्जेक्ट है तो क्रिप्टोग्राफी इज ऑल टूगेदर सेपरेट सब्जेक्ट बट अगेन थोड़ा अगर वाइडर परस्पेक्टिव में देखें तो थोड़ा सा ये पार्ट नेटवर्क का है तो मैं बेसिक्स ही अंडरस्टैंडिंग पहले डिस्कस करता हूँ प्रॉब्लम क्या है रियल लाइफ में भी प्रॉब्लम है बट वहां हम थोड़ा ध्यान रखते हैं इंटरनेट पर ज्यादा प्रॉब्लम है एक हमारे पास सेंडर है एक हमारे पास रिसीवर है और नेटवर्क के थ्रू ये डेटा इंटरेक्ट कर रहे हैं अब क्योंकि हमारी टोटल डिपेंडेंस इंटरनेट पे हो गई है तो डेटा हर नेचर का होगा क्लासिफाइड होगा प्राइवेट होगा कॉन्फिडेंशियल होगा नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो सकता है इन दिस

इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है आइडिया ऑफ क्रिप्टोग्राफी नो व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी आइडिया इज कि यूजिंग सम एल्गोरिथम जो दोनों पार्टी पहले से अंडरस्टैंडिंग रखती हो हम जो प्लेन टेक्स्ट है जो रीडेबल टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को एक ऐसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दे जो मीनिंगलेस हो जिसके पढ़ के कुछ समझ ना आए जिस टेक्स्ट से आप दोबारा प्लेन टेक्स्ट पे ना जा पाओ अगर बीच में कोई इस डेटा को पढ़ भी ले तो उसको समझ नहीं आए क्या बात हो रही है बट रिसीवर नोज द एलगोरदम हाउ टू कन्वर्ट बैक दिस साइफर टेक्स्ट बैक टू द प्लेन टेक्स्ट तो यूजिंग द डिक्रिप्शन एलगोरदम वो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा सो so डेटा का फॉर्मेटिंग ऐसा है कि वो अगर कोई पढ़ेगा भी तो उसको समझ नहीं आएगा ये आइडिया है क्रिप्टोग्राफी का इसमें बहुत डिटेलिंग है अगर हिस्टोरिकली देखें तो जूलियर सीजर आपने ये ना नॉवल पढ़ा होगा ट्वेल्थ क्लास में 2000 पहले एक बहुत सिंपल सा एलगोरिदम यूज करते थे इसको माना जाता है जिस इज वन ऑफ द फर्स्ट क्रिप्टोग्राफी एलगोरिदम विच इज डॉक्यूमेंटेड तो ये क्या करते थे अल्फाबेट जितने भी है दे रिप्लेस देम थ्री नंबर्स बैकवर्ड तो अगर रियालिटी में डी लिखना होता था तो उसको ए लिखेंगे रियालिटी में एफ लिखना होता था उसको सी लिखेंगे है ना तो नाउ यू कैन इमेजिन अगर बॉय लिखना है तीन तीन वापस जाएंगे तो कुछ अलग सा शब्द बनेगा विच इज काइंड ऑफ इॉजिकल है समझ नहीं आएगा किसी को बट हां जो रिसीवर होगा उसको पहले से पता होगा कि जूलियर सीजन है तीन तीन सिंबल पहले लिखे हैं तो मुझे तीन तीन सिंबल फर्दर रिप्लेस करना है टेक्स्ट अगेन बिकम्स रीडेबल तो दिस इज एन एग्जाम्पल अब इसके दो अप्रोचेज हैं एक है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एक है असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी व्हाट इज सिमेट्रिक की विच इज अ कॉमन सेंस आइडिया कि एक एल्गोरिदम है और उस एल्गोरिदम को चलाने के लिए एक चाबी है एक की है तो यहां सेंडर से आया प्लेन टेक्स्ट

टिंग में हमने सिर्फ यही काम किया इसके अपने कुछ इश्यूज थे जैसे ये की अभी स्टार्टिंग में तो बहुत कम कम्युनिकेशन था जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे ये की सीक्रेटली दोनों लोगों के पास कैसे पहुंचे अब जैसे अभी भी एटीएम कार्ड आता है या कोई ऐसा यू you नो know, कोई स्पेसिफिक नंबर आता है अभी भी आप देखेंगे कभी कभी बाय पोस्ट आता है गूगल भेजता है बैंक भेजता है आज भी प्रोसेस कहीं ना कहीं चल रही है एक की या तो हमें पता है तो बैंक को पता है ये वही वाला कंसेप्ट है हमारा जो एटीएम का पेन है पहली बार जब आएगा तो कैसे कम्युनिकेट करेगा कोई सीक्रेट चैनल है नहीं अभी नेट बैंकिंग अकाउंट चालू नहीं हुआ देन दे हैव टू सेंड इट बाय पोस्ट अगेन इज अ रिस्क एंड

बाद में डीईएस को रिप्लेस कर दिया था एस और बाद में एई एस को भी हटा दिया बट स्टिल देर आर समाने सिस्टम लिगे सिस्टम है जो लॉन्ग रन में द आइडिया ऑफ असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी इज रिप्लेस बाय सिमेट्री को रिप्लेस कर दिया असिमेट्री ने तो अभी भी ये कहीं कहीं यूज होता है बट दे आर नॉट दैट पॉपुलर इनके काम करने का बेसिक आइडिया क्या है या मैंने समझाने की कोशिश की लॉजिक समझाता हूं जो भी प्लेइंग टेक्स्ट आपके पास आएगा

ओपनली डिस्ट्रीब्यूटेड है सबके पास है और प्राइवेट की सिर्फ इसके पास है यस yes, अब होता क्या है ध्यान से समझिए सेंडर को एक प्लेन टेक्स भेजना है के लिए तो जैसे सेंडर इसको एनक्रिप्ट करेगा कैसे करेगा क्योंकि रिसीवर का प्राइवेट की सबके पास सॉरी पब्लिक की सबके पास है तो यूजिंग द पब्लिक की ऑफ द रिसीवर हम इसको एनक्रिप्ट कर देंगे कोई भी कर सकता है यस yes, अब ये डेटा इंटरनेट पे गया कोई क्या कोई और इसको पढ़ पाएगा नहीं जब इसको डिक्रिप्ट करना है तो डिक्रिप्ट के लिए अब गेम क्या है उस सेम पब्लिक की से डिक्रिप्शन नहीं हो सकता डिक्रिप्ट होगा उसके प्राइवेट की से रिसीवर के और रिसीवर का प्राइवेट की किसके पास है वो सिर्फ रिसीवर के पास है तो इस बात की गारंटी हो गई क्या कि कोई भी इसको नहीं पढ़ सकता सिर्फ रिसीवर ही पढ़ सकता है तो डिक्रिप्शन में रिसीवर का हम यहां पर प्राइवेट की यूज करेंगे इसको दोबारा से प्लेन टेक्स में कन्वर्ट करेंगे ये एक मैनेजमेंट है तो इंटरनेट पे जितने भी लोग होंगे एवरीबडी विल हैव टू की द पब्लिक की द प्राइवेट की पब्लिक की इज देयर ओपन इन द स्पेस एंड प्राइवेट की सिर्फ उसके पास है हालांकि यहां पर ये जो हम देख रहे हैं ये देख रहे हैं कॉन्फिडेंशियलिटी कोई और नहीं पढ़ पाएगा सिर्फ रिसीवर पढ़ पाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं कि डेटा सेंडर से ही आया है हो सकता है कोई और किसी ने कोई भी भेज सकता है ना यूजिंग दिस पब्लिक की तो तो उसको कैसे इंश्योर करेंगे ये अलग बात है ये दोनों की हर कोई मेंबर होल्ड करके रखेगा ये जो आइडिया था असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का ये आइडिया व्हाइट डेफी एंड मार्टिन हेलमेन ने दिया था 1976 में ना रिसर्च पेपर कि दो की होंगी दो की काइंड ऑफ रिलेटेड होंगी एक की से दूसरा की कैलकुलेट ना हो पाए क्योंकि पब्लिक की सबके पास है क्या कोई ऐसा एल्गोरिज्म हो सकता है कि पब्लिक किसी प्राइवेट की पता लगा ले वो नहीं होना चाहिए बट हाँ एक कोड को अगर एनक्रिप्ट पब्लिक से किया तो डिक्रिप्ट प्राइवेट से होगा अगर एनक्रिप्ट प्राइवेट से किया तो डिक्रिप्ट पब्लिक से होगा ये लॉजिक काम करेगा जैसे इन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश किया

अभी भी इसको कोई क्रैक काइंड ऑफ नहीं कर पाया है अगर हम ठीक ठाक साइज का यूज करेंगे जिसका हम इस्तेमाल करते हैं तो मैं यहाँ पे दोनों चीज आपको समझाता हूँ एक तो बात होगी कॉन्फिडेंशियलिटी की जो आपने देख लिया आई हैव मी सेकंड लेट टेक अ ब्लैंक स्लाइड और मैं आपको तीनों चीजें बताता हूं कि यहां पर तीनों अलग अलग चीज कैसे हो सकती है एक तरीका है यस एक तरीका है दैट अ सेंडर और सेंडर जब डेटा भेजता है तो वो एक प्रोसेसिंग करेगा किससे वो प्रोसेसिंग करेगा जो हम देख रहे थे के है, जो के पास है. Text, और बाद में रिसीवर क्या करेगा रिसीवर इसको ऐसा लिख देता हूँ आपने एनक्रिप्ट किया रिसीवर इसको डिक्रिप्ट करेगा यूजिंग द रिसीवर प्राइवेट की जो सिर्फ उसके पास है और रिसीवर उस डेटा को पढ़ लेगा यस yes? यह है कॉन्फिडेंशियलिटी कि रिसीवर के अलावा कोई और ना पढ़ पाए एक और अप्रोच समझिए सेंडर जब डेटा सेंड करेगा तो ये एनक्रिप्ट करेगा किससे ये एनक्रिप्ट करेगा सेंडर के प्राइवेट की जब आप बोलेंगे ये क्या चक्कर भी देखते चलो सेंडर अपने प्राइवेट की से एनक्रिप्ट कर रहा है मजे की बात है कि सेंडर का पब्लिक की तो सबके पास है तो जो रिसीवर है वो सेंडर के पब्लिक की से ही इसको डिक्रिप्ट करेगा और डेटा उस तक पहुंच जाएगा यहां पर कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है बिकॉज इंटरनेट पे सबके पास पब्लिक की है, कोई भी देख सकता है बट मजे की बात क्या है इस बात की गारंटी की डेटा सेंडर से ही आया कभी कभी ये भी तो इंपॉर्टेंट होता है मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट ओपन करता हूं टाइम्स ऑफ इंडिया की ही वेबसाइट है ना ये स्टेट बैंक का ही पोर्टल है ना कोई मुझे पागल तो नहीं बना रहा मेरा पासवर्ड जानने के लिए लाइक like दिस तो अगर कोई डेटा सेंडर के पब्लिक की की से डिक्रिप्ट हो रहा है इस बात गारंटी है कि उस सेंडर के प्राइवेट की से ही इनक्रिप्ट भी हुआ था तो इसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन इसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर तो अगर कोई चीज आपके प्राइवेट की से इनक्रिप्ट हुई है इसका मतलब आपने उसको डिजिटली साइन कर दिया यस अगर दोनों चाहिए तो यू कैन यूज बोथ ऑफ देम शियलिटी uh, you know, भी चाहिए ऑथेंटिकेशन भी चाहिए स्टेज वन में पहले मैं वही करूंगा मैं एनक्रिप्ट वन करूंगा पहली बार एनक्रिप्ट करूंगा किससे सेंडर एनक्रिप्ट करेगा अपने प्राइवेट की से उसके बाद एक और एनक्रिप्शन इस बार करूंगा लेट मी कॉल इट एनक्रिप्शन नंबर टू और इस बार मैं इसको एनक्रिप्ट करूंगा सॉरी रिसीवर के पब्लिक की से दोनों मेरे पास है अब देखिए इंटरनेट पर जब ये पैकेट घूम रहा है क्या कोई इसको पढ़ सकता है नहीं क्योंकि जो आउटर शेल है उसको डिकोड कर सकता है रिसीवर का प्राइवेट की जो सिर्फ उसी के पास है तो जब डिक्रिप्शन स्टार्ट होगा लेट मी से डिक्रिप्शन वन तो रिसीवर क्या करेगा रिसीवर पहले इसको अपने प्राइवेट की से आउटर शेल खोलेगा इंटरनल शेल रिडेबल है बट मुझे क्रॉस चेक करना है कि ये सोलडेबल नहीं है बट मुझे क्रॉस चेक करना है कि सेंडर से आया था कि नहीं तो अब मैं इसको सेंडर के पब्लिक की से डिकोड करूंगा जो कि मेरे पास है अब यहां पर दोनों बात की गारंटी है पहला कि मैसेज सेंडर से ही आया था दूसरा मैसेज रिसीवर को ही मिलेगा और कोई इसका कुछ नहीं कर सकता यस सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस आइडिया तो ये मैंने दोनों चीजें समझाई ऑथेंटिकेशन कॉन्फिडेंशियलिटी इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट और दोनों एक साथ भी की जा सकती है नाउ कमिंग टू आर एस सेलगोर तो इन शॉर्ट मैं करता हूं बिकॉज इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट यू हैव न्यूमेरिकल ऑन इट दो तीन वैल्यू पहले से छोटे से सोच के जाना बिकॉज मैथमेटिकली इट इज सो कॉम्प्लेक्स बड़ा वैल्यू लिया तो लग जाओगे सो आई गो वन बाय वन साथ में इंप्लीमेंटेशन दिखाता चलूंगा बॉब इज अडर एलिस इज अ रिसीवर वैसे यहाँ पे ट्रूडी नहीं है बट ये तीन स्टैंडर्ड कैरेक्टर है बॉब भेजता है एलिस को और ट्रू डी को यू नो इंट्रूड करके पढ़ने की कोशिश कर रही है सो यू चूज टू लार्ज नंबर पी एंड क्यू और हम उनको मल्टीप्लाई करके एक नंबर कैलकुलेट करते हैं अच्छा दिस इज नॉट जीरो दिस इज अ फंक्शन एन तो दो नंबर हम कैलकुलेट करेंगे एक तो पी और क्यू का मल्टीपल और एक पी माइनस वन एंड आई एम सॉरी दैट मज बी क्यू माइनस वन ना पी और क्यू माइनस वन का मल्टीपल अगेन टू टू हैव एन एग्जाम्पल सेवन एंड इलेवन आर सपोज पी एंड क्यू तो एन क्या हो गया जिसकी मैं बात कर रहा हूं दोनों का मल्टीप्लाई दैट बिकम सेवेंटी सेवन

Okay, so, तो e थर्टीन तो so, को जब हम मल्टीप्लाई करें थर्टी सेवन से और इसका मॉड करें फाइव एन जो कि हमारे केस में क्या है सिक्सटी तो हमें रिमाइंडर वन मिलना चाहिए यस yes, तो ये काम कर लिया नोट अब क्या नोट करना है

तो भेजेंगे क्या जैसे यहाँ पे देखिए फॉर्मूला में भी लिखा है ये देखिए दिस 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 दिस। तो हम क्या भेजेंगे साइफर टेक्स्ट पी का पावर ई भेजेंगे तो यहाँ पर ई की वैल्यू हमारे पास क्या आई है ई की वैल्यू आई है फाइव तो तो का का सॉरी की वैल्यू आई है 13, 13 और 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 थे ना e और D. तो इसका मैं पावर पावर जब करता इक्वल्स so जो साइफर टेक्स्ट हमारा निकल के आएगा दैट बिकम्स ट्वेंटी सिक्स तो बेसिकली जो हम भेजेंगे वो क्या भेजने वाले हैं ट्वेंटी सिक्स भेजने वाले यहाँ पर आप देखेंगे सो so, पहले आप सी कैलकुलेट करेंगे अच्छा एंड देन यूजिंग सी बॉब कैन डिक्रिप्ट द मैसेज वो कैसे करेगा सी का पावर डी मॉडर्न करेगा तो दोबारा सेम मैसेज मिलना चाहिए तो इसका पावर जो 37 सेवन अगर मैं 37 करता हूं दैट बिकम्स 5 mod 77 टर्न आउट टू बी 5 अगेन तो एक तरफ से आप इनक्रिप्ट कर दूसरी तरफ से डिक्रिप्ट कर दो तो पॉइंट क्या है पे तो इतना एफर्ट क्यों नहीं मार रहा बिकॉज रियल वैल्यूज पे आप काम कर नहीं पाओगे छोटा केस आपको याद करके जाना पड़ेगा बस इतनी सी है क्योंकि वहां पे भी अभी जैसे हमने बोला कि यू चूज अ सच नंबर कि ई और डी का जो मल्टीपल है मॉड फाइव इजिकल्स टू वन होना चाहिए यू कैन चूज दैट नंबर इन एग्जाम तो एक केस आपको याद करके जाना पड़ेगा बिकॉज रियालिटी में अगर मैं देखूं आमतौर पे इतने बड़े बड़े P और Q चूज किए जाते हैं इतना बड़ा N बनता है इतना बड़ा फाइव बनता है तो प्रैक्टिकली इट इज इंपॉसिबल ना कि आप इस पर काम कर सको दैट इज फाइव एन अब ये जिसने अप, अपने मन से E और D चूज किया जिनका जो रिजल्ट है वो सेम आता है अब ये बता रहा है कि इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके दिस इज फाइव दिस इज साइफर टेक्सट और बॉब ने उसको दोबारा कन्वर्ट कर लिया फाइव में सो दिस इज द एंटायर आइडिया आई थिंक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ आई होगी लॉजिक में क्या समझा रहा हूँ an आपके आगे बढ़ते हैं ब्लॉक ट्रांसपोजिशन साइफर ब्लॉक साइफर मैंने कहीं बहुत सारे कॉलेज में सेमेस्टर्स में डिफरेंस देखा तो आई राइट इट डाउन इन आईडिया ब्लॉक साइफर तो वही अप्रोच जो भी हमने देखा कि पूरे टेक्स्ट को ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेते हैं और ब्लॉक बाय ब्लॉक उनके ऊपर काम करते हैं ट्रांसपोजिशन साइफर में अगेन अप्रोच यह है कि ब्लॉक्स तो ठीक है बट वो बार 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 सर्कुलरली शिफ्ट होता है इंपैक्ट मल्टीपल रोज में होगा एरर इन ट्रांसमिटिंग क्योंकि हम ब्लॉक बाय ब्लॉक काम कर रहे हैं यहां पर शिफ्टिंग करते रिलेटिवली फास्ट होता है सिक्योरिटी इन ब्लॉक डिपेंड्स ऑन डिजाइन ऑनक्रिप्शन फंक्शन और ये तो पूरा जो ट्रांसपोजिशन जो सब कुछ आप करें डिफ्यूजन कंफ्यूजन सब पे बेस्ड है सी मैं भी क्रिप्टोग्राफी नहीं पढ़ा रहा ना तो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डेप्थ नेटवर्क्स का छोटा सा एडिशन बेसिक समझ के चल रहे हैं। uh, और ये प्लेन टेक्स्ट को करता है लेटर्स में ऑपरेट ऑन ईच लेटर इंडिपेंडेंटली सो दीज आर टू डिफरेंट अप्रोचेस नाउ जो थोड़ा सा पोर्शन था ये प्रेजेंटेशन लेयर का मान लीजिए खत्म एंड नाउ फाइनली वी आर इन द एप्लीकेशन लेयर सी

एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेसिक टेस्ट भी मिल जाए नंबर भी पूरा आए एफर्ट ज्यादा ना लगे सो एप्लीकेशन लेयर के मेन कुछ ड्यूटीज है ईमेल है फाइल ट्रांसफर है रिसोर्स एक्सेस करना है नेटवर्क मैनेजमेंट है वो सारे के सारे केस यहां पर हम देखते चलेंगे सो आई विल स्टार्ट विद ईमेल ईमेल क्या है वो कैसे काम करता है और ईमेल का क्या यूज केस है वो तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है बट स्टिल सम हेडिंग्स आर देयर सो so, मल्टीमीडिया है मल्टीपल रेसिपेंट हैं एस टी एम एल भी डेटा भेज सकते हैं सिक्योरिटी है फाइल फोल्डर सब बना सकते हैं एवरीथिंग इज देयर आजकल तो लगभग हर चीज के साथ इंटीग्रेशन है कुछ भी आप मेल के साथ एसोसिएट कर सकते हैं बट टेक्निकली ये कैसे होता है इस पे ध्यान so, look at this. पर ध्यान दीजिए सो लुक एट दिस यहाँ पे बल्कि लेट मी कम टू दिस पार्ट पहले डायग्राम देखते हैं ये एक सेंडर है जो मेल भेज रहा है आपने लोकल सिस्टम से तो मेल क्या डायरेक्ट यू नो जो रिसीवर उसके सिस्टम पे जाता है जी नहीं आपका जो सर्वर है पहले मेल जाता है स्टेप नंबर टू में आपके सर्वर के पास फॉर एग्जांपल ये जी मेल पे एलिस का अकाउंट जी मेल बॉब का, लेट का से हॉटमेल पे है ना या याहू पे है अब नाउ द मेल विल ट्रांसफर फ्रॉम द सर्वर ऑफ जी मेल टू द सर्वर ऑफ याहू

और ये जो आखिरी स्टेप है ये हम बोलते हैं इधर और इधर, फर्स्ट और टू में तो मेरे को ट्रांसफर करना, करना रहता है, उधर मेरे को एक्सेस करना रहता है दिस इज हैंडल्ड बाय एम ए नोन एज मैसेज एक्सेस एजेंट नाउ अब ये ट्रांसफर एजेंट और एक्सेस uh, एजेंट होते कौन है द फर्स्ट टू स्टेप जो मैं बोल रहा हूं सेंडर के लोकल सिस्टम से सेंडर के सर्वर तक server server पहुंचाना एंड सर्वर टू सर्वर पहुंचाना इज बीन टेकन केयर बाय एस एम टी पी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये दो ड्यूटी परफॉर्म करता है एंड इट इज अ पुश प्रोटोकॉल सी प्रोटोकॉल को दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं पुश एंड पुल पुश एंड पुल तो आपके लोकल सिस्टम को सर्वर में पुश करना पड़ेगा सर्वर बार बार आके थोड़ी कहता कोई मेल लिखा मैं ले जाऊं क्या यू हैव टू सेंड इट देन अगेन याहू को नहीं पता सम मेल जो Gmail से आने वाले तो याहू थोड़ी पूछेगा जी मेल को चाहिए कि वो इसको पुश करे तो एस एम टी पी इज अटोकॉल जो स्टेज वन स्टेज टू में पुश करता है एंड इसीलिए बोलते हैं मैसेज ट्रांसफर एजेंट यू हैव टू ट्रांसफर इट नाउ इन द थर्ड स्टेप वी हैव टू ऑप्शन पीओपी और आई एम एपी इनके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे बट दैट इज अ पुल प्रोटोकॉल है ना दैट इज अ पुल प्रोटोकॉल मैसेज एक्सेस एजेंट तो यहां पर देखेंगे दोनों में कोई भी आप यूज कर सकते हैं जो मशीन है जैसे हम कहते हैं रिफ्रेश करो देखो मेल आया क्या फिर रिफ्रेश करो ये बार बार सर्वर से पूछते हैं कोई मेल आया क्या कोई मेल आया क्या और अगर मेल आया होगा तब ये यहाँ से इसको पुल करता है यस yes, तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है थ्री स्टेप की जो आपको लिखनी है एस एम टी क्या कर रहे हैं मैंने आपको बताया न लेटमी अबाउट पीओपी पीओपी थ्री और आई एम एज नोन एज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एक और बात फिर वही कहानी सब आउटडेटेड है आजकल कुछ यूज नहीं होता है थिंग्स बट स्टिल तो पीओपी प्रोटोकॉल वर्जन थ्री इसका डेडिकेटेड पोर्ट नंबर है वन हंड्रेड टेन ऑब्वियसली मेल सर्विस है तो टीसीपी यूज करेगा रिलायबल है आउटडेटेड है तो यहाँ पर फोल्डर्स बनाना या प्री फैच करना वो सारे कोई भी ऑप्शन वो वहां पर नहीं था दो मोड में आप बेसिकली काम करते हो डिलीट मोड एंड कीप मोड डिलीट मोड यू डाउनलोड एन मेल एंड आप उसको स्टडी करते हो एंड देन सर्वर से वो डिस्कार्ड हो जाता है चला जाता है इन कीप मोड डाउनलोड है मेल आप उसको स्टडी कर सकते हो बट दैट इज देयर इन द सर्वर कोई एडिशनल फंक्शनैलिटी नहीं है तो स्टार्टिंग में कुछ समय हमने पीओपी पे काम चलाया बट ये बहुत ही लिमिटेड था यह बात समझिए हो रही है नाइनटीन सेवेंटीज की इट वॉज काइंड ऑफ रिप्लेस बाय आई एम एपी थ्री नोन एज इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल वेरिएंट फोर इसने पीओपी नेचर तो सेम ये बहुत हाल पुल प्रोटोकॉल्स ओनली इसने उसके नेचर में थोड़े से एक्सटेंशन किए क्या क्या एक्सटेंशन किए जैसे कुछ आप चाहें तो Uh, सिर्फ हेडर डाउनलोड करके देख सकते हैं कोई स्पेसिफिक स्ट्रिंग पहले अभी तो नहीं है फैशन पहले वायरस आ रहा है मेल में वायरस आ रहा है लाइक दिस वो स्ट्रिंग आप चेक कर सकते हैं पार्सली डाउनलोड कर सकते हैं क्रिएट डिलीट रीनेम कर सकते हैं मेल्स के अंदर फोल्डर बना सकते हैं कैटेगराइजेशन कर सकते हैं ये सारे के सारे फीचर्स आई ने दिए तो बेसिकली इंटरनेट मेल इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल इज एडवांस वर्जन ऑफ पी है ना बट ये दोनों रिसीवर एंड पे काम करते हैं इसका भी नाम आ सकता है शोर्टलॉट लिखने के लिए मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन व्हाट इज इट मल्टीपर्पज एम सॉरी नॉट मल्टीमीडिया मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन व्हाट डू मीन बाय दिस रीजनली जब हमने ईमेल्स बनाए थे ना हमने सोचा सिर्फ टेक्स्ट भेजेंगे फिर किसने सोचा कि ऑडियो भेज सकते हैं क्या इमेज भेज सकते हैं क्या वीडियो भेज सकते हैं क्या ग्राफ भेज सकते हैं अगर आजकल तो पता नहीं क्या क्या भेजना चाहते हैं सो वट वी डू इज एन एक्सटेंशन जो क्या करता है जो भी नॉन एस्काई डेटा है यानी कि नॉन टेक्स्ट डेटा है उसको कन्वर्ट करता है एसकाई डेटा में एनवीटी एक्साई डेटा इसका अपना एल्गोरिदम है जिसपे काम करता है और जब डेटा इंटरनेट पे फ्लो होता है ईमेल के थ्रू फ्लो होता है तो ऐसे ही जाता है जैसे स्काई डेटा जा रहा हो बट ऑन द रिसीविंग एंड अगेन दिस प्रोटोकॉल वर्क्स एंड इट कन्वर्ट बैक दिस यू नो एसकाई डेटा टू द ओरिजिनल नॉन एसकाई डेटा बस ये इसका है एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ऑडियो वीडियोज एंड टेक्स एंड वट एवर यू वॉन्ट टू ट्रांसमिट यू कैन ट्रांसमिट तो पूरा आर्किटेक्चर चेंज नहीं करते बस तो ई मेल में विद्प ऑफ एम आई एम ई हम आ, हर तरह के डेटा को ट्रांसमिट कर पा रहे होते हैं नाउ वेब ईमेल जो आजकल मार्केट में पॉपुलर है तो मैं छोटे शब्दों में ऐसे समझिए अब जब आप मेल एक्सेस करते हैं तो मुझे नहीं पता कितने लोग स्पेसिफिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस या इस तरह का प्रोफेशनल कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं यू डायरेक्टली गो टू द ब्राउजर और वहां से आप अपना मेल एक्सेस कर रहे होते हो तो बस छोटी बात ये है तीन स्टेप हमने पढ़े थे स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर टू स्टेप नंबर थ्री स्टेप नंबर वन एंड स्टेप नंबर टू बोथ आर टेकन बाय एस टी टीपी तो डायरेक्ट आप सर्वर में जाते हो एंड फ्रॉम योर लोकल सिस्टम टू योर सर्वर सॉरी डायरेक्ट आप ब्राउजर में जाते हो विद द हेल्प ऑफ एस टी द ब्राउजर आप डायरेक्टली डेटा सर्वर में भेजते हो हालांकि ये जो स्टेप नंबर टू है ये अभी भी एस एम टीपी ही कर रहा है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसमें कोई चेंज नहीं है बट अगेन फ्रॉम सर्वर टू योर लोकल सिस्टम विद द हेल्प ऑफ अ ब्राउजर आप डायरेक्टली चीज एक्सेस कर पा रहे हो तो तो बेसिकली यू कैन से कि ये जो है पीओपी थ्री और आई एमपी थ्री काइंड ऑफ रिप्लेस्ड है बिकॉज नॉर्मली लोग डायरेक्ट ब्राउजर से मेल एक्सेस कर रहे होते हैं सो दिस इज द आइडिया ऑफ एट नाउ एफ टी पी अगेन शॉर्ट नोट इन फाइव मार्क्स टेन मार्क्स में कम एफ टीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हम कितनी भी बात क्यों ना करें बट स्टिल इंटरनेट पर जो वॉल्यूम ऑफ डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है उसमें से ज्यादातर डेटा कौन लेके जा रहा होता है एफ टीपी एंड दैट इज अ बेसिक आइडिया की हमें इंटरनेट बनाया क्योंकि हमें बड़े बड़े फाइल शेयर करने थे सो एफ टी पी इज आइडिया ऑफ दैट फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल

मानते हैं कि एफ पूरा का पूरा जो एक्सपीरियंस है जो एफिशिएंसी है जो परफॉर्मेंस है जो रिलायबिलिटी और बढ़ जाती है टू बी स्पेसिफिक अगर आप सेमेस्टर में पोर्ट नंबर लिख के आना चाहते हैं तो इसी एफ टी पी यूजेस वेल नोन पोर्ट नंबर ट्वेंटी वन फॉर कंट्रोल कनेक्शन जहां पे कितना ट्रांसफर करना है कितनी बाइट हो गई इस तरह का जो भी मैथड डेटा कम्युनिकेशन करना है वो कंट्रोल कनेक्शन में करते हैं एंड पोर्ट नंबर इज फॉर डेटा कनेक्शन तो जो रियल डेटा है वो पोर्ट नंबर ट्वेंटी से ज्यादा होता है तो ये, ये बीच में परेशान नहीं होती डिस्टर्ब नहीं होती हैवी डेटा सब लाइन डेटा कनेक्शन से कोई भी इंफॉर्मेशन है डीलिंग है वो सब कंट्रोल कनेक्शन से एंड दैट इज हाउ एफ टीपी वर्क आई थिंक नोबडी विल गो इन टू द डिटेल की एक्जेक्ट प्रोटोकॉल क्या है हेडर क्या है विल आस्क यू बेसिक अंडरस्टैंडिंग विद दिस डायग्राम विल Is an issue. So again, को दीरे दीरे किया, पूरा चेंज नहीं किया, so we, we is, कि के साथ एक किया तो वट वीन इजटीबीशन किया सिक्योर सॉकेट लेकर इमेजिन कर सकते हो बिटवीन एप्लीकेशन ले एंड बिटवीन टीसीपी नाउ सिक्योर सॉकेट लेर जो एफ टीपी को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही होती है नाउ यू कॉल इट एज एस एस एल एफ टीपी है ना तो सिक्योरिटी वाला पॉइंट याद रखना है एक छोटा सा पॉइंट मुझे कहीं लिखा मिला ट्रिब्यूल फाइल ट्रांसफोर्ट प्रोटोकॉल आजकल वैसे काइंड kind ऑफ of इसे कोई यूज नहीं करता बट रिमेंबर दीज थ्री पॉइंट सिंपल है फाइल ट्रांसफर यूडीपी के बेस पे करता है हालांकि डिटेल में बात नहीं कर सकते रीड और राइट करने के काम आता है वेल नोन पोर्ट नंबर 69 इसको अलोकेटेड है इनिशियली बूट करना हो लोकल एक लैंड में काम करते हैं इनिशियली कॉन्फ्यूगर करना हो तो आप इसका, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ऑथेंटिकेशन क्रिप्टोग्राफी इनक्रप्शन कुछ भी नहीं करेगा तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन या लार्ज फाइल के लिए सुटेबल नहीं है और ऑलरेडी मार्केट में अच्छे अच्छे वेरियंट है जैसे यू पी एस है एस एफ टी पी है जो इसको रिप्लेस कर चुके बट अभी भी क्योंकि बहुत सिंपल है ज्यादा दिमाग लगाता नहीं है तो बेसिक रिक्वायरमेंट में लोकल नेटवर्क में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर बेस्ड ऑन यूडीपी ओके टॉकिंग अबाउट डब्ल्यू 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 ये पूरा गेम मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ पूरी दुनिया चल पा रही है वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू 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 के बारे में तो एक छोटा सा डिस्कशन पांच नंबर का इस पे भी दिस आइडिया वॉज ओरिजिनली एट यूरोपियन लेबोरेटरी फॉर पार्टिकल फिजिक्स वो कभी कभी आता है ना इस लेबोरेटरी का नाम आता है कुछ वो पार्टिकल आपस में टकराते हैं ब्लैक हनल ऑल तो यही पे डेवलप हुआ था इट इज अइंड ऑफ पॉइंट आप देख ही सकते हैं एक सिस्टम हमने बनाया, बनाया uh, you know, थ्रू सारी इंफॉर्मेशन हम आपस में कनेक्ट करते हैं इन जनरल है, जो गाइड करे क्या सही है क्या गलत आप अपने हिसाब से चीजें बनाते हैं जिसको एक्सेस करना है वो एक्सेस कर रहा होता है तो आर्किटेक्चर क्या कैसे डब्ल्यू 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 काम करता है सो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है सिस्टम पे, तो पे बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ब्राउजर आप वेब पेजेस के सर्वर के लिए रिक्वेस्ट करते हैं एंड देन यू गेट अ रिस्पॉन्स दैट इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे पूरा डब्ल्यू डब्ल्यू काम करता है कौन के आ, मुझे लगता हो सकता है अगर आप यू नो इफ यूजिंग लैपटॉप और डेस्कटॉप में भी आप क्रोम या मोजिला यूज कर रहे होंगे अगर आप फोन में है तो भी क्रोम हो सकता है मे बी आई फोन यूजर यू मे बी यूजिंग अ सफारी सो ब्राउजर बहुत सारे वेंडर्स हैं बहुत सारे कमर्शियल ब्राउजर मार्केट में हैं। यहाँ पे तीन बेसिकली पार्ट्स होते हैं अ कंट्रोलर अ क्लाइंट प्रोटोकॉल एंड इंटरप्रेटर तो यू कैन नोट देम डाउन बट द पॉइंट इज ब्राउजर वो इंटरफेस है जिस इंटरफेस के थ्रू हम किसी भी वेब पेज को एक्सेस कर रहे होते हैं फ्रॉम द सर्वर हमारे बिहाफ पे सारा का सारा काम जो वो ब्राउजर कर रहा होता है जैसे ही वहां से कोड आता है उसको रीड करना इंटरप्रेट करना और प्रॉपर फॉर्मेट में स्क्रीन पे शो करना ये सारा काम यहाँ पर ब्राउजर कर रहे होते हैं सर्वर भी ब्राउजर को ही रिस्पॉन्ड करता है एंड देन ब्राउजर को शो करता है तो जैसे ही हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं वो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर रिस्पोंड करता है वो वेब पेज उधर से आता है और ब्राउजर को पूरा करके दिखा देता है मल्टी थ्रेडिंग मल्टी प्रोसेसिंग सारी चीजें यहां पर साथ-साथ चल रही होती है यूआरएल अगेन ऊपर जहां पर आप लिखते हैं http www.this this, this 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 then it is converted into you know ip address port number तो वो जो ऊपर लिखा होता है दैट इज यूआरएल उसके बारे में दो लाइनें लिखनी है आप लिख सकते हैं कुकीज कुकीज अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज है सी व्हाट इज अ कुकी इसको ऐसे समझिए इंटरनेट पे एक क्लाइंट है एक क्लाइंट और एक सर्वर है बहुत सारे क्लाइंट सर्वर से बात करते हैं बात होती है फिर लोग भूल जाते हैं सपोज करिए यू गो टू अमेजोन आपके बारे में याद रखना चाहता आप कौन थे आपने क्या सामान देखा था ताकि अगली बार जब आप आए तो आपको बेटर डेटा वो बता पाए तो वट अमेजोन इज गोइंग टू डू विद द हेल्प ऑफ अ ब्राउजर आपके जो भी अंडरस्टैंडिंग Amazon रखना चाहता है वो डेटा ब्राउजर की मदद से आपकी ही मेमोरी में सेव कर देता है इसी को कुकी कहते हैं सो देट नेक्स्ट टाइम जब आए और आप अमेजॉन से बात करें Amazon पूछेगा आपके ब्राउजर से कि वो डेटा बताओ जो लास्ट टाइम सेव कराया था वो डेटा मैं एक्सेस करके आप ही के बारे में जानता होंगे कि आप कौन है और उसी बेस पे जो रिजल्ट होगा यू नो बेस्ड ऑन द पर्सनलाइज रिकमेंडेशन वो मैं आपको शो करूंगा तो कुकी बनाई किसने सर्वर ने कुकी खाई किसने सर्वर ने रखी कहा क्लाइंट की मेमोरी में आर्ग्यूमेंट वैलिड इसलिए भी है कि क्लाइंट का एक्सपीरियंस इंप्रूव करना है तभी अच्छे से इंटरनेट चल पाएगा दूसरा Amazon या किसी भी सर्वर के पास इतना स्पेस नहीं होगा कि वो हर क्लाइंट का डेटा स्टोर करके रखे पता नहीं कभी काम आएगा भी कि नहीं आएगा कभी कभी जब डिलीट करते हैं हिस्ट्री क्यों करते हैं आपको पता है तो वहां पूछता है कि इवन कुकीज इंफॉर्मेशन भी डिलीट करना है कि नहीं करना सो दैट इज द सेम कुकी तो ये शब्द कभी कभी इस्तेमाल होता है इंपॉर्टेंट है मैंने डिस्कस कर लिया एस टी टीपी डब्ल्यू 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 के ऊपर जितना भी डेटा ट्रांसमिट होता है इवन मेल का भी जो ज्यादातर रेस्पॉन्सिबिलिटी है कौन ले रहा है फॉर हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो जितने भी वेब वेब पेजेस डॉक्यूमेंट इंटरनेट पे फ्लो होते हैं एस टी टीपी के थ्रू होते हैं रिलायबल है क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर में सर्विस यूज करता है टीसीपी की और इंपॉर्टेंट है तो एक वेल नोन पोर्ट नंबर एट्टी इसको परमानेंट हमने अलोकेट करके रखा है आ, कनेक्शन ओरिएंट है पहले कनेक्शन स्टेब्लिश करते हैं देन कम्युनिकेशन होता है ऐसा बोला जा सकता है कुछ हद तक कि एस टी टीवी इज अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एफ टी पी एंड एस एम टी पी क्योंकि मेल सर्विस को भी काइंड ऑफ मैनेज कर रहा होता है और फाइल ट्रांसफर को भी हैंडल कर रहा होता है इसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन है स्टार्टिंग में क्या होता था कि इट वॉज नॉन प्रसिस्टेंट तो जब भी एस रिक्वेस्ट करता था एक टीसीपी कनेक्शन बनता था रिक्वेस्ट सेटिस्फाई होती थी तुरंत कनेक्शन हम ब्रेक कर देते थे तो जब भी हम डिस्कशन करते ना एवरी टाइम वी हैव टू क्रिएट अ टीसीपी कनेक्शन दैट वाज काइंड ऑफ अ स्लो तो एस जब अपडेट हुआ इन वर्जन वन पॉइंट वन देन वी पर बेसिकली वेन वी स्टेब्लिश अ कनेक्शन तो वो कनेक्शन बना रहता है बात करते रहते हैं एंड फाइनली जब क्लाइंट बात करना बंद कर देता था तब हम उस कनेक्शन को क्लोज करते थे तो एस ने भी समय के साथ काइंड ऑफ इंप्रूवमेंट किया है बट स्टिल देर आर सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एस के बारे में आपको पता होना चाहिए इट डज नॉट मेंटेन एनी स्टेट एक बार डिस्कशन हुआ कम्युनिकेशन हुआ वो मैं सारी बात भूल जाऊंगा दोबारा याद नहीं रखूंगा अगली बार आप आएंगे तो मैं आपसे इंडिपेंडेंटली बात करूंगा हर डिस्कशन को इंडिपेंडेंटली ट्रीट करते हैं इसके पास अपनी कोई सिक्योरिटी भी नहीं होती तो अब आप, आप देते देखते ना बोलते हैं कि यार कोई भी काम कर रो बैंक वगैरह का इंपॉर्टेंट देखो एस लिखा है कि एस टी लिखा है तो उसको भी हमने सिक्योर सॉकेट लेर के साथ मॉडिफाई किया जो एफ को किया है तो बेसिकली वहां पर आपको ब्राउजर में देखेंगे तो लिखा है एस जिसका मतलब ऑथेंटिकेशन कॉन्फिडेंशियलिटी जिसकी हमने बात की क्रिप्टोग्राफी वाले आइडिया में वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर मेंटेन रखते हैं अगला नंबर आता है डीएनएस का वॉट इज डीएनएस डीएनएसटेंट फॉर डोमेन नेम सिस्टम नो व्हाट इज डीएनएस देखिए हमने लोकल एरिया में लैंड के ऊपर हमने इथरनेट में मैक एड्रेसिंग करी इंटरनेट को मैनेज करने के लिए हमने लॉजिकल एड्रेसिंग करी प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए इन साइड सिस्टम हमने पोर्ट uh, एड्रेसिंग करी बट पॉइंट इज की यू नो एवरी थिंग इज आइडेंटिफाइड बाई एन आई पी फॉर ह्यूमन बीइंग टू रिमेंबर अ थर्टी टू बिट आई पी इवन इन आईपी वर्जन सिक्स वन ट्वेंटी बिट आई पी इज क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर एक्साम्पल आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं गूगल क्या बता सकते हैं गूगल का आईपी एड्रेस क्या है नोबडी नोस गूगल का आईपी एड्रेस क्या है तो एप्लीकेशन लेयर में इन दिस डीएनएस वी हैव नेक्स्ट लेवल ऑफ एड्रेसिंग कॉल्ड एज नेम एड्रेसिंग तो व्हाट वी डू विद एवरी वेबसाइट विद एवरी डेस्टिनेशन मेल है कुछ भी है हम उसके साथ एक नेम एसोसिएट करते हैं यस एंड देन डीएनएस इज अ सिस्टम जो उस नेम के साथ जो भी आईपी है उसका रिमेंबर रखता है उसके साथ अपने टेबल्स होते हैं और हमारे बिहाफ पे कन्वर्ट होता है तो आप लिखते हैं डब्ल्यू 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 डॉट गूगल डॉट कॉम तो डीएनएस का सर्वर है ये क्वेरी उसके पास जाती है कि भाई गूगल डॉट कॉम क्या है तो कहता रही है वो वाला आईपी को गूगल कहता है इमेजिन इसको पता ही नहीं है इंटरनेट को नहीं पता कि गूगल क्या है गूगल तो सिर्फ एक नाम है जो आपके और मेरे इंट्रैक्शन को ईजी बनाने के लिए रखा गया है तो ये पूरी कहानी यहां पर होती है फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर देखिए वट एवर वेबसाइट इज ब्राउजर में हमने लिखा और एंटर दबाया नॉट ए डी एन एस सर्वर तो एक क्वेरी की डीएनएस सर्वर के पास पहले रियल सर्वर के पास नहीं कि इस वेबसाइट के पास पूछने के लिए भाई ये है कौन तब इस डीएनएस ने बताया डीएनएस डेटा है ना? तब इसने बताया कि यार ये इस आई पी एड्रेस की बात करा वन नाइनटी एट डॉटी वन डॉट वन नाइनटी डॉट टू फोर्टी थ्री देन फाइनली यूजिंग दिस आईपी में रियल सर्वर तक के पास पहुंचा और तब मुझे वेबसाइट या जो वेब पेज आया होगा रिस्पॉन्स मिला अगेन हर चीज को हमने समय के साथ ऑप्टिमाइज किया है कुछ वेबसाइट्स आप दिन में कई बार एक्सेस करते हैं तो बार बार सर्वर के पास जाने की जरूरत नहीं है लोकली कैन डू यू कैन हैव अ कैश तो गूगल है फेसबुक है इंस्टाग्राम है इन सबका लोकल कैश आपके सिस्टम में ही है इन सबके आईपीएड्रेस याद रखते हैं अगर कैश से मामला सेट हो जाता है देन इट इज डन अदरवाइज फिर से हम डीएनएस सर्वर के पास जाएंगे इसकी भी अपनी पूरी हैरारी हो सकती है लुक एट दिस मतलब होता है ना कि इतनी वेबसाइट्स इतना डेटा है कैसे हैंडल करेंगे तो रूट लेवल सर्वर हो सकते हैं देन देन टॉप लेवल सर्वर सर्वर हो हो सकते हो सकते हैं हैं फाइनली रूट लेवल कि भाई ये बता सकता डॉट कॉम का डेटा कौन रखे हुए डॉट इन डब्ल्यू 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 डॉट नॉलेज गेट डॉट इन हमारी वेबसाइट का डेटा किसके पास होगा तो इस तरह से लेवल वन पे काम करेंगे देन लेवल टू पे डॉट कॉम के वाला सारा डेटा इसके पास अब ये यह कि अच्छा कौन सी वेबसाइट गूगल डॉट कॉम ओके दैट इज एन आईपी एड्रेस फाइनली यू गोइंड

Uh, कॉम ही सबसे ज्यादा यूज होता है कंट्री एक्सटेंशन होता है डॉट इन डॉट यूएस है ना डॉट सिंगापुर डॉट ऑस्ट्रेलिया एय इस तरह से कंट्री एक्सटेंशन भी हो सकता है नेम की क्या डेप्थ हो सकती है सो देर कु एट लेवल्स इतनी डेप्थ में आप जा सकते हैं हर लेवल पे मतलब बेसिकली एक तो हुआ वेबसाइट तक पहुंच गए फिर यू नो यूजिंग एक्सटेंशन वेबसाइट के अंदर कौन से डिपार्टमेंट में जाना है शायद किसी कॉलेज की बात हो रही है तो ईडी द डिपार्टमेंट उसके अंदर यू नो एफ डी एच ए कुछ और चीज होगी उसके अंदर चैलेंजर ए सी टी लाइक दिस यू कैन गो और उसकी पूरी हेरिकी पूरा सिस्टम होता है डॉट लगा के आप एंटर करके पूरा मैनेजमेंट दिखा सकते हैं तो पूरी रूल्स एंड रेगुलेशन है तो समय के साथ बहुत इंप्रूव इसमें हमने कर लिया नाउ देर आर सर्टेन छोटे 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 टॉपिक्स है ना एंड यू नो बेसिक बेसिक डिस्कशन करते चलूंगा बिकॉज पांच नंबर में सात नंबर में क्वेश्चन है छूटना नहीं चाहिए और ये चंगू मंगू बहुत सारे हैं ज्यादातर आउटडेटेड है जो आजकल यूज नहीं होते बट स्टिल सेमेस्टर में पूछ रहा है तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है दो दो चार चार लाइन मैंने लिख के रखी की पांच नंबर आपके कहीं कटे ना चेक करिएगा सबसे पहला टेलनेट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क इज एन नोवन फ्रॉम टेलनेट ट इज अ टेक्स बेस्ड प्रोटोकॉल यूज फॉर रिमोट एक्सेस टू द सर्वर वेल नोन पोर्ट नंबर ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी थ्री एलोकेटेड है तो अगर आप कहीं क्लाइंट साइड पर बैठ के सर्वर का डेटा एक्सेस करना चाहते हैं सो दिस इज अ प्रोटोकॉल टू डू दैट यूज इन डीपर्गिंग एंड इंटरक्टिव सेशन इंट्रेक्शन करने के लिए अगर सर में कुछ डिबक करना काम आता है लेकिन सिक्योरिटी मेजर्स कुछ इतने अच्छे नहीं है इसके साथ इसीलिए समय के साथ काइंड kind ऑफ of इसको हमने हटा दिया यहाँ पर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी क्योंकि जाएगी तो प्रॉब्लम होता है इसको लार्जली ऑलरेडी रिप्लेस किया है एस <SSH> ने बट टेलनेट स्टिल जो कुछ लेगेसी पुराने सिस्टम्स हैं जहां पे मे बी सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वहां पे कहीं दूर बैठ के अगर आप सर्वर एक्सेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बट अगेन फॉर जैसा वो बोल रहा है फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नॉट एडवाइजेबल नाउ तो डायग्राम बनाइएगा आइडिया लिख के आइए टेलनेट कहीं दूर बैठ के सर्वर को एक्सेस करना चाहते हैं यू कैन गो फॉर दिस टेलनेट आइडिया नाउ एप्रानेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क नाउ वॉट इज दिस स्टोरी इंटरनेट की हिस्ट्री है बेसिकली इट इज द फर्स्ट वाइड एरिया नेटवर्क यूजेस पैकेट स्विचिंग जो डिजाइन हुआ था 1960s में बाय डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यूएस जो आज का इंटरनेट है ना उसकी शुरुआत है उसका बेस इसने किया था इंट्रोड्यूस बाय अर्ली नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स लाइक एनसीपी गेव राइज टू एप्लीकेशन लाइक ई मेल डिजाइन रिसर्च एंड रिसोर्स शेयरिंग ये हंड्रेड ऑफ इंस्टीट्यूशन उस समय धीरे धीरे इसने कवर किए थे ऑलरेडी इसको आज से 30, 35 पहले तो कर दिया गया। तो नहीं है बट हाँ हमने उस समय कैसे काम किया कैसे प्रोटोकॉल डेवलप की वो आज के जो मेजर जो आइडियाज जो प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं बड़ा इन्फ्लुएंस है उसका सो दैट इज अपराट कहीं कहीं मैंने लिखा देखा है अगेन दिस इज एल्ड स्टोरी एक्स ये भी there are some college, university, में mentioned है by name. So I thought, एक मिनट का डिस्कशन भी ओल्ड प्रोटोकॉल यूज इन वाइड एरिया मान लीजिए पुराना आईपी है ये इतिहास का आईपी वाइड एरिया नेटवर्क दैट इंक्लूड द फीचर ऑफ एरर चेकिंग वर्चुअल सर्किट सेटअप यूज बेस बिलिंग ऑपरेटर अक्रॉस थ्री लेयर्स इन दस ओएसआई मॉडल लार्जली यूज इन पास्ट ऑफ एप्लीकेशन लाइक क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग ए सपोर्टिंग स्लो डेटा रेट्स इनिशियली बट इवॉल्व ओवर टाइम ऑल दूस डिक्लाइन declined due to faster प्रोटोकॉल्स लाइक इंटरनेट तो समय के साथ इसको kind of replace कर दिया गया but again the whole process, the whole idea इसने हमें मोटिवेट किया इंस्पायर किया और आज की जो चीजें हैं उसमें कहीं ना कहीं एक्स टू पॉइंट फाइव का भी रोल है तो उसको नमस्ते करके आगे बढ़ते हैं कोई पूछे तो तो इतना बना के, बना के के डायग्राम आप आ सकते हैं कमिंग टू सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल कभी कभी इसकी भी बात की जा सकती है लेट है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट इट इज अ कॉमन टूल फॉर मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग नेटवर्क डिवाइसेस इसके लिए यूज होता है इट ऑपरेट्स ओवर यूडीपी तो यूडीपी है तो बहुत लेवल तो वैसे भी नहीं होगा एंड विद इंट्रा टू कंट्रोल डिवाइस प्रॉपर्टीज कहीं दूर से बैठ के अगर नेटवर्क का राउटर है सर्वर है मल्टीलेयर स्विचेज है उन सबको जो मैनेज करने का जो प्रोटोकॉल है दैट अ सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल तो अगेन जो लोग सीसीएनएन ऑल यू नो नेटवर्क में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं वहां इसका आइडिया है कुछ अपनी कमांड्स होंगी गेट सेट ट्रैप जिनका ये अलग अलग तरीके से यूज करता है स्केलेबल है रियल टाइम मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं एंड कलेक्टिंग आइदर बाय पोलिंग या ट्रैपिंग अलग अलग जो कमांड्स होंगी उसका इस्तेमाल इसमें होता है सो वन आइडिया इज दिस वॉइस ओवर आईपी हालांकि दिस इज बिग रियालिटी ये क्या कंसेप्ट है कि अगेन पहले हम फोन पे बात किया करते थे और अभी ऑलरेडी ऐसा हो गया है कि आप अगर नोटिस करें कि हम बोलते हैं ना कनेक्शन वीक है काम करो व्हाट्सएप पे कॉल लगा लो या फेस टाइम कर लेते हैं समथिंग लाइक दिस तो दिस इज द रियलिटी ऑफ इट सो ये प्रोटोकॉल अलाउ करता है कि आप कंटिन्यूस वीडियो कॉल करें मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन ओवर आईपी नेटवर्क कर सकते हैं विद ऑल कॉस्ट सेविंग एंड नेटवर्क एफिशियंसी बिकॉज इंटरनेट पे जब बात करते हो तो पैकेट्स

Uh, के साथ ये काम करता है हर चीज का ख्याल रखा जाता है ऑफन यूज इन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बट कैन इंट्रोड्यूस कॉम्प्लेक्सिटीज लाइक नेटवर्क लेटेंस इन फेलियर हैंडलिंग तो लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली कुछ इश्यूज हो सकते हैं बट ये भी रिमोट प्रोसीजर कॉल काम करता है किसी मशीन को अगर आपको दूर बैठ के एक्सेस करना है तो नाउ देर आर सम छोटा छोटा डिवाइसेस जो मुझे लगता है किसी लेयर में लोग बात करते नहीं और कवर होते नहीं और बच्चे कहीं ना कहीं कंफ्यूज रह जाते हैं तो एक बात उन पर भी करना जरूरी है फायरवॉल क्या होता है बहुत जगह ना आपने नाम सुना होगा एग्जाम में भी एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकते हैं तो वट इज अ फायर वाल? तो इट इज अ काइंड ऑफ अ सिक्योरिटी मैकेनिज्म फॉर ट्रैफिक चेकिंग जहां पर वेदर बाहर जाएगा अंदर आएगा हम चेक करेंगे फॉर स्पेसिफिक आई एंड पोर्ट नंबर्स और अगर हमें लगता है कुछ भी गड़बड़ है देन वी कैन दैट पैकेट स्टेटफुल इंस्पेक्शन प्रॉक्सी सर्वर वीपीएन सपोर्ट हर चीज को एनहेंस करने के लिए काम आता है खासकर जितनी भी प्रोफेशनल कंपनीज है एवरीबडी यूज देयर फायर वॉल्स की उनका जो नेटवर्क है वो सेफ रहे और कोई भी गड़बड़ उसके अंदर ना हो थोड़ा सा लैगिंग uh, जरूर होगा बिकॉज ऑफ द फायर वर्ल्ड बट इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द डे रिपीटर क्या होता है छोटे छोटे डिवाइस रिपीटर क्या है रिपीटर एक कई बार आप सुनते रिपीटर, रिपीटर. बहुत छोटा सा डिवाइस होता है जिसको किसी भी लेयर की कोई समझ नहीं उसका काम सिर्फ इतना है कि जो भी डेटा आ रहा है क्योंकि समय के साथ डेटा डिग्रेड हो रहा होगा उसका पावर कम हो रहा होगा उसको एम्पलीफाई करके उसको बूस्टअप करके दोबारा आगे भेज देना जैसे इस तरह के टावर आपने देखे होंगे या बहुत सारी जगह वाईफाई जहां वीक होता हो सकता है आपने भी एक वाईफाई रिपीटर लगाया हो लेकिन इसकी कोई समझ नहीं है ये कोई पैकेट वैकेट चेक नहीं कर रहा रिपीटर इज अ सिंपल डिवाइस जो सिर्फ सिग्नल को बूस्टअप करके दोबारा आगे भेज रहा होता है वट सिग्नल इट इज सो दैट डिवाइस इज नोन एज रिपीटर ओके okay. हब क्या होता है अगेन दिस इज अ काइंड ऑफ आउटडेटेड थिंग हब क्या है इसका इथरनेट हब हाँ, एक्टिव हब हाँ, नेटवर्क हब हाँ, रिपीटर हब हाँ, मल्टीपोर्ट रिपीटर अलग अलग नाम से या सिंपली हब हाँ, इसे बुलाया जाता था इसका बेसिकली काम क्या है मल्टीपल इनपुट आउटपुट पार्ट होंगे पोर्ट्स होंगे इनपुट जब कभी भी आप किसी पोर्ट पे दोगे तो बाकी सारे पोर्ट पे वही डेटा एक तरीके से आपको मिल जाएगा मल्टीप्लीकेट करने के काम आएगा अलग अलग डिवाइस को कनेक्ट ये कर सकता है बट अगेन नाउ डेज नेटवर्क ये ऑलरेडी काइंड ऑफ आउट है और स्विचेस ने इसको रिप्लेस कर दिया है तो हब आप सुनेंगे नहीं कहीं पे भी कि हब बनाया हमने या हब लगाया है ब्रिज ये नाम इंपॉर्टेंट है ये काम करता है डेटा लिंक लेयर पे, है ना? और डेटा लिंक लोकल नेटवर्क्स को कनेक्ट करना उनका जो भी हैंडल करना सो दीज टू अ सिंगल नेटवर्क सो वट इज अ ब्रिज ब्रिज कनेक्ट करता है ना दो चीजों को दो लैन को कनेक्ट करने का ब्रिज तो नेटवर्क आता लेकिन हाँ दो इथरनेट इसको समझ आते हैं तो कौन सी डेटा लिंक ब्रिज स्विच क्या होता है आजकल आप देखेंगे स्विचेस बहुत जगह यूज होते हैं स्विच स्मार्ट है रिलेटिव टू रिलेटिव टू ब्रिज में बोल सकता हूं हमारे ऑफिस में भी स्विचेस लगे हुए हैं

हुए हैं किधर डिवाइसेस लगे हुए हैं किधर में भी हैंडसेट लगे हुए हैं है ना कॉल करने के लिए तो सब चीज को ध्यान रखिए प्रॉपरली काम करता है आजकल बहुत फैशन में राउटर इसके बारे बार बार बताने की जरूरत नहीं आप सभी के घरों में ज्यादातर राउटर होंगे नहीं तो कहीं ना कहीं आपने देखे होंगे तो इंटरनेट आपके घर तक आता है उसके बाद उसको मल्टीपल लाइन में पहुंचाना या वाई फाई दोनों चीजें पोर्ट भी है वाईफाई भी है उसको आगे ट्रांसमिट करने के काम आता है राउटर ये हम अपने घर के राउटर की बात करते हैं बाकी जो बड़े बड़े राउटर्स होते हैं प्रोफेशनल ग्रेड वाले राउटर वो इंटरनेट को मैनेज करने के काम आते हैं अपने राउटिंग टेबल्स उनके पास होते हैं एंड दे वर्क एन यूजवल गेटवेज गेटवे इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स डिवाइस जो एक्चुअली काम करता है एप्लीकेशन लेयर पे यानी उसको सारे लेयर की अंडरस्टैंडिंग है सो गेटवे इज अ पीस ऑफ नेटवर्किंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज इन टेलीकम्युनिकेशन फॉर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क दैट अलाउ डेटा टू फॉलो फ्रॉम वन डिस्क्रीट नेटवर्क टू अनदर हर लेवल पे एक सर्वर से दूसरे सर्वर का कनेक्शन कर देता है ये अलग है राउटर स्विचेस से बिकॉज ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल्स हैंडल कर पा रहा होता है एंड इट हैज द अंडरस्टैंडिंग

बहुत मजा आ रहा है दीज सिंगल शॉर्ट वीडियोस आई थिंक दिस इज द थर्ड वीडियो इन द सीक्वेंस बहुत सपोर्ट आप लोगों को मिल रहा है और अब यहां तक जो पहुंचा है ऑब्वियसली उससे बात करना बनता है तो मैं ये भी नहीं बोलूंगा आई थिंक आप कर ही चुके होंगे कमेंट करिए सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और ये जो शुरुआत है ना धीरे धीरे आप देखेंगे वी ट्राई एवरी वीक और एटलीस्ट विद इन टेन टू फिफ्टीन डेज एक सिंगल शॉर्ट वीडियो आए आपके आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है सेकंड थर्ड फोर्थ सब्सक्राइब करिएगा पास आउट हो चुके तो भी सब्सक्राइब करिएगा बट अभी ये जो फिलहाल सिंगल शॉर्ट वीडियोस का सीजन चल रहा है जो सीरीज चल रही है आपकी बीटेक को आसान क्या बिल्कुल खत्म कर देंगे सेमेस्टर पास करना है एक दिन दो दिन पहले देख के कर सकते हैं द रिमेनिंग टाइम कैन बी यूज इन अ मच बेटर वे जो आपको लगता है आपको इस्तेमाल करना चाहिए वेदर वो प्रोग्रामिंग एंड ऑल दिस मैं ये डिमोटिवेट नहीं, नहीं कर रहा कि ये है, आप पढ़ना भी चाहते है तो बढ़ी है डिटेल में, once, so में exactly क्या पूछ रहा। वो इंपॉर्टेंट है ना यार कभी कभी हम बहुत ज्यादा कर देते हैं बैक लग जाती है दिमाग खराब फिर तो वो ना हो हर बच्चा अच्छे से पास हो और चीजों पर आगे बढ़ सके इसी चीज की कोशिश में और नॉलेज पूरी टीम यहाँ पर करी साथ आप लोगों का चाहिएगा जब तक आप साथ नहीं देंगे तब तक हमें